हेलो एवरीवन इस वीडियो में डा यानी डिजाइन एनालिसिस ऑफ एलगोरिदम कंप्लीट करेंगे स्पेशली योर सेमेस्टर एग्जाम मैंने इस वीडियो में बताया है कि एग्जाम से से है, exactly है।, है तो अगर आपने पहले एल्गोरिदम कभी नहीं पढ़ा है या आपको उसको जल्दी से रिवाइज करना है दोनों ही केस में वीडियो आपके लिए बड़े कमाल का होने वाला है अगर आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपको एलगोरिदम सिखाने की जिम्मेदारी मेरी यहाँ मैंने बहुत सारे कॉलेज

नक्शा बनता हुआ नजर आए तो सर सबसे पहले ध्यान देते सिलेबस के बारे में तो दिस इज सिलेबस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन पॉज वीडियो और आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं अगेन विल गारंटी नाइनटीन नाइनटी फाइव परसेंट से ज्यादा सिलेबस मैच होगा और मैंने बहुत ध्यान से हो सकता है यूनिट बाय यूनिट मैच न करे बट यू कैन सेलेक्ट द टॉपिक सो विल स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन सॉर्टिंग की डिटेल में बात करूंगा नौ तरह के प्रोग्रामिंग देर आर समर्स जैसे बी ट्री है ऑलरेडी मैं डीबी में पढ़ा चुका हूं तो यहां उसकी बात दोबारा नहीं करूंगा एंड इन द लास्ट जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर मैंने नीचे रखा है तो दिस इज द एग्जैक्ट आइडिया नौ से दस घंटे की वीडियो होने वाली है अभी मैंने रिकॉर्ड किया नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है नाइन टू टेन आवर्स की वीडियो होगी और एक एक टॉपिक बहुत तसली शानदार तरह से पढ़ा है चैप्टर्स आप नीचे देख पा रहे होंगे तो चैप्टर्स में क्लिक करके यू कैन ऑल्सो रीज टू दीज वीडियोज ये वीडियो अगेन सफिशियंट होने वाली है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ऐसा बेसिक्स बढ़िया काम करेगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आलगोरदम होता क्या है बजाय इसके कि अगेन डेफिनेशन से समझें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से डेफिनेशन को समझना बहुत आसान होगा तो एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री नंबर तो अभी हम किसी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे बेसिक बात कर रहे हैं अगर तीन नंबर हमारे पास है मी नेम देम सपोज ए बी सी प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है सोचिए बताइए कैसे करेंगे हाँ ऑब्वियसली कंपैरिजन करना पड़ेगा कंपैरिजन इज अ बाइनरी ऑपरेटर या तो पहले ए और बी में कर लीजिए पहले बी और सी में कर लीजिए या ए और सी में कर लीजिए पहला कंपैरिजन तो करना पड़ेगा देन अगेन उन दोनों में जो भी जीतेगा मान लीजिए ए बी में ए जीता या बी जीता जो भी उसका कंपेरिजन सी से होगा तो अल्टीमेटली मैं हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे बट बड़ा कॉमन सेंस आइडिया है यार तीन में से अगर एक मैक्सिम नंबर पता लगाना है और कंपैरिजन को हम बाइनरी ऑपरेटर मान के चल रहे हैं तो दो कंपैरिजन मोटा मोटा में करना पड़ेगा इसी चीज़ को ये तो हमने जब जस्ट डिस्कशन कर लिया यू you नो know, अगर प्रॉपर तरह से लिखें अब लिखने का मेरा मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें इन जनरल यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है हिंदी में अपनी रीजनल लैंग्वेज में किसी में भी लिख सकते हैं तो मान लीजिए क्या करेंगे लुक एट दिस तीनों नंबर पढ़ लिए वही कह रहा है पहले ए को कंपेयर करो बी से अगर ए ग्रेटर निकला तो फिर फर्दर चेक कर लेते हैं क्या ए सी से भी ग्रेटर है अगर हाँ तो लार्जेस्ट नंबर कौन हो गया ए वरना कौन हो गया सी अगर आउटर कंडीशन ही ए बी से ग्रेटर नहीं होता तो बी ग्रेटर था इसका मतलब तो बी को कंपैरिजन करो फिर देखो क्या बी सी से भी ग्रेटर है अगर हाँ तो बी हो गया ग्रेटेस्ट अगर नहीं तो सी हो गया ग्रेटेस्ट अगेन सेम आइडिया है सेम मैकेनिज्म है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा इसी को हम बोलते हैं एलगोरिदम अब ये एलगोरिदम लिखा हुआ है तो एलगोरिदम का ना कोई बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन उसको लिखा जा सकता है एक और चीज देखिए फ्लोग्राफ जिसे बोलते हैं अगर उसी चीज़ को हम एक ग्राफ फॉर्मेट में बना लें ये हमने स्टार्ट किया तीन नंबर हमने लिए अगेन सेम लॉजिक है पहले ए और बी को कंपैरिजन किया अगर ए ग्रेटर है तो फिर ए को सी से कंपैरिजन कर रहे हैं अगर ए फिर भी ग्रेटर था ए बिकम्स ग्रेटेस्ट, वो जो सेम एल्गोरिथम अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेम आइडिया डिस्कस कर रहे थे ये उसी चीज़ का एक फ्लो चार्ट है और ये

कोई भी सॉल्यूशन जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करो और एक बार आपको वो एलगोरिदम पढ़ एलगोरिदम मस्ट भी रीडेबल इजेंटेड एलगोरिदम पढ़ के समझ आना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है एक बार अगर एल्गो क्लियर है देन प्रोग्रामर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है वो कोई बड़ी बात नहीं नाउ इफ आई गो बाइट डेफिनेशन तो क्या लिखना चाहिए देखिए इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सिक्वेंस अब ये हर एक एडजेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिथम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं ना इफ अ सॉल्यूशन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इसका मतलब प्रॉब्लम ही अनसॉल्वेबल है बताओ तो करना क्या है तो फाइनल स्टेप होने चाहिए ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इंप्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शन जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वेल well डिफाइंड होनी चाहिए मैं आगे दोबारा बात करूंगा एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए और बात ऐसी हो कि कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल हो यस, टिपिकली टू सॉल्व अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन दैन इट्स कॉल एंड एल्गोरिदम एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से

Unambiguous, आर अनएम्बिगस स्पेसिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग एनी calculation, डेटा प्रोसेसिंग ब्ला 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 ये बात ध्यान रखना है एलगोरिदम में क्या कोई भी चीज़ एम्बिगियस हो सकती है उदाहरण के लिए कभी कभी सोचिए पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चे को बेटा की किताबों में आग लगा दो एक काम करो बहुत हो गया बस किताबों में आग लगा दो कम से कम थोड़ा हाथ सेकने से के लिए मिलेंगे सर्दियां हैं है, है ना और क्या का इस्तेमाल है तुम कुछ करोगे नहीं तो अब आप लोग बड़े स्मार्ट हो आपको ऑब्वियसली बात समझ आएगी किताबों में आग लगाने का मतलब ये नहीं कि सच में किताबों को आग लगानी है ये व्यंग सरकास्टिकली आपको बोला जा रहा है इसका मतलब है आपकी पिटाई भी हो सकती है जल्दी से बैठ के पढ़ लो इज़ंट इट लेकिन कंप्यूटर को इस तरह की बात समझ आती है टोन समझ आते हैं इनडायरेक्ट बात समझ आती है जी नहीं जो कहना है क्लियर कट कहना है बात के दो मतलब नहीं होने चाहिए वरना कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा यस yes, अगर और दो तीन कंडीशंस की बात करें किसी भी एल्गोरिथम में हो सकता है किसी में इनपुट ना हो किसी में इनपुट हो आगे बात करेंगे डिपेंड्स ऑन द आईडिया लेकिन हर एल्गोरिथम कुछ ना कुछ जनरेट जरूर करेगा मस्ट बी समथिंग दैट इज एन आउटपुट आउटपुट बिकॉज अगर ही नहीं आ रहा तो फिर हम सोचेंगे हमने एल्गोरिथम बनाया क्यों है ना तो क्या समझे इनपुट हो ना सपोज इज एल्गोरिथम कॉल्ड रैंडम नंबर जनरेटर तो उसमें इनपुट कुछ नहीं जाएगा बस मैं क्लिक करूंगा एक बार फॉर एग्जाम्पल बटन दबाऊंगा एल्गो को रन करूंगा तो मेरे को एक रैंडम नंबर मिलेगा समथिंग लाइक दिस है ना या काउंटर है डिजिटल uh, में हम पढ़ते हैं काउंटर में uh, ऐसा नहीं हमें कुछ इनपुट देना है तो बस हमें क्लॉक करेंगे एक नंबर आएगा टू आएगा देन देन आएगा आएगा काउंटिंग सीक्वेंस जनरेट होती जाएगी तो एवरी डज नॉट हैव टू एन इनपुट बट आउटपुट हमेशा मिलेगा याद रखना है तो अगर ये दो तीन पॉइंट्स मैं फिर से एक बार लिख के याद करके बताऊं आपको तो क्या क्या नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए अगर एलगुरदेम है एम्बिगस के अनएमबिगियस अनएम्बिगिय किसी भी बात के दो मतलब नहीं होने चाहिए वरना कंप्यूटर हो जाएगा पूरी तरह कंफ्यूज है ना इनपुट आउटपुट मैं बता चुका हूँ इन नंबर ऑफ इनपुट जीरो या ज्यादा हो सकते हैं आउटपुट कम से कम एक जरूर होगा एवरी इंस्ट्रक्शन इन द एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव नाउ दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा टाइम पास के लिए लिखना है क्या कि सर ये इंस्ट्रक्शन है बट अगर इस इंस्ट्रक्शन को हटा भी देंगे ना तो भी एल्गोरिथम की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब भाई अगर ऐसी बात है तो काय को लिखा तूने है ना तो हर इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होना चाहिए अगर आपके होने या ना होने से एल्गोरिज्म की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको वहां पे नहीं होना है ये बात ध्यान रखनी है यस एंड लास्ट थिंग इट्स शुड बी डेटामिनिस्टिक ज अगेन क्लोज टू एम्बिग्यूटी क्लोज टू अनबिग्यूटी डिटामिनली क्या होने वाला है वैसे determinism को अच्छे से समझना है तो यू गो टू बट ऐसे समझिए अगर प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है और इनपुट हमारे पास है तो हम बता पाए कि अगला स्टेट क्या होगा देन इट इज कॉल्ड डिटामिनिम है ना कि अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल डेटा मेरे पास है अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं पहले से बता पा रहा हूँ दैट इज डिटामिनिस्टिक लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकुलेटर मैं बोलता हूँ प्लस करो वो प्लस ही करे तो डेटर है और मेरी ना सुन के मल्टीप्लाई भी कर दे मेरे को पता नहीं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे दैट इज लाइक मैंने बात की की रैंडम नंबर जनरेशन है ना तो थोरिटिकली इट इज लाइक अ नॉन अटोमिस्टिक मशीन बिकॉज रैंडम नंबर है तो हमें नहीं पता अगला नंबर कौन सा आएगा लाइक like दिस तो हमें डिटोमिनिस्टिक चाहिए यस yes? अगेन एक बार मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं करते तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर विल गो वन बाय वन एलगोरिदम हम डिज़ाइनिंग फेज़ में लिखते हैं जबकि जब इम्प्लीमेंटेशन जब में जाते हैं पूरा आर्किटेक्चर यू नो डिज़ाइन क्लियर हो जाता है तब उसको जो कन्वर्जन है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में करते हैं देन वहां पर हम प्रोग्राम लिखते हैं इसके लिए आपको डोमेन का सब्जेक्ट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बट कि एलगोरिदम लिखने के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ज़रूरी है नहीं ऐसा हमने नहीं बोला है ना सो so, गाना किसके लिए जरूरी है? आप लिखेंगे, किसी को उस में convert करेंगे। Can be written in any language? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रे इसके लिए तो आपको पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिमेंटिक्स पूरा पता होना चाहिए नेक्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलगोरिदम के लिए, ये पूछता है कि एल्गोरिदम लिखते हुए कि कौन सा मशीन है प्रोसेसर कैसा है या कौन से यू नो कंपाइलर पे आप एग्जीक्यूट करेंगे नहीं दैट डजेंट हैपन लाइक दिस है ना यहाँ पर ऑब्वियसली दिस इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर क्योंकि कोड रन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है आर्किटेक्चर कैसा है सब चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एलगोर की जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है टाइम और स्पेस तो उनके लिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और यहाँ पर बेसिकली प्रोग्राम है तो टाइम की बात नहीं करेंगे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फॉल्ट तो नहीं है एर फ्री एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इनकेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पांच नंबर में डिफरेंस पूछ लेन इन द पोजिशन टू आंसर नाउ अब जल्दी से बेसिक एल्गोरिथम समझने के बाद ना इस सब्जेक्ट को क्योंकि सॉल्यूशन लिख रहे हैं इज जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से स्टेप है जैसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल और इस सब्जेक्ट में विच इज लाइक डिजाइन एंड एनालिसिसम डा इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे क्या सिखा रहे हैं हम आपको समझिए डाउन to सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन यानी कि प्रॉब्लम को समझना तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा और आधे बच्चों की प्रॉब्लम क्या सर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे अबे कर इसलिए नहीं पा रहे प्रॉब्लम नहीं पढ़ रहे जब तक तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सोल्व कैसे करेंगे तो स्टेप नंबर वन पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे प्रॉब्लम को समझेंगे तब तो सोल्यूशन निकालेंगे स्टेप नंबर टू कॉन्स्टेंट एंड कंडीशन ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये अलग से क्यों मैंशन कर रहे हैं जब हम एलगोरिज्म पढ़ते हैं ना फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेंगे बताओ लाइक सपोज जैसे कुछ कंडीशन लगा देंगे आपके ऊपर है ना मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में एक दिन में कितना पैसा कमा सकते हो बट यू कैन यूज टेन थाउजेंड रुपीज तो अगर कुछ कंडीशन लिमिटेशन है जिसके दायरे में रह के डोमेन में रह के मैं सोल्यूशन जनरेट करना है तो उनको भी स्टडी कर लेना जरूरी है है ना लाइक कारगिल वॉर में हमें लड़ाई लड़नी थी पाकिस्तान के साथ बट जैसे वाजपेयी जी ने बोला कि एल हमें क्रॉस नहीं करना था आर्मी को क्या ध्यान रखना था सॉल्यूशन ऐसा जनरेट किया जाए कि बॉर्डर क्रॉस ना हम करे लाइक like दिस तो कंडीशंस क्या है देन जब ये दोनों स्टेप आ जाते हैं अब बात है सॉल्यूशन की और सीधे कोड नहीं लिखते पहले एल्गोरिथम लिखते हैं एंड हियर फर्स्ट वी चूज द डिजाइन स्ट्रेटेजी इसका क्या मतलब है सब्जेक्ट के अंदर जाके सीखोगे आप कुछ नाम आपने सुने भी होंगे जैसे आपने सुना होगा सब्ट्रैक्ट एंड कॉन क्योर डिवाइड एंड कॉन क्योर डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्रीडी एलगोरिदम ये सब अप्रोचेज हैं काम करने के अलग अलग तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग आइडियाज हैं तो विद टाइम हम समझते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर होगी यहां पे डीपी लगाए तो अच्छा है क्या या इसको ग्रीडी से सॉल्व करना चाहिए ये उसी तरह से है जैसे थोड़ा समय काम करने के बाद अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि एरे बेटर है या ट्री बेटर है इस तरह के क्वेश्चन में इज इट हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एरिया ऑफ एप्लीकेशन है ठीक उसी तरह बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं अब कौन सा स्ट्रेटेजी इस तरह की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा वो हम आगे सीखेंगे यस yes, जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है देन हम एलगोरिदम डेवलप करते हैं है ना अब ऑब्वियसली आपको हम आप पे ये नहीं सिखा सकते एलगोरिदम एग्जैक्टली exactly कैसे डेवलप करते हैं विल डू सम केस स्टडी इस पूरे वीडियो के अंदर कम से कम आई थिंक ट्वेंटी थर्टी अलग अलग तरह के एलगोरिदम्स हम डेवलप करेंगे मे बी विन मोर है ना तो यूल हैव क्लैरिटी विद टाइम उसके बाद वैलिडेशन जैसे बोलते हैं ड्राई रन अभी को प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया एक बार थ्योरिटिकली जैसे बोलते हैं ड्राई रन करके देखना थ्योरिकली समझ के देखते हैं कि यार हमने जो लॉजिक डेवलप किया है ये सेंस कर भी रहा है कि नहीं काम कर भी रहा है कि नहीं ये काम करते हैं देन फाइनली बिफोर वी गो टू कोडिंग वी डू एनालिसिस क्यों क्योंकि चार लोग दस तरह के एल्गोरिथम लिख सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट अब कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है कौन सा सॉल्यूशन अच्छा नहीं कैसे डिसाइड होगा हम कंपेयर करके देखेंगे लाइफ में हर जगह हम कंपेयर कर रहे होते हैं इट कौन से कॉलेज में जाना है है ना कौन से YouTube चैनल से वीडियो देखना है दिस नंबर ऑफ कंपैरिजन ना तो यहां भी कंपैरिजन करते हैं और ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है दोनों को लाल कलर से क्यों लिखा भी समझाऊंगा जब एनालिसिस भी कर लिया मैं समझ आ गया ये अलगुर बेस्ट लग रहा है ये वैलिड भी है सही सॉल्यूशन भी जनरेट कर रहा और हमेशा लग रहा है कि कम टाइम में करेगा तब आप फाइनली कोडिंग करते हैं तो कोडिंग का नंबर बहुत बाद में आएगा यू वैन यू राइट अ स्पेसिफिक प्रोग्राम हमें लगता है सी मतलब कोडिंग करना ऐसा नहीं है यस एंड देन फिर तो अगेन कोड लिख लिया तो टेस्ट करेंगे अगर कुछ फॉल्ट आते हैं तो डिबक करेंगे फाइनली जाके कस्टमर साइड पे इंस्टॉल कर देंगे एंड देन मेंटेनेंस चलता रहेगा अब यहाँ पे दो स्टेप क्यों मैंने लाल रंग से लिखे हैं इस पूरे सब्जेक्ट में बस यही दो ही स्टेप आपको पढ़ने हैं है ना तो पहला हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे डीपी क्या है ग्रीडी क्या है सब्ट्रैक्ट एंड की क्या है डिवाइड एंड कौन क्या है और वो ऐसे नहीं समझाया जा सकता थ्योरी में उसको तर्क करने का तरीका क्या है आपके सिलेबस में हर अप्रोच पे चार चार पाँच पाँच छः छह स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है अब जैसे जैसे वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे आपको समझ आएगा कि अच्छा डीपी ऐसे काम करता है अच्छा ग्रीडी के केस में सोचने का तरीका ये होता है ताकि कल को जब आप इंडस्ट्री में जाकर सॉफ्टवेयर लिखें और एक रियल प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आपका दिमाग काम करे यार इस तरह के प्रॉब्लम में तो मेरे को लग रहा है डायनेमिक काम करेगा या ग्रीडी काम करेगा या सब्टन एंड की काम करेगा लाइक दिस है ना और एल्गोरिथम को एनालिसिस करना सीखना बहुत जरूरी है बिकॉज हम नहीं चाहते कोडिंग के बाद पता लगे तो लॉजिक ही खराब था तो कई बार लॉजिक को बिना कोड के चेक किया जा सकता है एलगोरिदम को तो वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है है ना तो आई होप पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या करना है हमें दो ही काम करना है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुई होगी है ना थोड़ा सा समय लेके चलेंगे स्टार्टिंग में है ना वैसे भी आप वन या टू पे चला रखी होगी आपने वीडियो तो वैसे ही आपको लग रहा होगा डबल स्पीड में चल रहा है बट वेरी कोर्स सब्जेक्ट बात सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पास करने की नहीं है आप समझिएगा प्रिपेयर कर रहे हैं या कंपनी के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि ओवरऑल एल्गोरिदम की अंडरस्टैंड इवन आप नॉन सी एस आई टी ब्रांच के आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक दिस like अब जल्दी से एक बार दोबारा से बात करता हूँ एनालिसिस करना जरूरी क्यों है अब फिर वही मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सोल्यूशन एलगोरदम्स बना सकते हैं तो जब तक हम उनमें आपस में तुलना ना करें कंपैरिजन ना करें हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कौन सा अच्छा कौन सा खराब है तो ये एनालिसिस करना कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है जैसे अब सॉर्टिंग की बात कर ले हजार तरह के एलगोरदम है इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट शेल सॉर्ट मर्स सॉर्ट हीप सॉर्ट क्विक सॉर्ट सब लिखा नहीं है इसमें बकेट सॉर्ट रेडिक्स सॉर्ट लाइक दिस सिलेक्शन सॉर्ट हुँ? तो अब कौन सा अच्छा कौन सा कैसे डिसाइड करेंगे कंपैरिजन करना करना एनालिसिस जरूरी है जब एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो वी कैन मेक अ गुड चॉइस है ना तो इस बात का आंसर हो गया एनालिसिस क्यों करना लाइक अगेन like एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं दो कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा है एंड ये क्या है हॉन्डाई वेन्यू है तो अगेन आप समझिए अभी तो खैर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आगे जाके आप कार खरीदेंगे जब कार लेते हैं तो चार तरह की गाड़ी कंपैरिजन करते हैं कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिस बेस पर आप डिसाइड करोगे माइलेज होगा कॉस्ट होगा लुक होगा फील होगा सेफ्टी होगा सिक्योरिटी होगा एडिशनल फीचर्स होंगे सर्विस होगी आपके घर के कौन पास है हज़ार चीज़ें हो सकती हैं यू नो तो कुड कु नंबर ऑफ क्राइटेरियाज ऑन विच आप दो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मॉडल्स को कंपेयर करो एंड देन यू टेक अ कॉल कि आपको कौन सी लेनी है इट ठीक उसी तरह एल्गोरिदम्स में भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं लाइक like, वो कितना टाइम ले रहा है वो कितना स्पेस ले रहा है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्टर्स कितने चाहिए इवन कुछ हद तक बैटरी कंजम्पशन क्या है आज के टाइम पे वी हैव मोबाइल फोन्स या वी हैव लैपटॉप्स ये वीडियो भी मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है मोबाइल फोन या लैपटॉप पे देख रहे होंगे एंड इट इज नॉट कि वो हमेशा पावर से कनेक्टेड रहे इट तो कुछ का पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो सकता है कुड मल्टीपल जिस बेस पे एलगोर को कंपेरिजन किया जा सके बट ये बात ध्यान रखना है हमेशा हमेशा अगेन ये दो रेड कलर से लिखे हैं इनको फिर भी कुछ हद तक एक लेवल इग्नोर कर सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टाइम और स्पेस तो कुछ भी उसे तो इग्नोर कर ही नहीं सकते एक और बात विद टाइम खासकर जो लास्ट टेन ट्वेंटी ईयर्स में हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया है तो आई थिंक नाउ डेज़ स्पेस इज ऑल्सो नॉट दैट मच प्रॉब्लम है ना कंप्यूटर के अंदर फोन के अंदर नाउ वी हैव टेराबाइट्स ऑफ स्पेस अभी तो वी हैव अ गुड इंटरनेट तो क्लाउड के ऊपर हमारे पास गूगल ड्राइव है एंड यू नो बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन है आई क्लाउड है जहां पे आप बहुत सारे डेटा रख सकते हैं तो अल्टीमेटली विच इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम बोलेंगे जरूर टाइम एंड स्पेस बट फैक्ट इज नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द सब्जेक्ट हम एक ही पैरामीटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले वो है टाइम टाइम को कोई खरीद नहीं सकता टाइम को कोई बना नहीं सकता एक बार गया तो मानो गया तो कौन सा अलगोर मिनिमम टाइम लेगा उसको हम यहाँ पे हंड्रेड एंड टेन परसेंट प्रायरिटी देने वाले हैं यस yes, अब सवाल है कि टाइम को एनालिसिस करना कैसे हाउ टू एनालिसिस टाइम? चलिए समझते हैं देखिए टाइम को एनालिसिस करने के दो अप्रोचेज हैं दो आइडियाज हैं कौन कौन से हैं पहला आइडिया है जैसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल या अपोस्ट्रियम या रिलेटिव एनालिसिस सभी एक ही बात है अलग अलग राइटर कभी कभी अलग अलग टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं तो मुझे लगे एक बार सारा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं यस yes, एक दूसरा अप्रोच है विच इज कॉल्ड अप्रायरी और इंडिपेंडेंट और एब्सोल्यूट एनालिसिस ये तीनों भी एक ही बात है इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए मान लीजिए हमें कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है है ना और हमें चेक करना एज एन इंजीनियर कि किसी कार का एरोडायनेमिक्स कितना अच्छा है बिकॉज इफ इट इज अ हाई स्पीड कार है ना तो एयर कितना फ्रिक्शन देगी अब इस काम को करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो हुआ कि आप सच में एक वर्केबल मॉडल बनाओ एक रियलिस्टिक मॉडल बनाओ और जैसा मेरे को समझ आ रहा है उसको इन्होंने किसी विंड टनल में यू you नो know, खड़ा किया वहां पे अलग अलग फ्यूम्स आ रही हैं और समझ आ रहा है कि विंड की क्या है, स्पीड है कितना ग्रेडियंट है वॉट इट इज और किस तरह से हवा आगे जाएगी यहाँ से खर्चा तो है क्योंकि कार बनानी पड़ी विंड टनल बनाना पड़ा रियलिटी के साथ चेक करना पड़ा और इसमें कुछ गड़बड़ है तो भी ये कार किसी काम की नहीं फिर से एक नई कार बनानी पड़ेगी बट जो रीडिंग्स आएंगी जो रिजल्ट आएगा एकदम एब्सोल्यूट एकदम परफेक्ट आएगा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके देख लिया सर एक आइडिया हो सकता है कि हम क्यों ना इतना पैसा खर्चा करें गाड़ी सच में बनाए क्यों ना सॉफ्टवेयर की मदद से थियोरिटिकली चेक करके देखें आजकल ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं कि पहले पूरा मॉडल बना के देखने की ज़रूरत है हम इस तरह से पूरा टेस्ट करके देखेंगे सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये शायद स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ प्रॉब्लम है जहां आप यहीं पे मॉडिफ़िकेशन करो एंड यू नो अप्रोच ये हो सकता है कि पहले मैं सॉफ्टवेयर से इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब शायद मैंने परफेक्ट कार बना ली है बिकॉज ऑफ द एयर वाला आइडिया तब मैं उसको रियालिटी में चेक करूँगा है ना ये दोनों अप्रोचेज आलगोरिदम में भी अवेलेबल है तो अब अगर यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की बात करूं तो सोचिए वो क्या बोलेगा बोलेगा एल्गोरिदम को टेस्ट नहीं कर सकते तो वट यू डू यू फर्स्ट कन्वर्ट दैट अ प्रोग्राम एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करो और प्रोग्राम को रन करके देख लो एलगोरिदम कंप्यूटर के अंदर रन नहीं होता प्रोग्राम तो होता है तो उसको रन करके देख लेते हैं एंड देन टाइम मेजर करके देख लेंगे और अगर हमें दो एल्गोरिथम कन्वर्ट करना है तो दोनों को प्रोग्राम में कन्वर्ट करो दोनों का टाइम रन करके देख लो जिसका टाइम कम होगा वो एल्गोरिथम अच्छा है अगर आप इस तरह से चेक करते हैं called, uh, you know, या फिर अपोस्ट्रियम एनालिसिस अब ये करने का क्या फायदा क्या नुकसान होगा जो वैल्यूज होंगी वो एकदम परफेक्ट रफ वैल्यू तो मिलेगी नहीं क्योंकि एग्जैक्ट करके देख लिया फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम को लगा टेन मिली दूसरे को लगा ट्वेल्व मिली तो तुम्हें पता है कि टेन वाला अच्छा है इजेंटेड पर कुछ प्रॉब्लम्स है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है समझते हैं पहला तो हम अगर बात अलगोरिदम लिखने की कर रहे हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है बट अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं है ना तो आपको उस को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो बोलिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी तो एलगोरिदम लिखना प्रोग्रामिंग करना दोनों अलग अलग बात है दूसरा जब आप एग्जैक्टली exactly उसको रन कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो रिजल्ट है वो क्या सिर्फ एलगुरदम पर डिपेंडेंट है क्या नहीं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की कौन सा हार्डवेयर था कौन सा सॉफ्टवेयर था कौन सा कंपाइलर था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था इवन जिस कमरे में टेस्टिंग की गई उसका टेम्परेचर क्या था क्योंकि टेम्परेचर से भी मेटल की कंडक्टिविटी चेंज होती है और प्रोसेसर की स्पीड चेंज हो सकती है ये सारे एरर्स भी उसमें आ जाएंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें यू you नो know, जो ज, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम होगा तो क्या हो सकता है दूसरा आइडिया जो बोल रहा था इंडिपेंडेंट एनालिसिस या फिर अब प्रायरी एनालिसिस तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं हम कोड लिखते ही नहीं हम कुछ ऐसी नोटेशंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं अभी आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी एनालिसिस करते हैं कि क्यों ना डायरेक्ट एलगोरिदम पे ही अंदाजा लगाया जाए कि कितना टाइम लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि हम एल्गोरिदम पर ही एनालिसिस करेंगे यूजिंग असिमटोटिक नोटेशंस क्या यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम निकालना पॉसिबल होगा एग्जैक्ट तो नहीं पॉसिबल होगा लेकिन इसके फायदे बहुत हैं क्योंकि ना तो आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत है जितना एरर हमारे कोड के अंदर आ रहा है जितना पोल्यूशन आ रहा था बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द हार्डवेयर वो कुछ भी नहीं हम सच में प्योर एल्गोरिथम को ही कंपैरिजन कर रहे होंगे तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ सो वी डू एनालिसिस यूजिंग असिम्पोटिक नोटेशंस अभी नोटेशंस है इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होगा धीरे धीरे करके समझेंगे एंड मैथमेटिकल टूल ऑफ ओनली एलगोरथम बिफोर कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक टर्म है ऑर्डर ऑफ मैग्निट्यूड इसको आगे और डिटेल में समझेंगे किसी भी इंडिविजल स्टेटमेंट की क्या कॉस्ट है अब मान लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट है दैट इज लाइक ऑर्डर ऑफ वन एक स्टेटमेंट है लेकिन वो लूप के अंदर लिखवा उसका कॉस्ट होगा ऑर्डर ऑफ एन और सही मायने मैं आपको बताऊंगा तो ये जो लॉजिक है पूरा यूजिंग नोटेशन हम एनालिसिस करते हैं ये किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करता है किसी छोटे इनपुट केस पे मान लीजिए सॉर्टिंग है है ना दो एल्गोरिथम उठा लिए एक हमने उठाया सॉर्ट एक उठाया सिलेक्शन सॉर्ट हो सकता है जब हम इनपुट का साइज लें टेन ट्वेंटी थर्टी तो कोई फर्क ना लगे लगे दोनों लगभग लगभग सेम बात है बट जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते जाएं तो फर्क कंसीडरेबल होता जाए तो यहाँ पर पूरा गेम क्या है पूरा गेम है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आज आपकी क्या कॉस्ट है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा जैसे ये देखिए दिस इज फैक्टोरियल एन एंड दिस इज टू टू पार एन है ना जब मैं थोड़ा छोटे वैल्यू पर ट्राई कर रहा हूँ इन फैक्टोरियल का वैल्यू स्मॉल है बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है लुक एट दिस टू रेस टू पावर एन से इस ग्रोथ से यू नो रेट के साथ ग्रोथ कर रहा है ये चीज है तो यहाँ पर हम किस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे किस तरह से बढ़ेगा ऑब्वियसली आप देख सकते हैं एन स्क्वायर एन से ऊपर है टू रेस टू पावर एन उससे ज्यादा लाइक दिस ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ लिखने का फायदा क्या है अब मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम लिखा जिसका कोई एग्जैक्ट ग्रोथ है और जब हम उसको रन करके देख रहे हैं कुछ इस तरह से मान लीजिए ये आपकी ग्रोथ जा रही है है ना और ये इट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन जिसको बार बार पढ़ना समझना समझाना बहुत मुश्किल है तो क्यों ना एक काम करें मैं आपको आइडिया समझा रहा हूँ नोटेशन का आइडिया क्या है क्यों ना एक काम करें बार बार मैं ये बोलूँ कि सर दिस इज़ माई फंक्शन अगर मैं बोल दूँ कि मेरा फंक्शन वो है जिसकी कॉस्ट एंड फैक्टोरियल से हमेशा नीचे रहेगी या मेरा फंक्शन वो है जिसकी कॉस्ट टू की पार एन से हमेशा ऊपर रहेगी एंड बिकॉज एन फैक्टोरियल एंड टू रेस टू पार एन आर वेल नोन फंक्शन विच आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू एक्सप्लेन हाँ तो उस वजह से मेरे को अपने फंक्शन पे भी स्टडी करना एनालिसिस करना आसान होगा है ना मैं आपको हिंट से समझा रहा हूँ कि मैं हमेशा किसी चीज के ऊपर रहूंगा इफ़ समथिंग लाइक दिस दिस देन इज लाइक बिग ऑफ टू टूरिस्ट अगर मैं हमेशा किसी चीज के नीचे रहूंगा इट इज लाइक ओमेगा ऑफ एन फैक्टोरियल समथिंग लाइक दिस तो कुछ इस तरह के एनालिस करते हैं अंदाजे लगाते हैं जिससे एल्गोरिदम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एडवांटेज क्या है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ रिजल्ट सिर्फ एल्गोरिद्म पे ही डिपेंड करता है बाकी से किसी चीज पर कोई डिपेंडेंसी है नहीं डिसएडवांटेज क्या है एस्टिमेशन यहाँ पे बहुत रफ वैल्यू मिलेंगी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वी स्टडी फॉर वर्स केस एनालिसिस हमेशा कि एल्गोरिथम को देखते सबसे खराब कब काम करेगा उस बेस पे जज करते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि theoretically जब हम asymptotic notations की मदद से चेक करते हैं, हमें लगता है algorithm बहुत है, है है। है बहुत खराब ना? लेकिन practically वो अच्छा काम कर रहा होता ना? इन जनरल इस सब्जेक्ट में हम किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सो विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन दसेंटोटिक नोटेशन वाला आइडिया तो हम प्रोग्राम लिख के कंपेरिजन नहीं करेंगे हम डायरेक्ट एलगोरिथम को कंपेयर करेंगे और fact ये भी है रियालिटी में हम क्या यूज करते हैं कौन सी एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंटल के सर एक्सपेरिमेंटलिटी में हम दोनों करते हैं तो पॉइंट है कि पहले आप करो पे जितना ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज कर कर सको उतना कर लो जब मे बी आपको लगे कि एक या ये एक या दो या तीन एल्गो है जो मान लो एकदम टक्कर के हैं देन फाइनल डिसीजन की कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं वो रन करके देख सकते हैं दिस कैन बी एन आइडिया यस ठीक है तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई अब बात करनी है एसेमटोटिक नोटेशन की सो वट आर एसिमटोटिकोटेशन एसिमटोटिकोटेशन आर एब्सट्रैक्ट नोटेशन डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिदम एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन जो मैं आपसे बोल रहा था किस चीज़ की बात करता है रेट ऑफ ग्रोथ की और रियल लाइफ में भी किसी भी जैसे शेयर मार्केट होती है ना किसी चीज़ का भाव हम इस चीज़ में नहीं लगाते कि आज उसकी वैल्यू क्या है लेकिन कंपनी किस रेट से ग्रोथ कर रही है फ्यूचर में उसके क्या प्रस्पेक्टिव है उस चीज़ से भाव लगाते हैं तो यहाँ पर फंक्शन भी

मान लीजिए एक कस्टमर एक इंजीनियर है एक घर बनाना है एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं उससे पूरी आपको सिमटेटिक नोटेशन समझाता हूँ एक घर बनाना है यस yes, अब कस्टमर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि भाई कॉस्ट बता दो पहले मैं बंदोबस्त करके रखूँ ना मुझे बता दो एक्जैक्टली exactly कितना पैसा लगेगा अगर वो आप बता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे कंस्ट्रक्शन में है ना लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है इवन फॉर द इंजीनियर समय के साथ मे बी जो रॉ मटेरियल उसके प्राइस थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं कस्टमर की डिमांड चेंज होती है बिटवीन द प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर दो ऐसा अच्छा लग रहा है समथिंग लाइक दिस तो क्या एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट का एस्टिमेट कर पाना पॉसिबल है कभी कभी हाँ और कभी कभी नहीं है ना तो अब देखिए दो तीन आइडियाज हो सकते हैं या तो बोले फॉर एग्जाम्पल कि ये घर बनाने के लिए एग्जैक्टली वन लाख रुपीज लगेंगे कितने लगेंगे वन लाख ये तो मजा ही आ गया अगर वो ये नहीं बता पा रहा है बट लेट मी टेल यू वन थिंग कम से यूंगी कम थाउजेंड तो लगेंगे ही लगेंगे एग्जैक्ट का नहीं पता कम कम से कम लगेंगे और एक आइडिया हो सकता है कि आई डोंट नो बट एक लाख दस हजार से ज्यादा तो नहीं लगेंगे दिस इज द अपर बाउंड आप इतना बंदोबस्त करके रख लो आप मुझे बताओगे सब सबसे काम का स्टेटमेंट कौन है या तो वो बोल दे कि एग्जैक्टली वन लाख लगेंगे या तो बोल दे कम से कम नाइनटी थाउजेंड लगेंगे या बोल दे मैक्सिमम वन टेन लगेंगे सबसे काम का ये है वन अगर वो एग्जैक्टली exactly बता दे इतना लगेंगे नाइस इससे कम ना इस से ज्यादा तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी प्रॉब्लम खत्म हो गई है ना लेकिन अगर वो ये नहीं बता पा रहा तो मुझे लोअर बाउंड मत बताओ मुझे अपर बाउंड बताओ मुझे वर्स केस बताओ इज इट देन इसका इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है कि कम से कम रन टाइम में, में मेरा कंस्ट्रक्शन रुकेगा तो नहीं किसी का मेरे ऊपर उधार तो नहीं होगा मैं सारा पैसा लगा दूंगा लेकिन मेरे को पता है कुछ भी हो मेरा खर्चा एक लाख दस हज़ार से ऊपर नहीं जाएगा और अगर आप इन दोनों में से कुछ ना बोल पाए तो ये स्टेटमेंट अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसमें भी है कि कम से कम नाइनटी थाउजेंड का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा बट ऑब्वियसली इतना मजेदार नहीं है है ना ये एक ऑब्जर्वेशन है इन्हीं को हम बोलते हैं नोटेशन तो अगर मैं इसको टेक्निकल बोल दू जब हमें एग्जैक्ट कॉस्ट पता हो इसे बोलते हैं थीटा मुझे बोलो क्या बोलते हैं थीटा जब हमें एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता बट अपर बाउंड पता है इसे बोलते हैं बिग ओ और जब हमें एग्जैक्ट कॉस्ट भी नहीं पता पर वो हमें नहीं पता देन वी से ओमेगा ओमेगा मीन लोअर बाउंड कि कुछ भी उससे नीचे तो नहीं जाएगा सो विल गो इन टू इट वन वन बाय सबसे बिग ओ नोटेशन तो यू सी मान लीजिए पर हमारा फंक्शन है जो कि हीरो है जिसे हम स्टडी करना है और जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूं वही प्रॉब्लम समझो कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसे दुनिया में हम ही जानते हैं हमारी अलगुर्दे में हमारी प्रॉब्लम है हम हम इस फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं बट इन जनरल हम इसे किसी के साथ रिलेट करना चाहते हैं अब इस ग्राफ को देख के बात समझ आती है लुक एट दिस फंक्शन जी एन ये फंक्शन एफ एन कितना भी ऊपर जाए ये जी एन के ऊपर नहीं जा सकता इज एंट इट एंड मे बी जी एन इज अ वेल नोन फंक्शन तो मैं इसको कैसे लिखना चाहता हूँ ऐसे लिखना चाहता हूँ माई फंक्शन एफ एन ध्यान दीजिएगा माई फंक्शन एफ एन इज बिग ओफ जी एन

बचपन में स्कूल के अंदर ना बच्चे आपस में कि तू गधा है बस बैठे बैठे दो दो कि तू गधा है अब वो क्या बोलेगा तू डबल गधा है उसको अच्छा मैं डबल हूँ तू ट्रिपल गधा है अभी कहानी चल रही है वो कह रहा तू चार बार है तू पांच बार है अब ऑब्वियसली आप भी समझेंगे इनफाइनाइट तक तो उसको लेके नहीं जा सकते है ना तो अब इसका एक यू नो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या है जो कहता है वही होता है वो बोलेगा तू तु, तुम तु पांच बार गधा है कुछ बोले मत कहता हैं जो कहता है वही होता है जो कहता है वही होता है जो कहता है वही होता है ऐसा बोलते रहो जब भी आपके लिए कुछ बुरा कह रहा है जो कहता है वही होता है अब ध्यान से देखिएगा वो फॉर्मूला यहाँ कैसे लगाना है हमेशा ध्यान रखिए बिग ओ नोटेशन जिसके पास है वही बड़ा है जो कहता है वही होता है जो कहता है वही होता है जिसके पास नोटेशन है वही होता है सो एफ एन इज बिग ओफ जी एन बाद में भूलेंगे तो नहीं इसका मतलब कौन बड़ा कौन छोटा भैया जिसके पास बिग ओ है वो बड़ा है Yes, एक चीज और ध्यान दीजिए छोड़ दीजिएगा उसको बाद में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में आप देख रहे वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम ना ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं डे वन डे टू से डिसाइड नहीं होता पहले ओवर में अगर किसी ने बारह रन बना दिए तो ट्वेल्व का रन रेट है इसका मतलब ये नहीं की यू नो नौ सौ रन बन जाएंगे ना इसका मतलब ये नहीं है या छह सौ रन बनेंगे नहीं दो तीन ओवर के बाद सिक्वेंस सेम हो जाएगी तो हम क्या करते हैं हम एक वैल्यू मान के चलते क्या मान के चलते हैं एन नॉट और हम ये मान रहे हैं हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो एन नॉट के आगे की एनालिसिस है तो ये जो मेरा वादा है कि एफ एन हमेशा जी एन के नीचे रहेगा या जी एन हमेशा एफ एन के ऊपर रहेगा ये तब जब एन की वैल्यू एन नॉट से छोटी हो कि बड़ी हो ये तब जब एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी हो एन नॉट से कम की वैल्यूज इतनी छोटी है उस पर हमारी कोई यू नो व्हाट शुड आई से साधारण भाषा में कोई ठेकेदारी नहीं है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाइक like दिस उसके आगे का हम ध्यान देंगे एक और बात क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं सिमटोटिक नोटेशन की और रफ एनालिसिस कर रहे हैं तो कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे लिखा है सी जी एन बताने के लिए सी कुड बी कांस्टेंट। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको मान लीजिए एक फंक्शन है एन स्क्वायर एक फंक्शन है एन क्यूब बताइए समय के साथ कौन तेजी से बढ़ेगा सर समय के साथ ऑब्वियसली एन क्यूब भी बढ़ेगा चलो कोई बात नहीं मैं बैलेंस आउट करता हूँ मैं इसको अगर टू एन स्क्वायर कर दूँ तो अगेन आप समझिए थोड़ी देर तक शायद एन बट अगेन एन की कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी मिलेगी जिसपे फिर से क्यूब इसको पीट देगा मैं दो सो कर देता हूं अब बताओ 200 स्क्वायर बट अगेन वैल्यू भले ही चेंज हो जाएगी एक ना एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन एन क्यूब कूदी मार के एन स्क्वायर के ऊपर जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा तो लॉन्ग रन में हम क्या सीखते हैं कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन की जो ग्रोथ है वो समय आने पे एक लेवल पे जाएगी जाएगी ये हमारे लिए भी सीखने की बात है आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं आर्थिक स्थिति क्या है सामाजिक स्थिति क्या है इसका कोई लेना देना नहीं अगर आपकी ऐसे ग्रोथ है अगर आप मेहनत करते हैं समय लगेगा बट दूसरे फंक्शन को हरा देंगे आप एक दिन याद रखेंगे ये बात तो कॉन्स्टेंट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता नहीं पड़ता तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब ये बात इंपॉर्टेंट है, है क्या मेरा जो फंक्शन है एफ एन वो जीरो के बराबर होगा जीरो से ऊपर होगा लेकिन सी ऑफ जीएन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर लो जीएन में उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा इस बीच में ही घूमता रहेगा और अगेन कंडीशन किस बात की एन नॉट से छोटी वैल्यू पे कोई कंडीशन नहीं बड़ी वैल्यू पे हमारी गारंटी है ये है सर असिमटोटिक नोटेशन बेगो मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया कि क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जीएन इज अ वेल नोन फंक्शन तो अब जीएन के साथ हमने रिलेट कर लिया तो हम समझ गए कि एफ एन लगभग लगभग कहाँ घूम रहा होगा इसी कहानी को उल्टा कर लेते हैं है ना अब बोलिए क्या एफ एन ऊपर चला गया सी एन नीचे आ गया अब अगर मैं उल्टा बोलूँ तो क्या कुछ भी हो एफ एन कितना भी क्यों ना गिर जाए जी एन से नीचे नहीं आ सकता है जी एन से ऊपर ही आ सकता है तो दिस इज वॉट दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड ये कौन सा स्टेटमेंट है सॉरी uh, ये कौन सा स्टेटमेंट था ये था वो कि मेरा खर्चा कितना भी हो एक लाख दस हजार से ज्यादा तो नहीं होगा ये वो वाला बाउंड है घर वाला एग्जाम्पल देख रहे हो वही चीज बोल रहा हूँ ये कौन सा स्टेटमेंट है कि मेरा खर्चा कितना भी कम क्यों ना हो नब्बे हजार से तो ज्यादा ही रहेगा लाइक दिस है ना अच्छा फिर वही बात जो कहता है वही होता है इसको लिखने का कायदे से तरीका क्या है एफ एन इज ये लोअर बाउंड कैसे लिखते हैं ओमेगा एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन फिर वही बात बाद में भूलेंगे तो नहीं कौन बड़ा कौन छोटा जो कहता है वही होता है तो जीएन के पास ओमेगा ओमेगा और लोअर तो छोटा है बाकी सारे रूल रेगुलेशन एकदम सेम है जो के पड़े और अगर दोनों को मिला दें और एग्जैक्ट वाली बात की एक हजार वो एक लाख वाली बात की एग्जैक्टली इतना लगेगा वो क्या है उसे बोलते हैं थीटा नोटेशन अब इसका मतलब समझिए ऊपर भी जीएन नीचे भी जीएन है ये कैसे हो सकता है एक फंक्शन की दो ग्रोथ ये ग्रोथ थोड़ा सा वेरी करके दिखा रहा है कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट चेंज करके कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है लेकिन ये बोल रहा है अगर फंक्शन इसके बीच में ही घूम रहा है ऑसिलेट कर रहा है जी के डिफरेंट वैल्यूज के बीच में एफ एन को कर रहा है इस बात का मतलब है कि एफ एन और जी एन एग्जैक्टली बराबर है क्योंकि मेरे नीचे भी यही है ये मेरे ऊपर भी वही है है ना तो लॉन्ग रन में देर सी छोटा भी जी एन बड़ा भी जी एन विद टू डिफरेंट कॉन्सेंट एंड एफ एन इज इन बिटवीन इसको साधारण भाषा में लिखने का तरीका है एक्चुअली एफ एन इज इक्वल टू जी एन दोनों का जो असिमटोटिक ग्रोथ है एग्जैक्ट ग्रोथ थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जो हो सकता है बट हम तो रफली स्टडी कर रहे हैं तो दोनों का जो असिमटोटिक ग्रोथ है वो बिल्कुल इक्वल है या हाउ टू राइट इट डाउन एफ एन इज थी एन एफ एन क्या है थीटा ऑफ जी एन है है ना तो ये तीन नोटेशन हमारी होगी सबसे काम की कौन थीटा थीटा नहीं समझ आए तो ओ, बिग ओ है ना और वो भी नहीं समझ आए तो ओमेगा मजबूरी का काम है कुछ ना कुछ तो लेंगे दिस इज द आइडिया ये बात आपको समझ आई अच्छा अब आप नोटिस करोगे तीन नोटेशन बार बार लिख रहे हो बिग ओ बिग ओमेगा बिग थीटा ये बिग और स्मॉल का क्या, क्या चक्कर है हमारे पास स्मॉल नोटेशन भी होती है तो तीन बिग नोटेशन है बिग ओ बिग ओमेगा कॉल्ड स्मॉल स्मॉल ओमेगा दैट इज हाउ यू राइट ओमेगा इसको साधारण भाषा में समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये तुलना अरे नंबर सिस्टम समझते हो वही बात है एफ एन अगर एफ एन ए है और जी एन बी है एफ एन इज बिग ऑफ जी एन जो कहता है वही होता है कौन बढ़ा है जी एन बढ़ा है ऐसा लिख सकता हूँ अलाउड ध्यान रखिएगा सिमिलरली हर जगह बीच में हमें वैल्यू भी अलाउ की है Now, Fn is omega of Gn. कैसे लिख सकते हैं जो कहता है ये होता है कौन छोटा है छोटा ऐसे लिखो एफ एन इज थी जी एन बराबर है ये हो गया चेंज है यहाँ पर दे आर आईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग सो वन आई सेन इफ मीन एफ एन इज स्ट्रिक्ट लेस इज लेस बी और इज ग्रेटर रीजन कई बार लोग पूछेंगे आपसे कि अच्छा एक बात बताओ एसेमटोटिक नोटेशन में स्मॉल में थीटा क्यों नहीं होता और भाई हो ही नहीं सकता ना बराबर अलाउ नहीं कर रहा यहाँ पे दोनों तरीके हैं अगर मैं आपसे बोलूं ए बी से छोटा या बराबर है ए बी के ग्रेटर या बराबर है तो बोलो क्या रिलेशन है सर एज इक्वल्स टू बी तो अगर कभी भी एक फंक्शन ओमेगा

2 n, n छोटा बराबर है अभी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है उल्टा क्योंकि इसके पास तो बहुत सारी चीज है लगता है ये हार जाएगा ये जीतेगा टू की पावर से बट अगेन एक एक करके समझते हैं लुक एट दिस आइडिया नाउ क्या मैं

इसकी कोई औकात नहीं है की पावर के आगे ये भी गुम हो जाएगा. So, की पहले कुछ नहीं आपको समझा चुका हूं. में जो है वो भी क्या लिखा? तो ये बिल्कुल हमारी होल्ड करती है, है ना तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह से करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी जब ग्रोथ देखना है छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर दो जो उसका सबसे हाईएस्ट डिग्री है जो सबसे पावरफुल कंपोनेंट है उसका उसको पकड़ो और देखो वो कहा लेके जा सकता है छोटी चीज इग्नोर हो जाती तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं मास्टर थ्योरम की इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बट इससे पहले कि क्वेश्चन ट्राई करें पहले समझते हैं मास्टर थ्योरम आखिर है क्या इवन रिकरेंस रिलेशन क्या है और किस प्रॉब्लम को मास्टर रिकरेंस सॉल्व करता है साल गो वन बाय वन इन द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मास्टर थ्योरम ऑफ डिवाइड एंड कॉनक्योअर

कॉल करेगा अपने छोटे वैल्यू को अगर आपको उसको सॉल्व करना है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं एक प्रॉब्लम है जिसका साइज है एन जिसको सॉल्व करने में टी ऑफ एन टाइम लगता है है ना अब अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कैसे करेंगे तो ये कह रहा है अगर एक प्रॉब्लम है जिसका साइज एन है तो आप क्या कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न आप उसे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें हर किसी प्रॉब्लम का साइज होगा एन बाय बी हर किसी प्रॉब्लम का साइज होगा एन बाय बी अब मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करना और बाद में इन सब के सोल्यूशन को कंबाइन करना उसमें भी कॉस्टिंग लगेगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फंक्शन एफ तो ये एक रिकर्सिव रिलेशन है और इस तरह के बहुत सारे रिकर्सिव रिलेशन हो सकते हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो टावर ऑफ हेनोई है ना और अलग अलग जगह हम इस तरह के फंक्शंस ऑब्जर्व करते हैं अब मास्टर थ्योरम क्या है ये एक मैकेनिज्म है इस 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 रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं ट्री मेथड है बाय यू नो इटरेशन मेथड है एंड थ्योरम है तो पहले हम थ्योरम को देखेंगे बिकॉज ये सबसे सिंपल आइडिया है अगर थ्योरम लगा तो फिर पूरी कहानी खत्म हालांकि मैं क्लियर कर दूं क्या थ्योरम हर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकता है जी नहीं कर सकता तो पहला कोशिश थ्योरम से करेंगे बिकॉज थ्योरम से सॉल्व करना बहुत आसान है और ये हमेशा जो आंसर है वो टाइट बाउंड में करता है तो अगर इससे सॉल्व हुआ तो बढ़िया अगर नहीं सॉल्व हुआ तो फिर क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक एक करके उन पर भी बात करूंगा जितने अलग अलग मैथड्स हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मास्टर थ्योरम का एक्चुअली रियल नेम मास्टर थ्योरम नहीं है क्या है इस कहानी को जानते हैं देखिए सो द अप्रोच वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय जॉन बेंटली डोरोथिया हैकन एंड जेम्स बी एस ए एक्स ई ये दो लोगों का मेरे को पिक्चर मिला तीसरा पिक्चर नहीं मिला इन 1980 और इस मेथड का जो ओरिजिनल नाम था वो था यूनिफाइंग मैथड अब प्रॉब्लम समझिए क्या है जो बुक हमारे स्टैंडर्ड बुक चलती है ना जो राइटर थे उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने नाम रखते, तो उन्होंने क्योंकि इसको मास्टर कहके बुलाया एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरमेन ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि नाउ नोबडी नोस कि इसका ओरिजिनल नाम यूनिफाइंग मेथड था ना कॉल नवरीबड मास्टर थ्योरम एग्जाम में मास्टर थ्योरम के नाम से ही पूछा जाएगा तो आप समझिए एक सिंगल बुक का पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट है नाउ लेट्स गो इन टू दईडिया तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये हमारा स्टैंडर्ड डिवाइड एंड कॉनक्योर का रेकरेंस है जहां पे एक प्रॉब्लम है जिसका साइज है एन उसको हम ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड हर प्रॉब्लम का साइज आ रहा है एन बाई बी यहाँ पे एक बात और याद दिलाता हूँ कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो सर अगर प्रॉब्लम के आप ए नंबर ऑफ टुकड़े कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो हर टुकड़े का साइज एन बाय होना चाहिए ना एन बाय क्यू बोल बी क्यू बोल रहे हैं देखिए फंक्शन हमेशा लीनियर हो ये जरूरी नहीं है है ना फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए अगर फंक्शन एन स्क्वायर है एन स्क्वायर को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फाइव पे मेरे को क्या मिलेगा ट्वेंटी फाइव मिलेगा टेन पे मेरे को क्या मिलेगा हंड्रेड मिलेगा तो यहाँ पर मैं इसे डबल कर रहा हूँ बट यहाँ पर ये फोर टाइम्स हो रहा है क्योंकि स्क्वायर वाला है है ना तो मैं इसको हाफ करूंगा ओरिजिनल को तो ये ए बाय ए हो ये जरूरी नहीं है है ना तो इसलिए एन बाय बी वैल्यू लेके चल रहे हैं नाउ कुछ बातें जो हम समझ के चलेंगे बिकॉज डिवाइड एंड है तो ए की जो परमिसेबल वैल्यू है वो या तो कम से कम वन होगी या तो वन से ज्यादा होगी है ना वन से कम तो नहीं हो सकती बिकॉज या तो मैं सेम प्रॉब्लम छोटे साइज पे कॉल करूंगा या तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम बढ़ेंगी क्योंकि छोटा कर रहा हूं बी

तो सर इसका मतलब ए का वैल्यू आया फोर यहां देखिए बी का वैल्यू आया टू और कंपेयर करके समझ आया एफ एन का वैल्यू आया एन अब करना क्या है ये कंडीशन चेक करना है इफ अब ये इफ है है ना इफ एफ एन हमारे लिए एफ एन क्या है हमारे लिए एफ एन है एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ एन रेस टू पावर लॉग बेस बी ए यहां पर ए की वैल्यू क्या है फोर

तो अगर मैं सालन को एक मिनट के लिए वन कंसीडर करूं तो इक्वेशन एनविट नाइन पे होल्ड कर रहा है किसके पास है एन की पावर वन पॉइंट नाइन के पास और जैसा मैंने आपको समझाता है जो कहता है वही होता है जिसके पास है वो है तो इसके पास बिग ओ है तो ये बड़ा है कंडीशन हमारा होल्ड कर गया और यही चाहिए था मास्टर थ्योरम को अब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस कंडीशन होल्ड गुड हमारा डायरेक्ट आंसर आता है, तो ये कह रहा है to, और देखिए मजे की बात जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि जितना टाइट बाउंड में आंसर करो सबसे बेस्ट है थीटा उसके बाद है बेगो, सबसे खराब है ऑमेंगे तो थीटा में आंसर कर रहा है इज अगेन एन रेस टू पावर लॉक बेस बी ए वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं तो दैट इज टी एन इज इक्वल टू नथिंग बट थीटा ऑफ एन स्क्वायर तो पूरा रिकरेंस हमने सोल्व कर लिया तो अगर इस फंक्शन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग रन में दिस इज द यानी कि स्क्वायर के हिसाब से ही चलेगा है ना सो आई थिंक पूरा पैटर्न ऑब्जर्वेशन <coughs> के साथ वन वन बाय आपको समझ आ रहा होगा कोई कंफ्यूजन नहीं है सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखोगे दो चार केस प्रैक्टिस करेंगे आपको बात समझ आएगी नाउ दिस इज नथिंग बट ए नाइन हो गया बी हमारा थ्री हो गया एफ एन हमारा दोबारा से एन हो गया फिर ट्राई कर लेते हैं देखते एप्लीकेबल है कि कंडीशन सर वॉट इज एफ एन एफ एन इज एन बिग ओ ऑफ एन रेस टू पावर लॉग बेस बी ए सो दिस इज लाइक आई एम सॉरी मैंने क्या लिख दिया ये हमारा बी जो है वो थ्री है है ना सो दिस इज लॉक बेस थ्री नाइन माइनस एपसाल ये तो लगभग लगभग सेम कंडीशन बनेगी बिकॉज क्योंकि बेस थ्री है सो दिस इज नाइनस एफसाल अगेन यू टेक एप्सालीरो पॉइंट वन लेता हूँ तो अगेन इस बार भी सर ये कंडीशन होल्ड करेगा कंडीशन होल्ड करेगा यानी कि कंडीशन वन एप्लीकेबल है कंडीशन वन एप्लीकेबल है डायरेक्ट यू कैन डू द आंसर सो वॉट इज टी ऑफ एन टी ऑफ एन इज अगेन थीटा ऑफ एन स्क्वायर फिर वो यहाँ पर बनेगा लॉक बेस थ्री है ना तो हमें यहाँ पर कंडीशन बाय कंडीशन करना चलना है मास्टर थ्योरम की तीन कंडीशन है जब तक कंडीशन वन फेल नहीं होती तब तक सेकंड कंडीशन पे नहीं जाना कुछ लोग सोच रहे सर सेकंड कंडीशन क्यों नहीं बता रहे हैं? और कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो गई काम कर गई तो सेकंड पे वैसे भी नहीं जाना है ना तो रास्ता हमेशा कहाँ से होके जाता है इज लाइक इफ इफ एल सिल वो वाली कहानी है तो रास्ता हमेशा केस वन से होके जाएगा और ये दोनों केस बाय बाय चांस सॉल्व हो रहे हैं सिमिलरली आप कुछ आगे केस ट्राई कर सकते हो यू कैन ट्राई दिस केस यू कैन ट्राई वन मोर केस यू कैन ट्राई वन मोर केस तो दो तीन चार केस मैंने लिख के रखे हैं होमवर्क में ट्राई करो कमेंट में आंसर करके बताना नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड केस और टू बी प्रोसाइज सेकेंड केस भी एक साथ ऑब्जर्व करके बताऊंगा बिकॉज सेकंड केस भी टेक्निकली एप्लीकेबल कब है जब केस वन फेल हो रहा हो है ना तो आई विल गो वन बाय वन एक और रेफरेंस देखता है स अब ये मैं लिख लेता हूं सर दिस इज ए टी एन बाय बी प्लस एफ एन है ना अब देखिए जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा ए की वैल्यू हो जाएगी टू नाउ दिस बी की वैल्यू अगेन बिकम्स टू और हमारा जो एफ एन है, है ना हमारा जो एफ एन है दैट विल बिकम एन अब जब मैं कंपेयर करूंगा और मैंने बोला हमेशा पहले केस वन अप्लाई करना है सर वॉट इज एफ एन एफ एन इज एन बिग ओ ऑफ एन रेस टू पावर लॉग बेस टू एंड अगेन टू माइनस एफ ये वैल्यू क्या हो जाएगी सरी हो जाएगी क्यों एफसाइलन इज एनीथिंग स्ट्रिक्टी ग्रेटर देन जीरो अगर मैं एबसायलन का वैल्यू समझिए पॉइंट वन भी कंसिडर करूंगा तो क्या होगा देन अगेन दैट इज एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन रेस टू पावर पॉइंट नाइन और ये कंडीशन होल्ड करती है, हो है, हो है, है, है।, है वन फेल हो गई है नाउ वी कैन अप्लाई द सेकंड कंडीशन और सेकंड कंडीशन भी अप्लाई होगी कि नहीं होगी जरूरी नहीं है ट्राई करता है इसका कंडीशन देखिए और मजे की बात क्या है देखिए क्या चेंज है एवरीथिंग रिमेन्स द सेम बस यहाँ पर जो पावर में का माइनस था यहाँ पर पावर में का माइनस नहीं है तो अगर यहीं पे आप ऑब्जर्व करें, then I think there will be exact match because इस केस में N is equals to, और यहां एक और एक चीज नोटिस करिएगा इफ कंडीशन में यहां मैं बिगो चेक करता हूँ यहां थीटा चेक कर रहा हूँ है ना तो थीटा के साथ मैच हो रहा है बिकॉज एफ एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन रेज टू पावर और यहाँ पर क्या था टू टू था तो दैट इज एग्जैक्टली वन सो एन इज इक्वल बिल्कुल सही बात है कंडीशन टू हमारा अप्लाइड है अब कंडीशन टू अप्लाइड है तो आंसर क्या करना है आंसर करना है ये क्या आंसर हुआ सर वट इज टी एन सो टी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ

केस में जब कंपेयर कर रहे हैं जो कंडीशन चेक करते थीटा में कर रहे हैं सिमिलरली सिमेट्री के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो केस में जब जाएंगे तो ओमेगा पे कंपेयर करेंगे बट मजे की बात क्या है कि मास्टर थ्योरम जो आंसर करता है वो हमेशा टाइट बाउंड में करता है थीटा में करता है बिकॉज देखिए अगर कंडीशन लगा तो यहां भी थीटा में किया यहां भी थीटा में किया तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये यस yes, तो यहाँ पे केस एप्लीकेबल हुआ और एक चेंज मैंने आपको क्या बताया यहाँ एबसायलेंट माइनस में था यहाँ एबसायलेंट माइनस में नहीं है और अगेन केस थ्री में जाएंगे तो एबसायलेंट प्लस में आ जाएगा है ना केस टू तक पहुंचना कब है जब केस वन फेल हो रहा हो ध्यान रखिएगा ऐसा हो सकता अब है अब डायरेक्ट केस टू लगाए वो अप्लाई हो जाए बट आंसर गलत आए क्योंकि वहां पे केस वन पहले ट्राई होना था तो चलिए अभी ध्यान देते हैं केस थ्री के ऊपर तो केस थ्री अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दो चीजें जो हम पहले से अंदाजा लगा सकते थे मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं यहाँ देखिए पहली बात तो टेस्ट कर रहे हैं इस बार ओमेगा पे और आंसर फिर भी है थीटा में दूसरा एफसाइलन इस बार माइनस में नहीं प्लस में है तीसरा यहाँ पर एक नहीं दो कंडीशन है तो जब पहली कंडीशन मैच कर जाती है तो हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं बोथ द कंडीशन होल्ड्स गुड देन ओनली वी आर इन द पोजिशन की हम थर्ड के सप्लाई कर सके अब वो काम कैसे होगा क्या होगा अगेन विल टेक अ केस और फिर वही बात है केस थ्री पे डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि केस वन केस टू दोनों फेल तो शुरू करते हैं Now, जो लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली बोलिए ए का वैल्यू क्या है <coughs> सर ए इज वन एंड बी इज थ्री लुक एट दिस एंड एफ एन इज नथिंग बट एन पहला कंडीशन ट्राई करते हैं सो व्हाट इज एफ एन एफ एन इज एन एंड दैट इज बिग ऑफ एन रेस टू पावर Log base ba, तो यहाँ पर आएगा थ्री यहाँ पर आएगा वन एंड देन माइनस करना है सो दैट इज एन रेस टू पार जीरो सेलन माइनस करेंगे और तो ये इधर तो वैल्यू वन है ये बिगो oh करना है हंड्रेड परसेंट ये होल्ड नहीं करेगा कंडीशन वन फेल्स वो तो खैर मैं सैम्पल ऐसा ले रहा हूँ कि कंडीशन थ्री ही काम करे ताकि लॉजिक समझ सके कंडीशन ट्रू ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर माइनस भी नहीं करना तो क्या टाइट बाउंड में होल्ड करेगा नज एफ एन एफ एन इज एन एंड अगेन दैट इज थीटा ऑफ एन रेस्ट टू पावर लॉक बेस बी लॉक बेस बी इसको आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो आई दर यू राइट लॉक बेस थ्री वन और यू राइट दिस इज लॉक वन डिवाइड बाई लॉक थ्री है ना तो तब भी आप ट्राई करेंगे तब भी ये होल्ड नहीं करेगा सो इन दिस कंडीशन ऑल्सो दैट विल बिकम फॉल्स ये काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वी हैव टू चेकआउट केस थ्री अब केस थ्री चेकआउट करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा एंड नाउ वी कैन अप्लाई द थर्ड एंड द लास्ट केस तो अगेन व्हाट इज एफ एन मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं सर हमने मैच किया दैट इज और इस बार देखिए अपर बाउंड चेक कर रहे हैं कि लोअर बाउंड इस बार लोअर बाउंड चेक कर रहे हैं और एपसाइलेंट भी प्लस में है तो अगेन एन टू पर लॉग बेस थ्री वन प्लस है ना सो नाउ दैट इज अब ये तो हमें पता ही है दैट विल बिकम जीरो बट कैन आई टेक लेके ट्राई कर लेता हूँ कर तो सकता हूँ लाइक दिस इफ आई ट्राई तो अब बताओ ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि फेल हो रही है ना जो कहता है वही वो वो होता है नाउ दैट इज द लोअर बाउंड तो ये छोटा है क्या एन की पावर वन और एन की पावर में कौन छोटा पॉवरली एन की पावर पॉइंट वन छोटा है तो थर्ड कंडीशन होल्ड करती है बट अभी ध्यान से समझिएगा थर्ड कंडीशन पूरी होल्ड नहीं करी बिकॉज वहां पे दो कंडीशन है अब इसका सेकंड कंपोनेंट देखिए तो आपको बात समझ आएगी सेकेंड कंपोनेंट क्या कहता है इफ ए डॉट एफ एन by b is less than equal to cfn and c can be any constant less than 10 try karte hain what is a a is 1 what is fn fn is n but fn by 3 so fn by 3 is like n by 3 kyuki fn ki value kya hai n must be less than equal to c is a kind of a constant fn fn is nothing but n

सी की कोई वैल्यू लेस देन वन पॉसिबल है बिल्कुल है बिकॉज आप देखोगे तो वन बाय थ्री इज लाइक पॉइंट थ्री थ्री है ना और वहां से वन तक का जितना हिस्सा है वो कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है और हो रही है तो नाउ यू कैन डायरेक्टली आंसर आंसर क्या होगा आंसर यहाँ हर केस में बहुत जबरदस्त में तो बहुत ही जबरदस्त बिकॉज आंसर इज नथिंग बट एफ एन तो टी एन इज इक्वल्स टू ऑफ एंड हियर इज इज नथिंग बट एन लाइक दिस वी कैन आंसर तो ये पूरी कहानी है बहुत शानदार कहानी है है ना? तो तीनों केस हमने बाकी there are some more practice questions out there, वो आप कर सकते हो बट बेसिक आइडिया के, नोटिस करने वाली फर्स्ट केस में ओ चेक करते हैं यहाँ पर एफसैलन माइनस में है यहाँ पर एफसैलन गायब है यहाँ पर एफसैलन प्लस में है आंसर हमेशा

कभी कभी मास्टर थ्योरम फेल हो सकता उस है उस केस में अगेन जो मोस्ट फंडामेंटल मेथड है बाय द रिकर्शन ट्री और वो उन सब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि केस जब फेल होता है तो केस टू पे आना है जब केस वन केस टू दोनों फेल होते है तो केस थ्री पे आना है डायरेक्टली केस थ्री पे काम करेंगे तो आंसर गलत आएगा यस नाउ विद द फ्लो अब कुछ और मैकेनिज्म लेके आगे चलते हैं और यहां देखिए कुछ डायरेक्ट केसेस आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ लुक एट दिस वन नाउ यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन क्या है लुक एट दिस नॉट टी एन इज इक्वल टू टू टी एन रहा टा ताकि कभी कभी एग्जाम में ये सब वही क्वेश्चन है जो कभी ना कभी सेमेस्टर में पूछा गया कोई कंफ्यूजन ना हो अब देखिए एक बात नोटिस करने वाली है जो पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं यार अगर मेरे पास ऑलरेडी एन स्क्वायर है तो उसके सामने टू एन या प्लस वन लिखने का कोई मतलब है क्या कोई मतलब नहीं है So with that understanding, कभी इस तरह के केस है कंफ्यूज मत होइएगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए तो अब स्टैंडर्ड केस क्या बचा ये बचा दी एन इज इक्वल कंपेयर करेंगे standard recurrence से का का हो हो जाएगा 2, b value भी हो जाएगा भी और हमारा क्या हो गया एन स्क्वायर ऑलरेडी इसका मतलब यहाँ पे केस वन केस टू अब ट्राई करके देखना बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा सो दैट विल फेल मैं डायरेक्टली केस थ्री अप्लाई कर रहा हूँ Case में obviously हम एफ एन ba टू -टू so so, क्या है एफ एन इज एन स्क्वायर तो एफसेलन की वैल्यू अगर हम वन ले ले तो काम करेगा क्या करेगा देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है इवन वन से कम भी लेते तो भी मैच होता है सो दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल बट द सेकेंड कंडीशन क्या था वही

C का वैल्यू है C C ये this will again get cancelled, और ये गलत लिखा है this is again get cancelled, तो C जो है तो जो वो कंडीशन होल्ड करेगी होल्ड करेगी तो आंसर क्या है करेगीटा एफ एन एंड वॉट इज एफ एन इट इज भी लिखने की जरूरत नहीं है आंसर क्या है टी एन एजिकल टू थीटा तो अगेन यू सी देयर इज वन मोर केस थ्री अप्लाई हुआ केस वन केस टू दोनों फेल हुए बट केस थ्री क्योंकि अप्लाई हुआ दोनों कंडीशन के साथ तो वी माइनस टू गेट द करेक्ट आंसर यस और आगे बढ़िए कुछ केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं देखिए यहाँ पे एक बात आपको बता दू थोड़ा सा आपका बेसिक मैथ पे क्या अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर अगर अपनी पे आ जाए ना इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो आपकी कभी पकड़ में नहीं आएंगे नो no मैटर कि आप कितना प्रैक्टिस करके गए हो तो फिर भी मैं दो तीन अलग अलग वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ बट इससे बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट मत होइएगा प्रैक्टिस इज द की आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो भी उसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए तो और चार पांच क्वेश्चन बना के देख लेंगे तो एक और अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा दस में से आठ बार सात बार मान सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाए नहीं बना तो कोई बात नहीं ट्राई करते हैं फिर भी यहाँ देखिए यहाँ रेफरेंस क्या लिखा टी एन इज इक्वल्स टू थी अंडर रूट एन प्लस ऑर्डर ऑफ लॉग इन अब प्रॉब्लम क्या है देखिए इस तरह के रिकरेंस पे डायरेक्ट तो हम काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसकी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या कर सकते हैं एक एज्शन मानते हैं लेट है ना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब दोनों तरफ अगर टू की पावर लेते हैं टू की पावर एम एंड टू की पावर लॉग इन तो ऑब्वियसली ये टू की पावर से लॉग कैंसिल हो जाएगा वट यूल गेट एम टू की पावर एम इज इक्वल्स टू एन अगेन अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, सो so टू की पावर एम so <coughs> यहाँ पे अंडर रूट एम था तो टू की पावर एम बाय टू और यहाँ पर लॉग एन था सो दिकम्स अगेन टू की पावर एम यस yes, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा तो इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं लेटमी अज्यूम t की पावर t एक फंक्शन है ना टी टू की पावर let that by new x, like x m लेट दिस इज लाइक क्या नजर आएगा आपको x ऑफ m इसी सिमेट्री के हिसाब सेन x ऑफ ऑर्डर ऑफ m बिकॉज 2, 2 की पावर m था ना तो सीधे क्या बचेगा m बचेगा 2 की पार से लॉक कैंसिल हो जाएगा अब आप अगर चेक करेंगे तो क्या पुराने वाला रिकरेंस एप्लीकेबल है हाँ ए की पावर वन <coughs> हुई बी हुआ टू एफ एन हुआ हमारा एम और आई थिंक या तो फर्स्ट केस ही अप्लीकेबल हो जाएगा फर्स्ट केस एप्लीकेबल होगा तो अगेन एम रेस टू बार लॉग बेस बी यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है सो एंड अगेन हमें अब साल करना तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट में आपको क्या मिलेगी नोटिस करिए सो डायरेक्टली विल गेट द वैल्यू लॉग एन यस yes, और आंसर करेंगे सेकंड केस आई थिंक अप्लाई किया क्योंकि ऑलरेडी जो सब्सिट्यूशन हमने किया एन तो so, के केस में जाएंगे तो दैट विल बिकम लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन है ना सो आंसर इज टी एन इज इक्वल टू थीट लॉग लॉग एन सो अगेन एक बार दोबारा से आप ट्राई करके देख सकते हैं समझ के वैल्यू रख के आपको पैटर्न समझ आएगा तो इतने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर बनाने पर आए तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फंस जाएगा तो आपको जो मैथमेटिकल बेस है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है <coughs> और पैटर्न हो सकते हैं मास्टर जैसे ये देखिए दिस इज ऑल्सो डिफरेंट आइडिया

कन्वर्ज करेगा तो कॉस्टिंग रिलेटिवली ज्यादा होगी क्या इस तरह का अगर पैटर्न है तो कोई डिफरेंस हमारे पास से कोई थ्योरम है यस सो दीज दैट आर द कीज ये एक फॉर्मूला काम करता है सो दिस इज काइंड ऑफ अ मास्टर थ्योरम नॉट फॉर डिवाइड एंड कॉन बट फॉर सब्ट एंड कॉनक्योर ज्यादातर केसेस में मैंने इस पैटर्न पे क्वेश्चन कम देखे हैं बट कहीं कहीं पूछे गए पूछे गए तो कैसे आंसर करना है कैसे प्रोसेस करना है उसका आइडिया एक बार देखते हैं या देखिये अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड रेकरेंस से रेकरेंस क्या है सर टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस एन का पावर फोर तो बहुत ऊपर जा रहा है एन का पावर फोर के साथ कंपेयर करते हैं सो व्हाट इज दिस सर ए का वैल्यू हमारा बन गया वन बिकॉज नथिंग इज देयर एंड बी इज ऑल्सो वन बिकॉज माइनस बी था एंड वॉट इज एफ एन एफ एन इज नथिंग बट एन का पावर फोर अब यहां पर क्या करना है यहां पर हमारे पास मल्टीपल आइडियाज नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है एक कंडीशन है नॉट लाइक केस 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 ये तीनों केस कैसे अप्लीकेबल होंगे मैं समझाऊंगा पहले बस ये चेक करो क्या एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन की पावर के है क्या मुझे बताओ इधर एफ एन क्या है सर इधर है एफ एन इज लाइक एन की पावर फोर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन की पावर के हाँ मैच तो करेगा K की किस वैल्यू पे करेगा फोर पे करेगा तो यहाँ पर एक बात हमें समझ आई कि के का वैल्यू फोर पे ये इक्वेशन काम कर रही है अब आप इन तीनों में से किसको चूज करेंगे वो डिपेंड करेगा ए पे जैसे हमारे केस में ए का वैल्यू क्या है वन है तो बताओ कौन सा आंसर होगा आंसर होगा सेकंड वाला सो इट मीन्स टी एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन का पावर के प्लस वन हमारा के क्या था फोर सो के प्लस वन क्या होगा फाइव सो दैट इज द दी एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन रेस टू पावर पारा आई होप ये पूरा पैटर्न आपको समझ आया मैं बोल रहा हूं अगेन कौन की और सब जगह नहीं पूछा जा रहा है बट कहीं कहीं पूछा गया है तो पूछा गया है सो दैट इज द अप्रोच दैट इज द आइडिया हाउ विच यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन यस एक और केस ट्राई करके देख लेते हैं एक और केस ट्राई करता है लुक एट दिस वन फिर से कंपेयर करूं सो सर ए इज टू बी अगेन इज माइनस वन एंड एफ एन दिस टाइम इज वेरी सिंपल डेट इज वन इक्वेशन सेम है वट इज एफ एन एफ एन इज ऑर्डर के इस बार बताइए किस पे मैच करेगा सो आई थिंक सर इस बार तो के इज इक्वल्स टू जीरो पे मैच करेगा बिकॉज एनी थिंग रेस्ट टू पावर जीरो इज वन सो दैट इज वन इज इक्वल्स टू एन का पावर जीरो इज ऑल्सो वन ये तो जीरो पे मैच करेगा कौन सा चूज करें इस बार ए की वैल्यू ग्रेटर देन है तो थर्ड केस में जाएंगे जहां पर आंसर क्या होगा आंसर होगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन रेस टू पावर के सो के मेरा जीरो में जीरो रखता हूं लेकिन साथ में ए व्हाट इज इट इज टू का पावर एन बाय बी

अगर एक प्रॉब्लम टावर ऑफ हिनोई कॉल करोगे ऑन साइज एन तो वो दो बार टावर ऑफ हिनोई कॉल करेगा कितने मूव चाहिए होते हैं टू की पार एन तो लॉजिक मैच हो रहा है यस सो दैट इज द आइडिया ऑफ सब्ट तो इसमें भी अगर कुछ आए तो एक बेसिक टेस्ट हमारा भी है कि आप आंसर कर सकते हो यस yes? उसके अलावा कुछ और अंडरस्टैंडिंग जहां पे पूरा ट्री बेस मेथड हमारे पास हो सकता है जिसके थ्रू सॉल्व करें तो दो तो तो तीन आइडियाज इसके आपको दिखाता हूँ लुक एट दिस अभी यहाँ पर एक रिकरेंस आया जो डायरेक्टली ना तो सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्योर ना ही डिवाइड एंड कॉन्क्योर से मैच करेगा तो कैसे अटेम्प्ट करें इसको यू नो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं सो टी एन इज इक्वल्स टू कह है ना तो 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 <coughs> जब इसको एक्सपेंड बोलो क्या होगा चलता जाएगा चलता जाएगा लास्ट चलता जाएगा. में कहा जाके रुकेगा बेस केस मेरे पास है टी ऑफ वन एंड टी ऑफ जीरो करते करते मैं कहीं पे जाके रुकूंगा टी एन माइनस के पे क्योंकि एनसे कम होता जा रहा है और कहा जाके रुकूंगा जहां पे वैल्यू वन होगी तो वट आई नो कि एन माइनस के फाइनली वन होगा अगर एन माइनस के वन होगा तो यू कैन यूज दिस आइडिया कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी के की वैल्यू होगी एन माइनस वन और अब मुझे सबका कॉस्टिंग देखना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पहले कितने नोट थे या कितने फंक्शन थे टू तो की पार जीरो वन है फिर टू तो की पार वन टू एंड देन टू तो की पार टू फोर हर बार डबल डबल हो रहा है इसको तो भूल जाओ इससे दो बने फिर इससे दो बने फिर हर किसी से दो दो बन रहे हैं ना। मेरे मेरे को कहां तक आना है? मेरे को आना अपटिल टू की पावर के तक, पार एन माइनस वन, तक, वन अप्तिल, 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 तो वही जो हमारा इक्वेशन बनता है टू की पार जीरो से टू की पावर एन माइनस वन तक करेंगे क्या होगा वैसा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो अल्टीमेटली इट विल एंड क्लोज टू टू की पावर एन फैक्ट ये टू की पावर एन माइनस वन या टू की पावर एन प्लस वन या टू की पार एन सब सेम है क्या सब सेम है क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो टू की पारन डिवाइड बाय टू इसको कैसे लिख सकते हो टू की पार एन टू टू एंड कॉन्सेंट से फर्क नहीं पड़ता तो लगभग लगभग जो कॉस्टिंग सेम है तो इस फंक्शन का जो ग्रोथ आएगा वो भी एक्सपोनशियल आएगा विच इज टू की पावर एंड एक बेसिक आइडिया आपके पास है यू कैन ट्राई दिस वन ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड केस है जहां पे अगेन कोई एट एन एन अब अगेन पहले से एक्सपैंड करो ताकि कुछ बात समझ आए तो ये मैंने डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंगली अब जब एन बाई टू को फर्दर डिड करूंगा तो एन बाय टू का एन बाय टू ये हो जाएगा एन बाय फोर एन बाय टू का एन बाय फोर ये हो जाएगा एन बाइ एट और एन बाई एट का सॉरी एन बाई टू का एन ये हो जाएगा एन बायटीन तो लाइक like दिस उसी तरह ये फर्दर वैल्यू डिवाइड होती जाएंगी एक बार ध्यान से देखिए चेक करिए कैसे आगे बढ़ेगा यस yes. और सिमिलरली 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 वी गो फर्दर और यहां पे देखिए आप चेक करेंगे तो फॉर एग्जांपल इनको अगर मैं देखूंगा इनका टोटल कॉस्टिंग किस ऑर्डर में आएगा सेवन एन बाई एट बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ एन बाई टू ट्राई करके दिखाता हूँ नथिंग बट सेवन बाई एट इसको फर्दर आगे डिवाइड करते जाएंगे तो एक पैटर्न आपको समझ आएगा ये क्या होगा दैट इज सेवन स्क्वायर एन बाय एट स्क्वायर अब अगेन ये भी एक सीक्वेंस बनेगी और जिस हिसाब से ब्रेक हो रहा है ये टोटल कहाँ तक जाएगा लॉग एन तक जाएगा एंड फाइनल कॉस्टिंग क्या होगी दैट विल बी एंड लॉग एन बिकॉज एक एन तो मेरे पास साथ में चल ही रहा है तो अल्टीमेटली अगेन मैं बोल रहा हूं आपकी मैथमेटिक्स पे Log पे कितनी अंडरस्टैंडिंग उस पर डिपेंड करता है एंड वैसे भी आर द द वर्स्ट वर्स्ट ऑफ केस सिनेरियो है ना तो इनको मन के ऊपर मत लेना मास्टर तीन केस तो पढ़ के ही जाना दस में से आठ नौ बार चांस है कि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा सिमिलरली एक और केस आप ट्राई कर सकते हैं सेम पैटर्न का तो यहाँ पर इनको ब्रेक कर रहे हैं n बाय फाइव और फोर एन बाय फाइव में अगेन दोनों का सम करोगे तो n आएगा एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर तो टोटल कॉस्टिंग यहाँ पर भी होगी n log n वाली एक हो सकता है इटरेशन मेथड या सब्सिट्यूशन है ना जहां पर ट्री के वजह आप सब्सिट्यूट करके देखो ये एक आइडिया इमेजिन कर सकते हो सो so, एक फंक्शन हमारे पास है टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस एन डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ देखो हमने क्या किया हमने T ऑफ n बाई टू की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी तो व्हाट इज T ऑफ एन बाई तो अलग से लिखूंगा सो दैट इज टू टी का स्क्वायर प्लस एन ऐसे इमेजिन करो

n की पावर 2 की पार के इनटू n ऑफ k अगेन एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यू कैन यूज ऑल दिस वैल्यू बिकॉज़ ये हम कब तक चलते जाएंगे जब तक हमें बेस केस ना मिले समथिंग लाइक like t का पावर 1 है ना और उसको जब आप पुट करके देखोगे तो जो फाइनल इक्वेशन आपकी है वो लगभग इस ऑर्डर में आएगी व्हिच इज लाइक n n log n अगेन n और n log n में n की ग्रोथ कम होगी इन द longer रन उसको फर्दर आप इग्नोर कर सकते हो

तीन तीन फंक्शन फंक्शन हमारे पास है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या-क्या <coughs> सर वन वी हैव इज इज का पावर एंड दैट फॉलोइंग ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन रखे मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ जो उसको असिम टोटिकली अरेज कर मैंने ऑप्शन भी इधर गड़बड़ लिख दिया अब आपको क्या समझना पड़ेगा देखिए इन सारे ऑप्शन में देखेंगे सो so, एक और क्वेश्चन आई थिंक ये हमने ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया ये केस देख सकते हैं पहले बिकॉज इसका ऑप्शन आई थिंक बिल्कुल सही तरह से लिखा yes. so, see, है यस सो यू सी पर है N है N है N by, 100 by है है अंडर रूट तो यू कैन इमेजिन जैसे जैसे हम मैंने, हमने पहले क्या समझता हम ग्रोथ देखते हैं ना जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप कैलकुलेटर लेके भी ट्राई कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो भाई नेगेटिव एन की पार माइनस वन है तो छोटा होता जाएगा

आपके पास क्वेश्चन क्या होगा कि लॉजिक देखना है और एक सीक्वेंस में वैल्यू अरेंज करनी है सो आई थिंक दिस इज ऑल इन चैप्टर नंबर पर हमने समझा उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली सारे नोटेशन को ध्यान से समझा एंड देन दिस द रिकरेंस पार्ट डिवाइडेड कौन की और एंड कौन की और दो तीन चार मैंने अलग अलग वेराइटी आपको बता दी जहां से वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन वैसे अगेन मैं आप दिला रहा हूँ कि इसका जो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है इसको बहुत सीरियसली मत लें कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी से ग्रिप करते हैं गो फॉर फॉरवर्ड अगर नहीं भी करते यू कैन स्किप इट कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत लंबा सब्जेक्ट है दूसरी जगह से नंबर ले आएंगे यस yes? चलिए अभी वी आर रेडी फॉर चैप्टर नंबर टू तो चलिए अभी बात करते हैं सॉर्टिंग एलगोरदम के बारे में तो बहुत सारे सॉर्टिंग एलगोरदम है इंसर्शन सिलेक्शन बबल मर्ज क्विक हीप एंड ही आगे बकेट सॉर्ट एंड रेडिक सॉर्ट वो सब सबकी बात करेंगे शॉर्टिंग एलगोरिदम इज वन ऑफ देट एक्सेप्शन जहां मैं बोलता हूँ कि यार वर्न क्या ना टॉपिक है जैसे लास्ट टॉपिक में बोल रहा था notation, बात समझ आए तो ठीक है नहीं आए तो ठीक है बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट ओनली अबाउट पासिंग द सेमेस्टर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो प्लेसमेंट हो इंटरव्यू हो अगर एलगोरिदम की बात हो तो एग्जाम में कुछ बात करे ना कर एक बार शॉर्टिंग की तो बात कर लेता है। यार और कुछ ना हो ये तो आता ही होगा एक कोर्ड शॉर्टिंग का ही लिख के दिखा दो तो थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से इस टॉपिक पढ़ के चलने के And, uh, की कोशिश करेंगे एंड माइंड यू की ऑल दो इज सिंगल शॉर्ट वीडियो बट मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इसके आगे और कुछ पढ़ने के लिए बच्चे भी नहीं यस yes. तो चलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं सबसे पहले समझते कि सॉर्टिंग के मैं सोच रहा था और क्या क्या एग्जांपल मैंने सोचा यार कहाँ थे बचपन तो 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 में अगर आपको याद हो जब मॉर्निंग असेंबली के लिए लाइन असेंबल्स होती थी तो वहाँ पे बच्चों को यू नो सॉर्ट करते थे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट आपको अगर याद हो तो क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसकी वो उसको सबसे आगे खड़ा करेंगे सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे पीछे खड़ा होगा और कोई ना कोई एक ऐसा छुपा रस्तम होता है जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास तक एकदम छुटकू होता है बट अचानक से उसकी हाइट बढ़ती है एंड देन वो पीछे जाके खड़ा होने लगता है तो आई कुड रिमेंबर दोस्ट तो मुझे वो एक एग्जाम्पल याद आया रही बात इन जनरल की तो इज कोई भी डेटा सेट हमारे पास हो सकता है अल्फाबेट्स हो सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है कई बार डेटा क्या है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेटा सॉर्टेड है कि नहीं तो एन एग्जाम्पल डिक्शनरी है ना तो डिक्शनरी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा जिसकी वैल्यू सिर्फ तभी है जब वो सॉर्टेड हो इमेजिन अनसॉर्टेड डिक्शनरी डेटा सेट वही है बट सोच के बताओ अगर कोई डिक्शनरी अनसॉर्टेड है रैंडमली कोई भी वर्ड कहीं भी लिखा हुआ, उसको कोई मतलब है क्या कोई उसको इस्तेमाल करेगा क्या ना सर डिक्शनरी काम की तभी है जब सॉर्टेड हो है ना तो कई बार सॉर्टेड डेटा बड़ा इंपॉर्टेंस होता है बाद में में सर्चिंग के बारे बात करूंगा लाइक सिंपल सर्च की क्या कॉस्ट है एंड यू नो बाइनरी सर्च की क्या कॉस्ट है फिलहाल सॉर्टिंग मीन अरेंज करना है ना आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लीजिए वन देन टेन देन ट्वेंटी लाइक दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर और सिमिलरली बात किस पे भी लागू होती है अल्फाबेट्स पे या तो ए से लेके जेड तक जाएंगे

इंटरनल सॉर्टिंग एक बोलते एक्सटर्नल सॉर्टिंग मतलब क्या इंटरनल सॉर्टिंग जहां पर हमें की ना एक्सटर्नल जहां पे की जरूरत पड़े अभी आगे, आगे आप देखोगे सिलेक्शन सॉर्ट है एग्जाम्पल है इंटरनल सॉर्टिंग के यू डोंट एन एक्स्ट्रा स्पेस है ना लेकिन सॉर्ट है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जहां पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है एक और बात ऐसा मत सोचना कि सर हमने एक वेरिएबल वेरिएयर कर दिया हमने चार वेरिएबल वेरिएयर कर लिया तो वो स्पेस है नहीं हम आप बोलो कि मेरे को कैरेज चाहिए जिसका जिसके साइज टेन होगा फिक्स बस इतना ही चाहिए हम उसको स्पेस कंसिडर नहीं करते स्पेस कब कंसिडर करते हैं क्या एरे का साइज इंक्रीज होने से आपका जो स्पेस का रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है क्या तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे है जिसका साइज टेन है उसको सॉर्ट करने के लिए आपको दो चार वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े पॉइंटर एंड ऑल लटमी से आपने दस बाइट खर्चा कर दिया

कई बार आपसे पूछ सकते हैं बताओ ये वाला एल्गोरिथम स्टेबल है कि अनस्टेबल इस बात का मतलब क्या है समझिए कई बार क्या हो सकता है कि जो डेटा सेट हमारे पास है उसमें कुछ वैल्यू रिपीटेड हो सकते हैं मान लीजिए मैं दो तीन बार टू लिख देता हूँ है ना एंड लेट मी से बाकी रैंडमली कुछ भी इधर इलेवन है इधर सेवन है इधर एट है इधर लेट मी से फाइव है समथिंग लाइक दिस सो ऑब्वियसली ये सॉर्टेड नहीं है एंड लेट मी डू वन थिंग हालांकि कलर बाजी करने में बहुत अच्छा नहीं हूं बट मैं अलग-अलग कलर से बना देता हूं सो आई हैव अ रेड टू आई हैव अ ग्रीन टू एंड आई हैव अ ब्लू टू यस अब जब ये सॉर्ट होगा तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तीनों टू पहले आएंगे तीनों टू पहले आएंगे उसके बाद आई थिंक 5 आ जाएगा then we'll have seven, and then we'll have eight, and then we'll have 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 and and but हमें क्या देखना है कि ये जो कॉपी थे ये किस ऑर्डर में आए आप पहले रेड वाला उसके बाद ग्रीन वाला और उसके बाद ये ब्लू वाला ही टू आया है क्या यानी कि जो जो सेम डेटा वैल्यूज़ हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर ड्यूरिंग देंज हो रहा है कि नहीं हो रहा तो अगर उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग शॉर्टिंग कि रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हुआ सो रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू बट अगर रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो जाए मान लीजिए ब्लू वाला पहले आए ग्रीन वाला बाद में तो हम इसको क्या बोलेंगे देन विल कॉल इट अनस्टेबल बाकी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको और अच्छे तरह से आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे हियर इफ आई कोट एन बबल सॉर्ट इज एन एक्साम्पल ऑफ स्टेबल सॉर्टिंग शॉर्टिंग इंसर्शन सॉर्ट इज नॉट अब ऐसा क्यों है वो आगे जाकर देख लेंगे बट ये भी कैटेगरी हमें समझ आ गई बेसिक सॉर्टिंग का नाउ वी आर रेडी फॉर आवर फर्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम नोन एज़ सिलेक्शन सॉर्ट क्या नाम है सिलेक्शन अब ध्यान से देखिएगा अब एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट है अब्रोच समझिए अप्रोच क्या है जैसे वो नाम से समझ आना सेलेक्ट select करना सिलेक्शन सॉर्ट तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक पूरा एरे है आईडिया समझिए क्या है मैं एक तरफ से सर्च करते जाऊंगा लास्ट तक जैसा हाँ सर सबसे मिनिमम एलिमेंट है इलेवन अब ऑब्वियसली डिफॉल्ट केस में मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा थर्टीन को फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा मैं बार बार स्वैप नहीं कर रहा पहले मैंने आराम से तसली करी और लास्ट कह रहे पढ़ के आज देखने के लिए सबसे छोटा कौन है वा एम श्योर की हाँ थर्टीन ही सबसे छोटा है तब पहले एलिमेंट को उठा के स्वैप किया और मान लीजिए इसको ऐसा डैश डैश करके लिख देता हूं मेरे को क्लैरिटी होगी नाउ कम से कम एक एलिमेंट तो सॉर्ट हो गया अब फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं जिसका साइज n वन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली अब क्या प्रॉब्लम बचा है नॉट अ प्रॉब्लम इज n 1 फिर से ये गेम शुरू होगा अब सोचिए क्या करेंगे फिर से 7 2 सबसे छोटा सबसे छोटा आई थिंक 29 मिलेगा बट यू गो टिल द लास्ट आपको क्या पता जब तक लास्ट नहीं गए सबसे छोटा कौन है तो लास्ट तक जाते 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 पता लगा 29 सबसे छोटा है अब क्या करोगे अगेन यू रिपीट द सेम थिंग

प्रॉब्लम है एन एक तरफ वन फिर एन माइनस वन फिर से डिवाइड करा एक तरफ वन एन एन माइनस टू एक तरफ वन एन एन माइनस काम मैं कब तक करने वाला हूँ जब तक पूरा इधर्ट ना हो जाए यहीं पे ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है दिस इज नोन एज सब्टन एंड क्योर क्या बोल रहे हैं सब्टेक्ट एंड कॉन एक एक करके प्रॉब्लम खाते जाना खाते जाना खाते जाना जब तक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए टू कोट एन एग्जाम्पल बचपन में हॉलीडे होमवर्क मिलता था उसमें सबसे घटिया चीज होती थी, थी। हैंडराइटिंग डेली एक पेज हैंडराइटिंग आपको करनी है पचास दिन की छुट्टी फिफ्टी है। पेज हैंड राइटिंग करके ले जाना हिंदी हिंदी इंग्लिश बोथ मुझे नहीं पता बट किसी टीचर को एक दिन सपना आया था कि अगर बच्चों से रोज हैंड राइटिंग लिखाओगे तो उनकी साफ हो जाएगी हमारे तो आज तक साफ नहीं हुई है ना और घटिया ही हुई है बट उसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम में स्ट्रेटेजी क्या है मैं बचपन से आज तक ये सोचता है पचास पेज की अगर वो हैंडराइटिंग करने कोई आसान तरीका है क्या सर कोई आसान तरीका नहीं यही हो जाए दैट इज सिलेक्शन शॉर्ट दैट इज सब्रैक्टन कौन विद यू आगे बढ़िए इसी चीज का एनिमेशन देखिए लुक एट दिस पढ़ना शुरू किया सबसे छोटा सबसे छोटा टू सबसे छोटा है अब आप देखिए पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए इससे और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रीन पार्ट है एंड हर इटरेशन में का पार्ट देखते हैं जो दोबारा देखिए अगेन टू है एट से स्वैप होगा लुक दिस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाना ये ग्रीन वाला हमारा सॉर्ट होता जा रहा है दिस इज अनसॉर्टेड एर इंड विल की बात कोड लिखना बाद की बात

Uh, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं बट दो मिनट ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने का सो so देट आप में से वो लोग जो सेमेस्टर में भी एल्गो लिखने के लिए आ सकता है अदरवाइज कोड लिखना चाहते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैं अलाउ मी टू टेक सम रैंडमली सम वैल्यूज सो लेट मी टेक थर्टी एंड फोर्टी टेन फिफ्टी ट्वेंटी अच्छा मैंने बीच की सारी खाली किया सो लेट मी टेक सिक्सटी ओनली चलो एक ऐसा भी रख के देखते हैं सॉर्टेड वैल्यू लास्ट में गेम शुरू करते हैं सर सिलेक्शन शॉर्ट कॉल करना है के की वैल्यू चलेगी वन से एन माइनस वन तक ऑब्वियसली जब एक तरफ से आप शॉर्ट करोगे और एन माइनस वन शॉर्ट हो जाएंगे तो लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होगा उस पर दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है यस सो के का वैल्यू हमारा वन हमारे पास कितना साइज है टोटल सिक्स एलिमेंट है ना सो वन टू थ्री फोर फाइव तक के चलेगा एल टेक केक्वल्स टू वन और मैं यहाँ आ जाता हूँ अब देखिए क्या कह रहा है फिलहाल हमने ज्यूम कर लिया A, K is अब फिलहाल हम मान के चल रहे हैं, अलग से बना लेता हूँ कि फोर्टी इज मिनिमम। उसका लोकेशन भी याद कर लेता हूँ so तो कहीं से रिज्यूम तो करना पड़ेगा ना तो फिलहाल फर्स्ट एलिमेंट को हम मिनिमम ट्रीट कर रहे हैं हाँ सर और उसका लोकेशन हमने मान लिया वन अब एक और लूप चलाते हैं जे का के प्लस वन से एन तक क्योंकि फोर्टी पर हमें वन पे हमें इसके आगे चलेगा तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स पांच इंडेक्स पे चलेगा ना लुक एट दिस मिनिमम फिलहाल कौन है फोर्टी फोर्टी राइट नाउ इज मिनिमम व्हाट इज ए ऑफ जे व्हाट इज ए ऑफ टू सर ए ऑफ टू इज थर्टी क्या हमारा मिनिमम ए ऑफ जे से बड़ा है क्या हाँ सर फोर्टी थर्टी से बड़ा है और अगर हमारा मिनिमम यू नो बड़ा है ए ऑफ जे से इसका मतलब वो मिनिमम जिसको हम मिनिमम मान रहे वो मिनिमम नहीं है इट्स द टाइम टू अपडेट मिनिमम तो अब तुरंत ए ऑफ जे में नया मिनिमम रखिए शायद हमें फोर्टी से छोटा मिल गया टू उसका इंडेक्स भी याद कर लीजिए फिलहाल जे का वैल्यू क्या है टू है ये लीजिए अपने आप को अपडेट कर लिया फिर आ जाइए लूप में

और टेन जो है ना वो फिफ्टी से देन ना ट्वेंटी से ना सिक्सटी से किसी से बड़ा नहीं होगा आप लूप से बाहर आएंगे और जब बाहर आएंगे तो मिनिमम की वैल्यू होगी टेन और लोकेशन की वैल्यू होगी थ्री एंड ए ऑफ के को ऑफ लोकेशन से स्वैप करना है फिलहाल के की वैल्यू क्या चल रही है वन तो वन को थ्री से स्वैप करना है तो टेन अपनी पोजिशन ले लेगा और फोर्टी आ जाएगा इधर सो आई थिंक पूरा अप्रोच आपको एक समझ आया होगा हालांकि मैं एक ही ट्रेशन रन कर रहा हूँ बट यू गेटिंग दिस आइडिया पहले एलिमेंट को मिनिमम मानो और बाकी पूरे को चेक करो अगर कोई भी वैल्यू आपके मिनिमम से छोटा आ जाए यानी कि आपका मिनिमम बड़ा हो तो फिर उसको मिनिमम डिक्लेयर करो यू कंटिन्यू द प्रोसेस फर्स्ट इटरेशन इज कम्प्लीटेड लास्ट में जाके स्वैप करो टेन अपनी पोजीशन लेके बैठ गया अब फिर से यही प्रोसेस रिपीट करोगे इस बार जे के की वैल्यू क्या लोगे टू स्टार्टिंग में थर्टी को मिनिमम डिक्लेयर करोगे देन टू प्लस वन थ्री से सिक्स तक लूप चलेगा एंड दिस विल कंटिन्यू तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया आई होप इज क्लियर आप अगर चाहो तो उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो किसमें कुछ बातें कुछ अपने है। इन और बात कर रहा हूँ सिलेक्शन शॉर्ट की तो एक चीज आप नोटिस करें इस पूरे एलगोरिदम में मैं डेटा सेट में कोई वैल्यू रखू ये जो दो लूप चल रहे आप ध्यान से देखिए ये तो स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट को पहले से सॉर्टेड एरे दें रिवर्स सॉर्टेड एरे दें रैंडम कलेक्शन दे इसके बिहेवियर पर कोई चेंज होगा क्या सब मेरे को तो नहीं लग रहा कोई चेंज होगा ये तो इसी तरह से काम चलेगा तो ये कंटेंट को ध्यान ही नहीं दे रहा ये सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है विच इज नॉट अ गुड आइडिया इसका मतलब आगे देखेंगे बट फॉर सिलेक्शन शॉर्ट बेस्ट केस एंड वर्स दोनों कॉम्प्लेक्सिटी सेम ये तो जो घर से सोच के जाएगा ही जाएगा एक एक, एक 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 लूप इसको तो चलाना है तो ये स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है इंटरनल एक्सटर्नल आई थिंक अगेन इंटरनल क्या इसने कहीं पे कोई एडिशनल स्पेस यूज किया ना यू गेट माई पॉइंट आप बोलोगे हाँ सर ये मिनिमम और एल दो वेरिएबल यूज किए अगर एरे का साइज छ ले छह सौ ले छह लाख ले छह करोड़ ले

कई बार हम समझ नहीं पाते कि सर कैसे हो गया एक बार दोबारा से बताओ सो so, मैं ऐसे जस्ट बोल के छोड़ नहीं देना चाहता Look at this. ये गानी है ना अब आप मेरे को बताना फोर्टी से हमने शुरू किया है ना और ये पूरा हम करते चले गए मान लीजिए टेन जो था वो मिनिमम हो गया है ना और हमने स्वैप किया ना प्लीज इमेजिन अगर ये वैल्यू थर्टी ही होता तो क्या होता स्वैप तो फिर भी होता पहले थर्टी मिनिमम होता फिर इटरेशन खत्म करते करते टेन मिनिमम बन जाता स्वैप होता और जब स्वैप होता तो टेन आ जाता स्टार्टिंग में और थर्टी आ जाता इधर और ये जो दोनों थर्टी हैं आप ध्यान से नोटिस करो क्या इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती सर चेंज हो जाती सो दैट इज अ प्रूफ कि सिलेक्शन सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अनस्टेबल एल्गोरिथम तो अगर सेम वैल्यूज है उनका ऑर्डर रिलेटिव ऑर्डर आपस में सेम रहे सर ये जरूरी नहीं है कमिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दू सी दो लूप है ऑर्डर ऑफ एन बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं एक और लूप भाई साहब बैठे हुए हैं अगेन ऑर्डर ऑफ एन ये मत सोचना एन माइनस वन तक जा रहा है कॉन्सेंट से फर्क नहीं पड़ता एन माइनस वन तक जाए एन प्लस वन तक जाए एन डिवाइड बाई टू तक जाए एन डिवाइड बाई एट तक जाए एन तक, 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 तक ही जा रहा है यस सो एन इंटू एन है सर द कॉम्प्लेक्सिटी विल गो अप टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और क्या बेस्ट और वर्स्ट केस में कोई चेंज होगा नहीं बोल रहा हूँ ना स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है चलेगा ही चलेगा घर से कसम खा के आया है इतने लूप तो सर रन करके हुआ चाहे सॉर्टेड ही हो तो प्रॉब्लम है बहुत अच्छी बात नहीं है एल्गोरिथमिक अप्रोच ऑलरेडी बता चुका हूं इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रेक्ट एन कौन की कोई बहुत का शॉर्टकट अप्रोच तो थी नहीं तो प्रॉब्लम का साइज है एन उसको ब्रेक कर रहे हैं वन और एन माइनस वन में और तब तक करते जा रहे हैं जब तक फाइनली हमारे सॉर्ट ना हो जाए सो दिस इज आइडिया ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी कंक्लूड कर देते हैं सिंपल है परफॉर्म करना आसान है समझना समझाना आसान है बट कोई इतना शानदार आइडिया नहीं है कि जिसको यू नो प्रैक्टिकली हम बहुत जगह यूज करते हो कुछ एरियाज है जैसे आप नोटिस करेंगे नंबर ऑफ स्वैप्स बहुत कम करता है ये विच इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज क्योंकि पहले पूरा मन लगा के देख लेता मिनिमम कौन है आगे आप देखोगे बबल शॉर्ट बाद बाद में स्वैप करता है ये नहीं करता पहले लास्ट तक देखता है जब मिनिमम मिल जाता है तब स्वैप करता है लेकिन स्टिल टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है सो नॉट अ गुड एंड जनरली वी कंसिडर इट एज एन इनसफिशियंट आइडिया सो नाउ द नेक्स्ट दिडिया इज बबल सॉर्ट और शेल सॉट और सिंकिंग सॉर्ट तो क्या अप्रोच है क्या आइडिया है जैसे हमने पूरा अच्छे से इंसर्शन शॉर्ट की बात की इसको भी समझेंगे ये दो जो कंजूटिव नेबर्स है ना हम उनको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद देखते हैं क्योंकि हमेंट करना है वो भी कैसे शॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होना क्या चाहिए छोटा वैल्यू लेफ्ट में होना चाहिए बड़ा वैल्यू राइट में होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे स्वैप करते हैं तो अब ध्यान से देखिएगा अभी एट तो पहुंच गया अब देखिए कौन छोटा है थ्री छोटा है तो स्वैप होना चाहिए यस स्वैप हुआ फिर आगे बढ़ेगा देखिए अब आगे देखिए फाइव और वन में कौन छोटा है वन छोटा अगेन प्रॉब्लम है फिर से स्वैप करेंगे बबल बबल बाय कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइव छोटा है लेफ्ट में होना चाहिए सेवन और फोर में अगेन सेवन बड़ा है अगेन दे इज नीड टू बे स्वैप और दो इटरेशन हम कर चुके हैं हर इटरेशन में लार्जेस्ट वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी डिफरेंस क्या है जब हमने बात किया था इंसर्शन पहले हमने सेलेक्शन शॉर्ट की बात की तो वहां पे क्या था सबसे छोटे वैल्यू से स्टार्ट करता है तो एरे बेसिकली लेफ्ट से राइट हैंड साइड पर शॉर्ट होता है यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है एरे बेसिकली राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है बिकॉज हर इटरेशन में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड की तरफ जाने लगेगी अब देखिए यहाँ पे फिर से स्वैप होगा सिक्स और फोर के बीच में यूसी, सिक्स उधर आ गया फोर इधर आ गया फिर से यही कहानी चालू होगी और धीरे धीरे अगेन होता क्या रहेगा जो बड़ी वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाने लगेंगी जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आने लगेगी लुक एट दिस तो फाइव और टू में अगेन स्वैप करना पड़ेगा और में हाँ जी एक बार स्वैप और होगा अगेन यू डू अ स्वैप तो स्वैप करेंगे देखिए फिर से लेफ्ट में right में राइट आ गया फिर कहानी चलने दीजिए वन और थ्री में स्वैप नहीं होगा टू और फोर में इस बार स्वैप जरूर होगा तो टू आ जाएगा लेफ्ट में और थ्री आ जाएगा राइट में हर बार बबल बाय बबल यही काम करते जाएंगे आई थिंक आई ऑलरेडी सॉर्टेड है बट बबल शॉट अपनी पूरी ट्रेशन कंप्लीट करेगा तो फिर से एक बार क्रॉस चेक करेगा स्वैप करने की जरूरत नहीं फिर से क्रॉस चेक करेगा स्वैप कर एंड दैट विल बी ऑल सो दैट इज हाउ दिस वर्क एक बार पहली ट्रेशन दोबारा से देख लीजिए नाउ लुक एट दिस सबसे पहले भी स्टार्टिंग एरे है सिक्स और फाइव स्वैप होगा तो ये देखिए फाइव लेफ्ट में सिक्स राइट right में और थ्री अगेन हमेशा बड़ा वैल्यू क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना तो बड़ा वैल्यू राइट right में होना चाहिए छोटा वैल्यू लेफ्ट में होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो उसे स्वैप कर रहे हैं हम फिर से कराइए सर और वन में लीजिए फिर से स्वैप हुआ सिक्स और एट में नहीं सिक्स और एट में स्वैप करने की जरूरत नहीं बट एट क्योंकि सबसे बड़ा भी है तो हमेशा स्वैप होगा क्योंकि यूनिवर्स की डेस्टिनी है कि फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होते होते इसको लास्ट तक जाना है तो एट एंड टू यस 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 अगेन स्वैप होगा स्वैप करा दीजिए वेरी गुड एंड लास्ट वन एट एंड फोर अगेन स्वैप होगा तो देखिए फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ और जो सबसे बड़ा वैल्यू वो लास्ट तक हमारा पहुंच गया आप यही चीज यहाँ भी देख सकते हो लुक एट दिस ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कैसे चीजें स्वैप होती जा रही है और बड़ी वैल्यू धीरे 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 लास्ट तक पहुंचने लगेंगे इसकी अच्छी बात यह ऐसा नहीं सिर्फ बड़ी वैल्यू लास्ट तक पहुंच रही है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छोटी वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में जाने लगती है लुक एट दिस लुक एट दिस स्टेप बेस्ट अब ये देखिए ये वाली वैल्यू कैसे धीरे 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 पीछे आ रही है एंड द यूज एंटायर फिर से एक बार देखिए अब ये वैल्यू देखिएगा लुक एट दिस इस पर ध्यान दीजिए ये कैसे धीरे 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 जैसे जैसे हर बार क्योंकि कोई ना कोई इसे स्वैप करेगा हर इटरेशन में पीछे चलता जाएगा चलता जाएगा बड़ा वैल्यू राइट right में जा रहा है लुक एट दिस इस तरह किसी भी और वैल्यू पे ध्यान दे सकते हैं कैसे वो धीरे 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 धीरे, धीरे स्वैप होता जाएगा जैसे जैसे इटरेशन बढ़ेगी फास्ट होगा क्योंकि आगे की वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड एंड यू सी द एंटायर सॉर्टेड तो आई थिंक जो बेसिक अप्रोच है वो आप समझ गए हैं है ना उस पर डिटेल में पहले समझने की जरूरत है देन ओनली आप एल्गो पे काम करो तो क्या हो रहा है सर

मैं रेंडमली कुछ वैल्यू फिल कर देता हूँ और कुछ इस तरह के केसेस लेते हैं कि स्वैप हो है ना तो कुछ मजा आए एंड इधर 60 भर दूँ क्या ओ माय गॉड फिर तो हर बार स्वैप होगा 60 नहीं भरता 60 भरूंगा तो हर बार स्वैप होगा तो 60 को hmm, किधर 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 60 को इधर लिख देता हूँ, सो देयर लेट मी राइट 60 और इधर भर देता हूं 30 को है ना इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं सो so दैट हर बात एकदम कायदे से समझ आए चलिए सर गेम शुरू करते हैं कहां से गेम स्टार्ट होगा नोटिस करिए तो बबल सॉर्ट हम एक्सक्यूज मी बबल सॉर्ट हम रन कर रहे हैं ए कॉमा एन पे फिलहाल हमारे पास कितने वैल्यू है सिक्स है ना सो देयर यू सी सिक्स अब के का लूप चलाइए वन से लेके एन माइनस वन तक तो के कितनी बार चलेगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव है ना तो पांच इटरेशन चलेगा पी टी अब ये पीटीआर क्या काम करेगा ये भी आप समझेंगे बट फिलहाल चलो इसको ऐसे मान लेता हूँ कि पीटीआर की वैल्यू हमने क्या किया वन की अब देखिए वाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू माइनस दे पर कहीं एन और के वैल्यू चेंज नहीं हो रही है व्हाट इज सर का वैल्यू 6 है और फिलहाल हम इटरेशन में के वन लेके चल रहे हैं एन माइनस के फाइव तो बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू फाइव आ गया क्यों कर रहे भी आप समझोगे बबल बाय बबल कंपेयर कर रहे ना एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार तो क्योंकि वैल्यू सिक्स है तो कंपैरिजन फाइव टाइम करना पड़ेगा ये उस चीज का काउंट है है अब चेक करना शुरू करिए पीटीआर अभी क्योंकि one है, पहली जगह पॉइंट कर रहा मैं इसको पी से ही मार्क कर देता हूँ है ना कहा पॉइंट कर रहा है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस चलिए गेम शुरू करते हैं सर इफ पीटीआर ए पीटीआर इज ग्रेटर देन ए पीटीआर प्लस वन ना लुक एट दिस क्या ए पीटीआर जो है वो ग्रेटर है पीटीआर प्लस वन से क्या थर्टी फोर्टी से ग्रेटर है नहीं ग्रेटर तो नहीं है और अगर नहीं है तो क्या स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर ये एज होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट करना है तो छोटा वैल्यू लेफ्ट में बड़ा राइट right में होगा कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़िए बढ़ी है पीटीआर फिर से चेक कर लीजिए पीटीआर का वैल्यू टू हो गया है बट वो अभी भी फाइव से छोटा है ना ओके नाउ लुक एट दिस एपीटीआर क्या ग्रेटर है ए पीटीआर प्लस वन से क्या फोर्टी सिक्सटी से ग्रेटर है नहीं सर फोर्टी सिक्सटी से ग्रेटर नहीं है सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो के अगेन पीटीआर इजिकल्स टू पीटीआर प्लस वन पीटीआर भाई साहब कहाँ पहुंच गए थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गए अभी भी थ्री फाइव से कम है चलेगा फिर से चेक करो क्या ए पी आर इज ग्रेटर है इस बार ग्रेटर है सिक्सटी इज ग्रेटर क्या करने का कर exchange कर दीजिए दीजिए so, आ जाएगा राइट right में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर से आगे बढ़िए अच्छा आर स्वैप हो ना हो आर तो आगे बढ़ता जाएगा तो लीजिए सर आर आ गया इधर अब चेक करें क्या सिक्सटी फिफ्टी से ग्रेटर है हाँ सिक्सटी फिफ्टी से ग्रेटर है फिर से स्वैप होगा

और ये हमारी ट्रेशन खत्म क्यों बिकॉज पीटीआर इज गर्स पीटीआर प्लस वन पीटीआर की वैल्यू जैसे ही सिक्स होगी आप वाई लूप से बाहर आ जाएंगे अगेन यू गो द फॉर लूप तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ और अब आप नोटिस करें आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन धीरे धीरे ऑब्वियसली कुछ वैल्यू स्वैप्स हुई हैं बट एक चीज की गारंटी है वो क्या कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ऑलरेडी कहाँ जा चुकी है दैट इज ऑलरेडी ऑन द लास्ट इंडेक्स सो दैट इज हाउ वी वर्क और मेरे ख्याल तो से आप समझे होंगे अब देखिए जैसे ही के का वैल्यू टू लेके हम अगली ट्रेशन में जाएंगे एक बात नोटिस करें के का वैल्यू है का वैल्यू तो सिक्स ही है तो सिक्स माइनस टू कीजिएगा तो इस बार वैल्यू आएगा फोर यानी कि इस बार बताइए पीटीआर तो हमेशा फिर से रीसेट हो गया वन पे तो पीटीआर सिर्फ कितनी बार चलेगा एक दो तीन चार पहले पांच बार चला था चार बार क्यों चलेगा एक बार कंपेयर दो बार कंपेयर

आप इसे सॉर्टेड एरे दो अभी मैं ऊपर लिख के भी चल रहा हूँ विदाउट अ फ्लैग अब ये फ्लैग होना ना होने का क्या चक्कर है देखिए आप इस भाई साहब को सॉर्टेड एरे दो इसको अनसॉर्टेड एरे दो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्यों फिर से देखिए ये लूप इंडेक्स पे चला के कंटेंट पे तो इंडेक्स पे चल रहा है घर से सोच के आया है एरे सॉर्टेड हो के ना हो ये वन से n माइनस वन तक जाएगा ही जाएगा यहां देखिए ये यह किस पे चल रहा है ये किस पे चल रहा है ये सब इंडेक्स पे चल रहा है सर अगर आप इसे सॉर्टेड एरे दो रिवर्स सॉर्टेड एरे एरे दो दो रैंडम ये इटरेशन इसी तरह से चलेंगी सो so, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है ऑर्डर ऑफ एन और ये दोनों नेस्टेड है सर सो एन क्रॉस एन विल बिकम एन स्क्वायर एन क्रॉस एन विल बिकम एन स्क्वायर आर यू गेटिंग इट सो दैट इज हाउ ये इस तरह से काम करेगा और अप्रोच आगे बढ़ती जाएगी बात समझ आती है बट अब इसका एक मॉडिफाइड एल्गोरिदम है लुक एट व्हाट तो इधर कहीं मैंने मेंशन नहीं किया आप मान लीजिए स्टार्टिंग में मी से हम फ्लैग का वैल्यू सेट कर देते हैं जीरो नोटिस करिएगा फ्लैग का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या सेट कर दिया जीरो सेट कर दिया सर है ना अब देखो जब गेम आगे बढ़ेगा अगर एक बार भी एक्सचेंज हुआ तो वहां पर मैं फ्लैग को वन सेट कर रहा हूं लेकिन एक बात नोटिस करो अगर हमारा एरे पहले से ही सॉर्टेड है मान लीजिए इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा करके लिखा हुआ है ना यू टेल मी, इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड तो एक बार भी स्वैप होगा कि नहीं होगा सर एक बार भी स्वैप नहीं होगा और अगर एक बार भी स्वैप नहीं होगा तो ये जो नॉट ऑफ फ्लैग है फ्लैग की वैल्यू जीरो ही रह जाएगी क्योंकि स्वैप होने के बाद ही वैल्यू वन होती है अब वैल्यू जीरो ही रह जाएगी एंड नॉट ऑफ जीरो जाएंगे अंदर यहाँ लिखा है ब्रेक और जब ब्रेक होता है तो क्या होता है आप लूप से बाहर आ जाता है तो फॉर लूप से आप बाहर आ जाएंगे बिकॉज अगर एक बार भी स्वैप नहीं है तो वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है काय को बार बार जाके ट्रेशन बाय ट्रेशन पूरा चेक करके बाहर आना है है ना तो ये बबल सॉर्ट है विद दिस आइडिया ऑफ फ्लैग और इसका फायदा क्या होगा You see. Worst case में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी आप अंदर जाएंगे कभी ना कभी स्वाप होगा फ्लैक की वैल्यू फिर से वन होगी ये वन का उल्टा करेंगे फॉल्स हो जाएगा कभी ब्रेक नहीं करेंगे पूरा लूप चलेगा और कॉम्प्लेक्सिटी एनस्कवायर पर ही रहेगा लेकिन अगर एक बार भी स्वाप नहीं होता ये वाला लूप तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा क्योंकि ये तो मेरे को पूरा एक बार चेक करने का है लेकिन ये जो बाहर वाला फॉरलूप है ये ऑर्डर ऑफ एन ना होकर ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा क्यों क्योंकि सर सिर्फ एक ही बार चलेगा पहली बार में ब्रेक होगा बाहर आ जाएंगे और उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ना होकर ऑर्डर ऑफ एन रह जाएगी सो देर यू सी अगर मैं बोलू इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर और कंटेंट इस बार मैं बोथ आंसर कर रहा हूँ क्यों अगर हम फ्लैग वाली बात मान लें है ना क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड है तो कंटेंट पे तो डिपेंड हुआ सर तभी फ्लैग की वैल्यू सेट हुई तो दोनों चीजों को वैल्यू कर रहा है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल आई थिंक इंटरनल क्या हमने कहीं पर भी कोई एडिशनल स्पेस यूज यूज किया किया नहीं किया। जो दो तीन वैल्यू है वो तो से कोई फर्क नहीं पड़ता नाउ स्टेबल स्टेबल और अनस्टेबल बिकॉज अगेन आप देखो एक्सचेंज की जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर पे है ग्रेटर देन इक्वल टू पे नहीं है तो अगर दो जगह टू टू लिखा होगा तो इनके बीच में कभी भी स्वैप होगा क्या कभी भी स्वैप नहीं होगा तो स्टेबल है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन आपको समझा चुका हूं अगर कोई एग्जाम में इसलिए मैं फ्लैग वाली बात लिख के चल रहा हूँ कभी -कभी अगर, अगर नहीं लिखा तो फ्लैग के साथ इसको ऑर्डर रखा जा सकता है बस केस पे कोई चेंज नहीं वो एन स्क्वायर ही चलेगा कौन सा अप्रोच है सर आई थिंक दिस इज ऑल्सो बस की दूसरी साइड से हो रहा है तो एक प्रॉब्लम है जिसका साइज है एन हमने क्या किया एन माइनस वन एक तरफ रखा और लार्जेस्ट एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया फिर से हमारे पास है एन माइनस वन एन माइनस टू एक तरफ रखा सॉर्ट किया इस तरह से चलते जाएंगे सो दिस इज नॉट डिवाइड एंड क्यूर दिस इज सब्ट एंड कौन एक 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 वैल्यू खाते जा रहे हैं और पूरे कहानी को सॉर्ट कर रहे हैं यस सो दिस इज एन आइडिया अगेन अगर कंक्लूड करूं बबल सॉर्ट एक ऐसा कोई बहुत जबरदस्त आइडिया तो नहीं है वर्स कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सो इट इज स्टिल वी शुड इट इनसफिशियंट एलगोरिजम फिर भी एक बार देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसी मोड में काम करते हैं बबल सॉर्ट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉर्टिंग एल्गोरिजम लुक एट दिस आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है दिस सिंपल एलगोरिज्म परफॉर्म पुअरलीज इन द रियल वर्ल्ड एंड बेसिकली हम इसको काइंड ऑफ एजुकेशन टूल की तरह यूज कर रहे हैं मोस्ट एफिशिएंट सच हीप सॉर्ट एंड जो आगे अलगुर पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है जावा है उनकी लाइब्रेरी में यूज करते हैं और ये केस वाली मैंने बात आपको बता दी है स्पेशली जब हम बात करते हैं किसकी अगर हम बात करेंगे द आइडिया ऑफ स्वैपिंग तो ये तो बबाली कर देता है सिलेक्शन शॉर्ट बेचारा एक में एक स्वैप करता है ये तो एक इट्रेशन में नहीं जाने कितने स्वैप मार देता है यस तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप बहुत ज्यादा हो सकता है बट दैट इज ऑल विद बबल शॉर्ट सो दो हमारे हो गए हैं सिलेक्शन हो गया है सिलेक्शन हो गया बबल हो गया है अभी तीसरा नंबर है इंसर्शन शॉर्ट का जो भी काइंड ऑफ सेम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला आइडिया है कैसे काम करता है क्या अप्रोच है एक एक करके डिटेल में समझते हैं अब इंसर्शन शॉर्ट पढ़ना है और ये मैंने यू नो कार्ड्स या ताश के पत्ते जैसे हम भाषा में हम बोलते हैं वो लगा के रखे क्यों एक आइडिया आपको समझाता हूँ जब हम ताश खेलते हैं तो लाइक अ फ्लावर जैसे देखना ये हाथ में ऐसा हम बना लेते हैं और आप देख रहे हैं जैसे इस प्लेयर ने भी आई थिंक शॉर्ट करके लगाया हुआ है ये जनरल आइडिया आमतौर पे लोग शॉर्ट करके लगाते हैं बिकॉज समझ आता है कौन सा पत्ता बड़ा है कौन सा छोटा कैसे यूज करना है होता क्या है लुक एट दिस मान लेते हैं कि यहाँ पे सेवन नहीं है ये कार्ड हमारे हाथ में है और हमने एक नया कार्ड उठाया एंड एनटाटस सेवन हम करते क्या है लॉजिकली आप सोचेंगे हम लेके 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 आए आए ले और जैसे ही हम सिक्स और एट के बीच के yes, we'll it, it? So, approach, में आएंगे हमको लगेगा यस दैट इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ सेवन एंड विल तो यही सेम अप्रोच यही सेम आईडिया हम यूज करते हैं इंसर्शन सॉर्ट में तो वी हैव सम सॉर्टेड कार्ड्स एक पत्ता उठाते हैं और जैसे ही वो सही पोजीशन पाता है उसको इंसर्ट करते हैं फिर एक पत्ता उठाते हैं जैसे ही वो सही पोजीशन पाता है उसको इंसर्ट करते हैं और यही प्रोसेस यू you नो know, हम रिपीट करते जाते हैं दिस इज द अंडरस्टैंडिंग तो कैसे ये काम करता है और क्या आइडिया है ध्यान से देखिए एनिमेशन समझते चल रहे हैं पहला एलिमेंट हम मान रहे थे शॉर्ट है फाइव की पोजिशन बताइए क्या है फाइव की पोजिशन सिक्स के लेफ्ट में होनी चाहिए एक एक करके एलिमेंट उठाते जाएंगे उसको Previously, जो पर है रहे ना उसकी सही position पे insert करते जाएंगे. Look at this. तो three आया इधर आ गया. अब ये, यहां तक sort हो गया. ये तक हो उठाओ. आना चाहिए? पोजिशन के भी लेफ्ट में आएगा थ्री के भी लेफ्ट में आएगा एंड देर आई पिक वन एट एट तो यही ठीक है है ना? एट को फर्दर लाने की जरूरत नहीं सेवन एक पोजिशन लेफ्ट में आना चाहिए एट तुम थोड़ा राइट right में जाओ सेवन इधर आ गया टू काफी लेफ्ट में जाना चाहिए इसको तो अब देखिए कितने सारे एलिमेंट्स अपनी पोजिशन चेंज करेंगे सो so, सब एक एक, एक 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 स्टेप आगे जा रहे हैं और फाइनली आई थिंक टू के लिए सही जगह हमने बनाई देर कम्स टू नाउ यू सी फोर फोर कहाँ जाना चाहिए लुक एट दिस्ट अगेन फोर ऊपर गया एट आगे जाओ सेवन आगे जाओ सिक्स आगे जाओ फाइव आगे जाओ एंड देर यू सी फोर सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द इंसर्शन बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है ना एक एरे हमारे पास है लुक एट दिस एरे हमारे पास है एक पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम ऑलरेडी सॉर्टेड मानते हैं पूरा एरे हम टच करेंगे भी नहीं एक एलिमेंट हम पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमें उसका सही पोजीशन ना मिल जाए इन द मीन वाली एलिमेंट एक एक स्टेप आगे यू नो शिफ्ट होते जाएंगे और जैसे ही हमें परफेक्ट लोकेशन मिलेगी हम उसको इंसर्ट कर देंगे इसीलिए इसका नाम है इंसर्शन शॉर्ट क्या नाम है इंसर्शन वाई वी आर कॉलिंग इट इंसर्शन शॉर्ट बिकॉज सही पोजिशन मिलते हैं हम उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं अब लुक एट दिस देखिए ध्यान से एक एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट आप देख रहे हैं बाकी का अरे अनचेंज्ड है हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यार काम करने का तरीका अलग है और इस इन एनिमेशन से बहुत सारी चीज शॉर्ट कर रहे होते हैं अब एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे उसको उसकी सही पोजिशन पे जाके रख के आएंगे और आपको एक तरफ से यू कैन सी एरे ए शॉर्ट होता नजर आएगा यस सो दे यू सी हाउ इन सर्शन शॉर्ट कहता मतलब तो एक बार फिर से पूरा एनिमेशन फिर से चलने देता है अब ये देखिए इसका नंबर जब आएगा ए आने वाला आने वाला आने वाला टिंग 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 ही आ गया अपनी सही पोजिशन पे लाइक like दिस तो एक एक एलिमेंट पिक करते जा रहे हैं और उसको प्रीवियसली सॉर्टेड एरे में प्लेस करते जा रहे हैं धीरे धीरे सॉर्टेड एरे बढ़ता जा रहा है अनसॉर्टेड एरे छोटा होता जा रहा है अल्टीमेटली पूरा का पूरा एरे भी हम सॉर्ट कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज ऑल्सो नथिंग बट द आइडिया ऑफ एंड सब्ट एक बार में तो कुछ डायरेक्ट हो नहीं रहा तो एक प्रॉब्लम है जिसका साइज है एन अगेन लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉर्ट है राइट हैंड साइड वाला नहीं है तो गेम शुरू कहां से हुआ शुरू हुआ N Further, यहां से एक कम करेंगे। अगेन हमारा पूरा का पूरा का एरे जो है वो सॉर्ट हो जाए। so, ये अप्रोच है जो काम करती है आप पूरा वैल्यू मैंने आपको बता दिया आइडियाज बता दिया सब वही करके लिखा है नाउ एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं तो अगेन कोई भी रैंडम वैल्यूज में लेता हूँ Let me take 10, इधर मैं ले लेता हूं ट्वेंटी थर्टी ले कौन बचा आई थिंक फाइव जीरो रेंडम सॉर्टेड हमने ले लिया रेंडमली है तो अगेन द एलिमेंट इज ऑफ साइज सिक्स तो यहाँ पे आया सिक्स अब देखिए हर किसी का लूप चलाने का तरीका अलग है ज्यादातर लोग वन से एन माइनस वन चलाता है तो बचा हुआ एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है ये भाई साहब टू से शुरू कर रहे हैं तो एन तक जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं तो जे की वैल्यू बताओ कहां से चलेगी सर चलेगा एंड तक ये चलने वाला है ना लुक एट दिस स्टेप नंबर वन में क्या करना है ए ऑफ जे जे अभी इधर है ना क्योंकि हम मान के चल रहे हैं काइंड ऑफ ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड अभी एक ही एलिमेंट तो सॉर्टेड मानूंगा क्या करूंगा तो ए ऑफ जे को हमने मान लिया की तो बताइए फिलहाल की के अंदर कौन आएगा सर की के अंदर आएगा थ्री जीरो आई इक्वल्स टू जे माइनस वन आई जे के ठीक पीछे चलेगा भाई का काम क्या वो आप समझ जाओगे आई बता रहा है कि कितने पीछे शिफ्ट करना है ना तो फिलहाल ये तो इनिशियलाइजेशन टाइप चीज हो गई आई इधर इनिशियलाइज हो गया ना लुक एट दिस पीछे कब तक जाना है ये इंटरनल वाइल लूप डिसाइड करता है लुक एट दिस आई जीरो से बड़ा है कि नहीं हाँ सर आई जीरो से बड़ा तो है बिकॉज पीछे आने का भी एक लेवल होगा ना जिसके पीछे तो जा ही नहीं सकते जैसे थर्टी सबसे छोटा है तो वो मेरे को चेक करना है क्या ए ऑफ आई की से बड़ा है फिलहाल ए ऑफ आई है 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 और की हमारा 30 है, हाँ बड़ा है। तो टेक्निकली 30 को में आना चाहिए फोर्टी को आगे जाना चाहिए हाँ कंडीशन होल्ड किया सर अगर कंडीशन होल्ड करी तो क्या करना है लुक एट दिस ए ऑफ आई प्लस वन में ए ऑफ आई रख देना है मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ये जो मैंने लगाया था ए ऑफ आई प्लस वन में ए आई तो ए आई फिलहाल वन है तो यहाँ पर हमने फोर्टी रख दिया आप बोलेंगे सर थर्टी डिलीट हो गया नहीं थर्टी को सेव करके रखा है ना की में एंड नाउ यू सी आई टू आई माइनस बाकी और कुछ नहीं करना आई एक और पीछे आ गया फिर से जाके चेक करिए आई थिंक पहला ही कंडीशन वायल कर गया क्योंकि आई फाइनली जीरो अगर ये वन है तो दैट मस्ट भी जीरो जीरो हो गया और जीरो पे तो चलना नहीं है और एंड है एक कंडीशन फेल तो दूसरा चेक करूंगा नहीं मैं लूप से बाहर आता हूँ एंड लुक एट दिस क्या कह रहा है ऑफ आई प्लस वन में की रख देना है फिलहाल ऑफ आई जीरो आई प्लस वन होगा वन और वन में की रखना तो मानो दैटी एक इटरेशन हमने कंप्लीट की बहुत शानदार तरीके से बहुत आराम से कंप्लीट की एंड एंड लुक एट दिस यहाँ तक का गेम सॉर्ट हो चुका है एक इटरेशन और चलाते हैं है ना जैसे जैसे चलाते जाएंगे यू विल गेट बेटर क्वालिटी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द आइडिया तब बोलिए अगली इटरेशन में जे का वैल्यू क्या होगा थ्री होगा A of J, A of three यानी कि की हो जाएगा मेरा ten और J अगर three पे पॉइंट कर रहा है तो i कहाँ से शुरू करेगा two से तो ये मैं two को initialize कर देता हूँ फिर से शुरू करिए क्या i zero से बड़ा है हाँ सर i तो two है A of i क्या A of i forty की से बड़ा है जी हाँ है शिफ्ट करिए इसको कैसे करेंगे A i plus one में A i रख देते हैं सो दैट बिकम्स forty i is equal to i minus one

And there you see, वो जो एनिमेशन हम देख रहे थे कैसे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंगल सिंपल एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स कैसे हम इसको स्टेप बाई स्टेप आगे लेके चल रहे टेन थर्टी फोर्टी तक शॉर्ट हो गया ऐसे एक एक करके वैल्यूम डंप करते जाएंगे सो आई होप इंसर्शन शॉर्ट का जो एग्जैक्ट मैकेजम है वो आपको क्लियर हो गया डायरेक्टली भी जैसे हमने एनिमेशन देखा और प्रॉपर एलगोरिदम के तरीके से भी आप चाहोग कोड लिखना तो कोड लिख सकते हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है एनालाइज कर लेते एक बार Finally, उसी, आप केस और वर्स केस में देखो। पहले मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ इसमें ऐसा मत सोचिएगा सर ये प्लस वन है ये माइनस वन है कांस्टेंट का एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइस अप्रैक्शन से

क्या ये टू कभी वन से पीछे जाएगा नहीं थ्री कभी टू से पीछे जाएगा नहीं फोर कभी थ्री से पीछे जाएगा नहीं तो ये जो इंटरनल वाइल्ड लूप है मैं इसके अंदर कभी कभी ही नहीं नहीं क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि A of I जो है वो की से बड़ा हो और अगर मैं अंदर जाऊंगा नहीं उस केस में ये वाइल्ड लूप सर इंस्टेड ऑफ बिकम ऑर्डर ऑफ एन इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ वन और ऑर्डर ऑफ वन एन ऑर्डर इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं रहेगा वो ऑर्डर ऑफ एन है तो इस तरह से सोचें तो ये कायदे से, से सलेक्शन सॉरी जो हमारा हाँ सिलेक्शन शॉर्टर या, या बबल सॉर्ट था उससे कुछ हद तक बेटर है हालांकि बबल सॉर्ट विद फ्लैग भी ऑर्डर ऑफ एन ही दे रहा था लेकिन वो स्वैप बहुत कराता है यस अच्छा यहाँ देखिए अगेन क्योंकि हम ये जो कंडीशन है ये कंटेंट पे लिख रहे हैं और अगर पहले से सॉर्टेड है तो अंदर नहीं जाएंगे तो ये सिर्फ इंडेक्स पे स्ट्रक्चर पे तो डिपेंड करता नहीं मैं कह रहा हूं दोनों पे डिपेंड करता है इसने कहीं कोई एडिशनल स्पेस मांगा क्या सर हमारे सामने तो नहीं मांगा बेचारा इसी में इधर उधर जंप कर रहा है सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल सॉर्टिंग स्टेबल अनस्टेबल की बात करें तो फिर से वो देखिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है मैं पीछे तभी लेके जाता हूं जब स्ट्रिकली ग्रेटर बराबर पे नहीं लेके जाता तो कभी ऑर्डर चेंज नहीं होगा जो सेम कॉपीज है सर so so, uh, सो so, एक पार्ट लेफ्ट शॉर्ट करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं शॉर्ट करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं सो दिस इज सब्रैक्ट एंड कॉन सो so, तीन एल्गोरथम है लगभग लगभग तीनों सेम क्लास के हैं बट काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है है ना आप अगर इनको अच्छे से समझेंगे तो एग्जामिनर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्लेसमेंट्स में प्लेसमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ है ना सो आई थिंक यू गेट द आइडिया एलगोरथम दो तीन बार लिख के देखोगे कर ट्राई रन करोगे आपको समझ आएगा वर्ड बाय वर्ड लिख सकते हो इफ दे आस्क की जस्ट आप एक्सप्लेन कर दो पांच नंबर में एक दो डायग्राम बनाओ

ये बात करता है की। अभी तक किसी भी जो हमने डिस्कस किया उसने ने, in 1945. तो रिमेंबर, अभी देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तब तक मर्सोट आ चुका था और वॉन क्या है आपको याद है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं ये जो आज हम कंप्यूटर यूज करते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं उसका जो पहला सिम्बॉलिक you डायग्राम know, था विजुअलाइजेशन था वो जॉन वॉन का था जहां पर उन्होंने बोला कि भाई एक सीपी होगा जिसमें कंट्रोल यूनिट होगा एल होगा मेमोरी होगा एंड नजर नहीं आ रहा बट देर इज सम इनपुट डिवाइस एंड देर आर सम आउटपुट डिवाइस जो आपस में कोरिलेट करके पूरा काम करेंगे ये एक जनरलाइज अप्रोच था अब मर्सॉर्ट काम कैसे करता है पहले उसको समझाता हूँ सेम आइडिया इधर आ जाइए सो प्रॉब्लम क्या है मर्सॉर्ट की या किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए एजेंडा क्या है कि सर किसी एर को सॉर्ट करना है अगर मैं आपसे बोलूँ मर्ज सॉर्ट इन रियलिटी सॉर्टिंग की बात करता ही नहीं तो कैसा रहे तो लुक एट दिस पहले मर्ज सॉर्ट क्या करते हैं जैसे आपको इस इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर होगा समझ आ रहा है सर मर्ज सॉर्ट मर्ज नहीं करता पहले डिवाइड करते जाता है कब तक डिवाइड करता है तो मर्ज सॉर्ट कहता है मैं किसी एरे को जिसका साइज होगा एन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या प्रॉब्लम क्या है कि उसको सॉर्ट करना है मैं उसको तब तक डिवाइड करते जाऊंगा जब तक हर एरे में बस एक एक एलिमेंट ना बचे इतने सब बनाऊंगा उसके तो लुक एट दिस हमारे पास ये एक एरे है जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एलिमेंट है 7 को बराबर बराबर तो डिवाइड करा ही नहीं जा सकता तो एक तरफ चार रखने पड़ेंगे एक तरफ तीन रखने पड़ेंगे तो देर यू सी मर्ज से टॉक एंड कॉल की भाई चार इधर रखेंगे तीन इधर रखेंगे एंड लुक एट दिस वो कैसे डिवाइड करते जा रहा है उसके बाद मतलब अगर कभी भी ऑड होंगे तो पहले वाले में में एक ज्यादा रख लो दूसरे वाले में कम रख लो उल्टा भी कर सकते हो एक लॉजिक फॉलो करके चलते डिवाइड करते जा रहा है करते जा रहा है अल्टीमेटली यहां तक पहुंचते पहुंचते देखिए हमने उसको मैक्सिमम डिवाइड कर लिया डिवाइड हो नहीं सकता लॉजिक समझिए क्या है प्रॉब्लम कैसे चेंज हो गया प्रॉब्लम था एक एरेज जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉर्ट करना है अब नया प्रॉब्लम क्या बना हमारे पास एन नंबर ऑफ एरेज हैं, जिनका साइज ऑलरेडी वन है और जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उन्हें मर्ज करना है ऑलरेडी सॉर्टेड हाँ अगर कोई एरे ऐसा है जिसमें एक ही एलिमेंट है क्या उसको सॉर्टेड नहीं मान सकता तो अपने आप में थर्टी एट भी सॉर्टेड है अपने आप सॉर्टेडी सेवन भी सॉर्टेड सॉर्टेड है है अपने आप में भी, आप भी, आप भी लाइक दिस और अब हमारी प्रॉब्लम क्या है हमें सिर्फ सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है और अगली बात समझिए सॉर्टेड एरे को मर्ज करना किसी एरे को सॉर्ट करने से आसान प्रॉब्लम है क्यों बिकॉज जब दो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं ना मान लीजिए यहां लिखा है

दो सॉर्टेड को मर्ज करने की कॉस्ट है लाइक ऑर्डर ऑफ़ दोनों में जो भी ज्यादा होगा बट एन स्क्वायर नहीं जाता तो अब ध्यान से कैसे कर रहा है कौन छोटा है तो ट्वेंटी सेवन पहले थर्टी एट बाद में फोर्टी थ्री थ्री को मर्ज किया थ्री पहले फोर्टी थ्री बाद में नाइन और एटी टू को मर्ज किया नाइन पहले टू बाद में। में अब इन दोनों को मर्ज किया देखिए पहले थ्री फिर फिर देन 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 को merge किया तो पहले बताओ, merge sort का समझ आया क्या merge sort, किसी प्रॉब्लम को, को तब तक डिवाइड करते जाना जब तक हमारे पास हर एरे बचे ऑफ साइज वन फिर उसको मर्ज करना सिंगल सॉर्टेड एरे दैट इज हाउ सॉर्ट वर्क्स अब ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये काम कैसे करता है वो समझ लेते तो उससे पहले भी समझ लीजिए ये तो मानते हैं ना कि डिवाइड एंड की है हाँ है सर कैसे एक प्रॉब्लम है साइज एन का हमने उसको एन बाय टू एन बाय टू में डिवाइड किया फिर दोबारा उसको फर्दर बाय में सो दैट बिकम्स ब्ला 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 और अल्टीमेटली कब तक करते जा रहे हैं जब तक हमें एक प्रॉब्लम ना मिल जाए जिसका साइज वन हो और जिसको सॉल्व करना ट्रिवियल हो वो ऑलरेडी सॉल्व सो सॉल्व करने की जरूरत नहीं तो दिस इज द आइडिया ये एक मीम मुझे मिला लुक एट दिस दैट इज हाउ मॉट कॉल्स ये देखो वो हर बार अपने दो बेबी वर्जन बनाते जा रहा है बनाते जा रहा है बनाते जा रहा है दिस इज हाउ इट वर्क्स

So that becomes seven. अब करना है क्या है सर क्या पी आर से कम है बेस केस कर रहे हैं क्योंकि रिकर्सिव होगा तो कभी ना कभी तो रोकना पड़ेगा हाँ पी आर से कम है तो माने कम से कम दो वैल्यू तो है अब क्या करना तो फोर प्लस सेवन एट एट डिवाइड बाई टू कितना हो गया फोर हो गया तो यहां से ब्रेक करना है। तो अब क्या करें देखिए दोबारा मर्सॉट कॉल करो ये क्यू आया ना नया जो फोर आया पी प्लस क्यू पर क्यू प्लस वन आर पे तो पी प्लस क्यू Look at this. 38 से से तक तक कॉल कॉल हो हो गया, गया. एंड तो, तो ये दोनों पहले क्या करेंगे बताओ ब्रेक करते जाएंगे ब्रेक करते जाएंगे इस कहानी तक एंड अल्टीमेटली क्या होगा बाद में मर्ज कॉल होगा जो दो एरे को मर्ज कैसे करना उस पर ध्यान रखिएगा एक चीज अगर मैं आपको नोटिस कराऊं, देखिए, जब मैंने मर्सॉट कॉल किया मान लेते हैं वन कॉमा सेवन पर देखिए इसने तीन काम करने हैं पहला काम क्या करना है तो कैलकुलेशन हो गई दोबारा मर्सॉट कॉल करना है वन कॉमा फोर पे फिर से मर्ज मरशट कॉल करना है 5,7 पे एंड एंडिंग फिर आपको इसको दोबारा मर्ज करना है कॉमा 1,4,7 यानी कि तीनों को उठा के एक साथ रखना अब एक बात नोटिस करने वाली है डेटा स्ट्रक्चर में समझ के आए हैं जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं इधर नहीं जाऊंगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं मर्ज कर नहीं सकता अब ये कंप्लीट कब होगा जब आप इसको फर्दर वन कॉमा टू पे थ्री कॉमा फोर पे डिवाइड करेंगे ये कब कंप्लीट होगा जब वन कॉमा वन टू कॉमा टू पे जाएगा कहने का मतलब ये है इस पूरे डायग्राम को देखिए और अब समझिए ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है काम कैसे होता है स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फाइव जब इतना मर्ज हो चुका होगा यहां तक फिर आगे चलेगा स्टेप नंबर सिक्स सेवन एट एंड जब ये दोनों रेडी हैं, देन स्टेप नंबर जब फर्स्ट है एरे डिवाइड होके सॉर्ट हो चुका है तब तक मैंने सेकेंड एरे टच भी नहीं किया देन इलेवन देन देन थर्टीन देन फोर्टीन देन फिफ्टीन यस देन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड देन नाइनटीन और फाइनली दोनों हाफ रेडी हैं देन यू से सपोज स्टेप नंबर पूरा मर्ज किया तो मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ एक नेक्स्ट लेवल अलग जाके फंक्शन कॉल किस हिसाब से चल रहा है कुछ लोग को लगता है पहले पूरा सिस्टम यहाँ पहुंचता है फिर से मर्ज होता है जी नहीं पहले फर्स्ट हाफ सॉल्व हो चुका होता है तब तो हम सेकेंड हाफ पे जाते हैं अब शायद आप इसको समझो देखो ध्यान से देखना पहले फर्स्ट हाफ का फर्स्ट हाफ सॉर्ट हो रहा है फिर फर्स्ट हाफ का सेकेंड हाफ सॉर्ट हो रहा है अब ध्यान से देखिएगा अब पूरा फर्स्ट हाफ सॉर्ट हो रहा है लुक एट दिस लुक एट दिस जब फर्स्ट एन बाय टू सॉल्व हो चुका है तब सेकेंड हाफ में आएंगे अब ये सॉल्व हो रहा है अभी ये सॉल्व हो रहा है लुक एट दिस अब ये दोनों मिलके एक साथ सॉल्व होंगे अब जब दोनों फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ हाफ सॉल्व हो चुके होंगे अब ये पूरा मिलके सॉर्ट होगा आर यू गेटिंग दिस आइडिया तो फंक्शन कॉलिंग किस तरह से काम कर रहा है ये इस एनिमेशन में बहुत अच्छे से हमें नजर आ रहा है एक और देखिए शायद आप नोटिस कर पाए फर्स्ट हाफ देन सेकेंड हाफ देन ये पूरा फर्स्ट हाफ आ गया देन सेकेंड हाफ का फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ एंड देन यू गेट सॉर्टेड हाँ सो दर्क इट डजेंट लाइक कि पहले सब पहले यू नो वन 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 पे आ जाता है उसके बाद मर्ज होना शुरू होता है इस तरह से काम कर रहा होता है जो आई थिंक इस फंक्शन कॉल को देख के समझ आ रहा है तो पहले डिवाइड तो आपने कर लिया मर्ज कैसे करते हैं नॉट लुक एट दिस कोड फॉर मर्ज तो बहुत आसान है ये देखने में जरूर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मैं कोई भी एक बेस केस पकड़ लेता हूँ उस केस पे आपको रन करके दिखाता हूँ एक इटरेशन से कैसे होता है यहाँ शायद सबसे बड़ा मर्ज होगा मजा आएगा तो इसको केस मान लेता हूँ तो मान लीजिए हमने किस पे कॉल किया था दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इंडेक्स है ना तो हमारा इंडेक्स क्या हो गया वन हो गया फोर हो गया सेवन हो गया एन कह रहा है क्यू माइनस पी सो बेसिकली फोर माइनस वन प्लस वन दिस इज फोर ये पहले सब एरे का साइज निकालना चाह रहा है एन वन आ गया सेवन माइनस फाइव सेवन माइनस फोर कर रहा है एक्चुअली सो दैट प्लस वन ना करना पड़े सो दैट बिकम्स थ्री तो हमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का साइज समझ आ गया अभी क्या कह रहा है कह रहा है कुछ समय के लिए ना दो एरे क्रिएट करो एंड दैट इज वेयर जहां मर्ज शॉर्ट में बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अभी तक हमने बात नहीं की थी ना तो सॉर्ट में क्या होता है सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि ओ सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी देखिए तो एक एरे बनाया लेफ्ट एक एरे बनाया राइट और लेफ्ट का साइज जो है एन वन प्लस तो एक दो तीन चार और पांच पांच एलिमेंट होंगे और यहाँ पर साइज तीन है तो प्लस वन कर रहा है चार एलिमेंट होंगे क्यों कर रहा है प्लस वन देखिए जब हम वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं ना अगर एक एरे खत्म हो तो जाता तो बड़ी दिक्कत होती है तो व्हाट वी डू हम दोनों के लास्ट लास्ट इंडेक्स पे ना पहले से इन्फिनिटी भर के रखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो है ना और ये जो दो लूप हैं ये किस लिए हैं ओरिजिनल एरे से ए से लेफ्ट और राइट में सिर्फ वैल्यू कॉपी करना है तो सपोज द्री ट्वेंटी सेवन थर्टी एट एंड फोर्टी थ्री एंड हियर दिस इज नाइन टेन एंड एट्टी टू और ये दो इंस्ट्रक्शन हो गए हमारे किसके लास्ट इंडेक्स में इंफिनिटी रखने के और अब ये फॉर लूप देखिए कैसे काम कर रहा है एक इंडेक्स है के जो फाइनली सॉर्टेड एरे पर चलेगा और हर बार दोनों के पहले पहले इंडेक्स इधर आई है इधर जे है कंपेयर करो कौन छोटा है क्या एल ऑफ आई आर ऑफ जे से छोटा है हां सर छोटा है बराबर है तो एल ऑफ आई आई आएगा ए ऑफ के में तो पहला एलिमेंट हमें मिल गया एंड देन आई प्लस प्लस आई एक स्टेप आगे बढ़ेगा फिर वही कंपेरिजन होता जाएगा क्या ट्वेंटी सेवन नाइन से छोटा बराबर है नहीं एल्स में आ जाओ तो इस बार आर ऑफ जे यानी के ये आ जाएगा के के अंदर जे प्लस वन और ये कहानी इसी तरह चलती जाएगी यस yes? रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे जज करेंगे सर लुक एट दिस या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम पहले क्या करेंगे पहले मर्सॉर्ट कॉल करते जाएंगे ऐसा ही होगा ना क्योंकि हर बार प्रॉब्लम को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल मर्सॉर्ट कितनी बार होगा व्हाट इज दिस डेप्थ ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ा है सर इट इज लॉग बेस्ड टू एन है ना बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं रही बात मर्ज की अब इसको ध्यान से देख लीजिए ऑर्डर ऑफ वन ऑर्डर ऑफ नाउ दैट इज ऑर्डर ऑफ एन तो तीन बार ऑर्डर ऑफ एन का लूप है आप चाहें तो इसे ऑर्डर ऑफ थ्री एन लिख सकते हैं बट वट वी नो इट अगेन बिकम्स ऑर्डर ऑफ एन इज एंटेड तो अब यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे डेप्थ है लॉग इन और आप ऑर्डर ऑफ एन मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट होगी सर दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन विच इज द द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट यहाँ पर क्या कोई बेस्ट केस और वर्स केस में डिफरेंस है आई डोंट थिंक सो वाई बिकॉज यू कैन सी इसे फर्क नहीं पड़ रहा है ना ये फिर भी इसको डिवाइड करेगा फिर भी इसको मर्ज करेगा है ना तो इसके लिए भी बेस्ट केस और वर्स केस कॉम्प्लेक्सिटी से मैं अपने हिसाब से काम करता है

फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में ही है सेकंड हाफ सेकंड हाफ में ही है अगेन मैं वन बाय वन कंपेयर कर रहा हूँ तो अगेन अगर मल्टीपल कॉपीज हैं डुप्लीकेट्स हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर फ्रॉम द इनिशियल एरे टू सॉर्टेड एरे विल रिमेन उसे मैं कभी वायलेट नहीं करता तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ये मैं आई थिंक ऑलरेडी समझा चुका हूं

सो आई थिंक दिस इज द बेसिक आइडिया और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा काम करता है ना एंड जैसा मतलब थर्टी नाइन परसेंट फ्यूअर कम्पेरिजन देन क्विक सॉट इव एन एन एवरेज केस एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एफिशेंट एलगोरिदम बट अगेन इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और एक एलगोरिदम जो सेम कॉम्प्लेक्सिटी देगा विच इज लाइक एन लॉग एन विदाउट हैविंग ए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जिसमें uh, यू नो एक्सटर्नल नहीं internal है इंटरनल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ हीप सॉर्ट

तो वैसे तो यू नो कंप्लीट बाइनरी ट्री या हीप जो है वो कंपोनेंट uh, है डेटा स्ट्रक्चर्स का बट थोड़ा सा आइडिया मैं दोबारा से याद दिलाता हूं बिकॉज वाई हियर इट इज इंपॉर्टेंट इस बात को समझिएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है पहले समझे सो बाइनरी ट्री बट स्ट्रक्चर हम फिक्स करते हैं बिकॉज बाइनरी ट्री का मतलब तो क्या है कोई भी ट्री बाइनरी होगा जिसमें किसी भी नोड के पास क्या हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट टू हो सकते हैं ना लेकिन वन भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है यहां पर ऐसा नहीं हम क्या कहते हैं अब मैं ऐसा नहीं कर सकता चाइल्ड रखना पड़ेगा फिर राइट चाइल्ड फिर लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड लाइक दिस तो ये है बाइनरी ट्री जहां पर हम हमेशा लेफ्ट टू तो राइट टॉप टू डाउन फिल करते हैं अब हीप क्या होता है, है मैक्सिम और मिन हीप फिलहाल यहाँ पर हम मैक्सिप पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वहां पे आइडिया क्या है कि जो रूट है या नॉट जस्ट कोई भी जो है ना उसका जो वैल्यू होगा वो अपने चिल्ड्रन मान लीजिए रख देता हूँ so मैं वन फाइव फिफ्टीन समथिंग लाइक दिस तो हमेशा हर लेवल पे क्या होने वाला है कि किसी भी पेरेंट चिल्ड्रन का जब आप रिलेशनशिप चेक करेंगे तो पेरेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी चिल्ड्रन की छोटी पेरेंट की बड़ी चिल्ड्रन की छोटी अब जब भी हम कोई स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना इज अ बैकग्राउंड बिहाइंड एंड क्यों बनाते हैं तो अगर बाइनरी सर्च ट्री एवियल ट्री अगर आपको याद हो डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो स्पेसिफिकली ट्री हमारा सर्च टाइम क्या है सर्च टाइम है लॉग बेस्ड हुए कि किसी भी वैल्यू को लॉग इन टाइम में सर्च करते हैं बिकॉज हमें पता है यार छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएगा बड़ा होगा तो राइट right में जाएगा यहाँ पर जो हीप्स हैं क्या ये सर्चिंग के लिए ऑप्टिमाइज है अब मैं आपसे बोलता हूँ बताओ टेन है कैसे ढूंढोगे तो सर टेन फिफ्टीन से छोटा से छोटा बट वो लेफ्ट में भी हो सकता है right राइट में भी हो सकता है लॉजिकली आप देखोगे तो यहां पर अगेन जो केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन आपको पूरा का पूरा यू नो दिस ट्री करना पड़ेगा तब जाके आप सर्च करोगे तो सर्चिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं फिर खास बात क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एक टी है एवियल ट्री है एवियल ट्री समझते हैं ना जहाँ छोटा वैल्यू लेफ्ट में बड़ा वैल्यू राइट right में वाली प्रॉपर्टी होती है वहां पर

तो अगेन देर इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री पहले कह रहे है मैं रेंडमली फिल कर लेता हूँ सो लेट मी पुट फोर्टी 50 इधर रख लेता हूँ टेन इधर रख लेता हूँ ट्वेंटी लेट मी राइट सिक्सटी कौन बचा थ्री जीरो थर्टी सो स्टेप नंबर वन में आप क्या करेंगे ये जो एरे है इसको यू ट्राई टू कंसिडर इट एज अ कम्प्लीट बाइनरी ट्री दोनों सेम ही बात है, है ना डेटा स्ट्रक्चर में हम समझते हैं Complete binary का क्योंकि structure fixed है, बस हम उसे imagine tree की तरह करते, है, design only, but still, तो मैं क्या करता हूं? तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? फिर उसके राइट में जैसे हमने फॉर्मूला समझा ना किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड टू के पे राइट चाइल्ड टू के प्लस वन पे वही अप्रोच यहाँ फॉलो करेंगे सो नेक्स्ट यू सी सिक्स जीरो सिक्सटी है ना नेक्स्ट हमको मिलेगा टेन ओके okay. एंड मिलेगा थ्री जीरो थर्टी सो स्टेप नंबर वन में क्या करना है कोई सॉर्टिंग की बात नहीं की कोई हीप की बात नहीं की अभी सिर्फ इस एरे को एज अ कंप्लीट ट्री हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया वो भी अपनी सहूलियत कन्वीनियंस के लिए बिकॉज इधर कंप्लीट बाइनरी ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है ऐसे आसान है यस yes? नाउ अब आप क्या करेंगे स्टेप नंबर वन पहले आप इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी मैक्स हीप नहीं है वो कैसे करेंगे तो बॉटम ऑफ फैशन में करेंगे यस yes? तो यहां पर आखिरी एलिमेंट वो देखिए जिसके चिल्ड्रन है ट्वेंटी में मैक्स हीप का प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा सो आई नीड अ स्वैप तो थर्टी विल कम अप एंड विल कम डाउन दैट इज इट अब इसके पहले चलिए फॉर एग्जाम्पल दैट इज इंडेक्स नंबर वन इंडेक्स नंबर टू इंडेक्स नंबर थ्री तो मैंने थ्री कर लिया देन मैं टू पे आया क्या फोर्टी सिक्सटी और टेन में प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है क्या नहीं, नहीं हो रहा सर सो दे एंड फोर्टी विल कम डाउन फाइनली इंडेक्स नंबर वन नाउ यू सी क्या फिफ्टी सिक्सटी और थर्टी में प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है क्या नहीं प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा अगेन देर मस्ट बी अवैप तो सिक्सटी मस्ट कम अप

ध्यान से समझिएगा ये अच्छा एक मजे की बात क्या मैं दोबारा इस बात को नोटिस करा दू डू हीप रिक्वायर एडिशनल स्पेस नो तो ये जो चेंजेस है वो एक्चुअली इधर एरे में ही हो रहा है ये दोनों सेम ही बात है बस मैं फिलहाल इसको ऐसे ना करके ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ अब ये मत सोचना कि ये हीप हमने अलग से बनाया नहीं सर ये एक ही बात है बस इस एरे में फिल करूंगा तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इसलिए इसको इधर ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ यस तो मैं काम करता हूँ उसको दोबारा थोड़ा सा रीओरियंट कर देता हूँ सो दैट बिकॉज अभी और बहुत सारी कटिंग यहाँ पे होगी यस सो यस लेट मी राइट इट डाउन अगेन तो रूट एंड 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 इज 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 टेन अंदर ही है और इधर है फोर्टी इसको दोबारा से चेंज करके ऐसे लिख देता हूँ अवे गोज अवे इंडेक्स भी हटा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो हमें नजर ही आ रहा है और सेम ऑब्जर्वेशन चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं बिकॉज इतना काम हमने कर लिया सो आप आफ्टर स्टेप नंबर वन

जो रूट में वैल्यू है जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको आखिरी इंडेक्स से स्वैप करो तो मैं दोनों जगह करके दिखाता हूं आपको सो यू सी होगा क्या ट्वेंटी आएगा ऊपर और सिक्सटी आ जाएगा लास्ट इंडेक्स पे यहां देखेंगे तो सिक्सटी आ जाएगा लास्ट इंडेक्स पे और ट्वेंटी आ जाएगा ऊपर अब obviously heap तो heap अब अब हीप हीप की प्रॉपर्टी तो फेल हो गई फिलहाल ये नहीं बट कंप्लीट भी और अब बड़े प्यार से इस वैल्यू को हटा दो कहने का मतलब ये है ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है पहुंच चुका है फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है तो उसको मैं स्टडी से हटा देता हूँ नॉट दैट गोज एलिमिनेटेड अब जरा दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा नहीं कर रहा दोबारा से रन करिए Uh, वही प्रोसेस तो ट्वेंटी फिफ्टी और थर्टी में कौन बड़ा फिफ्टी बड़ा है सर सो so, ट्वेंटी क्या फर्दर डाउन जाएगा हाँ जाएगा देखो ट्वेंटी फोर्टी और टेन में कौन बड़ा फोर्टी बड़ा है सो फोर्टी मस्ट कम अप एंड विल कम डाउन यस एक सेट ऑफ इटरेशन कंप्लीट हो गया सिक्सटी लास्ट पे पहुंच गया अगर आप चाहो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम बातें हैं सर दोबारा से बना लेता हूँ तो फिलहाल बताइए क्या सिचुएशन है आ आ गया गया सबसे ऊपर, लगा सकते हैं, क्या करेंगे? करेंगे। फिर वो करेंगे. Now, 50 को करिए से, so, 50 आ गया अपने correct index पे, और यहां तक का एरे हमारा हो गया सॉर्ट लास्ट वैल्यू चला गया ऊपर यानी कि टेन अगेन आ गया रूट के अंदर और फिर वही बात बहुत प्यार से इसको भूल जाइए ये फिलहाल अभी दोबारा से हीप नहीं बना है तो उसको फिर से हीप बना लेते हैं तो बताइए क्या करना होगा टेन थर्टी में कौन बड़ा है सर 40 बड़ा है तो सो दे और, और, so और फिर से यही प्रोसेस चलती आपको भी प्रोसेस है एंड दैट इज हाउ बॉटम ऑफ फैशन में ये पूरा प्रोसेस काम करेगा यस yes. तो अगर मैं आपको दो तीन आइडियाज दिखाऊं कि कैसे ये प्रोसेस नाउ कैन यू गेट एनिमेशन देखो हुआ क्या फिलहाल है है ना और अब देखिए जो सबसे रूट की वैल्यू है, उसे इंडेक्स से करते जा रहे रहे हैं मैं करता हूं, वो प्रोसेस देखो यहां पे समझ पा हो क्या हुआ क्या अगेन चलने दो सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसने इस ये इसको बनाएगा ये हीव बना, हीव बना, सबसे ऊपर वैल्यू आ गई अब इसको लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेगा फिर मैक्सिपीफाई करेगा फिर लास्ट इंडेक्स से स्वैप कर सी रिवर्स फैशन में फ्रॉम मैक्सिमम टू डाउन फ्रॉम मैक्सिमम टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा एरे सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है अब अगर यही बात मैं आपको एल्गोरिथम में दिखाऊं तो देखिए कैसे करना है हीप सॉर्ट रन करना है स्टेप नंबर वन कह रहा है बिल्ड मैक्सिप जो हमने किया पहले तो रेंडम एरे है उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह ऑब्जर्व करना और मैक्सिप बनाना है अब व्हाट इज बिल्ड मैक्सिप यू कम टू दिस दैट इज हाउ यू से बिल्ड मैक्सिप तो अगेन जो भी एरे का लेंथ है उसमें कोई चेंज तो करना नहीं है उस पूरे को आप ऐसे हीप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कोई चेंज नहीं है और जो हमने किया था लेंथ बाय टू डाउन टू वन तो यहाँ पर देखिए हमने कहां से शुरू किया था वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो सिक्स डिवाइड बाय टू करेंगे कितना आएगा थ्री बेसिकली वो एलिमेंट पकड़ना जो आखिरी पेरेंट है, है ना और थ्री पे टू पे और वन पे क्या चेक करना है दे uh,

लेफ्ट ऑफ ए ऑफ एल इज ग्रेटर क्या लेफ्ट की वैल्यू आई से बड़ी तो नहीं है अगर लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा एल अगर ऐसा नहीं है तो लार्जेस्ट कौन होगा आई अब इन दोनों में जो भी लार्जेस्ट आएगा उस लार्जेस्ट को कंपेयर कर लो फिर से आर से बेसिकली तीनों में कंपेरिजन करना है ना तो अगर आर उससे भी बड़ा है तो लार्जेस्ट आर हो जाएगा अदरवाइज लार्जेस्ट जो पहले से लार्जेस्ट था वही रहेगा और लास्ट में चेक करते हैं क्या लार्जेस्ट पहले से आई तो नहीं है तो अगर यही लार्जेस्ट निकला तो कोई बात नहीं अगर नहीं निकला तो फिर हम स्वैप करते जो हम करते हैं तो फॉर इफ दिस इज एक्साम्पल एंड दिस दिस इज एंड इजीडर्टी थर्टी एक और बात दोबारा से जो भी लार्जेस्ट निकला उस पर दोबारा मैक्सी चेक करो बिकॉज ऐसा हमने जब किया कई बार हुआ है कि यार जब वो लाइक फोर्टी रूट से नीचे आया बट देखा तो फर्दर प्रॉपर्टी वॉल्यूट हो रहा है फिफ्टी और नीचे और स्वैप होगा तो इट विल गो डाउन यस यहाँ पर आई थिंक पूरा बहुत सिंपल है ये जो स्टेप है इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो बार बार ये इसलिए चेक कर रहे हैं हीप साइज से कम है कि नहीं बिकॉज जैसा आप देख रहे हो धीरे धीरे हम हीप का साइज कम करते जाते हैं डिलीट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं तो ऐसा ना वो नोट दोबारा कंसिडर करें जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है सो दैट इज अ रीजन की हम कैलकुलेट करते हैं यस yes? तो जब ये मैक्स सीपीफाई हमारा पूरा रन हो गया और ये कंप्लीट चला और ये लूप हमारा रन हो गया तो अभी तो स्टेप नंबर वन हुआ है व्हाट वी हैव डन वी हैव बिल्ड अ मैक्स हीप अब आखिरी प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया आपके साथ वो क्या किया अगेन लेंथ ऑफ डे डाउन टू टू लास्ट वाले समय हमेशा क्या करना है तो देखो ए ऑफ आई ऑफ वन को ऑफ आई से एक्सचेंज करते हैं जो रूट में क्योंकि वो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको एक्सचेंज करो हीप का साइज एक कम करो और क्योंकि प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गया होगा रूट में भी छोटा वैल्यू आ गया होगा फिर से मैक्सिपिफाई करो यानी कि फिर से उसको दोनों एलिमेंट से कंपेयर करो अगर लार्जेस्ट चेंज होता है तो स्वैप करो अगर स्वैप हुआ तो एक बार चिल्ड्रन पे जाके दोबारा चेक करो एंड दिस प्रोसेस विल गो एन ऑन एंड ऑन एंड यू गेट अटेड तो हीप सॉर्ट का एक पूरा मैकेनिज्म आपको जरूर समझ आया होगा नाउ अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें लुक एट दिस

और वर्स्ट केस में मैं कितनी बार हिपीफाई कॉल कर सकता हूं जितना इसका डेप्थ लॉग इन और ये है लूप के अंदर तो लूप तो की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ एन और ये है के अंदर। तो बिल्ड मैक्स हीप की ही कॉस्ट क्या हो जाएगी बिल्ड मैक्स हीप की कॉस्ट हो जाएगी N एन लॉग इन तो मैं दोबारा मेन कोड पे आता हूं कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन इज ओनली अनलॉग इन बाकी अगेन देर इज अर्डर ऑफ एन एंड एक्सचेंज इज ऑर्डर ऑफ वन साइज इज ऑर्डर ऑफ वन अगेन दिस इज ऑर्डर ऑफ लॉग इन तो कहने का मतलब ये है ही बनाने का खर्चा भी अनलॉग एन है और बाद में स्टेप बाय स्टेप वो वैल्यू स्वैप करके उसको सॉर्ट करने का खर्चा भी अनलॉग एन है बट एन लॉग एन प्लस एनलॉग एन इज नॉट टू एन लॉग इन इट इज अगेन एनलॉग इन तो वट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट इट इज एन लॉग एन एंड विद एडिशनल पॉइंट कि इसका कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं इसका कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो काइंड ऑफ एक एडिशनल एडवांटेज हमें मिल जाता है यस yes, तो अगर एक बार इसको एनालिसिस करें डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों पे डिपेंड करते हैं ऑलरेडी सॉर्टेड एरे भी दे दो तब भी क्या करेगा उसको बर्बाद कर देगा पहले उसको हीप बनाएगा फिर वन बाय वन करके सॉर्ट करेगा तो ये इसका खैर प्रॉब्लम है स्टेबल है कि अनस्टेबल है इट इज अनस्टेबल क्योंकि इतनी बार स्वैप हुए आप सोच सकते हो रूट को लीव से लीव को रूट से तो अगर कॉपीज हैं, उनका ऑर्डर सेम रहे ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है तो ये बात हो गई इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल क्योंकि कोई एडिशनल स्पेस नहीं मैं फिर से वो एरे का, का ही रिप्रेजेंटेशन है एंड अप्रोच वी कैन सेट एग्जैक्टली डिवाइड एंड और सब एंड कॉनक्योर इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड आइडिया यस तो हीप सॉर्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉजिक आई थिंक पूरा आपको क्लियर हुआ होगा Now, अभी अगला नंबर आ जाता है किसका क्विक सॉर्ट का तो क्विक इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम जो शायद रियल लाइफ में सबसे नॉट रियल लाइफ जो शायद कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इन द दर्स केस इट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बट रियालिटी में बात इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है एंड ऑल्सो गिवस एन एन आइडिया कि यार कभी कभी असमटोटिक नोटेशन जो है ना द दर्स केस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बहुत रियलिस्टिक सही बात नहीं बताती एक एक करके बात करता हूँ सो so, थोड़ा सा हिस्ट्री इसका दिस क्विक सॉर्ट वाज डेवलप्ड बाय टोनी होर पब्लिश इन 1961 तो देयर यू सी 1961 में इसको पब्लिश किया गया था इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉनकर परफेक्ट तरह से काम करता है और बहुत सारा काम इन्होंने किया एंड फैक्ट इज इट कैन बी समवट फास्टर देन द मर्ज सॉर्ट अबाउट टू टाइम्स एंड थ्री टाइम फास्टर देन द हीप तो लगभग दोनों ही एल्गोरिथम सेम यू नो क्राइटेरिया uh, वाले हैं सेम आई कैन से सेम फैमिली एनलॉग एन वाली बट ये उन दोनों को बीट करता है तो प्रैक्टिकली जब रन करते way, way faster, 1980. Also, मैं तो सर्च करता रहता हूँ तो नो you know, वो हम पढ़ते डाइनिंग प्रॉब्लम पढ़ते ऑपरेटिंग सिस्टम में यस yes. तो अगेन ही मेंबर ऑफ टीम जिन्होंने पूरी प्रॉब्लम वो यू नो एक पजल डिजाइन की थी और जो हमें

मैं पूरे के पूरे एरे को एग्जैक्टली exactly बीच से डिवाइड करूंगा एग्जैक्टली exactly बीच से कभी गड़बड़ नहीं होगा एंड देन मैं दोनों सब प्रॉब्लम पे काम करूंगा और वो ये करता कैसे था अगर आपको याद हो पी क्यू एंड आर तो यू नो व्हाट शुड आई से लोअर बाउंड इज पी एंड अपर बाउंड इज आर और पी और आर को सम करो डिवाइड बाय टू करो मे बी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक कम या ज्यादा बट लगभग बीच से डिवाइड होता था एंड दैट इज अ रीजन इवन इन केस जो मस्ट सॉर्ट था वो हमें एनलॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही देता था

आम तौर पे विल टेक द लास्ट वैल्यू तो लास्ट वैल्यू को मान लिया पिवोट एलिमेंट सपोज करो इट्स अ रैंडमली सॉर्टेड एरे एंड दिस वैल्यू इज सपोज 3030 तो आइडिया क्या है आइडिया ये है कि मैं कुछ ऐसी यू नो कंपैरिजन करूं इस 30 के साथ कि 30 की मैं सही पोजीशन आइडेंटिफाई कर लूं सॉर्टेड एरे में ध्यान से सुनिएगा अभी पूरा एरे सॉर्ट नहीं हुआ बट जब एरे शॉर्ट हो जाएगा तो थर्टी की करेक्ट पोजिशन क्या होगी सर थर्टी से सारी छोटी वैल्यू थर्टी के लेफ्ट में होंगी और थर्टी से सारी बड़ी वैल्यू थर्टी के राइट right में होंगी इज एंटेड तो बस यही करो क्या छोटी जितनी वैल्यू है ये पार्ट सॉर्टेड है नहीं सॉर्टेड नहीं है हो सकता पहले ट्वेंटी लिखाओ फिर टेन लिखाओ क्या थर्टी से जितनी बड़ी वैल्यू है वो शॉर्टेड वो भी नहीं है हो सकता है पहले नाइनटी लिखाओ फिर फोर्टी लिखाओ उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता बट इस बात से फर्क पड़ता है सारी वैल्यू थर्टी से छोटी उसके लेफ्ट में होनी चाहिए थर्टी से बड़ी उसके राइट में होनी चाहिए एंड इफ दैट इज अ केस मैं अब ये दो प्रॉब्लम फर्दर दोबारा सॉल्व करूंगा एंड आई रन क्विक शॉर्ट ऑन दिस एंड ऑन दिस एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स एज डिवाइड एंड डि तो कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पकड़ते हैं यूजुअली द लास्ट एलिमेंट उसका करेक्ट इंडेक्स फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग एंड देन दोबारा से क्विक शॉर्ट करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे तो ये एक्सैक्टली exactly काम करता है कैसे कंपेरिजन होता है कैसे केस आपको रन करके दिखाता हूँ एंड गेट द बेटर आइडिया एनिमेशन पे बाद में जाएंगे तो अगेन इसको रैंडमली कुछ मैं फिल कर लेता हूँ लेट मी राइट थर्टी मी राइट फोर्टी लेट मी राइट सिक्सटी उल्टा कर लेता हूं मी राइट फिफ्टी अब कौन बचा सर इधर लिख लेता हूँ ट्वेंटी इधर लिख लेता हूं टेन स्टेप नंबर वन अगेन तो P क्या हुआ सर पी इज वन दस्ट इंडेक्स एंड आर इज P R से कम है हाँ कम से कम दो एलिमेंट वरना कोई मतलब नहीं ना यू सी थ्री स्टेप्स सबसे पहले आप कॉल करेंगे पार्टीशन पार्टीशन यानी कि Q का वो वैल्यू जहां से हमें इसे ब्रेक करना है एंड देन दोबारा क्विक श्रॉट रन करेंगे P से लेके Q माइनस वन पे मान लीजिए यहां कहीं रेंडमली क्यू आया तो P से Q माइनस वन और Q प्लस वन से R. Q पे Q रन नहीं करना कि Q तो ऑलरेडी अपना correct index identify कर चुका होगा अब ये Q की सही वैल्यू मिलेगी कैसे वो मिलेगी आपको ये partition. So, तो मैं काम करता यहीं fill कर लेता काम करता कर ज़्यादा आएंगे. हाउ दिस पार्टीशन वर्क्स सो स्टेप नंबर वन क्या कह रहा है देखिए ए ऑफ आर को एक्स मान लीजिए नाउ दैट इज अवर पाइवर्ट एलिमेंट नाउ फिलहाल वॉट इज पी पी इज द फर्स्ट दर आर इज द लास्ट इंडेक्स और एफ आर को मान लेता एलिमेंट एलिमेंट यानी कि स्पेशल तो फिलहाल क्या हो गया थर्टी इज द स्पेशल एलिमेंट जिसका हमें इंडेक्स फाइन करना है i इज इनिशलाइज विध p माइनस वन तो अगर p 1 पे है तो i का वैल्यू क्या हो गया जीरो भी आप समझोगे दरअसल i वो वेरिएबल है जो जिसको पॉइंट कर रहा है वहां तक की वैल्यू

अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करना सीधे अगले उसमें जाइए यानी कि आई भी अपनी पोजिशन होल्ड करेगा बट जे आगे बढ़ेगा अब जे पहुंच गया इंडेक्स नंबर टू पे क्या 40, 30 से छोटा या बराबर है सरप्राइजिंगली ये भी नहीं है नहीं है तो अगेन यू हैव टू डू नथिंग यू कम आउट अगेन जे पहुंच गया 20 पे नाउ यू सी ऑफ थ्री यानी कि 20 क्या 20, 30 से छोटा बराबर है हाँ जी इस बार है तो अब देखिए क्या करना है आईजिकल्स टू आई प्लस वन आई मैं बोल रहा हूँ कौन सा पॉइंटर जो याद रखता है कहाँ तक की वैल्यू थर्टी से छोटी है।, तो है और 60 को ले आइए यहाँ पे एंड वी नो आई जिसको पॉइंट कर रहा है ट्वेंटी तक की वैल्यू थर्टी से छोटी है फिर आगे बढ़िए जी अगेन चलता रहेगा नेक्स्ट वैल्यू इज वर्ट नेक्स्ट वैल्यू इज फिफ्टी क्या फिफ्टी ट्वेंटी के छोटा बराबर है जी नहीं है फिर आगे बढ़िए Finally, जी अपने आखरी इंडेक्स पे चेक करेगा किस पे टेन पे क्या टेन ट्वेंटी के छोटा बराबर है हाँ जी बिल्कुल अगेन यू डू वन थिंग आई को आई प्लस वन करिए तो आई आई इंडेक्स नंबर एक्सचेंज तो लुक एट दिस टेन आ जाएगा पहले और फोर्टी आ जाएगा बाद में ठीक बात हो गई ये करके लूप टर्मिनेट हुआ बाहर आए अब फाइनली क्योंकि यहां तक की जो वैल्यू है वो पक्का थर्टी से छोटी है तो अब थर्टी शुड भी द ए आई प्लस वन को ऑफ आर पाइवर्ट एलिमेंट था लास्ट एलिमेंट उससे स्वैप करना है तो तो ये काम करने के बाद और आई प्लस वन ही रिटर्न करेंगे यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी की अब आप मैं दोबारा लिख देता हूं साफ साफ फिलहाल ट्वेंटी है टेन है एंड हियर यू हैव थ्री जीरो थर्टी

इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं हो सकता है आप जिस बुक में पढ़ो उसमें किसी और तरह से किया आई एम फॉलोइंग द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द यस बट नोबडी इज एबल टू यू नो टू हैव द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट एज स्क्वायर नहीं कर पाएंगे आप सॉरी एन लॉग इन एन स्क्वायर ही पहुंचेगा तो अगर हम इसका एनालिसिस करें दोबारा धर आ जाइए तो पार्टीशन करने में कितना टाइम लगा सर पार्टीशन में तो सिंगल लूप है तो द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन आप ध्यान से देखेंगे दैट इज ऑर्डर ऑफ एन अब रही बात कि क्विक क्विकसॉट कितनी बार कॉल होगा देखिए अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जैसे हमारी लगभग लगभग थी या मान लीजिए मैंने वैल्यू ऐसी रखी के कि लगभग बीच में आए तो प्रॉब्लम के बराबर टुकड़े होंगे बराबर 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 और उस केस में ये पूरा ट्री कहां तक जाएगा लॉग इन तक जाएगा अब अगर ये भाई सब गए लॉग इन तक ये भी लॉग इन टाइम ये भी लॉग इन टाइम कॉल होगा तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी दैट विल बी एन लॉग इन 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 एवरेज केस जो मैं ज्यूम करते हैं बट एक प्रॉब्लम कब आएगी प्रॉब्लम तब आएगी इफ़ यू गिव प्रॉब्लम बनेगी उसकी कॉस्टिंग सोचिए एन होगी उसकी कॉस्टिंग एन बाई टू होगी या एन माइनस वन होगी सर एन माइनस वन होगी अगेन सिक्स अपनी पोजीशन होल्ड करके रखेगा उसकी लोकेशन क्या होगी सर उसकी उसकी अगेन एन माइनस टू होगी एंड इंस्टेड ऑफ

तो इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर कंटेंट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन बहुत क्योंकि वैल्यू के हिसाब से हम ट्राई कर रहे हैं इंटरनल के एक्सटर्नल दैट इज इंटरनल कोई एडिशनल सपोर्ट स्पेस हमें नहीं चाहिए अनस्टेबल बिकॉज इतनी बार स्वैप हुए हैं हैं आप देख रहे हैं कि यहां पे सेम वैल्यू सेम जो कॉपीज हैं डुप्लीकेट्स हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व कर पाए इस बात को कोई चांस ही नहीं है ऑन एन बेस्ट केस इवन इन एवरेज केस वी एज्यूम इट इज एन लॉग इन एलगोरिक स्ट्रेटेजी हंड्रेड एंड टेन परसेंट दैट अ वेरी गुड एक्साम्पल ऑफ डिवाइड एंड कॉन क्यों तो ये हमारे जो मेन छह है अब अब मेरे ख्याल से अब नाउ यू कैन सी दिस दिस एनिमेशन लुक एट ये देखो लास्ट एलिमेंट पाइवर्ट है तो ये आ गया इसका मेन पोजीशन अब जब ये किया तो देखिए अब इस पार्ट पे रन कर रहा होगा यहां तक सॉर्ट हो गया अब फिर सबेरे पे कॉल करेगा अब इसको सॉर्ट कर लेगा फिर दोबारा इस पे आएगा लुक एट दिस आपको क्विक सॉर्ट रन होता नजर आएगा अब इधर आ जाइए

बाद में एक एक दो दो एलिमेंट बचेंगे जिसको हम आराम से सॉर्ट कर सकते हैं और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी दैट विल बी इन डॉट्स की शेप में भी आप देख सकते हैं अगर क्विक रन होगा तो लगभग किस तरह से नजर आएगा फर्स्ट हाफ में पहली वैल्यू सेकेंड हाफ में बाद की वैल्यूज एंड दैट इज हाउ इट विल वर्क यस सो आई थिंक वी आर डन विद द मेजर सिक्स एल्गोरिथम सबसे पहले अगेन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली सबसे पहले सिलेक्शन शॉर्ट देन बबल शॉर्ट इन सर्शन शॉर्ट तीन सेम क्लास वर्सेज केसम्प्लेक्सिटी स्क्वायर क्सिटी एनलॉग एन एंड सोर्ट क्विक सॉर्ट को मैं जोकर बोलता हूं बिकॉजिटी अभी दो तीन एडिशनल है जिस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बट आपके सेमेस्टर्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइक काउंटिंग शॉर्ट है एंड देन आइडिया ऑफ रेडिकॉर्ट एंड देन वी है तो इन तीनों के ऊपर बात करते हैं बहुत अच्छे से एंड देन वी आर डन विदिंग पार्ट तो चलिए अभी बात करते हैं काउंटिंग सॉर्ट के बारे में तो जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा था काउंटिंग सॉर्ट है देन रेडिक्स सॉर्ट है या हमारा बकेट सॉर्ट है ये सभी एग्जांपल हैं नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग के मतलब यहाँ पर हम दो वैल्यू को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे अभी कंपेयर नहीं करेंगे तो सॉर्ट कैसे होगा अब वो एक मजे की बात है वो आगे ऑब्जर्व करते हैं तो लुक एट दिस वन बाय वन ऑल्दो Radix sorting itself date back far longer. Counting sort and its application on the radix sort both are invented by Harold S. Suward in 1954. तो बेसिकली दोनों का, वेदर वो radix sort है, counting sort है, दोनों ही वैसे रिलेटेड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड वो भी आप समझेंगे। और दोनों का जो इंट्रोडक्शन है, इन्वेंशन है, वो इन्होंने ही किया था। अभी काम कैसे करता है? पहले मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ। देखिए दो बातें हैं। जो हम हमेशा पहला तो अप्रोच आप समझ लो एग्जैक्ट आइडिया क्या है आपको पहले मैं बहुत सादी भाषा में आपको एकदम प्रोसेस समझा हूँ प्रोसेस क्या फिर एल्गो के हिसाब से समझाऊंगा अभी एल्गो को आप भूल जाओ लुक एट दिस आइडिया ये मैंने ऊपर इंडेस बनाए हुए हैं तो वन से लेके एट इंडेक्स हमारे पास है एंड दीज आर एलिमेंट्स जो हमको सॉर्ट करना है सो बेसिकली दिस इज इज अरेंज और हमको उसको सॉर्ट करना Idea क्या है में ये है कि हमारे पास बहुत रेंडम रेंज के एलिमेंट्स नहीं हुए जैसे आप देखोगे आई थिंक मेरे पास जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सेवन है और आई एम सॉरी सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमेंट वन है ऐसा नहीं दस हजार बीस हजार दो तीन अलग अलग रेंज नहीं है एक रेंज पे है तो आप क्या कर सकते हो अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं आप एक टेबल बना लो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे जब आप ऐसे ही ऑब्जर्व करो टोटल कितने एलिमेंट है 7 है ना आप उनके हिसाब से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक एरे बना लेते हैं एंड दैट इज अ अ काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल पर हम काउंट याद करेंगे जैसे वन बताओ टोटल कितनी बार है डायरेक्ट देख लेते हैं वैसे आप लेफ्ट टू राइट भी स्कैन कर सकते हो तो अभी अप्रोच समझिए डायरेक्ट देख लेते हैं वन कितने एक दो सर दो वन है टू कितना है टू नहीं है जीरो थ्री कितना है आई थिंक दो बार ही थ्री भी आया है ग्रेट फोर कितना है फोर नहीं है फाइव कितनी बार है फाइव भी नहीं है सिक्स कितनी बार है आई थिंक टू टाइम सिक्स है है ना एंड वन टाइम सेवन है ये हमारे पास काउंट आ गया और अब काउंट आ गया और रेंज हमें पता है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं व्हाट इज अटेड लिखते जाओ वन दो बार है टू नहीं है थ्री दो बार है फोर नहीं है फाइव नहीं है सिक्स भी टू टाइम्स है एंड देन वी हैव सो यू गेट द सॉर्टेड बस है तो आइडिया क्या है मेरे पास एक रेंज है उस रेंज में जितने एलिमेंट हैं हर एक का फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर लो कौन कितनी बार आया है उसे एक टेबल में अरेंज कर लो और छोटे से बड़े वैल्यू की तरह वो तो आपको पहले से पता है बस उसको अरेंज करते जाओ दैट इज द रीजन यू कॉल्ड इट काउंटिंग सॉर्ट क्योंकि काउंट कर रहे हैं यस yes, इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा दो बात पे डिपेंड करेगा पहला तो आपके पास टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स कितने हैं सो आई से टोटल इज लाइक ऑर्डर ऑफ एन दूसरा ये जितने भी एलिमेंट है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है बिकॉज जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही बड़ा ये मेरे को एरे बनाना पड़ेगा सो लेट मी से दैट इज के सो टोटल कॉस्ट जो होती है दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ एन प्लस के टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे बट कितना बड़ा वो एरे, होगा, एरे कितना टोटल तो जो यू you नो know, एरे का साइज था वो एट एलिमेंट था बट क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू सेवन है तो मुझे 7 का बनाना पड़ा अगर सबसे बड़ा वैल्यू इमेजिन करो सेवन होता तो क्या करना पड़ता फिर वन से लेकर सेवेंटी तक इतना बड़ा एरे बनाना पड़ता बीच में मोस्टली वैल्यू जीरो होते है, अप्रोच है

ये देख रहे हैं कौन कितनी बार आया काउंट बढ़ाते जा रहे हैं जब सबका काउंट हमारे पास आ गया अब एक एक करके लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में काउंट हटाते जा रहे हैं दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट है ना तो अप्रोच क्या है और कैसे हम काम कर रहे हैं कैसे सॉर्टिंग कर रहे हैं वो आइडिया हमें क्लियर है मैं एक बार पढ़ता हूँ आई थिंक पूरी बात आपको समझ आएगी सो काउंटिंग सॉर्ट इज अ नॉन कंपेरेटिव स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्योंकि कंपेरिजन हमने नहीं किया वही काउंटिंग वाली बात है सुटेबल फॉर सॉर्टिंग एलिमेंट विद स्पेसिफिक रेंज अगेन प्लीज अगर मैं आपसे बोलू कंसिडर रेंडम मेरे जहाँ पे एक एलिमेंट है टू थाउजेंड दूसरा है टू इसको सॉर्ट करो इसमें हाल खराब हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज टू थाउजेंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जीरो होंगे तो ये काम नहीं करेगा मजेदार नहीं इसकेस में तो रेंज अगर फिक्स और छोटी हो तो बहुत अच्छा है

पूरा yes, क्लियर कर देता हूँ अगेन आई एम नॉट गोइंग टू वेरी डेप बट एक बेसिक आइडिया दैट इज हाउ काउंटिंग शॉर्ट वर्क तो कैसे काम करता है देखो स्टेप नंबर वन में हमने क्या किया लेटमी कॉल दिस एरे और इसका इंडेक्सिंग मैं जीरो से शुरू कर लेता हूँ हर किसी को पहले ये इनिशियलाइज कर रहे हैं जीरो से बेसिकली हम काउंट याद करने वाले हैं मैंने तो एक साथ काउंट करके लिख दिया था यह स्टेप बाय स्टेप करो कैसे करेंगे लुक एट दिस लूप तो एक फॉर लूप चला रहा है वन से लेके लेंथ ऑफ ए तक यानी कि इस सब में और जो जो वैल्यू वहां पर होगा है ना उसी वैल्यू के काउंट में प्लस वन करेंगे जैसे हाँ देखिए सबसे पहले जे की वैल्यून वन इज सेवन तो सी ऑफ सेवन में जाके प्लस वन कर देना यानी कि सी ऑफ सेवन में जाके प्लस वन कर देना बात समझ आ आइए काउंट कर रहा हूँ यार फिर बताओ टू पर क्या लिखा है फोर तो सी ऑफ फोर पे जाके प्लस वन कर दो इन काउंट कर रहे हैं कौन कितनी बार है सिमिलरली सिक्स पे जाओ प्लस वन कर दो सिमिलरली वन पे जाओ प्लस वन कर दो देन थ्री पे जाओ प्लस वन कर दो वन पे जाओ ऑलरेडी वन है यानी कि टू हो गया देन थ्री पे जाओ थ्री 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 अगेन यू सी ऑलरेडी वन है दैट आल्सो बिकम्स टू सेवन पे जाओ सॉरी यस थ्री पे जाओगे अच्छा थ्री तीन बार लिया क्या थ्री uh, uh, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या uh, तक तक हम ना एक एक बार बार आया था इधर करेंगे तो तो और और आएगा एंड फाइनली पे जाओगे अगेन टू टाइम्स यस सो आई थिंक कोई वैल्यू हमने नहीं छोड़ा और ये इसी तरह से डिफाइन किया कि क्रॉस चेक कर लो जैसे ऑफ तो काउंट तो तो आ गया कि टोटल एरे में one, ये कितनी है मैं वन से शुरू करता हूं वन कितनी बार आया दो बार यहां पर और यहां पर टू कितनी बार आया एक बार भी नहीं आया सो जीरो थ्री कितनी बार आया है अगेन थ्री भी आई थिंक दो ही बार आया यू सी टू। फोर कितनी बार आया है फोर एक बार आया तो वन आ गया फाइव जीरो टाइम्स आया है एंड देन सिक्स एक एंड एक ये भी दो बार आया सेवन वन टाइम आया एट जीरो टाइम आया अब ये यहां तक का कोड हमने कंप्लीट कर लिया फिर आगे देखिए अब क्या करना है बेसिकली हम ना एंडिंग पॉइंट देखना चाहते हैं इस्तेमाल कैसे करेंगे समझाऊंगा हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू फाइनल सॉर्टेड एरे में किस से किस रेंज रेंज से तक आएगी तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन इमेजिन दैट ऑल्सो अभी वन कितने है? दो है ना तो आप इमेजिन कर सकते हो सॉर्टेड एरे में वन कुछ ऐसे आएगा हा या ना है ना उसके बाद आप देख सकते हो टू एक बार भी नहीं आया टू नहीं आया देन उसके बाद थ्री है हाँ जी थ्री दो है मैं पहले लिख के बता रहा हूँ फिर यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है थ्री दो बार आएगा। फोर एक बार आएगा आएगा uh, एक है, नहीं है। तो टू सिक्स एंड देयर विल बी सेवन तो ये रिलेटिव पोजिशन ना हम इस लूप के थ्रू इन दो लूप के थ्रू काउंट करते हैं कैसे करते हैं देखिए बेसिकली है। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और मैं एंडिंग पोजिशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा जैसे अगर मैं आपको इधर दिखाऊं लुक एट दिस जैसे ये एक मेरे पास एरे था मैं यूज कर रहा हूं, बना, बना ये एरे था रेंडमली सॉर्ट था अभी जो हमने किया सी एरे निकाला ना ये सी हमने ऐसे निकाल लिया तो हमने समझ लिया फॉर एग्जाम्पल फोर कितनी बार आया दो बार uh, एक दो दो बार फोर आ गया सिक्स कितनी बार आया दो बार एक और दो वो हमने लिख लिया थ्री कितनी बार आया थ्री बार एक दो तीन वो हमने लिख लिया तो वो तो कर लिया अब ये जो नया एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर हम क्या करते हैं हम रिलेटिव पोजिशन लिखते हैं जैसे यहाँ देखिए जीरो एक बार भी नहीं है सो राइट जीरो अब वन का एंडिंग पोजिशन वन है टू जो है वहां का एंडिंग पोजिशन भी टू है बेसिकली इसका मतलब टू यहाँ पर आया ही नहीं होगा यू सी टू नहीं आया देन थ्री का एंडिंग पोजिशन देखिए क्या है थ्री का एंडिंग पोजिशन यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है और वो वन प्लस वन करेंगे तो यानी कि थ्री थ्री बार आया ना तो थ्री कहां तक जाएगा सॉर्टेड एयर में थ्री इसका मतलब फोर तक जाएगा ये देखिए ये एंडिंग पोजिशन बताएगा अगर यहां मैं भरूंगा तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बताऊं यस yes. तो एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सॉर्टेड एरे में आपकी एंडिंग पोजिशन क्या होगी जैसे अगेन इफ आई टोकन एग्जाम्पल ना ये क्या करते हैं जैसे यहाँ देखिए सिक्स का एंडिंग पोजिशन टेन है सॉर्टेड एरे में फाइव का एंडिंग पोजिशन एट है फाइव का एंडिंग पोजिशन एट तक फाइव आया है लुक एट दिस देन उसके बाद देखिए फोर का एंडिंग पोजिशन सिक्स है फोर का एंडिंग पोजिशन सिक्स है अब यहाँ आपको देखो मजा आएगा थ्री uh, का एंडिंग पोजिशन फोर है थ्री का एंडिंग पोजिशन फोर है टू का एंडिंग पोजिशन वन है इसका मतलब टू आया ही नहीं है वन आया लाइक दिस like तो अगेन अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं तो क्योंकि रिजल्ट हमारे पास है एक बार उल्टा करके देख ले रहे हैं तो वन का एंडिंग पोजिशन क्या है वन का एंडिंग पोजिशन टू है टू का एंडिंग पोजिशन भी टू है क्योंकि वो आया ही नहीं देन थ्री का एंडिंग पोजिशन थ्री का एंडिंग पोजिशन फोर है फोर का थ्री का एंडिंग पोजिशन फोर है फोर तक आया है यस फोर का एंडिंग पोजिशन फाइव है फाइव का एंडिंग पोजीशन भी फाइव है सिक्स का एंडिंग पोजीशन सेवन है सेवन का एंडिंग पोजीशन एट है और एट का एंडिंग पोजीशन भी एट है क्या क्यों आया नहीं अब ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस जीरो प्लस टू टू प्लस जीरो इज टू टू प्लस टू इज फोर फोर

और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे चलेगा बाकी जो मेजर अप्रोच है काउंटिंग सॉर्ट का वो मैंने आपको क्लियर कट तरीके से बता दिया कि हाउ हाउट वर्क सो दैट इज काउंटिंग सॉर्ट फॉर यू अभी अगला नंबर है सॉर्ट का तो ये भी जानते हैं रेडिक्स को तो काउंटिंग सॉर्ट की तरह ना रेडिक्स इट इज नॉट अ कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एलगोरिदम और इसका फॉर्ट है थोड़ा अलग है ये कहा काम आता है आइडिया समझिएगा जैसे हमने काउंटिंग सॉर्ट की बात की हमने बोला रेंज बड़ी लिमिटेड होनी चाहिए

उस तरह के एरियाज में भी अभी हम ऑब्जर्व करेंगे रेडिक्सॉर्ट बहुत बढ़िया काम करता है तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं देन विल गो इन टू द लॉजिक एंड देन विल गो इन टू द एल्गोरिथम एक-एक करके नाउ रेडिक्सॉर्ट डेट बैक टू सबसे पुराना है सो इट्स लाइक 1887 टू वर्क फॉर हरमन

रेडिक्स एक्चुअली मतलब होता है बेस है ना तो यहाँ बेस के हिसाब से पहले यहां पे कुछ एम गोइंग टू डू इज मैं सबके पहले यहाँ पे पहले जीरो रख लेता हूं सो so दैट हर नंबर तीन तीन डिजिट का हमारा हो जाए अब हम यहाँ पे करेंगे क्या हम इसको वन सेवेंटी ट्रीट नहीं कर रहे वन अलग है सेवन अलग है जीरो अलग है तो पहले प्लेस पे यानी कि लुक एट दिस लाइन पहले सिर्फ इस बेस पे सॉर्टिंग करेंगे पहले बताइए सबसे छोटा नंबर क्या जीरो है और जीरो दो बार आया है तो जो पहले उसे पहले लिखूंगा सो आई एम गोइंग टू राइट वन हंड्रेड सेवेंटी देन आई एम गोइंग टू राइट जीरो नाइन जीरो और कोई जीरो वाला है सिर्फ वंस प्लेस देखिए जी नहीं कोई वन वाला है वन वाला भी नहीं है टू वाले हाँ टू वाले दो नंबर है एक है एट हंड्रेड एंड टू तो जो पहले है वो पहले ही आएगा दूसरा है जीरो जीरो टू ऐसा मत सोचेगा ये छोटा है इसको ऊपर क्यों लिख रहे अभी पहले वन प्लेस देखते चलिए टू इज देयर टू डन हो गया देन फोर यस सो एक और नंबर हमारे पास है लुक एट दिस आई एम सॉरी यस तो एक और नंबर हमारे पास आ गया विच इज जीरो आई थिंक टू वाले सब डन है ना

पूरा सीक्वेंस ऑब्वियसली सॉर्ट नहीं हुआ लेकिन जो वंस प्लेस है वंस प्लेस वो सॉर्ट हो चुका है अभी क्या करना है अभी टेंस प्लेस पे जाना है तो बीच वाला नंबर इसके हिसाब से देखना शुरू कर अब ना लेफ्ट वाला देखना ना राइट right वाला एक बार में सिर्फ एक, एक कॉलम देखेंगे बीच वाला कॉलम बताइए सबसे छोटा कौन है सर जीरो हम जो पहले वो पहले लिखेंगे तो अब एट हंड्रेड एंड टू सबसे पहले आएगा उसके बाद आएगा सर जीरो जीरो टू जीरो खत्म हो गया फिर बताइए टू वाला टू वाला वन्स प्लेस पे सिर्फ एक ही है सो दिस इज जीरो है क्या नहीं फोर वाला फोर वाला एक नंबर है सो यस वी अ नंबर जीरो सिक्स सिक्स दिस इज डन देन सेवन वाला सेवन yes, वाले दो नंबर हैं, तो पहले जो ऊपर लिखा वो पहले आएगा सो दैट इज वन सेवनटी एंड दैट इज जीरो सेवन फाइव

हम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना हाँ तो सबसे छोटे नंबर कौन है गॉड oh तो जीरो जो है सर एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छह बार जीरो है तो ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ पहला जीरो वाला दिस इज डन ऊपर से ही चलेंगे है ना दूसरा जीरो वाला ट्वेंटी फोर तीसरा जीरो वाला जीरो फोर फाइव चौथा जीरो वाला जीरो सिक्स सिक्स देन वी हैव जीरो 75 and then we have 0, 090 0. yes after this abhi one wala. so there you see this is 170 and the last one is 802 and now you see the entire sequence is sorted <coughs> So. कितने भी बड़े डिजिट्स हो ऐसे आप सोचिए अगर कोई नंबर है जो दस प्लेस का है कोई फर्क नहीं पड़ता दस बार सॉर्टिंग करनी है प्लेस से उठना है यानी कि राइट हैंड साइड से शुरू होना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाना है तो ये एक पूरा अप्रोच है रेडिक सॉर्ट जैसे काम करता है यस yes, ये इस तरह के मशीन्स आम में आमतौर पर पहले इसको यूज किया जाता था दो तीन जरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरे साथ नोटिस करिए इट इज एन इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट ऑर्गेनाइज डेटा बाय इंडिविजुअल डिजिट्स वो हमने देख लिया

और खासकर इस्तेमाल हो सकता है फोन नंबर से हैं या, आ, यू नो, बड़े -बड़े डेटा सेट्स है वहां कंपैरिजन सॉर्ट जैसे क्विक सॉर्ट या मर्ड सॉर्ट को भी कभी कभी आउट परफॉर्म कर सकता है खैर आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशियंट एल्गोरिथम की बात करें तो दे इज नो एस सच एल्गोरिथम बस आपको ये मान के चलना है जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे उसके हिसाब से लूप चलाना है जीरो से लेके डी तक और हर लेवल पे आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम काउंटिंग सॉर्ट या कोई भी सॉर्ट कर सकते हैं एंड दैट इज हाउ यू इंप्लीमेंट द रेडिक सॉर्ट यस सो दैट इज ऑल विद रेडिक सॉर्ट ये सब छोटे छोटे आइडियाज हैं बट अगेन इसलिए इस, इसको भी स्क्रीन ले लीजिए इसको एक बार लिख के देखिएगा बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसीलिए मैं कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा नाइन एलगोर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉर्टिंग के सो so दैट कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे ना यू मस्ट बी इन द दोजीशन टू आंसर नाउ नेक्स्ट इज बकेट बकेट सॉर्ट सॉर्ट यू नो काइंड ऑफ काउंटिंग सॉर्ट और ये जो लास्ट हमने देखा सॉर्ट का मिश्रण है फिर भी मैं एक बार आपको अलग से समझाता हूँ कैसे काम करता है फर्स्ट अगेन जैसा हम कर रहे हैं फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द द आइडिया टेक यू टू अंडरस्टैंडिया अप्रोच समझिए क्या है पहली बात तो आमतौर पर बकेट सॉर्ट यूज होता है अगेन एक रेंज के अंदर जब वेल यूज हो और खासकर इट वर्क्स यू नो एफिशिएंटली वेल जब वो प्रोपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने जो रेंज लेने की कोशिश की आई थिंक दैट इज फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट जीरो समथिंग लाइक दिस जीरो से वन के बीच में अलग अलग रेंज मैंने देखने की कोशिश की और कोशिश किया है नंबर को यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करें हालांकि इन सम नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हमारे हाथ में तो होगा नहीं कि हम यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट हर बार कर पाए तो नहीं भी कर पाए तो थोड़ा नुकसान होगा ऑब्वियसली बट काम तो फिर भी करेगा ना इट इज लाइक अ हैशिंग अब ये काम कैसे करता है मैं साथ साथ आपको एल्गो भी दिखाते चलूंगा तो स्टेप नंबर वन में क्या कह रहा है एक एरे बनाओ जीरो से एन माइनस वन का इंडेक्स के हिसाब से तुम्हारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन तो टेन एलिमेंट्स हैं ओवरऑल तो जीरो से नाइन तक का एक एरे मैंने बना लिया क्या करना आगे देखिए

अभी बोलना क्या चाह रहा है एंड देन यू टेक द लोअर बाउंड ऑफ इट अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू आती है तो बोलना क्या चाहता है देखिए टोटल वैल्यू कितने है 10 पहला वैल्यू क्या है 0.79 तो 0.79 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इट विल बिकम 7.9 और इसका लोअर बाउंड करेंगे सो दैट बिकम 7 तो यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है 0.79 इधर कहीं आने वाला है फॉलो कर पा रहे हैं देन

इधर आ जाएगा इधर 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 आ जाएगा, then हमारा इधर आ जाएगा, uh, हमारा हमारा गया, गया, हो uh, <coughs> yes, अब क्योंकि मैंने यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट किया तो इस तरह से आ गया अब कभी कभी हो सकता है फॉर एग्जांपल दो वैल्यू हो पॉइंट फोर थ्री भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में इसके आगे पॉइंट फोर सिक्स आ जाता लाइक दिस लिस्ट है ना ऐसा नहीं बोल रहा सिंगल सिंगल एलिमेंट है अब क्या करना है सर अब कह रहा है

बेसिकलीट इज उसको कुछ हद तक हम सब क्लास ऑफ प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं फिर इंडिविजुअल लेवल पे सॉर्टिंग करते हैं फिर एक दूसरे के बाद कॉन्डिनेट करते हैं सो दैट इज द आइडिया ऑफ बाकेट सॉर्ट यू कैन नोट डाउन दिस एल्गोरिथम अगर कोई लिखने के लिए बोलता है तो आप बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर ध्यान दीजिए इट इज ऑल्सो नोन एज बिन सॉर्ट इफेक्टिव सॉर्टिंग एलगोरिदम

क्योंकि ऑब्वियसली कितना length है और कोई इंडिविजुअल बकेट का लेंथ कितना जा रहा है उस पर डिपेंड करता है सो प्लस के स्पेस रिक्वायरमेंट इट इज एन इन टू के क्योंकि आप समझ रहे बकेट का लेंथ एन जा सकता है और सारी बकेट हमें रिपीट करनी पड़ रही है सो दैट इज एन इन टू के कंटेन द रिलेटिव वाटर ऑफ इक्वल एलिमेंट यू ठीक है मोस्ट एफिशियंट फॉर लार्ज सेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये बात ठीक है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो वही बोल रहा था रेंज आगे जाके डिफर नहीं करती इंडेक्स पे मैटर करता है तो पार्शियली सॉर्ट करने से चालू करता है तो ये यहाँ पे काम करेगा परफॉर्म ड्रॉप नॉन ये बात तो ठीक है अगर मान लीजिए सारा का सारा एक ही लिस्ट में आ गया तो एक लिस्ट से पीछा छोड़ा है दूसरी लिस्ट आपको फर्दर मिल गई मान लीजिए दस में से दो चार इंडेक्स पे सारा डेटा दोबारा आ गया तो कुछ फायदा हुआ नहीं तो वहां ही अच्छा काम नहीं करेगा सो दैट इज ऑल अबाउट द बकेट सॉर्ट एंड दैट इज ऑल अबाउट द सॉर्टिंग तो चैप्टर नंबर टू यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है तो पहले हमारे छह मेन एलगोरिदम्स एंड देन थ्री एल्गोरिदम्स है ना जो हमारे नॉन कम्पेरिजन बेसिस हमने काम किया नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है दैट इज डिवाइड एंड कॉनक्योर तो डिवाइड एंड कॉनक्योर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स तो हम पहले देख चुके हैं तो अगर आपने नोटिस किया मर्सार्ट था या क्विक शॉर्ट था देवर क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्र

अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा बेटर है कि हम उसके टुकड़े करें सब प्रॉब्लम्स में एंड देन देन टैकल दैट सब प्रॉब्लम इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि जरूरी नहीं है वो सब प्रॉब्लम भी इस स्टेज पे हो कि हमें लगे यार इसको डायरेक्टली सॉल्व करना आसान है देन व्हाट वी कैन डू वी कैन फर्दर डिवाइड दैट सब प्रॉब्लम इनटू सब सब प्रॉब्लम्स लाइक दिस तो वहां पर जाएंगे किसी प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते जाना है वैसे तो रिकर्शन वाला आइडिया है जब तक बेस केस ना मिले या टू बी वेरी ऑनेस्ट इन जनरल बोल सकते हैं जब तक हम इस सिचुएशन में ना पहुंच जाए कि हमें लगे यार पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करना आसान है यस yes, जैसे ही मिलेगा वहां पे विल कंप्यूट द सॉल्यूशन और फिर हम जब प्रॉब्लम्स को कंबाइन यू कम्बाइन क्या कह रहे स्प्लिट कर रहे थे अभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को मर्ज करना शुरू करेंगे एंड अगेन सब सॉल्यूशंस को तब तक मर्ज करते जाएंगे जब तक हम मेन प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले तो ये पूरा आइडिया है किसका

सॉल्व करेंगे एंड देन वी स्टार्ट कंबाइनिंग देम है ना एफिशिएंसी जो है ना डिवाइड एंड कॉन की वो डिपेंड करता है कि पहले तो आप किस साइज पे ब्रेक कर रहे हो नॉट इज ऑलवेज लॉजिकल टू थिंक कि मजा तब है जो परफेक्ट केस है वो है अगर आप एन बाइ टू एन बाई टू में डिवाइड करो तब आएगा मजा का बिकॉज तब इसका जो डेप्थ है वो लॉग इन में हैंडल हो जाता है वरना जैसे क्विक शॉट अभी हमने ऑब्जर्व किया फॉर द वर्स केस ऑफ लाइक एन बाय टू एन बाई टू ये भाई सब क्या बन गए थे लाइक एन माइनस वन और वन उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी पहुंचती है इन जनरल बात कर रहा हूं तो बात सिर्फ डिवाइड करने की नहीं है सर डिवाइड एकदम बीच से करना है तो अगर प्रॉब्लम के एकदम बराबर टुकड़े होंगे तो जो बोल रहा है साइज ऑफ रिडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी बनेंगी देन फर्दर बीच से डिवाइड करोगे फिर बहुत ज्यादा होगा तो आप पूरी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाओगे यस सो so, एक बेसिक आइडिया यहाँ पर लिखा हुआ है अगेन एग्जांपल की क्या आपसे बात करूं करू मर्स ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं क्विक शॉर्ट ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जो दोनों ही बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन थे डिवाइड एंड कॉन के ना उसी डिस्कशन को आगे लेके चले तो यहाँ पर अब पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपने पहले स्टडी ना की हो या आपने पहले सॉल्व ना की हो फिर भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर देखते हैं डिवाइड ऑन कॉन आइडिया अप्रोच से कि आप मेट्रिक मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया जा सकता है अगर हां तो कैसे देखिए तो दो सिंपल से मैट्रिक्स हमारे पास है ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री तो थ्री रो थ्री कॉलम और जैसे आई थिंक आपने देखा होगा जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी विल गेट अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री और कैसे होगा सी पहला रो पहला कॉलम सो ए जे देन बी एम

ये पूरा फर्स्ट रो हमें मिलेगा देन सेकंड रो से तीनों को ऑपरेट करेंगे तो सेकंड रो एंड देन लाइक दिस तो ये एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन है ना मैं आपको याद दिला रहा ना रिवाइज करा रहा बचपन बचपन से 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 करते आए हैं आई थिंक क्लास है अब इसको करते कैसे हैं तो हमें पता है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में तीन लूप लगते हैं तो फोर थ्री नेस्टेड लूप्स ने रिक्वायर्ड और इन तीन लूप की वजह से जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट गोज ऑर्डर ऑफ एन रेस टू पावर थ्री तो यहां पे कोई डिवाइड एंड कॉन्क्र अप्रोच नहीं है यहाँ तो हम स्टेप बाय स्टेप तरीके आगे से आगे बढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच से हैंडल किया जा सकता है कि नहीं अगर हाँ तो कैसे अप्रोच एक बार देख के आपको समझाता हूं तो पहले बेस केस पकड़ता है डिवाइड एंड कॉन्क्योर में मैंने आपसे बोला किसी प्रॉब्लम को कब तक छोटा करना है जब तक छोटा करना है जब तक हम इतने कंफर्टेबल ना हो जाएं कि उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट हैंडल कर सके

ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर सिमिलरली 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 है ना uh, जान बुझे रो नंबर कॉलम नंबर भी सिंपल रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो चार कॉलम चार रो चार कॉलम चार रो लाइक like दिस अब ऑब्वियसली इसको अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे नो वट यू वॉन्ट टू डू इज लुक एट दिस हमने दो मैट्रिक्स ए और बी है मल्टीप्लाई करने की कोशिश की ऑर्डर है एन मान लीजिए स्क्वायर मेट्रिक्स के लिए एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं अगर साइज एन का टू है या वन है तो दो बेस केस में पहले आपको दिखा चुका हूं यू कैन मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली सो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं अगर टू या उससे कम है पूरा नहीं लिखा मैंने अगर मान लीजिए वन होता तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और अगर टू है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ये यहां पर लिख दिया तो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लोगे देन यून नो डीड नो नीड यू डू नॉट नीड एनी डिवाइड एंड कॉन क्यूर एल्स में आ जाइए अब अगर एन का साइज थ्री या उससे ज्यादा है मतलब थ्री तो हम नहीं करेंगे तो अब क्या करना है हम दो के लिए उसको ऐसे कर रहे हैं कि हम इस मैट्रिक्स को लाइक दिस ऐसे बीच से डिवाइड कर देते हैं और ये जो टू क्रॉस टू का एक एलिमेंट बना वैसे ही टू क्रॉस टू के चार एलिमेंट लेट मी ट्रीट दिस सब मैट्रिक्स एज अ एलिमेंट ए वन वन दिसरली वन बीज नाउक डिवाइड एंड बी ऑफ एन क्रॉस एन इंटू फोर सब मेट्रिक फोर बाय फोर को जब फोर बाय टू इंटू फोर बाय टू करेंगे दैट विल बी टू बाई टू मेट्रिक यस सिमिलरली इमेजिन करिए अगर एट क्रॉस टू टू क्रॉस टू का कॉल करता लाइक दिस एंड नाउ दिस इज द आइडिया अब आप क्या करेंगे जो पहला एलिमेंट होगा यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं जो रिजल्ट है वो भी दरअसल सोलह एलिमेंट का बनता लाइक like दिस अब इसको भी आप इमेजिन करो एक कंपोनेंट ये मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो सी है वो भी कंपोनेंट में आएगी ये पहला कंपोनेंट आपको कैसे मिलेगा लुक एट दिस अगेन आई एम कॉलिंग सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए वन वन बी वन ऑफ ऑर्डर एन बाइ टू एंड ए वन टू बी टू वन ऑन ऑर्डर एन बाय टू और सिमिलरली लुक एट दिस क्योंकि यू नो टू क्रॉस टू को मल्टीप्लाई करना मुझे पहले से आता है तो यू कैन इवन यू नो अंदाजा लगा सकते हैं ए वन वन बी वन वन ए वन टू चारो एलिमेंट uh, like like आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहां पर आप वैल्यू रख सकते हो, है ना दिस इज द आइडिया चाहिए मैंने पहले से नीचे लिख के रख भी दिया है जो आपको रिजल्ट मिलेगा एंड दैट इज एन आइडिया सो डिवाइड को

फिर वो फोर क्रॉस फोर को करेंगे और फिर वहां से रिजल्ट तो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल कॉस्टिंग अगर एन से एन की वैल्यू टू से कम है तो तो चार मल्टीप्लीकेशन है आप चार करेंगे आठ करें कॉन्स्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट इज ऑर्डर ऑफ वन लेकिन अगर टू से ग्रेटर है तो यहाँ आप देख सकते हमने क्या किया हमने आठ मल्टीप्लीकेशन किए आठ कैसे किए नोटिस कर पा रहे ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो वी हैव हैव डन डन वी मल्टीप्लिकेशन ईच ऑफ ऑर्डर एन बाय टू एन बाय टू क्यों एन बाय टू क्यों क्योंकि ऑर्डर हमने हाफ कर दिया और एन स्क्वायर कॉस्टिंग है ये ना जो हाफ प्रॉब्लम है इनको कैलकुलेट करने की तो जब इस रिकरेंस को आप सॉल्व करते हैं तो अगेन द कॉम्प्लेक्सिटी

वॉलकर स्ट्रेसियन स्ट्रेसियन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के नाम से इसको पढ़ते हैं फर्स्ट पब्लिश दिस एल्गोर इन एन क्यूब जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एल्गोर वाज नॉट ऑप्टिमल इनका कहना था कि भाई ऑप्टिमल नहीं है एंड द एलगोर पब्लिस रिजल्ट इन मोर रिसउट दैट लीड टू बोथोटिक लोअर बाउंड एंड इम्प्रूव देशन ऑन द अपर बाउंड तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव कर लिया कैसे किया सो वट हीन अगर base case नहीं है, तो बजाय इसके कि आप वो डिवाइडन कौन कौन करें इनका कहना है दीज आर दूटेशन विच यू है वो कंप्यूटेशन क्या इन्होंने पहले से लिख के रखा है तो क्या करना है आपको ए वन वन को पहले ए टू टू में प्लस करना है फिर बी वन वन को बी टू टू में प्लस करना है फिर उनको मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेंबर देम डाउन दो तीन बार लिख के देखो कि डिटेल में जाओगे तो आपको बात पूरी याद हो जाएगी उसके बाद जो चार एलिमेंट हम कंप्यूट कर रहे थे उस तरह से उस तरह से नहीं इस तरह से कैलकुलेट तो करना है तो एम वन को एम फोर में एड करना है देन एम फाइव को माइनस करना है देन एम सेवन को प्लस करना है एम वन एम फोर एम फाइव एम सेवन कौन है ये लिखे हुए आपके सामने एंड यूजिंग दिस आप इसको कैलकुलेट करोगे अब इसका एडवांटेज क्या होगा आप ध्यान से देखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन तो कांस्टेंट कॉस्ट है चार आप देखेंगे यहाँ पर हमें आठ मैट्रिक्स नहीं कैलकुलेट करने पड़े यहाँ पर सेवन करने पड़े तो जो फाइनल हमारा यू नो चीज है वो बस इतना सा चेंज होगा कि दैट विल बिकम द यू सी सेवन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एट और मास्टर रेफरेंस का पहला इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा आह यू नो याद है ना tn इज़ इक्वल तू a tn बाय b प्लस fn सो so a इज़ सेवेन uh, b इज़ टू एंड fn इज़ स्क्वायर और इसको जब चेक करेंगे तो ये ऑब्वियसली मैच करेगा इट इज़ n raise टू पावर लॉग बेस two seven व्हिच विल कम डाउन टू two point eight one जबकि पहले आ रहा था n क्यूब तो n क्यूब से पावर थोड़ा सा कम होकर two point eight one आया अब इसको इंप्रूवमेंट माने के माने मान सकते हैं तो आपको याद रखना है, uh, एक अप्रोच है, है और ऑब्वियसली मैं इसको यूज करके पूरा सॉल्व करने नहीं जा रहा बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू आस मैंने कभी सेमेस्टर में ऐसा नहीं देखा कि दे आस की भाई ये यू नो इट स्ट्रेस इन मल्टीप्लीकेशन से आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ बट दीज आर दमूलाज विच यू नो और इनको एग्जाम में लिख के आओगे तो कहानी अच्छी हो जाएगी यस दैट इज इट नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कॉन्वेक्स हल अब कॉन्वेक्स हल भी डिवाइड एंड कनक्योर में ही पढ़ाया जाता है क्यों पढ़ाया जाता है डोंट नो या इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि नहीं बट कभी कभार यहाँ सेमेस्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं

Look at this. मुझे इनका एक आउटर टेरिटरी एक आउटर चक्कर लगाना है इस तरह से पॉइंट बाई पॉइंट मेरे को कनेक्ट करते जाना है कंडीशन दैट कि कोई भी इसको ऐसे ध्यान रखिएगा ये कोई भी जो एंगल है ना ये कोई भी एंगल 180 एट्टी डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब हमेशा बैंड करता जाए एक सर्किल की तरह और बंद होके वापस आ जाए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को टच करके फिर इधर जाता लाइक like दिस तो एंगल मेरा वन डिग्री से ज्यादा हो जाता है ये नहीं होना चाहिए लाइक like दिस है ना हमेशा वो कन्वर्ज करता रहे करता रहे और बंद होके वापस आ जाए तो वट यू हैव हैव अ सेट ऑफ ऑन है प्लेन और अब हमें उस तरह से मैनेज करना है कि ये सारे भी मैं कवर कर लू किसको कंसिडर करना है किसको स्किप करना है वो देखना होगा बट वन एटी डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए नाउ लेट मी रीड इट आउट सो ये क्लासिकल प्रॉब्लम है द गोल इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स दैट इज वाई वी आर कॉल्डिंग इट कॉन्वेक्स क्योंकि बाहर से वो कॉन्वेक्स की तरह दिखेगा ये समझते हैं ना uh, <laughs> क्या था ना, हमें इसको कैसे दिखाना है ये डायरेक्ट कनेक्ट करके ये दिखिए ये बाहर से हमेशा कॉन्वेक्स शेप होना चाहिए दिस इज दईडिया पॉलिगन दट एनक्लोज अट ऑफ पॉइंट इन प्लेन इन सिंपल टर्म इफ यू इमेजिन ज्यादा ज्ञान पहले तो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब अगर आप एक धागा भी इसके चारों तरफ खींचेंगे तो धागा भी यही शेप लेगा कभी वाली शेप नहीं लेगा द द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन बाय सेट ऑफ पॉइंट लेगागन उस पॉलीगन के बाहर नहीं होना चाहिए अब ये काम होता कैसे है इसकी थ्योरी मैं बाद में आऊंगा नाउ दैट इज एन एलगोरदम एल्गोरथम रन करके आपको दिखाता हूँ और दो चार पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं सो लेट मी टेक कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं लेना चाहूंगा दैट इज मोर देन सफिशियंट अब आइडिया समझिए करना क्या है वट वी डू हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होगा आई थिंक ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियरली विजिबल टू यू यस करना क्या है जो सबसे नीचे Y एक्सेस पे पॉइंट होगा और सपोज लगभग अगर ये दोनों सेम एक्सेस पे हैं तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा इफ इज टाई जो सबसे बॉटम पे होगा सी दिस इज वाई एक्सेस वाई एक्सेस पे सबसे नीचे और अगर टाई हो रहा है तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उस पॉइंट को आप मार्क करेंगे जीरो उसके बाद क्या करना है लाइक एंटी क्लॉक इसको घुमाते जाइए और जो जो पॉइंट कट होता है जो उसको नंबर करते जाइए तो दिस इज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू आई होप आप देख पा रहे हैं वैसे मैं ज्योमेट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूं अब ये लिखा हुआ है पूरी बात इसको ट्राई कराता हूँ अप्रोच समझिए पहले क्या करना है सबसे पहले वट वी डू पढ़ते पढ़ना चाहिए क्या बोल रहा है लेट पी नॉट बी अ पॉइंट इन क्यू विद द मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट और द लेफ्ट मोस्ट सच पॉइंट इन केस ऑफ अ टाई तो या तो सबसे वाई का वैल्यू सबसे छोटा और अगर टाई हो रहा है तो लेफ्ट मोस्ट हो तो so, यहाँ पर मान लीजिए जीरो और वन मी से ये सेम लेवल पे टाई हो रहा है तो मैंने ये ले लिया तो दिस इज माई पी नॉट फिर पी वन पी टू पी थ्री रिमेनिंग पॉइंट जो है सॉर्टेड बाई पोलर एंगल इन द काउंटर क्लॉक अराउंड ऑर्डर अराउंड पी तो काउंटर क्लॉकवाइज मैंने सबको नंबर भी कर लिया ठीक है तो एस मीन स्टैक इनिशियली एम है फिर क्या कह रहा है

ये देखिए जीरो और वन हमारे पास जीरो से वन पे मान लीजिए हमने एक लाइन बना ली यस अब आप ध्यान से देखिए ये जो टू है है ना मैं इसको मानूंगा हमेशा लेफ्ट इसको मानूंगा राइट लाइक दिस ये ये जो टू है क्या, ये वन के, लेफ्ट में, क्या ये इस के लेफ्ट में है हाँ टू इस लाइन के लेफ्ट में है तो टू को हम स्टैक में इंक्लूड कर लेंगे जो कि काइंड ऑफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेस केस है एंड लेट मी कनेक्ट वन से टू यस अब हमारी लाइन कौन है देखिए हमारी लाइन है वन टू जो भी टॉप ऑफ़ द दो एलिमेंट है वही लिख रहा है, to top top. ये जो दो है वो डिसाइड को देखिए थ्री जो है अगला एलिमेंट मुझे बताइए लेफ्ट इसको, इसको मान रहा हूँ राइट right. तो टू जो है वो लेफ्ट में है कि राइट right में है थ्री वाला सॉरी वन और टू जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में थ्री लेफ्ट में है कि राइट right में सर थ्री राइट right में है अगर राइट right में है यानी कि आपको नॉन लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या करना है स्टैक का जो टॉप है उसे पॉप करना है एंड देन देख एलिमेंट को पुश करना है तो आई आई एम एम गोइंग गोइंग टू टू डू इज पॉप पॉप इसको मैं करूंगा और मैं थ्री को पुश करूंगा तो बेसिकली अब मैं इस लाइन को इग्नोर कर रहा हूँ अगर मैं आप समझिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अगर मैं इस लाइन को लेके फिर थ्री पे जाता वाया टू तो ये कॉनकेव हो जाता मेरे को कॉनवे केव नीचे मेरे को कॉन्वेक्स चाहिए है ना तो ये टू को हमने प्रोसेस कर लिया ये पूरा एक्स्ट्रा लाइन में हटा देता आफ्टर प्रोसेसिंग नाउ वी अंडरस्टैंड पे कंसीडर नहीं नहीं होगा मतलब मेरे को नहीं चाहिए ये क्या गया भाई yes. तो एक्सटेंड तो करता हूँ लुक एट दिस तो मेरे को फोर पे जाने के लिए लेफ्ट टर्न लेना है लेफ्ट टर्न right लेना है so अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो कोई दिक्कत नहीं फिर आप डायरेक्ट पुश कर सकते हैं आपको पॉप करने की जरूरत नहीं है तो दैट्स ग्रेट मैं थ्री के बाद फोर को इंक्लूड कर लेता हूं एंड आल्सो इनटू द स्टैक और ये मैं कर चुका हूं तो ये प्रोसेसिंग हटा देता हूं डन अब फिर देखिए फिर मजा आएगा फोर अब फिर बताइए सबसे टॉप पे दो एलिमेंट कौन है थ्री एंड फोर तो नाउ दिस इज द लाइन अब बताइए फाइव को इंक्लूड करना है इस बार राइट टर्न लेना है, लेना है? Oh God, इस बार राइट लेना पड़ेगा। और राइट टर्न लेना है इसका मतलब वाला चॉइस गलत लिया फिर ये कॉनकेव हो जाएगा तो फोर विल बी एलिमिनेटेड इसको बाहर करिए एंड यू डायरेक्टली पुश फाइव इन स्टैक तो फाइव आ गया स्टैक के अंदर एंड अगेन क्योंकि ये प्रोसेसिंग हमारी हो गई कंप्लीट तो अंडरस्टैंड कि इसको हम डायरेक्ट कंसीडर नहीं करने वाले यस फाइव yes, आ गया सर स्टैक टॉप के अंदर फिर देखिए अब हमारी मेन लाइन क्या तो three, को करेंगे, तो जो है वो लेफ्ट में है कि राइट right में है लेफ्ट में है लेफ्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं स्टैक को थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ तो जीरो है वन है थ्री है फाइव है एंड देन यू हैव सिक्स और क्योंकि सिक्स को मैं इंक्लूड कर चुका हूँ तो ये एडिशनल प्रोसेसिंग अब मैं हटा लेता हूँ यस नाउ आफ्टर दिस सिक्स अगेन अब तो एक एलिमेंट बचा यू सी लेफ्ट में जाना है राइट में तो अगेन लेफ्ट में जाना है एंड जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे ये हमारा स्वस्थ सुंदर टिकाऊ कॉन्वेक्स हल बन के तैयार हो गया और जैसे लूप कंप्लीट हुआ सारे एलिमेंट यू जस्ट रिटर्न दस टैक्ट रिटर्न टेल्स यू द कॉन्वेक्स हल सो आई थिंक ये पूरी प्रोसेस समझ आई है ना हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा कन्वर्ज करे अंदर की तरफ चले बाहर की तरफ ना जाए बाहर की तरफ जाने का वही आइडिया है कि इफ दिस इज अफ आई गो दिस लेफ्ट दैट इज वेरी कुल अगर मैं राइट right में जाता हूं तो मैं गलत कर रहा हूं यानी कि लास्ट नोड पे जाना ही नहीं था तो यहां पे देखा जैसे ही मैंने इस तरह से या इस तरह से जाने की कोशिश की इन दोनों पॉइंट्स को हमने एलिमिनेट कर दिया सो दिस इज कॉन्वेक्स हल अगेन सम पॉइंट्स इट्स इसकी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं इट्स अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री विद एप्लीकेशन इन पैटर्न रिकॉग्निशन इमेज प्रोसेसिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भारी भरगम शब्द लिख दिया अब सेमेस्टर में खुश हो जाएंगे टीचर इन सॉल्विंग द ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन जनरल डिटेक्शन इन कंप्यूटर गेम सिमुलेशन डिटरमाइनिंग द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मशीन लर्निंग क्लस्टर एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग कभी कभी क्या होता है ना इन जनरल आपको लगता है ये कौन सा महान काम कर दिया बट वो छोटे छोटे फंक्शन मिलकर बाद में हम एनेबल करते हैं क्योंकि हम बड़े काम करते हैं कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दैट सपोर्टिंग जी आई एस ऑपरेशन लाइक क्रिएटिंग बाउंड्री फॉर जियोग्राफिकल डेटा सेट सो दिस इज इट सो आई थिंक दिस इज अब बेसिक आइडिया जहां पर हमने कॉन्वेक्स सेल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया नाउ डिवाइड एंड कंकर में एक और बेसिक प्रॉब्लम हमारा बाइनरी सर्च तो बाइनरी सर्च इन जनरल कुछ नई बात तो है नहीं बट फिर भी मेरी ड्यूटी एक बार मैं आपको पूरा याद दिला दूं व्हाट इज बाइनरी सर्च इफ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज काइंड ऑफ अ सॉर्टेड मान लीजिए 0 से लेकर 10 तक ऐसा हम चले गए And you know, if you want to search something, तो कैसे करते हैं काम करती है मिडिल वैल्यू सर्च करेंगे वैल्यू अगर छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएंगे वैल्यू अगर बड़ा होगा तो राइट right में जाएंगे और ऐसा करने से वही डिवाइड एंड बात प्रॉब्लम के n जो साइज था या तो आप एन बाय टू पे काम करेंगे फर्स्ट हाफ या तो आप एन बाय टू पे काम करेंगे सेकेंड हाफ बट आपको पूरे पे काम नहीं करना बाद में मान लीजिए हम जो सर्च कर रहे हैं दैट इज समथिंग से छोटा है वो यहां मिले ना मिले वो अलग बात है बट कभी मेरे को सेकेंड हाफ में नहीं जाना और क्योंकि हर बार यही होता जाएगा तो अगेन लॉन्ग रन में ट्री का जो डेप्थ होता है दैट इज लॉग बेस तो हमें बाइनरी सर्च यहाँ पे मिल रहा होता है तो अगेन अगर इस चीज को बताएं इनिशियलाइजेशन करते हैं देन वी कैलकुलेट द मिडिल वैल्यू तो लो एंड हाई का डिवाइड बाय टू कर लेते हैं कंपेयर करते हैं डायरेक्शन लेता है इधर वी गो लेफ्ट एंड राइट बाइनरी सर्च ट्रीज एवियल ट्रीज बी ट्रीज बी प्लस ट्रीज सब इसी प्रिंसिपल पे तो काम करते हैं इवन रेड ब्लैक ट्रीज आगे जाके हम पढ़ेंगे सबका फंडामेंटल आइडिया यही है, है ना सो आई होप ये अप्रोच भी आपको क्लियर है and now we are ready for greedy methods to so, divide and conquer आपने समझ लिया बहुत अच्छे से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम के लिए अब जो मेजर मेजर चैप्टर लाइक ग्रीडी क्या होता है डीपी क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है वो सब चीजें केस बाय केस स्टडी करेंगे तो फाइनली भी बात करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम की अब ग्रीडी जब भी हमारे मन में आता है ग्रीडी मतलब लालच और बचपन में इतनी सारी स्टोरीज हमने सुनी है ना इसके बारे में तो यू नो ग्रीडी और बीइंग लालची इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड है ना ये मैं देख रहा था इंटरनेट पे लालच बुरी वाला है एंड यू नो यू नो ये मुर्गी और अंडे वाली कहानी कुल्हाड़ी वाली कहानी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रीडी एल्गोरिथम्स में और डेटा स्ट्रक्चर इवन एल्गोरिथम्स में पढ़ते हैं कि यार ग्रीडी uh, तो इतना बुरा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है तो ये देखिए इस स्टेटमेंट को मैंने कंप्लीट किया आई होप जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे विल अंडरस्टैंड दिस इज मोर बेटर लालच बला है बट दैट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट अगर बुरे काम के लिए किया गया हो तो तो इस बात का मतलब क्या है यहां पर हम समझते हैं अगर हम सही पैरामीटर के लिए ग्रीडी हो जाए अब बनाने वालों को पता ही था कि ये नलायक है यू नो जिन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा था लालच बुरी बला हमेशा बुरी चीज के लिए ग्रीडी होंगे कोई पढ़ने के लिए ग्रीडी हो जाए सेवा करने के लिए ग्रीडी हो जाए अच्छे काम करने के लिए यूजली उनको पता ही ये ग्रीडी नहीं होंगे बुरा काम करने के लिए ग्रीडी होंगे दैट्स वाइज दे है जनरलाइज की लालच बुरी बला है बट इस चैप्टर में हम सीखेंगे अगर अच्छे काम करने के लिए ग्रीडी हम होंगे तो लालच अच्छी चीज है कैसे धीरे धीरे समय के साथ सीखते हैं सो ग्रीडी एलगोर इज अ प्रॉब्लम सोलविंग अप्रोच जस्ट लाइक सब्ट्रैक्ट एंड कॉन डिवाइड एंड कॉन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग डायनेमिक हम पढ़ेंगे इट इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑप्टिमल ऑप्टीमल बेसिकली सो आइडिया क्या है हम यहाँ पर उस तरह के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे कि जहां पर एक ही सॉल्यूशन होता है नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं वे देर आर मल्टीपल सॉल्यूशन बट वी हैव टू फाइंड द ऑप्टीमल वन मानो मिनिमम या मैक्सिमम आगे बात करेंगे स्पेनिंग ट्री है किसी ग्राफ के अंदर बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री चाहिए सिंगल्स और शॉर्टेस्ट बात किसी ग्राफ में एक नोट से दूसरे नोट तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बट हमें सब में इंटरेस्ट नहीं है हमें वो चीज जिसका कॉस्टिंग सबसे कम हो हाफ मैन कोडिंग सब इसी तरह के प्रॉब्लम है वेयर आर मल्टीपल सोल्यूशन बट वी हैव हाँ टू तो फाइंड द ऑप्टीमल वन तो इस तरह के प्रॉब्लम को एलगोरिदम्स में कंप्यूटर साइंस में क्या बोलते हैं ऑप्टीमेलिटी प्रॉब्लम तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीडी किसके साथ डील करता है ऑप्टीमैलिटी के साथ एक बात समझ आई अब ग्रीडी के काम करने का तरीका क्या लुक एट दिस that follows the problem solving heuristics of making local optimal choice at each stage ye badi important baat hai hai na with the intent of finding the global optimum तो क्या कह रहा है कि local अगर आपको पूरा का पूरा optimal solution चाहिए एक बार में पूरी problem मत solve करो एक छोटा problem solve करो और सॉल्व करने पे हमें जरूरी नहीं है कि हमें ग्लोबल ऑप्टिमल मिले फिलहाल लोकली जो बेटर लग रहा है ना वो पकड़ो आगे बढ़ो लोकली जो बेटर पकड़ा है वो यू you नो know, लग रहा है वो पकड़ो आगे बढ़ो जरूरी नहीं है बाद में वो ग्लोबल ऑप्टिमल प्रूव हो सकता है हमारा अंदाजा गलत हो सो so, क्या ग्रिडी ऑप्टीमालिटी की गारंटी करते हैं नहीं बट इन जनरल अगर ठीक ठाक तरह से अप्लाई किया जाए तो ग्रीडी या तो ऑप्टिमल या तो सॉल्यूशन वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल इन जनरल दे देता है एडवांटेज क्या टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि थोड़ा सा गेम अंदाजे पे चलता है लोकल ऑप्टिमा पकड़ा इस एजम्शन के साथ कि ये रास्ता में आगे लेके जाएगा फिर आगे बढ़ता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा था किताब से थोड़ा तो 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 बाहर जाके सोचता हूं अब मान लीजिए किसी को आई ऑफिसर बनना है एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि नहीं भाई नहीं है ना चाहे एक अटेम्प्ट लगे दो लगे चार लगे पांच लगे दस साल लगे लेकिन बनेंगे तो आई ऑफिसर बनेंगे बनना नहीं बनेंगे एक अप्रोच क्या हो सकता है लोकल ऑप्टिमल तो फॉर ज्यादातर लोग पहले क्या सोचते हैं या लेट्स बी सेफ एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेते हैं है ना आई इन द बैंक और इन एन एनी स्टेट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक बेसिक लेवल की जॉब पकड़े सो देट हमें बेसिक सैलरी मिलना शुरू हो जाए थोड़ा प्रेशर कम हो जाए अपना खर्चा खुद उठाने लगे एंड देन यू नो उससे बेटर मिलेगी तो स्विच करेंगे फिर उससे बेटर मिलेगी तो स्विच करेंगे एंड एंड देन यू नो आफ्टर मे बी वी एन ऑफिसर बट अगर नहीं भी बन पाए तो भी कहीं ठीक ठाक लेवल पे तो लैंड करेंगे इंस्टेंट की नहीं सीधा आई एस बनेंगे हो सकता है सीधा आई एस अब जल्दी बन जाए बट उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है ना भी बने है ना तो ग्रीडी अप्रोच क्या बोलेगी मेरे हिसाब से यू गो स्टेप बाय स्टेप लोकल ऑप्टिमल पकड़ते और आगे बढ़ते रहो लुक एट दिस ग्राफ अब यहां देखो मान लीजिए हमारा था कि हमें वो रास्ता यू नो आइडेंटिफाई करना है जिसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम हो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं गड़बड़ कैसे हो सकता है मैक्सिमम वाला पकड़ना है तो रूट इज सेवन अब सेवन से आप देख रहे हैं दो आउट गोइंग रास्ते हैं दिस इज थ्री एंड दिस इज ट्वेल्व अब क्योंकि हमें मैक्सिमम पकड़ना है पूरा प्रॉब्लम हम स्टडी करते नहीं है तो ग्रीडी विल मेक अ चॉइस कि यार पहले ट्वेल्व पे चलते हैं बात खत्म हो गई है ना क्योंकि ट्वेल्थ ज्यादा है थ्री से और फिर आगे जाके जब देखेंगे अभी दो ही रास्ते पॉसिबल है विच इज लाइक फाइव एंड सिक्स इसमें बेटर कौन है सिक्स तो ग्रीडी बोलेगा मेरे अकॉर्डिंग इस रास्ते से आप आगे बढ़ जाओ बिंग ग्रीडी क्योंकि आप लोकली सोच के चल रहे हैं बट जब हम ग्लोबली प्रॉब्लम स्टडी करेंगे तो वट अंडरस्टैंड लुक एट दिस सेवन के बाद तो तो जनरेट करे ऐसा नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क वेरी फाइन सो यहां देखिए क्या लिखते है इन मेनी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नॉट यूजली प्रोड्यूस एन ऑप्टीमल सोल्यूशन बट नवर लेस ग्रीडी अ लोकल अप्टीमल सोल्यूशन दैट

आपके सौ में से सौ तो नहीं आएंगे यू में गेट नाइनटी सेवन है ना बट द पॉइंट इज यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर आवर अभी बड़ा शानदार लग रहा है सौ में से सौ अच्छे तो लगते बट सौ घंटा पढ़ना पड़ रहा है यार बहुत ज्यादा है वो अगर सिर्फ दस घंटे पढ़ के भी नाइनटी सेवन नंबर लाए जा सकते हैं तो बढ़िया हुआ ना ग्रीडी उसी की बात करता है तो टाइम बहुत कम कर देता है बट ऑप्टीमैलिटी गारंटीड नहीं होती ना अगेन यू सी फेमस प्रॉब्लम है हमारी यू यू नो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तो ग्रीडी ग्रीडी दे सी कैसे करेगा तो ऐसा नहीं पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करके प्रॉपर एनालाइज करके गारंटी करेगा ये तो बस एक काम करता रहेगा जो भी फिलहाल आउटगोइंग पाथ कम कॉस्ट का नजर आ रहा है उसको पकड़ेगा और आगे बढ़ते रहेगा विद द इंटेंशन की शायद हम लगभग लगभग ऑप्टीमल में या काफी क्लोज टू ऑप्टीमल ये पूरा का पूरा पार्थ ट्रेवर्स करके हम वापस आ जाए है ना तो दैट इज आइडिया आई थिंक दो तीन चार जगह मैं अलग अलग एनालाइज करा चुका हूँ सोट so एक थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए अब मैं था शेयर मार्केट के बारे में बीटेक बच्चा है एक बार शेयर मार्केट के बारे में ना सोचे ऐसा होता नहीं है कभी ना कभी मोस्ट ऑफ द टाइम इन सेकेंड ईयर मे बी कभी थर्ड ईयर फाइनल बच्चा एक बार ट्रेडर या इन्वेस्टर जरूर बन जाए करता है सो आई थिंक वाई थिंक इज ट्रेडर आर काइंड ऑफ मोर ग्रीडी लोकली

आई होप आप रिलेट कर पाए अभी दिल्ली अगर कभी आप आए हो मेट्रो चलती है ना तो जो स्टार्टिंग स्टेशन है है ना वहां से मेट्रो बन के चलेगी अब होता ही है कि मोस्टली टाइम जब से मॉर्निंग आर से इवनिंग आर से इसमें बड़ा क्राउड होता है तो या तो आपको स्टार्टिंग स्टेशन पे ही सीट मिल जाए मिली तो मिली नहीं मिली तो फिर नहीं मिली अब यू सी ये मेट्रो का गेट अभी खुला हुआ है इन लोगों को एक्चुअली जाना है इसी में जाना बट ये अभी एंटर नहीं कर रहे क्यों क्योंकि इसकी पता है जितनी सीट्स सब भर चुकी है, है ना? अब ये जाएगी उसके बाद अगली आएगी उसमें से लोग उतरेंगे नाउ बिकॉज ये आखिरी स्टेशन है तो यहाँ अब ये फर्स्ट स्टेशन भी होने वाला है रिवर्स जर्नी का तो यहाँ सीट मिलने के चांस ज्यादा है अब एक थॉट हो सकती है यार एक अप्रोच है फिलहाल लेट भी तो हो रहे हैं ना कॉस्ट भी है कुछ तो एक काम करते हैं चढ़ जाते हैं हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो दो चार स्टेशन के बाद सीट मिल जाए हो सकता है नहीं भाई चाहे एक घंटा लग जाए हम यही खड़े हुए हैं जब तक सीट नहीं मिलेगी तब तक यहां से चलेंगे नहीं है ना तो आई थिंक अगर आप ग्रिडिली सोचेंगे तो लोकल ऑप्टिकमल के बाद यार फिलहाल एंटर करो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलता है उसको पकड़ो आगे बढ़ो देन आगे की आगे देखेंगे समथिंग लाइक दिस सो अगेन मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत अलग अलग आइडियाज हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक डायमिक uh, तो, you know, uh, ये सबके सब, सब गारंटी करते हैं ऑप्टीमैलिटी ये अंदाजन नहीं करते ये करते तो पूरा करेंगे वरना नहीं करेंगे बट ये परफेक्ट ऑप्टिमल करने के लिए खर्चा बहुत लेता है पैसा खर्चा होता है ग्रिली ऑन द कॉन्ट्रेरी है ना वो कहता है मैं फिर वही कहानी मैं लोकल बेस पर अंदाजा लगाऊंगा बाद में ऑप्टीमल मिला तो मिला नहीं मिला तो भी मैं भी शायद मैं काफी क्लोज पहुंच जाऊं जाऊप्टिमेलिटी के है ना ये अप्रोच काम करता है सो द आइडिया मैंने आपको बताया हम किस तरह के प्रॉब्लम पर काम करेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जहां पे बहुत सारे सोल्यूशन होंगे और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कि यार किसी एक क्राइटेरिया के बेस पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है अभी खर्चा होगा तो उसे मिनिमाइज करेंगे प्रॉफिट होगा तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे यही सारी बात यहाँ पर लिखी है नाउ uh, पहली प्रॉब्लम हम उठाते हैं द फर्स्ट प्रॉब्लम इज नोन एज एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में semesters में मैंने इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखा है थ्योरी भी देखा है ना तो सबसे आसान तरीका ग्रीडी को समझने का पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन एक बार ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है नोटिस करिए एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम इज ए क्लासिकल प्रॉब्लम विच इज ऑफन यूज टू इलेट्रेट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीडी ग्रिडी सो ग्रीडी को समझने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हियर

और फिनिशिंग टाइम है, है यही बोल रहा है इंटरवल in समझ लो कि इस को चलाने के लिए एक प्रोसेसर चाहिए, रूम चाहिए तो इन द मीन वाली एक्टिविटी रन कर रहा है एंगेज हो गया है अब कोई दूसरा एक्टिविटी हो सकता है लेट मी कॉल दैट एक्टिविटी जे अब वो कंपैटिबल कब होगा दो तरीके हैं या तो एस जे जो है इफ आई एम करेक्ट वो फिनिश कर ले एसआई के स्टार्ट होने से पहले दैट कुड बी एन आइडिया या दूसरा आइडिया क्या हो सकता है कि एसजे जो है सर वो स्टार्ट करे यू नो एसआई के फिनिश होने के बाद आई के फिनिश होने के बाद स्टार्ट करे दो आइडियाज हो सकते हैं बट एक टाइम पे क्या दो एक्टिविटी पैरेलली रन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे दिस इज द आईडिया अब हमें क्या करना है हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी Uh, हर एक का स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम होगा वी हैव टू सेलेक्ट एक्टिविटीज इन सच अ फैशन कि हम ज्यादा ज्यादा से एक्टिविटीज सेलेक्ट कर पाए है ना ये आइडिया तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं बट हम किसको ऑप्टिमल मानेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए सो क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है यू नीड टू सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट ओवरलैप ओवरलैप तो होना नहीं चाहिए वही या तो पहला खत्म हो चुका हो जब ये भाई साहब शुरू हो या तो मेरे खत्म होने के बाद आप शुरू करिए एंड गोल मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटी से सेलेक्ट करो अब आप दो मिनट सोच सकते हैं इसके बारे में कि ग्रीडीली अगर सोचे तो क्या आइडिया होना चाहिए इसको सॉल्व करने का आल गो सो लॉजिक समझिए करते जैसे यहाँ पर ये

ये ये है 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 उल्टा हो गया मेरे ख्याल से अब क्या करना है? Sort करने के बाद अब एक्टिविटी स्टार्ट करो पहला पिक करो और तब चूज करो अगला जब वो ओवरलैप ना करो तो मान लीजिए पहला एक्टिविटी हमने पिक कर लिया वन कॉमा थ्री मेक्स फाइन अब बताओ टू कॉमा फोर सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि थ्री ये जो पहला एक्टिविटी है इसके खत्म होने से पहले वो शुरू हो चुका है तो दैट विल नॉट बी सिलेक्टेड नो प्रॉब्लम बट पे 3 पे खत्म हुआ तो अगला स्टार्ट करने दो हाँ वो करने देंगे तो थ्री फाइव कैन बी सिलेक्टेड नेक्स्ट फाइव सेवन कैन ऑल्सो भी सिलेक्टेड तो टोटल कितना एक्टिविटी सेलेक्ट हुआ थ्री सेलेक्ट हुआ एंड वी कैन गारंटी आप कैसे भी कर लो इससे ज्यादा एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे है ना सो आई होप आइडिया बिल्कुल क्लियर है एंड देन यू सेलेक्ट दिस स्टेप नंबर वन यू स्टॉट फिनिश टाइम

क्या ये ऑलरेडी सॉर्टेड है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन किस्मत बहुत अच्छी ऑलरेडी सॉर्टेड है ग्रेट तो एग्जामिनर ने दिया ही ऐसा है तो अब क्या करना है पहले से शुरू हो जाइए सबसे पहले टू कॉमा थ्री सेलेक्ट कर लिया कर लिया अब क्या मैं वन से स्टार्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता सर क्यों इसको ऐसे समझिए ना ऐसे बनाऊ तो शायद आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए अगर टू कॉमर थ्री आई एम सॉरी टू कॉमर थ्री ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ तो फिर वन फोर कैसे करूंगा नहीं कर पाऊंगा थ्री फाइव हाँ ये जरूर हो सकता है तो थ्री पे खत्म हुआ थ्री पे चालू हुआ मैं फाइव तक चला गया अभी जीरो सिक्स नहीं कर पाऊंगा बट हाँ फाइव सेवन जरूर कर पाऊंगा तो आपके खत्म होने के बाद ये मैंने स्टार्ट कर दिया थ्री एट नहीं कर पाऊंगा फाइव नाइन नहीं कर पाऊंगा सेवन पे खत्म हुआ है ना इवन सिक्स टेन भी पॉसिबल नहीं है इट बट हाँ एट इलेवन जरूर पॉसिबल है सो ये बीच में एक स्टेप खाली रहा हमारा एक टाइम बट एट से इलेवन तक यस वी कैन गो अहेड एट ट्वेल्व इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम ट्वेल्व टू फोर्टीन सो दैट इज द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम और हमारे हिसाब से वट इज द आंसर वन टू थ्री फोर फाइव मैक्सिमम फाइव प्रोसेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं टोटल yes? आइडिया है. है, ले लीजिए देन जो ए, पहला जो प्रोसेस है सबसे पहला प्रोसेस वो तो हमें सेलेक्ट करना ही है ए इज काइंड ऑफ सोल्यूशन एक लूप चलाना आइकोनिशलाइज किया हमने वन से एक लूप चलाया टू से लेके अंदर और हमेशा क्या चेक करना है देखिए कि जो स्टार्टिंग टाइम है वो ग्रेटर या बराबर होना चाहिए अगली प्रोसेस का हमारी प्रोसेस मान लीजिए फिलहाल वन है ज़्यादा होना चाहिए हमारी प्रोसेस तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रोसेस का फिनिश टाइम टू है आइदर ये टू होना चाहिए अगली प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम या थ्री फोर फाइव कुछ भी हो अगर ऐसा है तो हम उसको अपने ग्रुप में एड कर सकते हैं एंड देन एम की वैल्यू आई में रखेंगे बिकॉज वो फिर हमारी नेक्स्ट प्रोसेस बनेगी फिर उसके फिनिश टाइम से आगे चेक करेंगे एंड देन रिटर्न आई थिंक बहुत बेसिक बात है इसी को यूज़ करके हमने वो कम्प्लीट किया है ना कहाँ इसका, इसका इस्तेमाल हो सकता है और अगर एक पांच नंबर का क्वेश्चन है नहीं चार लाइन लिख के यानी कुछ तो लिख के आओगे सो एट स्टेप यू मेक अ चॉइस दैट सीम्स बेस्ट एट द मोमेंट ये वही ग्लोबल वाली बात हो गई ऑप्टिमल वाली यूज केस ये जैसे सिंगल मीटिंग रूम है अब क्या होगा फॉर एग्जाम्पल किसी बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं

कुछ और इवेंट कहीं और चल रहा होगा समथिंग लाइक दिस तो उस तरह से शेड्यूलिंग टास्क इन अ सिंगल रिसोर्स एनवायरमेंट अलॉटिंग टाइम स्लॉट्स फॉर इंटरव्यूज और एग्जाम्स जब ओवरलैप नहीं कर सकते समथिंग लाइक दिस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि सॉर्टिंग इन्वॉल्व आ गई हमने बोला सॉर्ट देम विद द फिनिश टाइम पॉसिबल एन लॉग एन से कम पे सॉर्ट करना हमें आता नहीं तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो आई गई बाकी प्रोसेस सेलेक्ट करना इज ऑर्डर ऑफ वन एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न क्या ग्रीडी फेल हो सकता है कभी कभी ऑप्टिमेलिटी देने में गारंटी करता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रीडी फेल नहीं होता है यहाँ पे ग्रीडी गारंटी करता है है ना सो ध्यान रखिएगा इफ वी सॉल्व ग्रीडी इफ वी सॉल्व दिस एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी देन वी वी हैव द गारंटी कि हमें ऑप्टिमल भी मिलेगा सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम अगला बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कॉल्ड एज नैपसैक प्रॉब्लम आइए भी इसको जानते हैं ये बहुत फनी प्रॉब्लम है बहुत मजेदार प्रॉब्लम है और अगेन पर्सनली मेरे हिसाब से ग्रीडी की अगर अप्रोच को समझना है ना तो दैट इज प्रॉब्लम नंबर वन इस सच्ची प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर ग्रीडी के अप्रोच को समझना है प्रॉब्लम क्या पहले समझते हैं सी द नैपसैक और अ रक्सैक इज अ प्रॉब्लम इन कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन गिवन अ सेट ऑफ आइटम्स विद चोर है ऑब्वियसली है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि इनको एक घर में चोरी करनी है और इनके पास एक झोला एक बैग एक नेपसेक रक्सेक है जिसकी कोई कैपेसिटी है जैसे इस इमेज में देख लिखा गया 15 केजी बट दैट इज ऑबवियसली नॉट अ कांस्टेंट इट कैन चेंज है ना फिलहाल इस प्रॉब्लम मान लेते हैं कि 15 किलो का उसका कैपेसिटी है अब चोर को कंफ्यूजन क्या है भाई साहब को घर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के साथ दो पैरामीटर अटैच हैं पहला उसका कॉस्ट और दूसरा उसका वेट और अगेन हमारे हिसाब से देखें तो पैसा इज द प्रॉफिट जितना ज्यादा प्रॉफिट आप अपने बैग में रखेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा बट पेनल्टी क्या लगती है वेट आता है साथ में और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल वेट मैक्सिमम कितना हम कैरी कर सकते हैं जस्ट जी तो क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से पिक किया आप चोरी करने के परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं तो अगेन द आइडिया इज नॉट कि क्या उठाना है आइडिया इज कि किस तरह से उठाएं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जो कंडीशन है कांस्टेंट है 15 के का इस पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से वो कंडीशन भी वॉयलेट ना हो ये एक प्रॉब्लम है है ना तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया बहुत सारे अप्रोच पैरामीटर हो सकते हैं इसको सोचने के दो बात और क्लियर करता हूँ <coughs> इसके भी दो वेरिएशन है एक बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसेक एक बोलते हैं जीरो वन तो वैसे तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बट यहां पर अभी ग्रीडी के अंदर हम बात करेंगे फ्रैक्शनल की तो इसको हम ग्रीडी प्रोग्रामिंग से ग्रीडी एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे एंड जीरो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे जिसको हम हैंडल करने वाला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अब इस बात का मतलब क्या है जीरो वन मीन्स आईदर यू कैन टेक ऑब्जेक्ट और यू कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट जीरो और वन यस और नो आप उसका फ्रैक्शन उसका पार्शन नहीं उठा सकते है ना लेकिन फ्रैक्शनल नैप्सक का मतलब क्या ऑब्वियसली आप उसका फ्रैक्शन पिक कर सकते हो तो इमेजिन करो कि अगर एक किलो पनीर रखा किसी हलवाई की दुकान में घुस गए और हमारी कैपेसिटी आधा किलो की है तो आधा किलो पनीर तो काट के ला सकते हैं ना हाँ ला सकते हैं बट जीरो अगर आप गए और कहीं पर आपको टीवी पसंद आया कि अरे टीवी ले चलते हैं टीवी yes, का वेट ज्यादा तो ऐसा नहीं यू कैन कट दीवी इन हाफ और आप आधा टीवी उठा के लिए that doesn't make sense, obviously. तो दोनों वेरिएशन का अपना अपना इस्तेमाल है कुछ ऑब्जेक्ट जैसे हो सकते हैं कुछ चीज ऐसी हो सकती है जहां फ्रैक्शन मेक सेंस बट इन सर्टन ऑब्जेक्ट फ्रैक्शन डेक सेंस तो फिलहाल हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे फ्रैक्शन पे कि आप चाहो तो पोर्शन भी उठा लो <coughs> अब काम करे कैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम सेट लेता हूँ उसको दो तीन अलग अलग वेराइटी से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए सो दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, थ्री so object और आप देख रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज एसोसिएटेड है प्रॉफिट एंड वेट सो दू सी ऑब्जेक्ट वन प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव वेट एटीन ट्वेंटी फोर फिफ्टीन फिफ्टीन एंड टेन एंड नाउ अवर प्रॉब्लम करें अब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहाँ आप सीखोगे बात सिर्फ ग्रीडी होने की नहीं है ग्रीडी होना तो ओके okay, है लेकिन सही पैरामीटर के यू नो रिगार्ड में अगर आप ग्रीडी हैं तो आप बेस्ट काम करेंगे तो वो कैसे काम करता है नोटिस करिए अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आई थिंक जो सबसे कॉमन सेंस आइडिया है दैट वी शुड बी ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट यही करना था ना सबसे मैक्सिम प्रॉफिट एक्सक्यूज मी सबसे <coughs> मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना था अच्छा यहाँ कहीं लिखा नहीं है सो लेट मी राइट सपोज मैक्सिमम वेट मैं यूज कर लेता हूँ ट्वेंटी तो मैक्सिमम कैपेसिटी मान के चल रहे हैं, कितना लेंगे चलिए शुरू करते हैं अबाउट प्रॉफिट तो बताओ सबसे महंगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा वो उठा लेते हैं ट्वेंटी फाइव पूरा उठा सकते हैं क्या उठा सकते हैं सर क्योंकि इसका कैपेसिटी एटीन है हमारी तो कैपेसिटी ट्वेंटी पूरा उठा सकते हैं तो लेटमी से मैंने ऑब्जेक्ट वन पूरा उठा लिया अब जैसे ऑब्जेक्ट वन पूरा उठाया 20 18 मेरा कैपेसिटी बचा सिर्फ 2 यूनिट्स हालांकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूरा उठाया तो उसका पूरा प्रॉफिट मुझे मिला यानी कि 25 1 क्योंकि मैंने 100% ऑब्जेक्ट पिक किया है नाउ पैसे के हिसाब से देखें तो अगला महंगा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट टू बट पूरा उठा सकते हो क्या नहीं सर पूरा नहीं उठा सकते uh, 15 वेट है हमारी कैपेसिटी सिर्फ 2 की है बट फ्रैक्शन तो अलाउड है

जो कह रहा है ऑब्जेक्ट वन पूरा उठाना है ऑब्जेक्ट टूज टू बाई ऑब्जेक्ट थ्री जीरो कितना प्रॉफिट मिला सो यू हैव अच्छा ये कितना आएगा <coughs> थोड़ी कैलकुलेशन करें थ्री से जाएगा क्या यस सर थ्री फाइव फिफ्टीन एंड थ्री एट तो maybe dollar, rupees, whatever it is. इतना पैसा हम कमा पाए और हमने एक अप्रोच फॉलो की ग्रीडी प्रॉफिट और आप ध्यान से सोचिए क्या सिर्फ प्रॉफिट के रिगार्ड में ग्रीडी होना सेंस करेगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि अगर फॉर एग्जाम्पल पांच सौ रुपए के आलू रखे हुए हैं पटेटो और चार सो नब्बे का पनीर रखा हुआ है या चीज रखा हुआ है तो क्या उठा के लाए आप पाँच सौ का आलू उठा लाए क्योंकि वहां प्राइस ज्यादा है बट सोचने की बात है पांच सौ रुपए के आलू उठा के लाएंगे बहुत वेट होगा सर उसमें है ना पूरी बोरी भर जाएगी पांच सौ रुपए के आलू में बट मे बी अगर आप चीज उठा के लाएंगे तो हो सकता है दो किलो चार किलो दो, दो किलो तीन किलो इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्यों ना एक काम कैसे होंगे उल्टा सोचो ना मैं ऐसा बोलता हूँ हमेशा इसका एग्जाम्पल देने के लिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये ये ना दो हाथ है इसके अंदर चार टॉफी इसके अंदर छह टॉफी है यू कैन बी ग्रीडी अबाउट द सेलेक्शन कौन सा चाहिए ऑब्वियसली उसे सर सिक्स टॉफी दे दो बट इफ आई चेंज द प्रोसेस या तो दो लगेंगे, या तो छह लगेंगे अब बताओ क्या चूज करोगे सर दो चूज करेंगे तो नाउ यू नो जब पेनल्टी होती है तो हम छोटा वैल्यू चूज करते हैं बींग और जब भी फायदा होता है तो हम बड़ा वैल्यू चूज कर, करते हैं अगेन बींग ग्रीडी अब यहां पर अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट फायदा कि नुकसान है वेट तो नुकसान है तो अगर हम बाय वेट ग्रीडी होंगे तो बताओ पहला कौन सा ऑब्जेक्ट पिक करेंगे सर सबसे पहले सबसे हल्का पिक करेंगे Isn't it? जिसका वेट कितना कितना है 10. मैं कैपेसिटी अभी भी कितना लेता हूं? 20 लेता हूं, तो यू टेल मी <coughs> 10 वाला पूरा पिक कर सकता हाँ सर कर सकते हैं तब भी टेन बचेगा तो लीजिए ऑब्जेक्ट थ्री पूरा पिक कर लिया बींग ग्रीडी अबाउट वेट अगला नंबर किसका आएगा ऑब्जेक्ट टू का पूरा पिक कर सकते हैं नहीं क्योंकि हमारी कैपेसिटी सिर्फ टेन ही बची हुई है जबकि उसका कैपेसिटी कितना है फिफ्टीन तो लास्ट वाले तो मैंने पूरा किया तो उसका पूरा प्रॉफिट मेरे को मिला फाइनली फिफ्टीन इन वन कर लेता हूँ ये वाला कितना करूंगा सर इसका प्रॉफिट है ट्वेंटी फोर बट मेरा कैपेसिटी टेन का है उसका वेट है फिफ्टीन का तो आई थिंक मैं टेन बाई फिफ्टीन कंपोनेंट ही इसका पिक कर पाऊंगा और उससे जो पहला है दिस इज टेन बाय फिफ्टीन और टू बाई थ्री है ना और उसका जो पहला है उसका पहला कौन है Uh, उसका पहला ये वाला ऑब्जेक्ट जिसका प्रॉफिट है 25 इस बार सरप्राइजिंगली चॉइस एकदम रिवर्स हो गया इसमें तो मैं कुछ भी पिक नहीं करूंगा <coughs> तो फिर आल से जीरो कितना प्रॉफिट हुआ दैट इज जीरो नाउ दैट इज टू एंड दैट इज थ्री एंड दिस इज एट तो यहाँ मिला 16 और यहाँ मिला 15 सो माय प्रॉफिट दिस टाइम इज थ्री पहले से ज्यादा है कि कम है पहले से तो ज्यादा है पहले ट्वेंटी था इस बार 31 है, बट अगेन एक मिनट रुक के सोच लेते तो समझ लेते हैं क्या किया हमने इस बार हमने सोचा हल्की चीज उठा लेते हैं ले तो इमेजिन करिए अगेन एक किलो आलू रखा है और दो किलो पनीर रखा है आप कॉस्ट देख ही नहीं रहे दो किलो सोना रखा है तब भी छोड़ाएंगे कि यार ये हल्का ये उठा के ले चलते एक किलो आलू ले चलते हैं तो अब आप फाइनली वैसे बाय चांस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा है तो सही पैटर्न क्या होना चाहिए हम कैसे हिसाब लगाते हैं कोई चीज कितनी कीमती है हम दोनों चीज देखते हैं ना हम प्रॉफिट देखते हैं ना सिर्फ वेट देखते हैं हम देखते हैं प्रॉफिट पर यूनिट वेट है ना सिक्स सोना महंगा क्यों है क्योंकि वो यू नो इट इज लाइक 60 65000 ₹ पर ग्राम पर 10 ग्राम पर 10 ग्राम रेट देखते हैं ना चांदी उतने में एक किलो आ जाती है सोना आता है दस ग्राम तो हंड्रेड टाइम हैालची होने से काम नहीं चलेगा सही एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग लालची होंगे तो मजा आ जाएगा और जब मैं ऐसा देखूंगा प्रॉफिट पर यूनिट वेट लुक एट दिस तो मैंने पहले से डिवाइड करके रखा तो समझ आया ओ माई गॉड

पांच ही बचा है इसका वेट टेन है वो मैं 50 पिक कर तो पूरा पिक किया ये मैंने 10, आधा पिक किया और ऑब्जेक्ट वन का तो नंबर नहीं आएगा जिसका प्रॉफिट है ट्वेंटी सो लेट मी से ट्वेंटी इंटू जीरो तो इधर कितना प्रॉफिट हुआ सर इधर मेरे को मिला ट्वेंटी को मिला से

हमारा कंडीशन क्या था कि जो मैक्सिमम वेट है जैसे हमने समेशन करके भी दिखाया ना हर बार मैंने आपको वेट का समेशन करके दिखाया कि कितना वैल्यू है तो कितना कंपोनेंट आपने उठाया वेट uh, उसका क्या था आपने कितना कंपोनेंट उठाया उन सब का समेशन 20 या हमारे केस में जो वैल्यू था 20 था नैपसक से ज्यादा नहीं हो सकता एंड देन वी कैलकुलेटेड द प्रॉफिट ऑफ इट है ना तो ये देखिए हर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई किया पी को उसके एक्साइज से कितना कंपोनेंट आपने उठाया एंड देन यू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट

Uh, इसको जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम भी कुछ लोग बोलते हैं अलग अलग नाम से बुलाते हैं तो इट इज ऑफ़ जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम करते हैं न, कुछ उसी तरह का choice, uh, तो मैं कर देता हूँ हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है यहाँ पे प्रोसेस को फिलहाल प्रोसेस ना बोल के जॉब्स बोलते हैं तो वी है हर जॉब के साथ दो चीज एसोसिएटेड है अ डेडलाइन एंड इज़ अ प्रॉफिट तो किसी प्रोसेस को हमारा काम है उसको हम प्रोसेसर पे शेड्यूल कराए हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा कुछ पैसा मिलेगा लेकिन सिर्फ कब जब हम उसको डेडलाइन से पहले एग्जीक्यूट करते हैं इट लाइक अ रियल टाइम सिस्टम तो हर प्रोसेस के साथ एक डेडलाइन आएगा अगर आपने डेडलाइन से पहले उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको प्रोफिट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा है ना टू मेक द थिंग सिंपल

मैं किस तरह से उसका एक सबसेट पिक करूं सो so दैट मैं इंश्योर कर सकूं मैक्सिमम प्रॉफिट इस बार मैं काउंट की बात नहीं कर रहा हो सकता है चार प्रोसेस रन करने से प्रॉफिट कम मिले दो रन करने से ज्यादा मिले कि किसके साथ कितना प्रॉफिट एसोसिएटेड है तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या है हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट टू गिव एन एग्जाम्पल लुक एट दिस अब यहां देखिए एक टेबल हमारे पास है देर आर फोर टास्क जॉब बोल लो टास्क बोल लो एक ही बात है टी वन टी टू टी थ्री एंड uh, आप देख रहे हैं हर किसी के साथ कुछ प्रॉफिट और कुछ डेडलाइंस है ना द क्वेश्चन इज इन वॉट ऑर्डर और हाउ दे कैन बी एग्जीक्यूटेड कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले ना वट यू कैन डू इज इट्स क्योंकि हम सिंगल शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट यूर लॉट ऑफ टाइम बट मैं दो चार अलग अलग केस स्टडी करके दिखाता आपको क्या करना चाहिए क्या सिर्फ प्रॉफिट के लिए ग्रिडी हो लास्ट प्रॉब्लम में हमने सीखा सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो सिर्फ डेडलाइन के लिए हो दोनों के लिए हो इस बार प्रॉफिट प्रॉफिट को deadline deadline को डेडलाइन डेडलाइन या से डिवाइड तो कर नहीं सकते यू विल नॉट गेट एनी मीनिंगफुल डेटा तो कैसे ग्रीडी होना चाहिए तो हम डायरेक्टली कमिंग टू द कंक्लूजन बट वट आई एक्सपेक्ट कि अगर टाइम है अगर एक दो दिन में पेपर नहीं है कल सुबह पेपर नहीं है तो फिर आप दो चार बार ट्राई करके देखो कि क्या अप्रोच होना चाहिए अदरवाइज आई प्रोसीड तो आइडिया क्या है फर्स्ट उट प्रॉफिट प्रॉफिट तो भाई बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया सबसे पहले प्रॉफिट देखना है पॉइंट नंबर वन एंड देन आफ्टर बींग ग्रीड अबाउट प्रॉफिट यू हैव टू बी अग्रेन ग्रीडी अबाउट डेड लाइन इन वट मैनर ट्राई टू एक्जीक्यूट इट एज लेट एज पॉसिबल तो करना क्या है सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉफिट उठा लीजिए सर ओके वट इज द सबसे बड़ा प्रॉफिट इट इज लाइक जस्ट टी वन जिसका प्रॉफिट है हंड्रेड यूनिट यस yes, और इसका डेडलाइन है टू ना तो फिर जल्दी क्या है है ना आज करे सो कल कर कल करे सो परसों करने की क्या जल्दी है दिन पड़े बरसों सबसे लेट रन करिए तो रेट लेट रन करेंगे तो टू से पहले तो करना पड़ेगा इंश्योर कर लिए अब बताइए सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है सर सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट ट्वेंटी सेवन इसका डेडलाइन है टू इसको इधर रन कर सकता हूं इसका तो टू है अबे डेडलाइन का मतलब है कि इसके बाद नहीं कर सकते पहले तो कभी भी कर सकते हैं सो दे यू सी मैं इसको इधर रन कर देता तो हूं इसका मतलब मैंने डेडलाइन वन वाला किसी प्रोसेस को ऑनर नहीं किया मेरे को लगा जरूरत ही नहीं है ऐसे ही हैंडल हो जाएगा एंड देयर बाय आई एन श्योर्ट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी सेवन वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन यूनिट ऑफ प्रॉफिट इतने छोटे केस में कई बार ऐसा हो सकता है आप बोलो नहीं नहीं सर मेरा एल्गोरिथमिक अप्रोच कुछ और था और उससे भी सही सॉल्यूशन आया इस पे नहीं आएगा बड़े केस में जाएगा तो मैं दोबारा याद दिला रहा हमें क्या करना है हमें सबसे पहले सबसे मैक्सिम प्रॉफिट उठाना है हर इटरेशन में एंड देन वी ट्राई टू एग्जीक्यूट एज लेट एज पॉसिबल जितना लेट हो सके उतना लेट हम रन करते हैं तो बताइए श्रीमान कहां से शुरू करें मैक्सिमम प्रॉफिट इज आई थिंक थर्टी फाइव यूनिट थर्टी फाइव

यस yes, तो मैं दोबारा कंक्लूड कर देता हूं ग्रीडी से सोल्व किया प्रॉब्लम की कंडीशन बता दी थी क्या क्या कॉन्स्टेंट थे सोल्व कैसे किया स्टेप नंबर वन विल बी ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट एंड देन जो भी उस समय का मैक्सिम प्रॉफिट होगा विल ऑलवेज ट्राई टू एक्जीक्यूट एज लेट एज पॉसिबल डेडलाइन से पहले लेकिन है ना तो बाय दिस वे हम इंश्योर करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले नाउ आपको so, so, ब्रीफ में समझाता हूँ एंड देन स्टेप बाई स्टेप पूरी प्रोसेस समझेंगे तो हाफ मैन कोडिंग एक तरह का डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है वट इज डेटा कम्प्रेशन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अब उसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है या इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसको कंप्रेस कर लेते हैं आपने बता ना सिस्टम में भी विंसिप होता है कंप्रेस करते हैं फाइल को सेम लॉजिक है अब वो कंप्रेस करते कैसे हैं ग्रीडी होके करते हैं और एक मैथमेटिक्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं क्या, है? क्या क्या एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गेट में नेट में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता ही आता है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक ग्रीडी पे जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग है याद रखिएगा सो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी हाफमेन कोड इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टीमल प्रिफिक्स कोड कॉमनली यूज फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन तो अभी ऑप्टीमल है इसका मतलब भी समझाऊंगा प्रिफिक्स कोड क्या है इसका मतलब भी समझाऊंगा विद एन एग्जाम्पल ये समझ लीजिए इट्स अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो कंप्रेशन भी दो तरह के होते एक बोलते लॉसी बोलते लॉसलेस कभी कभी होता ही है कि कंप्रेस करते करते ना हम डेटा को इतना ज्यादा कंप्रेस कर देते कि वो कभी दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आता इस तरह के कंप्रेशन को बोलते हैं लौस, लॉसी कंप्रेशन जैसे खासकर ऑडियो है वीडियो है इमेजेस है वहां पे इस तरह का यूज किया जाता है बट डेटा पे तो ऐसा नहीं कर सकते है ना अगर कोई अल्फाबेट है तो वही अल्फाबेट एग्जैक्टली चाहिए वरना बात का पूरा मतलब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हाफ इज एन एक्साम्पल ऑफ लॉसलेस यानी कि जो डेटा आपको ओरिजिनल था एक्जेक्टली वही सेम डेटा वापस ला देंगे देंगे इज गोइंग टू बी नो चेंज

एस मान लीजिए मास्टर्स मास्टर्स डिग्री कर रहे थे और इन्होंने उस समय पेपर kind of so, इससे कम पे आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो क्योंकि है और ज्यादातर केस में ग्रीडी ऑप्टीमल भी जनरेट करता है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दैट अब इसके पीछे कहानी क्या है कहानी समझिए इन फिफ्टी वन डेविड हाफमैन एंड his MIT information theory classmate was given a choice of term paper or a final exam. तो ये और इनके classmate थे जिनको option दिया गया या तो आप एक term paper लिख सकते हैं means either you can write a research paper or you can write a final exam. अगर आपने एक अच्छा paper लिखा then you can skip your exam. आपको exam लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है uh, The professor Robert M. Fenno assigned a paper term ऑन द बाइनरी कोड रॉबर्ट में बड़े इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी जगहेंगी तो मोस्ट एफिशियंट वॉज अबाउट टू गिव एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर दी वॉज हिट अफ यूजिंग फ्रीक्वेंसीज टोअर्ड बा

हु हैड वर्कड विद क्लाउड शेनन टू डेवलप अ सिमिलर कोड बिल्डिंग द ट्री फ्रॉम बॉटम ऑफ गारेटी मजे की बात क्या है जब हाफ मिन ने पेपर पब्लिश किया तो उनके प्रोफेसर फेनो और जो क्लाउड शन थे ही इज ऑल्सो राउंड नेम इन्होंने इनका जो ऑलरेडी काम था उससे भी एफिशिएंट कोड जनरेट कर दिया मानो स्टूडेंट ने प्रोफेसर से भी अच्छा कोड डेवलप कर दिया एंड देन प्रूव कर दिया कि उनका जो कोड है वो ऑप्टीमल भी है तो ये एक पूरी स्टोरी है विच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है ना आपको पता होना चाहिए अब मैं आता हूं हाफमैन के ऊपर अभी ये सारे पॉइंट्स मैं स्किप कर रहा हूं आई विल टेक एन एग्जांपल और फिर उस एग्जांपल से आपको पूरी बात बताऊंगा तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि फिलॉसफी क्या है हाफमैन की ना देन एग्जांपल आपको समझ आएगा देखो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें व्हाट डू वी हैव वी हैव फोर लेटर्स ए बी सी डी बस एक मैसेज है जिसमें सब कुछ नहीं जाना

तीन एक सिंबल और लगा लेता हूँ e लगा ले तो गया अभी दो बिट्स से तो चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा सर है ना तो लेट मी डू वन थिंग एक तीन बिट का कोड लगा लेते हैं और ऑब्वियसली आगे के जो कॉम्बिनेशन है दे आर काइंड ऑफ अनयूज्ड डोंट केयर है लेकिन

और डिस्टेबल टू बी प्रोसाइस हाफमैन ने क्या किया एक बार स्टडी किया इंग्लिश के अंदर टोटल ट्वेंटी सिक्स हैं और क्या हर अल्फाबेट के अकड़ होने की पॉसिबिलिटी फ्रीक्वेंसी सेम है क्या तो ही फाइंड नहीं ऐसा नहीं है लुक एट द कंक्लूजन तो यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ आता है शायद आप भी इस बात से कोरिलेट करेंगे कि ई इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड तो थर्टीन परसेंट ऑफ द टाइम इंग्लिश में अगर कुछ भी करें इंग्लिश स्टार्ट विद ई ओनली है ना तो यहाँ पर थर्टीन परसेंट सबसे ज्यादा ई e आता है उसके बाद सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी बट सेकेंड हाइएस्ट नंबर पे टेन पॉइंट फोर सेवन परसेंट में आप देख रहे हैं कौन आ रहा है टी आ, आ रहा है सिमिलरली थर्ड हाइएस्ट कौन होगा इज इट एट यस

जो कि ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं लाइक ई है लाइक ओ है लाइक टी है उनको कम लेंथ के कोडवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अब 26 लेटर है ना है ना तो 26 सिक्स टू का पार फाइव इज थर्टी टू पांच बिट का कॉम्बिनेशन तो चाहिए चाहिए लेट्स डू वन थिंग इन सबको सिर्फ तीन बिट के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं बट ऑब्वियसली तीन से तो हम आठ ही कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो उससे होगा ये कि जब कुछ स्पेसिफिक जो कोड है उनके लिए लेंथ कम होगी बाकियों के लिए कोड पांच से भी ज्यादा हो जाएगी कैसे होगी भी आगे समझाऊंगा बट अगेन इन जनरल हम ओवरऑल फायदे में रहेंगे क्यों क्योंकि कम वो लोग जिन पे हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है उनको हमें कम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वो जिन पे खर्चा कम हुआ इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे वट इज द आइडिया मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ ना लुक एट दिस फिर ए क्वेश्चन फिर से खुद से भी सॉल्व करेंगे यहां देखिए इन्होंने बताया अगेन ए बी सी डी ई एफ है ना ऐसे पांच सिंबल हमारे पास हैं और ये जो लिखा है फ्रीक्वेंसी लिखा मान लो तो हंड्रेड आउट ऑफ तो बता रहे सौ में से फोर्टी फाइव टाइम्स तो ए ही आता है, D, 16, B, 13, C, 12, 5, है ना ये हमारी कहानी है तो अब कहाँ से गेम शुरू होता है वट वी डू हम कहते हैं इन सब में जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे कम है वो दो वैल्यू उनको पिक कर लो तो बताओ कौन सा दो है जिनका फ्रिक्वेंसी सबसे कम है सर आई थिंक दिस इज फाइव एंड नाइन है ना अब उनको लेके हम एक ट्री बनाएंगे जैसे जैसे मैं हम बोलना चाहिए था स्टेप बाय स्टेप उनको लेके हम ट्री बनाएंगे और उसमें भी ध्यान रखना है कि छोटा वैल्यू लेफ्ट में रखो बड़ा वैल्यू राइट right में रखो ठीक है तो ऐसे ही हमने किया फाइव लेफ्ट में रखा नाइन राइट right में रखा ये जीरो वन अभी छोड़ दो या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हमेशा ध्यान रखना है ये क्यों कर रहे हैं आगे देखेंगे बट लेफ्ट में रखो जीरो राइट right में रखो वन है ना और अब आप ऐसा करके देखोगे तो फाइव प्लस नाइन कितना गया फोर्टीन ये कहानी ना दैट इज स्टेज टू अब मैं फिर से आपसे पूछूंगा फिलहाल इस स्टेज में कौन दो है जो मिनिमम है सर इस स्टेज में आई थिंक ट्वेल्व और मिनिमम ऐसा नहीं कि जो ट्री बन गया इसी में कनेक्ट करना है ना इसकी कॉस्ट फोर्टीन है मेरे पास 12 और, 13 और 14 वाला टच नहीं ट्वेल्व और थर्टीन और को यूज करूंगा तो कितना आएगा सर ट्वेल्व और थर्टीन मिलकर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और ये देखिए इसको ध्यान रख रहा है कि हमेशा सॉर्टेड रखे तो अब मेरे पास फोर्टीन है सिक्सटीन है ट्वेंटी फाइव है फोर्टी फाइव है हर रिटरेशन में यही करना है दो सबसे छोटे कौन है उसमें भी जो छोटा है वो लेफ्ट में होगा जो बड़ा है वो राइट में होगा यस yes, तब बताओ फोर्टीन और सिक्सटीन में अच्छा फोर्टीन और सिक्सटीन दो सबसे छोटे चलिए मर्ज कर दीजिए फोर्टीन सिक्सटीन में कौन छोटा है 14 छोटा है तो दैट विल बिकम द लेफ्ट ट्री और ट्री दिस इज राइट लेफ्ट में जीरो राइट right में बन व्हाट इज फोर्टीन प्लस अगेन दो सबसे छोटे कौन है ये दो सबसे छोटे हैं, इनको मर्ज करो सो ट्वेंटी एंड सॉरी ट्वेंटी फाइव तो ये इधर आ गया फोर्टी फाइव इधर आ गया एंड फाइनल लेवल पे फिर से आप मर्ज करेंगे I think अभी तक प्रोसेस एकदम क्लियर है

अब पांच सिंबल में आपको समझाना रहा अगर हम इन जनरल भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते तो कम कम तो हैं जीरो, 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 जीरो वन दिस। अब यहां पर देखिए जरा आपको कोडवर्ड बताता हूँ फिर वो परफिक्स प्रॉपर्टी वाली बात भी समझाता हूँ किसी का भी कोडवर्ड कैसे देखना है रूट से चलना है उसकी तरफ तो देखिए रूट से ए पे जाएंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा बी पे जाइए वेर इज बी देर इज बी वन जीरो वन लुक एट दिस वन जीरो वन सी पे जाइए सी भाई सब बैठे बैठेंगे यही बैठा है वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो डी पे आ जाइए डी कहां है वन 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 पर ई e कहाँ है ई वन वन जीरो वन 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 जीरो वन एफ भी है एम सॉरी एक दो तीन चार पांच छह अच्छा छह सिंबल है अब देखिए मैं फिर से पूछता हूं अगर हमने कोई हाफ मैन कोडिंग नहीं किया होता तो कितना खर्चा होता सर उस केस में तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि हर किसी को तीन तीन बिट का सिंबल हमने दिया होता अब यहां पर आप देख रहे हो जो मैं आपसे बोल रहा था ना ए क्योंकि ज्यादा बार आ रहा है उसे तीन का नहीं दिया उससे सिंगल बिट का सिंबल मिला सिर्फ जीरो मतलब ए है यस लेकिन उसके चक्कर में आ, आप देखेंगे डी सी बी सी और डी पे कोई फर्क नहीं पड़ा वो तीन बिट के ही हैं बट ई e और एफ पे फर्क पड़ गया वो चार चार बिट के हो गए कोई बात नहीं बट हम बोल रहे हैं ओवरऑल हम फायदे में रहेंगे कैसे फायदे में रहेंगे अभी देख लेते हैं तब आप मुझे बताइएगा क्योंकि टोटल सम हंड्रेड आ रहा है तो दिस इज नथिंग बट प्रोबिलिटी अब यहाँ देखिए ए का खर्चा क्या है सिंगल बिट का खर्चा है और ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कैन आई राइट पॉइंट फोर फाइव ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ हंड्रेड ना फोर्टी फाइव टाइम्स आ रहा है यस बी का खर्चा क्या है सर बी का खर्चा है थ्री बिट्स का और बी के आने की पॉसिबिलिटी क्या है आई थिंक पॉइंट वन थ्री दिस इज इट देन सी का खर्चा भी तीन बिट का है आने की पॉसिबिलिटी क्या है सी का पॉइंट वन टू फिर आगे बढ़ते चलिए ए बी सी डी का खर्चा देखते डी का खर्चा कितना है डी का खर्चा भी तीन बिट का है आने की पॉसिबिलिटी क्या है पॉइंट वन सिक्स फिर आगे बढ़ते हैं ई e का खर्चा e का खर्चा है फोर फोर बिट्स का यहाँ नुकसान में हमें लेकिन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है पॉइंट जीरो नाइन और f का खर्चा है अगेन फोर बिट का बट आने की पॉसिबिलिटी है दोबारा नोटिस करें इस बात को कि जहां जहां खर्चा बढ़ा है जहां नुकसान हुआ है नुकसान कम बार हुआ है प्रॉफिट ज्यादा बार हुआ अभी देखते टोटल सम करके कितना आता है सो so दिस इज यहाँ लिखना शुरू करूं दिस इज पॉइंट फोर फाइव ये कितना हो गया पॉइंट थ्री नाइन

तो लेट मी राइट टू थ्री कैरी गया नाउ थ्री प्लस फोर इज सेवन सेवन एंड थ्री टेन टेन एंड सेवनटीन ये ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी एंड टू ट्वेंटी टू सो बेसिकली टू यहां का क्या मतलब है फिर वही बात पहले कितना खर्चा हो रहा था सर पहले खर्चा हो रहा था तीन सिंबल का आ, तीन, तीन बिट्स का हर सिंबल पे अभी हर सिंबल पे टू पॉइंट टू टू का खर्चा हो रहा तो बताओ फायदे में कि नुकसान में फायदे में और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फायदे में है ना लगभग मान लीजिए कंप्रेशन रेशो अगर रेशो निकालना है तो अगेन दिस

किसको बड़ा कोड देना है जिसके आने के चांसेस कम हो है ना कोड देना कैसे है अगेन हर इटरेशन में दो मिनिमम पकड़ते जाओ अटैच करते जाओ एंड ब्ला ब्ला इन द अपॉन ट्री कोड कैसे जनरेट करना लेफ्ट में जीरो राइट right में वन लेफ्ट में जीरो राइट right में वन कोड भी आ गया क्या इंप्रूवमेंट है वो आ गया पूरी कहानी समझ आ गई यस yes, तो अगर मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊं अब कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं द आउटपुट ऑफ हाफ मैन अ वेरिएबल लेंथ कोड टेबल फॉर एनकोडिंग सोर्स सिंबल ये बात तो ठीक है वही मैं आपसे बोल रहा हूँ सबका अगर हाफ मैन न यूज करते तो सबका कोडवर्ड का लेंथ क्या था सेम था तो हाफ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कोड और वेरिएबल लेंथ कोड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल लेंथ कोड है ना इट ऑलवेज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अब ये समझाता हूं। prefix property का क्या मतलब है ये हमारा कोडवर्ड था जरा नोटिस करो क्या कोई भी कोडवर्ड किसी दूसरे कोडवर्ड का प्रिफिक्स है क्या मैं एग्जांपल से समझाता हूँ मान लीजिए मेरे पास तीन चार वर्ड हो ए बी सी डी और मैं आपसे बोलूं सर ए का कोड वर्ड है जीरो बी का कोड वर्ड है जीरो वन सी का कोड वर्ड है और डी का कोड वर्ड है लेट मी से जीरो, वन, वन, जीरो. प्रॉब्लम क्या है जब आपने सेंडर को भेजा रिसीवर को भेजा ए जीरो भेजा मान लीजिए अब रिसीवर कंफ्यूज है क्या मैं इस जीरो को ए मान लू या मैं वेट करूं जीरो के बाद वन आने का और उसको मैं बी मानूं प्रॉब्लम है ना आपका एक कोड दूसरे कोड का प्रिफिक्स है ये नहीं होना चाहिए दैट इज अ प्रॉब्लम पे देखिए ये उल्टा है प्रॉपर्टी <laughs> का मतलब है कि कोई कोड किसी दूसरे कोड का प्रिफिक्स नहीं होगा दैट इज प्रस प्रॉपर्टी तो जीरो वन जीरो वन का या वन जीरो वन आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक कोडवर्ड दूसरे कोडवर्ड का पूरा प्रिफिक्स बन जाए तो वही उस बात को यहाँ लिख के बता रहा है एल्गोरिथम दिस टेबल फ्रॉम द एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ द द अकरेंस वेट हमने बता दिया कौन किस फ्रीक्वेंसी से आएगा उस बेस पर हम टेबल बनाते हैं एंड एंड वी देन ऑप्टिमल कोड वर्ड जनरेट होता है मेथड से लॉजिक मैंने आपको बता दिया दिस इज अ कोड नोबडी विल गोइंग टू आस्क यू बट स्टिल एक बार देखिए क्या कर रहे हैं टोटल हाफ मैन जनरेट करना है कि एक लूप चला एलोकेट किया जेड लेफ्ट और राइट एक्सट्रैक्ट मिन किया

अब यहाँ पे दो बड़े प्रॉब्लम हम टैकल करेंगे दो बड़े टू बी तो प्रसाइस क्रोसकल एंड प्रेम्स ये दोनों आ जाते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर तो एक प्रॉब्लम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम क्या पहले वो प्रॉब्लम समझेंगे एंड एंड देन हैव बोथ द एल्गोरिथम्स क्रुस्कल प्रिम्स दोनों के दोनों ग्रीडी का ही आइडिया है बट मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली गेट नेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्लेसमेंट्स सब नॉट प्लेसमेंट्स इन जनरल बट आपका सेमेस्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पूछा जाता है तो पहले बेसिक समझते स्पैनिंग ट्री होता क्या है एंड देन आई गो वन बाय वन फर्स्ट विद क्रुस्कल देन विद प्रिम्स हमें कई बार देखा है

तो स्पैनिंग ट्री हमेशा एक होगा इसके कॉन्टेक्स्ट में तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड स्पैनिंग ट्री सिमिलरली आप देखोगे तो यहां पर भी एक सबग्राफ आपने जरूर लिया बट इसके अंदर तो साइकिल भी है इसे हटा दो वट इज अ ट्री अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट अ ट्री नाउ लुक एट दिस दिस इज सबग्राफ ऑफ अ मेन ग्राफ दिस इज कनेक्टेड एंड इट डज नॉट कंटेन एनी साइकिल तो ये सब ग्राफ भी है इसमें कोई साइकिल भी नहीं है परफेक्ट तरह से यह ट्री भी है दिस इज कॉल्ड अंग ट्री तो अभी अभी भी याद रखिए मैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी भी स्पेनिंग ट्री की बात कर रहा हूं तो वट इज स्पेनिंग ट्री अ सब ग्राफ ऑफ अ मेन ग्राफ विच कंटेन ऑल द वर्ड एंड डू नॉट कंटेन अल्ड कनेक्टेड इज कॉल्ड ट्री ट्री इज सेट टू स्पेनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी

और आई थिंक कोई कोई सर्किल भी नहीं है कोई साइकिल भी नहीं है इट्स अ ट्री यस इट्स अ अ वैलिड वैलिड स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री ट्री नाउ लुक लुक एट एट दिस दिस वन इज इट हाँ सर ये भी एक वैलिड स्पैनिंग ट्री ये भी परफेक्ट तरह से काम कर रहा है दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं यस नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं वेट क्या है इसका वेट क्या है तो एक एज लिया ऑफ अ वेट फोर एक लिया फाइव का एक लिया टू का

हमारा काम है वो स्पैनिंग ट्री फाइंड करना जिसका वेट मैक्सिमम हो मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम हो हो सो आई थिंक विल वर्क मैक्सिम है आइडिया जिसका, so जिसका इस्तेमाल करते हैं एंड नाउ लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट स्पैनिंग ट्री प्यारसे से क्या बुलाएंगे और मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री इज सबसेट ऑफ द कनेक्टेड एजुएटेडेदर विदाउट एनी साइकिल एंड विद मिनिम पॉसिबल टोटल एजुवेट सो दिसंट टू बी नोटेड है ना तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गया एक और बात मैंने ये तो आपको बताया कि मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं उसमें से हमें मिनिमम आइडेंटिफाई करना एक और छोटा सा प्रॉब्लम यही पे समझते चलते हैं क्या एक से ज्यादा मिनिमम मेट वाले भी स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं जी हाँ ऑप्टीमैलिटी गारंटीड है यूनिकनेस गारंटीड नहीं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मुझे मिनिमम आइडेंटिफाई करना आई थिंक ये वाला एज तो मेरे को लेना पड़ेगा दिस एज आई ऑल्सो टेक बिकॉज ये वन है नाउ दू सी अगर मैं इसका नाम ए रख दू इसका बी रख दू कनेक्ट करने के लिए दोनों में से कोई एक मेरे को चाहिए ट्राइंगल है बट दोनों का वेटी टू है है ना तो आई इफ आई टेक ए और इफ आई टेक बी आई थिंक दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस सो पॉसिबिलिटी सिमिलरली यहां देखो ये वन में ले लेता हूँ ये भी ले लेता हूं टू मेक द कनेक्शन एज स्ट्रॉग एज पॉसिबल एंड ये सारा कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है नाउ यू सी इफ आई नेम देम एक्स एक्स वाई वाई जेड तो जेड में से कोई भी एक एज मेरे को लेना पड़ेगा सो दैट मैं इस वाले से कनेक्ट कर सकूं बट सबका वेट ही टू है तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल वेट जो आएगा वो आएगा सॉरी टू बी प्रोसाइज हाउ मेनी डिफरेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल आई थिंक सिक्स इज द करेक्ट आंसर या तो उधर से एक्स ले लो इधर से आइदर यू टेक ए और यू टेक बी उधर से वाई लो इधर से आइर यू टेक ए और यू टेक बी या इधर से जेड ले लो इधर से अगेन यू टेक ए और यू टेक बी सो सिक्स डिफरेंट यू नो पॉसिबिलिटीज आर देयर मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तो ये भी एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है जो पहली हमने क्लियर कर लिया बात सिर्फ स्पैनिंग ट्री की नहीं है मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी एक से ज्यादा हो सकते हैं नाउ जो पहला पॉपुलर एलगोरिदम है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए दैट इज नोन एज क्रुस्कल एल्गोरिदम है ना अगेन जैसा हम थोड़ी थोड़ी स्टडी करते चल रहे सभी साइंटिस्ट की सो so दैट आपको थोड़ा मजा भी आता रहे सो जोसेफ जूनियर एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड अ साइकोमेट्रिशियन मेरे को नहीं पता है क्या होता है यस yes. अच्छा मजे की बात किया जस्ट गोइंग थ्रू द विकीपीडिया कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिले सो क्रुस्कल थ्री ब्रदर्स और कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें सब बच्चे पढ़ने वाले बहुत अच्छे हूँ तो प्रॉब्लम ही आस पड़ोस के बच्चों को जाती है उनके घर वाले हमेशा दिखाते ना ना लाइक देख वो क्या कर रहा है ना लुक एट दिस क्रुस्कल के बाकी दोनों दोनों भाई ये भी टॉप क्लास प्लेयर थे मार्टिन डेविड क्रुस्कल एंड विलियम हेनरी क्रुस्कल द मार्टिन डेविड क्रुस्कल वॉज अगेन अमेरिकन मैथामेटिशियन फिजिसिस्ट ही मेड फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेनी एरियाज ऑफ मैथामेटिक साइंस रेंजिंग फ्रॉम प्लाज्मा फिजिक्स टू General relativity and a non-linear analysis to asymptotic analysis. His most celebrated contribution was in the theory of solitons. I don't know what is that. Yes. William Henry Kruskal. Again, as an American mathematician, statistician, he is best known for having formulated Kruskal-Valley's one-way analysis of, var of variance, a widely used non-parametric statistical method. तो भाई साहब तीनों भाई एक से बढ़ के खैर हमारा लेना देना है जोसफ बर्नाल क्रुस्कल से जिसके ऊपर अप्रोच अप्रोच छोटा एच उठाने का साहिल बने तो भगा देने का एंड जब तक ग्राफ कनेक्ट ना हो तब तक चलते जाने का दैट इज इट तो व्हाट इज टू बी डन अभी एलगोरथिन में उसको कितना कॉम्प्लिकेट करके लिखना भगवान जानता है बहुत बेसिक सी बात है क्या नाउ दिस इज अ ग्राफ

आई थिंक फोर इज देयर अगला नहीं है. Seven is there. कोई cycle तो बन नहीं रहा है एट नहीं है nine नहीं है. टेन बट कैन आई टेक दिस टेन नो इसको मैं कंसिडर करता हूँ सर देर विल बी साइकिल तो मैं नहीं ले सकता और मेरे को तो क्लियर तो कट नजर आ रहा है ये इधर कनेक्ट हो गया इधर कनेक्ट हो गया इनको आपस में कनेक्ट करना है सबसे छोटा एज आइदर आई कैन गो फॉर दिस 22 और दिस 22 डजंट मेक एनी डिफरेंस एक बार चेक करो ना भाई हो गया क्या आई थिंक हो गया सारे एजेस इस तरह से कंसीडर कर लिए गए हैं कि आई थिंक ऑल द वर्टिसेस आर कनेक्टेड है ना और जो वेट है वो भी आप नोटिस करिए शायद हमने मिनिमम पॉसिबल वेट में ही किया है आई डोंट थिंक कि इससे कम वेट में हम इसको कर पाएंगे सो दिस इज आईडिया यूजिंग विच क्रुस्कल काम करता है तो क्रुस्कल एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है समझ आ गया क्या सबसे छोटा वेट उठाओ शॉर्ट करो एड करते जाओ और तब तक एड करते जाओ जब तक ग्राफ कनेक्ट ना हो जाए या साइकिल ना बन जाए की बात है यस एंड नाउ दैट इज अ स्पेसिफिक एल्गोरिदम जिस तरह से कोरमेन इस बात को समझाते हैं तो आई डोंट नो एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं बोलता है बट स्टिल मैं एक बार एलगोरिदम से के हिसाब से भी आपको समझा देता हूं कि हाउ वी प्रोसेस इट सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन जिसको एलगोरिदम के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं तो फर्स्ट लेट मी डू वन थिंग लेट मी जस्ट हैव दिस एम्प्टी वर्टिसेस है बना लेता हूं। पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा सॉल्यूशन है फाइव इनिशियलाइज कर रहा हूँ सॉल्यूशन है ए बाद में ए रिटर्न करेंगे इनिशियलाइज किया से फॉर एवरी वर्टेक्स ऑफ़ द ग्राफ़ डू मेक्स सेट बेसिकली इसका अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने का एलगोरिदम में हम करते ये है हर वर्टेक्स को अपने आप में एक ट्री मान लेते हैं लाइक अ सॉर्ट वो डिवाइड करते जाते हैं कब तक कब तक कब तक जैसा भी था कुछ घंटे पहले आई होप कि वो यू नो एवरी एवरी सिंगल एलिमेंट अ अरे सिंगल एलिमेंट एरे वो सॉर्टेड है सिमिलरली ये सब अलग अलग वर्टेक्स है मान लेते हैं ये सब अपने आप में ट्री है और अब हम क्या करेंगे इनको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे ये अप्रोच है तो बस एक सिंबॉलिक फंक्शन हमने रन कर लिया ये मानने के लिए फिर कह रहा भी हो सकता है तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ या तो बढ़ेगा या तो बराबर रहेगा तो बेसिकली इस तरह से सॉर्ट कर लिया नाउ दैट इज अ फन करना क्या है कोई भी एक एज लीजिए आप है ना विद द स्मॉलेस्ट वेट नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो बताओ सबसे कम वाला वेट कौन सा है ये है एंड आप एक फंक्शन रन करोगे फाइंड सेट नाउ व्हाट इज अ फाइंड सेट फंक्शन अभी धीरे धीरे जब कोड चलेगा तो आपको समझ आएगा फाइंड सेट जब किसी भी वर्टेक्स पे आप कॉल करते हो तो ये सारे वर्टेक्स रिटर्न करता है जो उस वर्टेक्स से रीचेबल है फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कंसिडरेशन है ये एज टू तो मैं बी uh, और ई e को कंसिडर करूंगा फिलहाल अगर मैं बी पे फाइंड सेट कॉल करूं तो बी तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है मेरे को बी ही मिलेगा ई e पे फाइंड सेट कॉल करूं तो मेरे को ई e ही मिलेगा क्या दोनों के फाइंड सेट सेम है नहीं ये सिर्फ बी है ये सिर्फ ई e है और अगर फाइंड सेट दोनों का सेम नहीं है यहाँ पर हम मैं यू और बी मान रहा हूँ तो आई कैन इंक्लूड दैट एज इन द ग्राफ सो बेसिकली नाउ आई विल इंक्लूड दिस एज विदेट टू पॉइंट क्या है अगर एज लगाएंगे तो एज लगाते तो हुए खतरा कि यार साइकिल ना बन जाए यही खतरा है ना अगर दो वर्टेक्स के बीच में साइकिल है इसका मतलब वो पहले से कनेक्टेड थे isn't it? इसको ऐसे इमेजिन करो आप ए और बी ऐसा ग्राफ बना दू सी और डी अब अगर मैं ए और बी को कनेक्ट करूंगा साइकिल बनेगा बट साइकिल बन रहा है इसका मतलब एक रास्ता पहले से था तब तो साइकिल बनाना अब यहां पर आप फाइंड सेट ऑफ ए रन करोगे तो आपको मिलेगा ए सी डी बी आप बी पे फाइंड सेट रन करोगे आपको मिलेगा बी डी ए सी यानी कि बेसिकली दोनों की तरफ सेम मिला तो अगर दो लोगों का फाइंड सेट सेम है इसका मतलब वो पहले से कनेक्टेड कनेक्टेड है connected और मैं एज लगाऊंगा तो साइकिल बन जाएगी तो यहाँ देखिए एज कब लगाएंगे जब फाइंड सेट डिफरेंट होगा है ना बहुत सारी बात बोली बट एकदम परफेक्ट बोली है कहीं कंफ्यूजन है रिवाइंड करके देखना आगे बढ़ू अभी अब बताओ टू वाला तो कंसिडर कर लिया अगला स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेट कौन है ई एफ ए What is set of e? e? के set में आएगा? E और B. F के में में आएगा आएगा और सिर्फ एफ दोनों अलग अलग है खतरा नहीं है आई कैन find नाउ of सेट ऑफ एंड सी की तरफ से चल रहा हूँ राइट नाउ फाइंड सेट ऑफ इज ओनली एंड फाइंड सेट ऑफ इज ओनली सी सो विदाउट एनी डेंजर आई कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो है ना ग्राफ बढ़ते जा रहा है फिर आगे बढ़िए थ्री हो गया और कोई थ्री वाला बचा क्या नहीं सो आई थिंक नाउ वी कैन टारगेट फोर वाले एजज व्हाट इज फाइंड सेट ऑफ जी इज जी ओनली बिकॉज़ जी इज नॉट कनेक्टेड टू एनीबॉडी व्हाट इज फाइंड सेट ऑफ एफ इट इज एफ ई एंड बी ये बिल्कुल काम कर रहा है सो लेट मी इंक्लूडेड इट व्हाट इज फाइंड सेट ऑफ और कोई 4 वाला है क्या हां

जब मैं फाइंड सेट ऑफ जी निकालूंगा तो अगेन ये सारे आएंगे बिकॉज इज रीचेबल फाइंड सेट ऑफ ई निकालूंगा तो भी सब आएंगे बिकॉज इज रीचेबल इस बात का मतलब क्या है दो लोगों का फाइंड सेट सेम आ रहा है यानी कि उनके बीच में पहले से रास्ता है और अब मैं कनेक्ट करूंगा तो साइकिल बन जाएगी सर तो मैं इसको क्योंकि कंडीशन फेल होगी दोनों का फाइंड सेट सेम आएगा तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा सो दिस एज विल बी गॉन सेम आर्ग्यूमेंट पे ये एज भी चली जाएगी और एक फाइव वाला आई थिंक ये जरूर कनेक्ट होगा बिकॉज डी अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है और बाकी ये सब भी फाइन की वजह से बाहर हो जाएंगे सो अगेन यू गेट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड नाउ यू गैटमो नो हाउ स्पेसिफिकली या स्पेसिफिकलीरमेन एग्जीक्यूटेड यस रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये एग्जैक्टली मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ से एज फार एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न सी इन केस ऑफ ग्राफ ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे अपने आप में एक सिंगल शॉर्ट बनाया जा सकता है तीन तीन चार चार घंटे का The reason is कि ग्राफ के केस में how you implement a graph, है ना उस बेस पे डिपेंड करता है आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिलेगी एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा एंड दैट मे वेरी सो एक detailed analysis है कंसर्न इवन मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी ग्राफ पे बहुत डिटेलिंग में जाते लोगों को देखा नहीं बेटर की भी बात कर, नहीं कर रहा हूँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ लॉग ई लॉग ई या फिर उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हैं इफ वी यूज द बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम पॉसिबल देन ऑर्डर ऑफ इ लॉग वी तो क्या है अगर मैं नंबर ऑफ एजेस है ना और ऑब्वियसली दिस इज लॉग बेस टू सो ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी या फिर ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई लिखते हैं सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन विच वी कैन रन अ क्रुस्कल एल्गोरिदम इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम यूजिंग द मोस्ट ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर पॉसिबल यस सो दैट इज ऑल विद क्रुस्कल अच्छा इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है यू कैन ट्राई दम इन होमवर्क Uh, you know, कर ट्राई करना खत्म होगी बात है इसकी नाउ द नेक्स्ट एल्गोरिदम इज प्रिम्स अब प्रिम्स की क्या कहानी है और कैसे प्रिम्स आगे बढ़ता है इसके बारे में आपको बताता हूँ ये कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी है प्रिम्स की क्यों बिकॉज तीन लोगों का कहना है अलग अलग टाइम पर उन्होंने काइंड ऑफ पब्लिश नहीं किया अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो बट प्रिम्स एलगोर हमने डेवलप किया अब इन को फिर 1930, back, नाम आप पढ़िएगा ये साहब की फोटो मैं ढूंढ के ले आया लेटर रीडिस्कवर्ड एंड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट रॉबर्ट सी प्राइम इन सेवन ये फोटो ले आया एंड इन 1959 डच कास्त्र हमारे लिए तो पुराना नेम है बहुत सारे एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्ट्रक्चर्स में एल्गोरिदम में इनका काम है अब तीन लोगों ने बोला कि हमने डेवलप किया आम तौर पे इन जनरल वी आर कॉलिंग इट प्रिम्स एल्गोरिदम बट कुछ लोग इसको यू you नो know, जारने की या प्रिम जारने के एल्गोरिदम या प्रिम डिजकास्टर एल्गोरिदम या जे ये क्या है डीजेपी तीनों के नाम का एक एक वर्ड उठा लिया कि चलो हम मसला ही खत्म कर देते लाइक दिस बट दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट कि किसने डेवलप किया कब डेवलप किया ये मैंने इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उठा के ले आया यू कैन गो थ्रू देम इफ यू वांट नाउ लेट मी कम टू द आईडिया और प्रिम ना प्रॉब्लम तो सेम है कि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है और ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे ऑलवेज इज द मोस्ट नेचुरल आइडिया जो दिमाग में आता है कि यार मिनिमम एज उठा के कनेक्ट कर रहा हूँ उससे सिंपल अप्रोच क्या होगा बट वाई प्रिम्स इज इंपॉर्टेंट जब आप आगे जाके हम पढ़ते हैं ना डस्ट्रा और बेलमन फोर्ड पढ़ेंगे ग्राफ में सिंगल और शॉर्टेस्ट बात प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे देन अंडरस्टैंड कि इसका अप्रोच इतना अच्छा है कि जिसको बाद में मॉडिफाई करके ना हम नेटवर्क्स में राउटिंग एल्गोरिथम्स में या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मैं एक एक करके स्पेसिफिकली पूरा एल्गोरिथम आपको रन करके दिखाता हूं और यहां मैं AK, uh, you know, बारी बारी से नहीं करूंगा कोड लेके चलूंगा साथ में एंड अगेन आई एम यूजिंग कोरमैन यस सो देट कोई कंफ्यूजन रहे ना बाकी अप्रोच आपको डायरेक्ट भी समझ आएगा ना क्या करना है लुक एट दिस ये दिसारी की थोड़ी गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं पहला लूप देखिए ये एक लूप चलाया फॉर एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ और दो वैल्यू मान के चल रहे हैं एक हम यहाँ पे मानते की माने कॉस्ट और पाई माने पेरेंट है ना और कह रहा है सबके की में लिख दो इनफिनिटी और सबके पेरेंट में लिख दो सो so, मैं ऑनर करता हूं इस बात को पहला लूप मैंने चलाया और हर वर्टेक्स के की वैल्यू को मैंने इनफाइनाइट कर दिया एंड लेट मी से लेट मी पुट अ डैश तो सबका पेरेंट को मैंने नील कर दिया फेर है ना अब क्या कह रहा है रूट जहां से भी अब Uh, जो हमारा यू नो क्रुस्कल था उसमें vertex, को रूट नहीं होता, यहां पर आपको बताना पड़ता है, है तो अगेन नेचुरली टेक आर ए वर्टेक्स ए एज अ रूट तो अब क्या कह रहा है जो की है रूट का उसको आप जीरो कर दो बिकॉज ऑब्वियसली वहां से आप शुरू कर रहे हो तो उसको ऐड करने का कॉस्ट क्या है जीरो एक क्यू बना लो जो काइंड ऑफ मैम पहले से बना के रखी है और उसमें सारे वर्ड इंसर्ट कर दो कर दिए यहां से मेन एल्गो शुरू होता है वाइल्ड क्यू इज नॉट एम टी क्यू एम नहीं है एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू का मिनिमम एक्सट्रैक्ट करो यू में रखो फिलहाल मिनिमम कौन है ए तो काइंड ऑफ मान लीजिए ए पहला वर्टेक्स है जो हमने ट्रेवर्स कर लिया या मान लेते हैं कि हमारे एम का पार्ट ये बन गया अब क्या कह रहा है

ए से बी का कॉस्ट बताओ क्या है सर ए से बी का कॉस्ट है, है? है ना आपके पास अपडेट करो फाइव इस बेटर कॉस्ट है।, है, है थ्री कैसे पहुंचोगे ए से पहुंचोगे तो ए बाहर गया बट दो को अपडेट करते चला गया अब ये लूप बाहर आ गया फिर से वाइल क्या क्यू खाली है नहीं सर क्यों खाली नहीं तो क्या कीजिएगा निकालिए उसको जिसका वेट मिनिमम है तो यहाँ पे सी क्यू से बाहर आ गया तो यानी कि ये देखिए कैसे अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बढ़ना शुरू हुआ अब जब C बाहर जाएगा तो कई पे रिलैक्सेशन अटेम्प्ट करेगा जैसे देखिए क्या सी B बी तक पहुंचा सकता है जी हाँ इन अ कॉस्ट ऑफ फोर जबकि B का करंट कॉस्ट फाइव कॉस्ट लिखा हुआ है फाइव तो डेट डजेंट मेक एनी सेंस तो सी बी को भी रिलैक्स कर रहा है कह रहा भैया मैं फोर में पहुंचा दूंगा और पेरेंट सी को बना दो सी डी को भी रिलैक्स कर रहा है अभी इंफिनिटी लिखा हुआ है फाइव में पहुंचा रहा है C, बन गया इधर इधर इधर, इधर F को भी रिलैक्स कर रहा है कह रहा है सिक्स में पहुंच जाएंगे सी पेरेंट बन गया और किसी को रिलैक्स करेगा ए तो पहले ही बार हो चुका है नहीं अब बताइए इन सब में सबसे छोटा वैल्यू कौन है फोर है फाइव है अगेन आई थिंक फोर इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल तो इसका मतलब बी जो है वो भी बाहर आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे मेरा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो स्पैन होते जा रहा है अब अटेम्प्ट कर लेते हैं डी का करंट कॉस्ट है फाइव सी पहुंचा सकता है ये कह रहा है छह में पहुंचाऊंगा फ़ायदा नहीं ये ज़रूर रिलैक्स हो, हो रहा है बढ़िया रिलैक्स हो रहा है ई अभी इंफिनिटी है बी भाई साहब कह रहे हैं कि सीधे दो में पहुंचा देंगे बस नाम याद रखिएगा बी ने पहुंचाया था फेयर एनअ और बाकी तो ऑलरेडी डन है अगली ट्रेशन में आई थिंक यही बाहर आने वाले ई तो e बाहर आ गया एक्सट्रैक्ट मिन के अंदर अब ई e किस, -किस पर रिलैक्स अटेम्प्ट करेगा डी ऑलरेडी पांच में लिखा हुआ है एफ की कॉस्ट सिक्स है ये जरूर रिलैक्स हो रहा है सर इसको रिलैक्स करा दीजिए तो ये पहुंचा देगा थ्री में है ना और ये सी नहीं रहा पेरेंट कौन बनेगा ई e पेरेंट बन गया जी को भी रिलैक्स कर रहा है कह रहा है फाइव में पहुंच जाएंगे वाया ई अगला नंबर किसका है इसके हिसाब से एक्सट्रैक्ट मिन करना है तो अगला नंबर है एफ का जिसकी करंट कॉस्ट थ्री है तो लीजिए एफ को हमने इंक्लूड कर दिया करंट कॉस्ट थ्री है दिस ऑल्सो गोज आउट एफ किस को रिलैक्स करेगा तो एफ डी को तो रिलैक्स नहीं कर पाएगा जी को जरूर रिलैक्स करेगा फाइव के बजाय फोर में लाने की बात कर रहा है तो देर कम्स एफ तो सेकंड लास्ट नंबर पे एफ फाइनल होगा या एफ से जी फाइनल होगा जी फर्दर किसी को रिलैक्स नहीं करेगा और सबसे लास्ट में नंबर आएगा डी का तो सी ही पेरेंट parent बना पेरेंट से फायदा क्या ध्यान रखना है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे सो दे स्वस्थ सुंदर ग्राफ बन के तैयार हो गया आई होप मैंने बहुत कम टाइम के अंदर स्पेसिफिकली पूरा एल्गो का व्यू भी थीम भी आइडिया भी आपको समझा दिया और कैसे पूरी प्रोसेस सम... करी हमने स्टेप बाय स्टेप ये भी आपको समझ आएगा तो दैट इज हाउ प्रिम्स वर्क तो अगेन आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट लेट मी अगेन इन द लॉन्गर रन यही एल्गोरिथम एक्सटेंड होकर डजकास्त्रा बन जाता है है ना नो डिफरेंस इन दैट नाउ अगेन यू कम टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो फिर वही लंबी चौड़ी कहानी है कैसे ही बनाया एक्सट्रैक्ट किया यू कम द ऑप्टिमाइज आइडिया तो जो बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन है वो है ऑर्डर ऑफ इ लॉक बी एंड आई डोंग भी तो e log B निकला था याद करो दल्सो ई लॉक बी तो याद रखिएगा दोनों में वेदर इट इज क्रुस्कल और प्रिम्स द मिनिमल पॉसिबल एग्जीक्यूशन रखबार ई लॉक बी टाइम ये तो दैट इज ऑल इन द ग्राफ वाला पार्ट तो स्पेनिंग ट्री समझ लिया डिस्कास्त्र और क्रुस्कल समझ लिया प्रिम्स समझ लिया सब ग्रीडी था ये अब सोचो एक बार दोबारा क्या क्रुस्कल ग्रीडी था हाँ ग्रीडी था ना वी we हाँ, हाँ, फाइनल मान के आगे बढ़ता है बट दोनों ही ऑप्टिमैलिटी गारंटी करते हैं अब एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं प्रॉब्लम क्या है एंड देन दो जो बड़े अलगोरिदम है डेट इज डर बेलम उन दोनों की बात करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द दिडिया द आइडिया इज

मिनिमम स्पेलिंग ट्री नहीं फाइंड करना किसी एक स्पेसिफिक सोर्स से बाकी हर वर्टेक्स का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विद अ पाथ फाइंड करना तो आपको दो आंसर करने मान लीजिए यहां पर इट डिपेंड्स कि आप इसको किधर रन करो मान लीजिए मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ रन करना चाहता हूं वर्टेक्स पी तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है फ्रॉम पी मैं बाकी सारे वर्टेक्स का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा और सिर्फ डिस्टेंस निकाल के काम नहीं चलेगा मेरे को यह भी बताना पड़ेगा कि exactly कौन सा रास्ता है तो ये प्रॉब्लम दो एल्गोर हमारे सॉल्व करते हैं एक सॉल्व करता है डाइकास्ट्रा डिजकास्ट्रा जो आप बोल रहे जे मे बी साइलेंट एंड वन इज कॉल्ड फोर्ड एक के अंदर प्रॉब्लम है दूसरे वाला उसको रीड आउट द स्टेटमेंट ऑन ग्राफ थ्योरी

साइंस uh, ऐसे जो कुछ लोग साइंस पे ऐसे लिखते हैं है, uh, uh, जो इनका कंट्रीब्यूशन था टू लैंग्वेज अब इस एल्गोरिथम को लेके एक बहुत शानदार बात है वो स्टोरी खुद डिजकास्टर ने लिखी है इस पर भी थोड़ा सा मैंने होमवर्क किया आपको बताता हूँ ना वन मॉर्निंग आई वॉज शॉपिंग इन एंस्ट्रम विद माई यंग टायर्ड तो एक सुबह अपनी सी माने मंगेतर के साथ एमस्टरडेम में शॉपिंग कर रहे थे करते करते थक गए सो वी सेट डाउन ऑन अ कॉफी अस टू ड्रिंक अ अ कप ऑफ कॉफी एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंक आई डिजाइन द द एल्गोरिथम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ भाई ब्रावो टू दिस मैन कैन यू इमेजिन ये अपनी यहाँ यू नो ज्यादातर बच्चे आप में से कॉलेज में सोच रहे होते हैं उसके साथ घूमूंगा ऐसा करूंगा ये भाई साहब अपनी मंगेतर के साथ घूम रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं थक गए अब वो सामने बैठी है वो सामने बैठी होगी तो चुप तो बैठी नहीं होगी वो बात कर रही होगी कुछ प्लानिंग बता रही होगी इनके पास ना कॉपी ना पेन ना पेपर इनका कहना है यही एक कारण है कि एल्गोरिथम इतना सिंपल बना क्योंकि मैं बस दिमाग में ही सोच रहा था तो अब वो कुछ कह रही है ये जैसा फोन पे करते हा, हा, कर दो ना हां हम हां बस यही कर रहे होगे देख के भाई तो हां हूं हां हूं करते रहे और मन मन में ही वॉज डेवलपिंग दैट एलगोरिदम इस लेवल का कंसेंट्रेशन चाहिए भाई काम करने के लिए आदमी सक्सेसफुल होता है एंड आई सेट डाउन इट वॉज अच्चीस मिनट इनवेंशन मिनट तक बहन जी को लग रहा था कि ये आपकी बात सुन रहे हैं बट ये भाई साहब दिमाग में एल्गोरिथम डेवलप कर रहे थे इट वॉज पब्लिश इन थ्री लेटर एंड द दब्लिशन स्टिल रिडेबल एंड इन फैक्ट क्वाइट नाइस जो स्टैंडर्ड ओरिजिनल ऑरिजिनलिशन है मजे की बात क्या है मेरे को इस पूरे लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अच्छी इमेज नहीं समझ आ रही थीरेट कर पाऊँ so पूरा का पूरा पैरा मैंने उसको करकेट कर रहे दो दिस वादरिजिनल फोटो तो ये है डच काश्रा अपने यंग एज में और ये थी फैंसी वो देख के थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है तो मैं भी शायद इसी वजह से उन्होंने मन मन में एल्गोदम डेवलप किया होगा सो ये पूरी वही बात लिखी हुई है ना

नहीं नहीं दोबारा तो वही करता हूँ पी इज दस तो दैट इज इन्फिनिटी और बाकी सबका जो डिस्टेंस है अब यहाँ पे उसे की ना बोल के डिस्टेंस बोल रहे हैं की बोल रहे हैं डी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर किसी का डिस्टेंस और पेरेंट <coughs> like this. Oh, sorry. Parent में let me write a nil in the starting. हो गया initialize sir. Single source initialize कर दिया क्योंकि initialize को हमने zero से mark किया है. Then again हमारा solution क्या है? हमारा solution है s तो उसको initialize किया zero से. जितने भी vertex हैं symbolically queue में डाल दिया. While loop में game start किया. Again हमेशा की तरह extract min. लगभग लगभग prim से छोटा से change है कि आपको समझाऊंगा. Extract min. तो हमने

कोई वर्टेक्स है वी और यू से वी कोई एज है मेरे पास तो ये क्या कह रहा है फिलहाल वी का जो भी डिस्टेंस है अगर वो यू तक के डिस्टेंस और उस एज को एड करने के भी ज्यादा मिल रहा तो अब हमें नया रास्ता मिल चुका है मैं इसको एक्सप्लेन करता मी मान लीजिए फिलहाल यू तक का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है टेन V की जो कॉस्ट अभी हमारे पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है 15 और मान लो ये जो एज, इसका एज है इसका कॉस्ट है टू टेन तो प्लस टू मिलकर कितना हुआ 12. क्या, वो से कम है? क्या? हाँ, अगर प्रेजेंट कॉस्ट फिफ्टीन है हम जिस वर्टेक्स पे है मान लीजिए उसकी कॉस्ट टेन है मैं न्यूमेरिकली लिख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए और वेट है एज का टू तो ये दोनों मिलकर भी छोटा है, छोटा तो एक काम करो ये कॉस्ट अपडेट कर दो कि चलो भाई अब 12 से तुम्हें रास्ता मिल गया और ये जो पेरेंट है ये भी बता दो कि वी से बेटा तुम्हारा पेरेंट ही और ये ये एज आ जाएगा सिस्टम के अंदर ये है है रिलैक्सेशन तो क्या चेंज है? अगर आप याद करें लास्ट केस में हम सिर्फ ये कंपैरिजन कर रहे थे कि अभी जो कॉस्ट है जो एज है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं बट इस बार डिस्टेंस भी ले रहे हैं क्योंकि बात स्पैनिंग ट्री की नहीं है सोर्स से डिस्टेंस ढूंढा जा रहा है इसको ऐसा समझिए

जीरो इसका तो कॉस्ट जीरो ये जीरो प्लस वन सो क्यू का कॉस्ट हो गया वन और क्यू का पैरेंट बना पी जीरो प्लस सिक्स सिक्स एक्स रिलैक्स हुआ एस पेरेंट कॉस्ट हुआ सिक्स पेरेंट इसका भी हो गया पी जो हमारा स्टार्टिंग नोड है टी भी रिलैक्स हुआ विद अ कॉस्ट सेवन और पेरेंट इसका भी भाई साहब कौन बन गया एस बन गया और oh, सॉरी नाम क्या है पी है है ना तो तीन रिलैक्सेशन हुए <coughs> और कोई होगा नहीं होगा अब बताइए इन सबसे सबसे मिनिमम कौन है फिर वही बाहर आऊंगा क्यों खा करूंगा क्यों खाली, खाली नहीं है सर इन सबसे सबसे मिनिमम है क्यू तो लेट मी एक्सट्रैक्ट क्यू इसका मतलब क्यू हो गया फाइनल यस और बताइए क्यू किस किस को रिलैक्स करेगा तो क्यों कह रहा है की प्रेजेंट कॉस्ट क्या देखिए एस की प्रेजेंट कॉस्ट है मेरी कॉस्ट है वन यहां तक पहुंचने की है ना एंड वन प्लस फोर इज फाइव और क्या फाइव सिक्स से बेटर है हाँ? five, से तो बेटर है सर तो दिस डिजर्व टू बी अगेन एक नया रास्ता मिल गया और पेरेंट कौन बना क्यू आर तक तो अभी कोई रास्ता था ही नहीं तो वन प्लस वन सो आर का कॉस्टिंग आ जाएगा टू और पेरेंट कौन बना टू uh, और पेरेंट बन गया क्यू रिलैक्स हो गया यू तक कभी कोई रास्ता मिला नहीं स्टेज टू में कौन रिले कौन बाहर जा रहा है आई थिंक आर विल बी फाइनलाइज्ड r भी फाइनल हो गया r किसको रिलैक्स करेगा ओह माय गॉड 1 1 2 2 2 4 और s का जो प्रेजेंट कॉस्टिंग है वो 5 है तो 6 से हुआ 5 और 5 से हो रहा है 4 एक बार और रिलैक्स हो गया तो ये हुआ 4 uh, और इसका पेरेंट बन गया सर r यस yes, ये कहानी हो गई उसके बाद आगे बढ़ते हैं uh, और कोई रिलैक्सेशन हो सकता है ये हो सकता है u का One plus one, R का costing है है हो जाता थ्री अभी तक कोई रास्ता था, था नहीं ये लीजिए पैरेंट बन गया और और कोई relaxation है आर? नहीं अब बताइए कौन फाइनल होगा four, seven और three में, three पहले फाइनल होगा में पहले वाला बट यू से कुछ आउट गोइंग काइंड ऑफ सिर्फ इनपुट एजेस है तो कुछ नहीं आगे बढ़ेगा अब फोर और सेवन में कौन कम है फोर कम है सर तो एस को फाइनल कर लेते हैं क्या एस किसी को रिलैक्स कर पाएगा ना फोर प्लस थ्री इज सेवन बट टी का कॉस्ट ऑलरेडी सेवन है फर्दर रिलेक्सेशन पॉसिबल नहीं है सो दिस इज ऑल एंड दिस इज ऑल तो अब ध्यान से देखिए बताइए आंसर क्या हुआ पी का कॉस्ट है जीरो क्यू का कॉस्ट है वन रास्ता डायरेक्ट पी से क्यू क्यू पी से ही निकालना था ना यहां देखिए आर का कॉस्ट है टू रास्ता उल्टा चलो आर तक पहुंचोगे क्यू से और क्यू तक कैसे पहुंचते हैं पी से ये मिल गया रास्ता एस uh, का मिनिमम कॉस्ट है फोर कैसे पहुंचना है फोर यही लिखा रहने दो कैसे पहुंचना है पे पहुंचते हैं क्यू से और क्यू पे पहुंचते हैं पी से पूरा रास्ता डिकोड हो रहा है यू सी यहां तो डायरेक्ट पेरेंट पी है तो कॉस्ट है सेवन और टी पे डायरेक्ट पी से ही पहुंचना है कोई और फर्दर अच्छा रास्ता दे नहीं पाए इसको डिकोड करिए कॉस्ट है थ्री Uh, यू पे आप कैसे पहुंचेंगे सर यू पे पहुंचेंगे आर से आर पे कैसे पहुंचे आर पे पहुंचे क्यू से और क्यू पे पहुंचे थे पी से ये लीजिए तो दोनों आंसर की है फ्रॉम द सोर्स नोड जितने भी नोड यहाँ पर है हर किसी का मिनिमम कॉस्ट पॉइंट नंबर वन एंड दैट कॉस्ट अलोंग एग्जैक्ट पाथ कौन से रास्ते से जाना है ये पूरी कहानी डिकोड करके हमने यहाँ पे बता दी है ना सो आई होप अब आपको इस पूरे एल्गोरिथम में में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बहुत डिटेल से मैंने एग्जीक्यूट करके बताया है यस yes? नाउ दो तीन पॉइंट एडिशनल ये वही पूरा कोड जो मैंने वन बाय वन रन किया तो दिस नथिंग न्यू अब अगेन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पेज नंबर वन एंड देन पेज नंबर टू एंड पेज नंबर थ्री एंड देन पेज नंबर फोर अलग अलग एल्गोर करके यू नो देव मैनेज एंड देन रिड्यूसिंग टाइम एलगोरिदम मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कहा नजर आएगी सो आई थिंक दिस इज अच्छा ये तो सिर्फ मिन की कॉज बता रहा है वी कैन अचीव इनफैक्ट वी कैन रनिंग टाइम दिस सो एक रनिंग टाइम यहाँ पे समझ आ रहा है विच इज ऑर्डर ऑफ v v v v v v log 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 e e और और मेरे ख्याल से v log v is a better choice, तो plus e लिखने का भी पता नहीं नहीं कोई मतलब बनेगा कि v v, इसके आगे कहीं कुछ mention किया है नहीं बाकी सब तो अपन में जा रहे हैं तो अगेन वो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं सबसे बेसिक कॉस्ट हो सकती है ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर और उसको अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करें तो यू कैन राइट वी लॉग वी प्लस ई है ना ये बात हुई डज कास्ट अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम क्या है एक प्रॉब्लम है नेगेटिव वेट का आप नोटिस करें अभी तक हमने जितनी वेजेस ली ना उन सबका वेट पॉजिटिव था अगर नेगेटिव वेट तो डिजकास्ट्रा में प्रॉब्लम हो सकता है क्या शायद हो सकता है कैसे नोटिस करिए सपोज इज वर्टेक्स बी और मैं डायरेक्टी बनाता हूँ जैसे हम स्टडी कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस ऐसे मान लेते हैं अब मान लीजिए इसका कॉस्ट है वन इसका कॉस्ट है फाइव और इसका कॉस्ट है लेट मी डू वन थिंग इसका इसका किया ना इसको कर देता हूं, ten, और इसका कर देता देता और कॉस्ट लेटम कियावन अब आप मुझे बताइए स्टेज वन पे जब डेज कास्टर रन होगा तो सोर्स का कॉस्ट जीरो हो गया अब जीरो के बाद मैं दोनों से आउट रास्ता देखूंगा मेरे को लगेगा जीरो प्लस फाइव इज फाइव एंड जीरो प्लस टेन इज टेन बताओ मैं किसको फाइनल करूंगा मैं बी को फाइनल कर दूंगा विद अ कॉस्ट फाइव बाद में मेरे को समझेगा कि अब अगला नंबर ए फाइनल होगा बट जब मैंने टेन को फाइनल किया ना टेन माइनस सेवन एक्चुअली बिकम्स माइनस बिकम्स प्लस बट स्टिल इज लेस देन तो क्या बी तक पहुंचने का अच्छा रास्ता वाया 5 था directly, या टेन माइनस सेवन था माइनस सेवन था है ना क्योंकि जो डिजकास्त्रा है वो ग्रीडी होके काम कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप फाइनलाइज करते चल रहा है तो प्रॉब्लम हमें आई तो दिस एन एग्जांपल विच शोज कि नेगेटिव एज वेट पे क्या कास्टर सही काम करता है क्या नहीं वो फेल हो जाता है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो पूछी जाती है वैसे अगर नेगेटिव वेट नहीं है तो कास्टर ऑप्टिमल आंसर करेगा ग्रीडी अप्रोच है बिकॉज हमेशा हम देख रहे हैं उस एज को पिक करें जिसका वेट कम है नाउ

किसने पहले डेवलप किया तो और वो तो मैं इस पे मानता हूं कि अच्छा कि किसी ने लिखा होता था, था, था हमारे नाम होते बट लेटर uh, इसका नाम है रिचर्ड बेलमैन एंड लिस्टर फोर्ड जूनियर के नाम पे इसको जाना जाता है दीज आर टू पर्सन ये तो इसका मतलब बेलमैन फोर्ड एक आदमी नहीं है बेलमैन इज पर्सन फोर्ड इज पर्सन दोनों का कहना है कि हमने इंडिविजुअली अलग अलग डेवलप किया फिलहाल एलगोरथम का नाम रख दिया बेलमेन एल्गोर yes, कैसे काम करता है मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं इसके और नेगेटिव नेगेटिव भी हमने लिए इसका अप्रोच किया समझिएगा थोड़ा सा काम करने का तरीका डिफरेंट है एंड दिस इज द ओनली फर्स्ट आइडिया हमने क्रुस्कल पढ़ लिया प्रिम्स पढ़ लिया डिजकासा पढ़ लिया सबके सब ग्रीडी थे ये ग्रीडी नहीं है क्यों नहीं अभी समझ जाएंगे आप नाउ स्टेप नंबर वन देखिए वो तो सेम है और मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं हाउ इनिशियलाइज सिंगल सोर्स वर्क तो सपोज दिस इज सोर्स वर्टेक्स इसका कॉस्ट हाँ सर बाकी सबका कॉस्ट इन्फिनिटी पेरेंट कर देता हूं नील दैट इज डिस्टेंस एंड दैट इज पेरेंट कर दिया अब क्या कह रहा है एक लूप चलाओ आई से वन टू नंबर ऑफ वर्टेक्स इन द ग्राफ माइनस वन यहाँ पे कितने वर्टेक्स है one, two, three, four, five. Five है ना one, मानो फोर तक चलेगा तो वन टू थ्री फोर चार बार ये लूप चलाओ और क्या कह रहा है ईच एज इन द ग्राफ अब ये नहीं किसको फाइनल किया उसके नेबरिंग कौन थे वो फाइनल होंगे या वो रिलैक्स होंगे नहीं कह रहा है जितना तुम में दम है फॉर ईच एज ऑफ द ग्राफ यू कमाई बिलोंग टू एट सेट ऑफ द ग्राफ यू जस्ट डू रिलैक्स

दो तीन चार चार से ज्यादा एज वाला तो पाथ हो ही नहीं सकता ना क्योंकि वर्टेक्स ही पांच है वरना वहां पे फिर किसी वर्टेक्स को आप मल्टीपल टाइम विजिट करेंगे करेंगे तो फिर वो पाथ नहीं रहेगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल पाथ आर यू गेटिंग दिस आइडिया तो उसने बड़े दिमाग से खेला कि अच्छा अगर टोटल वर्टेक्स एन है तो किसी पाथ की मैक्सिमम लेंथ एन माइनस वन हो सकती है तो मैं उतनी बार ही रिलैक्स करूंगा यस yes, अब इतनी ऑब्वियसली इसमें खर्चा ज्यादा होगा

टी एक्स वाई Z ओके हाँ टी है ठीक है करो कराओ रिलेक्स तो प्लस सिक्स टी की वैल्यू हो जाएगी सिक्स पेरेंट बन जाएगा एस वाई को रिलैक्स करा दो तो Y Y Y Y को रिलैक्स करो क्योंकि कॉस्ट हो जाएगी सेवन पेरेंट हो जाएगा S आई थिंक इसके अलावा और कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा क्यों क्योंकि ये तो अभी रिलैक्स हुआ ना फिर मतलब आप एक और बात ये बोल रहा दूंगा करते चलो आप काउंटिंग और बताओ क्या रिलैक्सेशन होगा तो ये सर फिलहाल इसकी कॉस्ट क्या होगी सिक्स हो गई अब सिक्स प्लस फाइव करूंगा तो इलेवन आ जाएगा और इधर से देखता हूँ सेवन माइनस थ्री करूंगा ये बढ़िया है सर सेवन माइनस थ्री फोर आ जाएगा तो एक्स की कॉस्ट लिख लेता हूँ फोर और मैं कै, कैसे पहुंचा सर मैं वाई से पहुंचा वाई तक ऑलरेडी मैं पहुंच चुका था और कराइए रिलैक्सेशन कहा से कराएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं टी की कॉस्ट क्या है टी की कॉस्ट है यहां लिखते फिलहाल फोर चल रही है और फिलहाल फॉग चल रहा नहीं फॉग नहीं चल रहा फिलहाल सेवन चल रहा है और अब आप मुझे बता सकते हो जेड की कॉस्टिंग सिक्स माइनस फोर कर लीजिए सिक्स माइनस फोर करेंगे क्योंकि माइनस एजेस है तो जेड की कॉस्ट आ जाएगी टू है ना और कैसे पहुंचे आप टी से पहुंचे और देख लीजिए और कहीं रिलैक्सेशन पॉसिबल हो रहा है क्या दिस टू। हाँ हो रहा है अब फिर से देखिए ये फोर है और फोर माइनस टू करेंगे तो टू हो जाएगा तो लीजिए टी फर्दर रिलैक्स हो गया तो टी का कॉस्टिंग हो गया टू और टी तक कैसे पहुंचे आप सर टी तक आप एक्स से पहुंचे अच्छा, अगर ये टू है, oh गॉड, तो देख लेते हैं क्या वाई सेवन से कम में हो पाएगा मेरे को नहीं लग रहा और कोई रास्ता पॉसिबल है सात से कम में आने का टीम में टू तक कैसे पहुंचे तो देखने में ज्यादा लगेगा बट सेवन माइनस थ्री इज फोर एंड माइनस टू इज टू ऐसे पहुंचे ये फोर से कम हो सकता है और कोई नेगेटिव ये फोर से कम हो नहीं पाएगा यहां माइनस टू में कैसे पहुंचे सेवन माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर तो उल्टा माइनस टू में पहुंच गए आई थिंक दिस इज द ऑप्टिमल रास्ता यस yes. अब इतनी बार रिलैक्सेशन करने के बाद ये क्या करता है सर ये एक बार कहता है अब एक बार और रिलैक्स करके देखो कैसे लुक एट दिस कह रहा ग्राफ के अंदर जितनी भी एजेस है एक बार फिर से कंडीशन चेक करो क्या रिलैक्सेशन की पॉसिबिलिटी है क्या और अगर रिलैक्सेशन की पॉसिबिलिटी है एक बार भी कंडीशन रहो तो रिलैक्स मत करना रिटर्न फॉल्स अब ये क्या कहानी है ये समझाता हूँ कभी कभी ग्राफ में नेगेटिव वेट्स नहीं नेगेटिव वेट साइकिल भी हो सकती है इस बात का क्या मतलब है दिस इज अ सोर्स वर्टेक्स सपोज दिस इज वर्टेक्स ए दिस इज वर्टेक्स बी

Minus 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 uh, uh, वैल्यू ऐसे ऐसे घटती जाएगी क्यों क्योंकि साइकिल का जो ओवरऑल वेट है ना वन प्लस टू माइनस फोर इज माइनस वन इसको बोलते हैं नेगेटिव वेट साइकिल अगर इस तरह का सिनेरियो ग्राफ के अंदर मौजूद है तो आप चेक कर लो मैं क्या कर लो क्या कर लेंगे जितनी बार चलाते रहोगे रिलैक्स होता रहेगा रिलैक्सेशन कभी रुकेगा नहीं एंड नाउ यू अंडरस्टैंड ये कंडीशन क्यों लिखी है क्यों अगर ग्राफ वैलिड है तो एन माइनस वन काउंट के अंदर जो रिलैक्स होना होगा हो जाएगा उसके बाद रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकता और अगर उसके बाद रिलैक्सेशन है इसका मतलब ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है और नेगेटिव वेट साइकिल है तो कोई सॉल्व कर सकता है क्या नहीं तो देखो कितनी मजेदार बात कह रहा है डू वी सेट बेलमेन फेल्स ऑन नेगेटिव वेट साइकिल नो वी डोंट से आंसर और इट गारंटीज द डिटेक्शन ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल तो अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो कहता है मैंने डिटेक्ट कर दिया नेगेटिव वे साइकिल क्यों ये ऐसा क्यों बोले कि मैं फेल हुआ पास कौन हो रहा है अगर ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल है कोई एल्गोरिथम है क्या जो सॉल्व कर पाए कर तो कोई भी नहीं सकता तो फिर ये अपना क्यों मुंह काला करा है तो ये ये नहीं कहता मैंने सॉल्व नहीं किया कह, कहता है आई डिटेक्टेड मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूं इसका मतलब नेगेटिव वेट साइकिल है बट मैं फेल नहीं हुआ है ना सो दिस इज द आइडिया और जितनी बार आप चाहे रन मैं दोबारा एक बार क्या बता रहा हूँ यहाँ पांच लिखा है फाइव माइनस वन इज फोर आपको चार बार रन करना आप चालीस बार रन कर लो क्योंकि अगर नेगेटिव वेट्स आगे तो वो तो होता ही जाएगा तो वट आई सीन विद टाइम नो बडी आस अ प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस बेलमेन फॉर डेल कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इट इज वेरी गुड एंड यू नो डिजकाश्रम में क्वेश्चन बन सकते हैं दो राउंड ऑफ इटरेशन के बाद बताओ किस ऑर्डर में फाइनल होगा इधर नहीं बता सकते इट्स अ रैंडम आइडिया पॉसिबल बट आई थिंक आंसर इसने मिनिमम कर दिया रास्ता कैसे वही बैक ट्रैक जो हमने पहले किया था टी तक कैसे पहुंचेंगे बल्कि ये देखिए माइनस टू वाला रास्ता सबसे मजेदार है जेड तक कैसे पहुंचे जेड तक टी से पहुंचे टी तक कैसे पहुंचे टी तक एक्स से पहुंचे एक्स तक कैसे पहुंचे एक्स तक वाई से पहुंचे वाई तक कैसे पहुंचे वाई तक एस से पहुंचे तो ये देखिए ये जेड तक टिंग 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 ये रास्ता फॉलो करते हुए हम यहां तक पहुंचे सो दैट इज द एंटायर आइडिया हाउ वी वर्क ऑन दिस एल्बोरिदम और किस तरह से ये पूरा मैथड प्रोसेस कर रहा होता है नाउ लुक एट दिस वन लास्ट अंडरस्टैंडिंग

सो नाउ दिस इज ऑल अभी लास्ट के दो चैप्टर है जल्दी से रिकॉर्ड करता हूँ बहुत जल्दी वीडियो आप तक पहुंचेगी तो चलिए सर अभी गेम स्टार्ट करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत शानदार आइडिया है अगेन एक परसेप्शन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत टफ है तो एक आइडिया है और आइडिया एकदम से समझ आता नहीं टू तो बी वेरी ऑनेस्ट दो चार पांच प्रॉब्लम जब अलग अलग तरह की आप लगा लेंगे तो आपको फील आना शुरू होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है और वो कैसे काम करता है कल गो वन बाय वन सबसे पहले आज तक की मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो दो लाइन में समराइज कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूं अगर आप अपने पास से कुछ नहीं सीखते तो जीवन भर छोटे काम ही करते रहेंगे और ये मान लीजिए बोल रहा है प्रोग्रामिंग सो so, लॉजिक क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलता है कि अगर एक काम आप कर चुके हैं तो उसको बार बार नहीं करना जो भी कंक्लूजन है उसको कॉपी पे लिख के रख लो फ्यूचर में बात दोबारा काम आएगी कुछ लोग क्या करते हैं एक काम करते हैं फिर भूल जाते हैं अगेन उसको रिवर्क करते हैं फिर काम किया फिर भूल गए फिर रिवर्क किया ऐसा नहीं करना डायनेमिक के के प्रोग्रामिंग केस में इट इज अ कांड ऑफ डिवाइड एंड कॉनक्योर बात करूंगा बट वी रिमेंबर द पास सोल्यूशन सो दैट फ्यूचर में अगर उनकी जरूरत दोबारा पड़ती है तो हम उनको यूज कर सके अंडरस्टैंडिंग है डीपी की सुनाओ डिड कॉन्क् पहले डिवाइड एंड कॉन्क्योर की बात करता हूं क्यों क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कॉन्क्र का एक सबसेट है हाँ एक खास तरह के प्रॉब्लम्स को या एक खास तरह के डिवाइड एंड कॉन को ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं सो व्हाट इज इट पहले मैं दोबारा एक बार याद दिला देता हूँ पार्टीशन द प्रॉब्लम इनटू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स देन सॉल्व द सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली एंड देन कंबाइन द सॉल्यूशन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं यहां पर मैं आपसे एक आइडिया डिस्कस करना चाहता हूँ क्या इमेजिन करिए अगर दो सब प्रॉब्लम्स का सब सब प्रॉब्लम कॉमन हो तो तो मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं आई सॉल्व इन दिस फैशन एक सब प्रॉब्लम मैंने जनरेट किया कुछ समय के बाद एक दूसरे प्रॉब्लम से फिर मैं उसी सब प्रॉब्लम पे पहुंचा तो क्या मुझे उसको दोबारा से सॉल्व करना चाहिए या जो पहले हमने सॉल्यूशन जनरेट किया था उसको किसी कॉपी में सेव करके रखे सो so दैट दोबारा यूज कर सके दैट इज द आइडिया विद डीपी कम्स इन पिक्चर टू गिव यू कॉन्टेक्स लुक एट दिस फंक्शन फिर वो नंक्शन डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं आपके लिए कोई नई बात है नहीं तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है दीज आर द टू टू बेस केसेस अलाउ मी राइट डाउन डायरेक्टली नाउ इज इज ऑफ 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 यू सी एंड तो उसके आगे की जो भी वैल्यू है प्रीवियस दो वैल्यूज का सम है तो अब अगर एक बार देखें कि ट्री कैसे जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन तो नोटिस करिए करिएफ ऑफ फाइव को आप पूछोगे क्या होगा एफ ऑफ फाइव बोलेगा ऑफ फोर प्लस लगा देता हूं बीच में एफ ऑफ थ्री वट इज एफ ऑफ फोर एफ ऑफ फोर इज एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू वट इज एफ ऑफ टू एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री इज एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन वट इज एफ ऑफ टू स्टिल इट इज नॉट अ बेस केस है ना सो एफ ऑफ टू भी कॉल करेगा इट इज एफ ऑफ जीरो और मान लेते हैं चलिए कि यहां पर ये वैल्यू मिली दिस इज वन दिस इज जीरो भी मान लेता है सो वन प्लस वन दैट बिकम्स टू यस अब मजे की बात है जब आप इधर आएंगे अभी दो मिनट पहले आपने एफ ऑफ टू कैलकुलेट किया ना <coughs> किया बट इन जनरल जब हम फंक्शन लिखेंगे रिकर्शन एग्जीक्यूट होगा सर वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो चुका होगा तो क्या यहाँ पर कंप्यूटर फिर से एफ ऑफ टू रन करेगा हाँ करेगा पुरानी लर्निंग भूल गया फिर जाएगा बोलेगा अच्छा दिस इज वन एंड दिस इज जीरो सो दिस इज वन एंड देन टू प्लस वन नाउ दैट बिकम्स थ्री अब मान लो चलो एफ ऑफ फोर तो कैलकुलेट हो गया भी कैलकुलेट हुआ पर अब मैं जब इधर आऊंगा तो क्या ये पूरी कहानी फिर से सॉल्व होगी हाँ फिर से सॉल्व होगी एंड यू कैन इमेजिन लगभग लगभग हर लेवल पे एक, एक करके मैं नीचे जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए अगर मैं आपसे एफ ऑफ हंड्रेड की वैल्यू पूछ लू तो कितना डेप्थ होगा ट्री का इट इज अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड And you know, हर हर लेवल पे लगभग लगभग दो ही नोड हैं तो टोटल नंबर ऑफ आखिरी होंगे और बेसिक बेसिक मोटा मोटा देखने में फिफोनिक मैं बच्चा फंक्शन लग रहा है नो कैन चैलेंज आप इस कोड को सुपर कंप्यूटर पर रन कर दो तो हो सकता है वही हैंग हो जाए बिकॉज टू रेस टू पार हंड्रेड इज यू नो इट इज इंडिया की पॉपुलेशन है टू रेज टू पार थर्टी दिस टू हंड्रेड इमेजिनेबली लार्ज हम सोच ही नहीं सकते जबकि आप किसी इंसान के बच्चे को बोलो कि जरा एफ ऑफ हंड्रेड कैलकुलेट करो कैसे करेगा वो कैसे करने वाला पागल के जैसे ना जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं सेव करके चल रहे हैं ना सर जीरो प्लस टू इज इज फाइव एंड सो एंड सो फॉर सो इसका मतलब जब हम फिबोनिकी फंक्शन सॉल्व करते हैं वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम बार बार रिकर्सिव कॉल नहीं करते पहले से जो सॉल्यूशन है उनको यूज करके आगे बढ़ते हैं एंड नाउ दिस फिबोनाची इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेर डीपी कैन बी यूज क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मेरे जो सब प्रॉब्लम है वो दोबारा कभी जनरेट ही ना हो बट फिवनी में ऐसा नहीं है अब आप एफ एफ फोर इधर जनरेट कर रहे हैं फिर थ्री कर रहे हैं यहां भी 3 हो हो रहा रहा है है उधर 2 कर रहे इधर 2 हो रहे। तो बार 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 सेम जब कॉल किए जाने लगे तो इट इज बेटर टू राइट देम डाउन इन अ कॉपी और नोट समवेयर सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर बस यही है डीपी <coughs> तो मैं कंक्लूड करू इस बात को डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज लाइक डाने डिवाइड एंड कॉन्

कहा टू और पहा ऑर्डर ऑफ कर क्यों पाए क्योंकि हमने थोड़ा दिमाग लगा और चीजों को मेमोरी में याद करना शुरू कर दिया यस yes, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या ठीक किया ना ये ओके खैर वो तो छोटी फंक्शन ये फंक्शन की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है ओके <coughs> okay. एफ ऑफ जीरो पे वन है क्या नहीं एफ ऑफ जीरो जीरो इसका मतलब इसने गलत कैलकुलेट किया है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं नाउ लुक एट दिस सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इस मीम मिल गया मेरे को दिस इज सिंपल प्रोग्रामिंग दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग सो दो बातें और ध्यान रखनी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी क्या डिसीजन प्रॉब्लम यस और नो में इस्तेमाल होगी जी नहीं तो खासकर वो प्रॉब्लम्स जो ऑप्टिमाइजेशन वाले नेचर के हैं व्हाट डू वी मीन बाय दिस कि एक प्रॉब्लम के अगेन बहुत सारे सॉल्यूशन है लाइक like है ना और आपको ये बताना है कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा इस पर हम पहले बात कर चुके हैं ऑप्टिमैलिटी का मतलब मिनिमम के मैक्सिम इट डिपेंड्स अगर खर्चा हो रहा है तो मिनिमम में करा दीजिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमाइज करा दीजिए वो तो प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करेगा इजेंटेड सो so, ये इस तरह का सीनैरियो यहाँ हंड्रेड काम करता है नाउ अगर सेमिस्टर्स की बात करूं तो चार स्टेप है वैसे चार स्टेप पढ़ने से समझ नहीं आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ आएंगे बट तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कौन कौन से चार स्टेप है कैरेक्टराइज द सॉल्यूशन ऑफ द ऑप्टिमल कैरेक्टराइज द इज नॉट सॉल्यूशन दैट इज स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टीमल सोल्यूशन तो जो प्रॉब्लम है अभी आगे समझेंगे उसका पूरा स्ट्रक्चर समझो पहले एक बार अगर प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर समझ आया

है ना क्योंकि में बड़े इंपॉर्टेंट है इसको जरूर लिख के आना बाकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मैंने लिखा भी है ना असली बात तो भाई किससे समझ आएगी एग्जाम्पल से समझ आएगी सो विल विल स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल पॉसिबल विच इज लाइक जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम तो नैपसेक प्रॉब्लम वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे ग्रीडी प्रोग्रामिंग ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर वहां पर चेंज किया था वहां पर हमने बात की थी फ्रैक्शनल की और ग्रीडी फ्रैक्शनल बढ़िया जनरेट करता है तो बाकी सारी चीज सेम है, स्टोरी है, एक थीफ है हमारे पास एक नैपसेक है, जिसकी कोई है की। और हमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल जो हमें पिक करने है हर ऑब्जेक्ट के साथ एक वेट और एक प्राइस एसोसिएटेड है वेट हमें मिनिमाइज

पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन दोबारा याद दिला देता हूँ ये सारी चीज़ें सेम है कोई चेंज नहीं है एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है सर हर ऑब्जेक्ट के साथ एक वेट और एक प्रॉफिट एसोसिएटेड है एंड व्हाट इज़ टू बी डन ऑब्जेक्ट इस बार जो फ्रैक्शन नहीं अलाउड है इस ये जो सोल्यूशन है है इसमें या तो आप जीरो लिखेंगे वन लिखेंगे अगर यहाँ पे आपने जीरो लिखा इट मीन्स ऑब्जेक्ट एक्स आपने पूरा उठा लिया और यहाँ पर अगर आपने वन लिखा तो ऑब्जेक्ट थ्री आपने Sorry, लिखा भी नहीं नहीं लिखा पूरा उठा लिया। और ये जो, जो मैक्सिमम वेट है हाँ अब मैं आ जाता हूँ डीपी पे टेबल मैंने पहले से के रखा है ताकि जल्दी से करो सिंगल शॉर्ट वीडियो मैं नहीं चाहता पंद्रह बीस घंटे की हो जाए इतना हो कि आप समझ के काम कर सके एक बात साथ में आपको समझाता हूँ देखिए डीपी जो है ना वो टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, है ना इन जनरल और सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो पहले एक बात बता देता हूं जैसे गेट वगैरह की बात करें ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस असेंबली लाइन शेड्यूलिंग इस तरह के डिटेल क्वेश्चन भी आते हैं है ना बट यहाँ मैं उन सब की बात नहीं कर रहा क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ सेमेस्टर के जो ट्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मिलेगी प्ले में आप चेक कर सकते हो वहां पर आपको मिलेगा वो सब मैंने सॉल्व किया है बट यहाँ पर जो थोड़े सिंपल वाले हैं जैसे जीरो वन हो गया या फिर आगे आप देखेंगे फ्लॉइड वार्शल हो गया इस तरह के अप्रोचेस सॉल्व मैंने ज्यादा किए अब एक बार बात क्या समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला से सॉल्व कैसे किया जाता है वो एक अलग बात है और डायरेक्ट सॉल्व करना अलग बात है तो ज्यादातर केसेस में आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कॉमन सेंस पे सॉल्व कर सकते हैं दरअसल ये फॉर्मूला सच में इंपॉर्टेंट कब बनते हैं जब एक हजार ऑब्जेक्ट हो तब सोचना पड़ेगा कि यार डीपी कैसे सॉल्व करेगा हमारे पास एक हजार का क्वेश्चन आना नहीं है आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा उसमें दो तीन चार ऑब्जेक्ट होंगे तो बताना क्या चाह रहे उसको कैसे समझो अब एक ग्राफ है मैं आपसे बोल रहा सोर्स डेस्टिनेशन का मिनिमम पाथ बताओ है ना ये तो आपको पता है ना अलगोरतम कैसे काम करता है आप किसी ऐसे किसी मैकेनिकल वाले से पूछ लो जिसने डिजकास्टर बेलमिन फोर्ड ना पढ़ा वो भी बता देगा देख के अरे दस वर्टेक्स से थोड़ा हिसाब किताब लगाओगे समझ आ जाएगा हिट एंड ट्राई करोगे आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो पॉइंट इज अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा अगर मैं कैपेसिटी बताऊं आंसर कोई भी बता सकता कोई बड़ी बात नहीं है है ना तो बस एक बार अप्रोच समझ लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान है फॉर्मूला का कर इस्तेमाल करके टेबल कैसे कैलकुलेट होता है धीरे धीरे वो भी आपको समझा दूंगा तो गो वन बाय वन पहले स्ट्रक्चर समझिए मैंने क्या किया तो यहाँ पर वी हैव फोर ऑब्जेक्ट अंडर यू कैन सी कि चार ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड वेट का पूरा टेबल हमारे पास गिवन है किस ऑब्जेक्ट का कितना प्रॉफिट है कितना वेट है जीरो वन है तो पार्शियल लेना अलाउड नहीं है एंड यू सी द मैक्सिमम वेट परमिसेब का वो कितना परमिट किया ओनली एट यूनिट्स तो बड़ा रेस्ट्रिक्टिव गेम खेलना है अब यहाँ देखिए हमने क्या किया है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर सीक्वेंस में हमने अरेंज कर लिया द यू कैन सी है ना और दूसरी बात जो हमने यहाँ पे की है कि देर इज अ कॉलम फॉर एवरी पॉसिबल वेट तो मेरा जो मैक्सिमम अलाउड वैलिड वेट है वो क्या है एट तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेट वेट टू सारे कॉलम्स हमने बना लिए अब इमेजिन कर लो कि ये जो टेबल है खाली है अब डायनेमिक का एक अप्रोच बताता दो डायनेमिक कैसे काम करता है वो एक बार में जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको एक साथ ट्रीट नहीं करता एक एक करके एक एक करके एडोप्ट करता जाता है जा तो और देखता है कि ऑलरेडी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके पास है उसमें कुछ चेंज होता है या हम और कर सकते हैं या सेम रहेगा लाइक like दिस तो यहां पर इसको आप ऐसे इमेजिन करिएगा द मूवमेंट आई विल गो डाउन अगर मैं रो नंबर वन में हूं मैं कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं कर रहा जैसे मैं रो नंबर वन में आया अभी मैं पहला ऑब्जेक्ट ये वन टू वाला ये कंसिडर कर रहा हूं जब मैं रो नंबर टू में हूं तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये नहीं मैं सिर्फ रो नंबर टू वाला कंसीडर कर रहा हूं अब सर ये मैं दोनों ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा ये जो मेरा ग्रुप है बढ़ता जाएगा और फिर मैं देखता जाऊंगा मेरा सॉल्यूशन कैसे रिफाइन हो रहा है तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो पहला कॉलम है इसमें आप मेरे को जीरो रखने का अलाउ करेंगे वट डज दैट मीन अच्छा ये मैं फिल क्या कर रहा हूँ प्रॉफिट फिल कर रहा हूँ तो आप कैपेसिटी कुछ भी रखो अगर दो मिनट के लिए मैं इमेजिन करूं कि करू की विद सम कैपेसिटी बट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है अभी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आप करोगे क्या मैं करूंगा क्या चोर करेगा कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे क्या सर कोई भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास नैपसेक ही नहीं है तो इसीलिए ये पहला पूरा रो हमने उठा के क्या कर दिया जीरो कर दिया यस अब एक स्टेप नीचे आते हैं ध्यान से देखिएगा और यहाँ अच्छा एक और बात आप चाहो तो इसको भी अभी समझ लो ये पहला रो और पहला कॉलम पूरा जीरो क्यों अगर मैं आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दूं इसका डेफिनेशन ये है इसका डेफिनेशन ये है बट एक चेंज कर दूं क्या कि सर कोई एलिमेंट ही नहीं है मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है आप कुछ भी कर लो नथिंग टू जिसको आप चुरा सको अभी ही नहीं है तो भी प्रॉफिट जीरो ही होगा है ना तो दोनों चीजें अगर अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो भी जीरो अच्छा, अच्छा, ये वाला किसको है? जब लाओगे तो भी प्रॉफिट जीरो ही आएगा। तो पहला और पहला रो हमारा जीरो हो गया ठीक है अब ध्यान से चलो आराम आराम से नाउ लुक एट दिस वन कॉमर टू एक ऑब्जेक्ट है जिसको अगर पिक करना है प्रॉफिट मिलेगा वन लेकिन उसका वेट है टू अब आप मुझे बताओ अगर नेपसे की कैपेसिटी वन हो तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक कर पाऊंगा फ्रैक्शन तो कर नहीं सकता तो नहीं कर पाऊंगा सर आगे बढ़ता हूं तो लेट मी राइट जीरो देयर यस अगर नेपसेक की कैपेसिटी टू हो तो क्या पिक कर सकता हूँ हाँ तब पिक कर लूंगा यस yes. तो यहां देखिए जैसे नेपसेक की कैपेसिटी टू हुई मैंने यहां पर क्या लिखा वन लिखा अच्छा एक ही ऑब्जेक्ट था अभी तक मेरे पास वही मेरा खर्चा हो गया तो अब अगर मैं कैपेसिटी बढ़ा भी दूं तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा क्या नहीं बिकॉज समझिए फिलहाल आगे के सारे कॉलम्स में इन एंटायर रो आई कैन राइट वन इस बात का मतलब क्या है अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट लेंगे सर ये वन ही मिल सकता है कितनी भी बढ़ा लो इट नाउ

पहले अलाउड नहीं था बट अब मेरे पास एक नया एलिमेंट है लो है तो मतलब, ना क्योंकि मेरी कैपेसिटी थ्री है विच इज अलाउड मेरे को प्रॉफिट टू मिलेगा तो देखिए वेट थ्री पे मैंने प्रॉफिट टू ले लिया ये yes, तो देर इज टू अब यहां ये पुरानी वैल्यू नहीं ली मैंने इंप्रूवमेंट किया है एक और बात अगर वेट फोर कर दू बट टू और थ्री मिलके फाइव होता है अगर दोनों ऑब्जेक्ट तो फाइव होना चाहिए और अगर फोर है तो भी इन दोनों में से मैं नीचे वाला ही चुनूंगा क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है तो शायद फोर पे कोई चेंज नहीं होगा दिस टू रिमेन्स टू बट द मोमेंट यू से वेट फाइव माई गॉड इसी टाइम का इंतजार था ना टू प्लस थ्री फाइव दोनों एलिमेंट में पिक कर सकता हूं एंड अब और दोनों का प्रॉफिट कितना है वन प्लस टू थ्री आने वाले सब जगह थ्री क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि सर दो ही एलिमेंट थे अंडर स्टडी और दोनों को पिक कर लिया गया है तो इसके आगे आप कैपेसिटी कितनी भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रॉफिट वन प्लस टू थ्री मेरे पास आ गया यस yes, फिर आगे बढ़ते हैं नाउ लुक एट द थर्ड एलिमेंट अब ध्यान से देखिएगा जब मैं थर्ड एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि पहले दो को भूल गया बेसिकली अब मैं तीनों एक साथ कंसिडर कर रहा हूं तो आई थिंक इसका कैपेसिटी वेट फोर है वेट थ्री तक तो कोई चेंज नहीं होगा एवरीथिंग रिमेन्स द सेम अब यहां देखिए वेट फोर पे पहले पे मेरे पास यही ऑप्शन था कि वेट थ्री वाला रखूं बट इस बार वेट फोर फोर पे बहुत प्रॉफिट है क्योंकि एक नया एलिमेंट मेरे पास है जिसका प्रॉफिट है फाइव तो दे यू सी वेट फोर पे मैंने इसको पिक किया एंड आई हैव फॉलो कर पा रहे हैं कितना सिंपल और कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं फिर आगे बढ़िए वेट फाइव पर मैं जाऊंगा तो जो मेरे पास पहले कॉम्बिनेशन देखिए क्या क्या हो सकता है टू प्लस थ्री फाइव हो सकता है और उसके अलावा तो मैं फोर प्लस थ्री uh, प्लस फोर करूंगा तो भी सेवन हो जाएगा टू प्लस सिक्स फोर करूंगा तो सिक्स हो जाएगा तो या तो ये दोनों या तो ये अकेला ये अकेला पांच दे रहा है ये दोनों मिलकर भी तीन देंगे तो आई थिंक पांच वाला ही कंटिन्यू करते नो प्रॉब्लम बट द मोमेंट यू राइट वेट सिक्स अब एक पॉसिबिलिटी है थ्री और टू मिलके फाइव ही दे पाएंगे थ्री और फोर मिलके सेवन हो जाएंगे बट टू एंड थ्री मिलके सिक्स हो रहा है तो वन प्लस फाइव मैं जरूर पिक कर सकता हूं एंड यू सी मेरा प्रॉफिट क्या आ गया सिक्स आ गया आगे देखिए वेट सेवन पे वेट सेवन पे क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ हाँ, तो तो मजे की बात की अगर मैं तीनों का सम करता हूं तो टू प्लस थ्री इज फाइव एंड फाइव प्लस फोर इज नाइन है ना तो नाइन तक जा नहीं पाऊंगा तो एट पे शायद अगेन मैं कोई नया एलिमेंट ना ले पाऊं सो तो आल रिमेन एट सेवन

नाउ यू सी वेट देस पे इज लाइक like, अगर मैं करता हूँ क्या क्या हो सकता है टू प्लस फोर इज सिक्स यहाँ पर भी सिक्स ही है तो दो ऑप्शन है बट अगेन आंसर वेट पे क्या और कोई कॉम्बिनेशन फाइव प्लस सिक्स प्लस ये फाइव और टू सेवन ये भी मिलके मेरे को सेवन दे रहा है और ये दोनों पे मिलके सेवन दे रहा है बट अगेन पॉइंट इज सेवन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे अब अगर वेट एट तक जाए अब कोई नया कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या हाँ सर एक बना तीन और पांच मिलके कितना बन रहा है uh, आठ बन रहा है अलाउड है तो फाइव सिक्स प्लस टू करूंगा तो ये देखिए मेरा वेट आ गया एट इसका मतलब क्या हुआ दे यू सी फॉर वेट एट इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स जो मैक्सिमम प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं वो है एट सो दैट इज हाउ यू सॉल्व इट यस अब मैं बोलना क्या चाह रहा था इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मुला इन जनरल पढ़ने की जरूरत नहीं कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन पे सॉल्व होगा अगेन आपसे ढाई सौ ऑब्जेक्टेगा चार पांच ऑब्जेक्ट होंगे थोड़ा बहुत वेट होगा डायरेक्ट किया जा सकता है फॉर्मूला से कैसे किया जाएगा समझाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है सो एज वी नो इन इन दिस आइडिया वी यूज रिकर्सिव सॉल्यूशन तो देर यू राइट रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे इस पूरे टेबल का मैं नाम रखता हूं के एस स्टैंड फॉर नैप वेयर n इज द रो जैसे i और j करते हैं ना n इज द रो एंड w इज द कॉलम n इज द रो w इज द कॉलम अब आप देख नोटिस करिए अगर आप नैपसक की जो कैपेसिटी उसे जीरो कर दें या एलिमेंट ही जीरो कर दें ये या दे, याद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा उस केस में प्रॉफिट भी जीरो होगा मेक सेंस आगे बढ़िए अगर जो वेट है nth एलिमेंट का है ना अगर वो वो आपका जो मैक्सिमम वेट वेट कैपेसिटी है w, अगर अगर उससे ज्यादा आ जाए तो तो मान लीजिए मैं यहां पर एक नया वेट के say, 10 कोई फायदा नहीं होगा उस में, दे, हम पुराना उठा के रख लेते हैं नो वट इज एन माइनस वन बहुत जगह हमने ऐसा किया दिस इज एन इज द रो एंड कॉलम एन माइनस वन मानो एक ऊपर तो ऊपर वाला जो उससे पहले सॉल्यूशन निकाल चुके हैं कॉपी कर लेते हैं जब नया एलिमेंट आपकी कोई मदद ना कर पाए ये भी समझ आता है नाउ लुक एट द थर्ड केस जो सबसे इंटरेस्टिंग है मैं एक सैंपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ था ना तो वट इज दिस एन वट इज दिस लेट मी से वन टू इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ ज्यादा गंदा कर दिया यस yes. चलिए दिस इज एन वन एन टू एन थ्री तो एन का वैल्यू थ्री है और डब्ल्यू का वैल्यू सिक्स है तो बेसिकली थ्री कॉमस का जरा तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं वेट इज ना यस yes. अब आप मुझे बताओ ये क्या कह रहा है कह रहा है या तो प्रीवियस वैल्यू कॉपी कर लो यानी कि थ्री कॉमस सिक्स टू कॉमस सिक्स कॉपी कर लो एंड वॉट इज टू कॉमस सिक्स विच इज थ्री ओनली या फिर क्या करो लुक एट दिस एन माइनस वन यानी कि एक रो ऊपर आओ यू राइट टू

1 1 1 5 5 6 And there you have 6 तो so, आप चाहो तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो एक कोशिश मैं और करूंगा ये समझाने की कर क्या रहा है भाई देखो जैसे ही आप किसी एलिमेंट को कंसीडर करते हो है ना तो द मूमेंट यू कंसीडर दैट एलिमेंट उसका प्रॉफिट तो आपको मिल गया तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट मैंने ऐड कर लिया ये अलग बात हो गई बट जैसे ही आपने उसका प्रॉफिट कंसीडर किया आपके ऊपर पेनल्टी लगा वेट का तो जो टोटल कैपेसिटी है कैपिटल डब्ल्यू है ना जो यहां पर कितना था सॉरी हाँ जो कॉलम नंबर है फिलहाल यहाँ पे हम टोटल तो तो आप जैसे ही ये कहते हो कि मैंने एलिमेंट कंसीडर किया उसका वेट कितना था फोर तो कायदे से सिक्स माइनस अब आपकी कैपेसिटी कितनी बची अब आपकी कैपेसिटी बची सर टू की अब आपकी कैपेसिटी बची टू की मानते हो अब एक रो ऊपर गया एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया कैपेसिटी बची टू की वो सब प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा हूं मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है इस एलिमेंट को अगर छोड़ दे तो पहले दो एलिमेंट के साथ वेट पे क्या मिलता था पहले से सॉल्व करके रखा यही तो डीपी है तो सर वहां पे क्या मिलता था वहां पे वन मिलता था तो वन प्लस ये फाइव मैंने किया मेरे को प्रॉफिट मिल गया तो आप इसे डायरेक्ट समझें फॉर्मूला से समझें यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग समझें दैट इज ऑल अबाउट

इट यूजिस डायनोमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू इंक्रीमेंटली इंप्रूव द सोल्यूशन बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल पाथ अब मैं फिर वही आपसे बोलता हूँ डीपी का आपने लॉजिक देखा ना आपसे में क्या उसने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंसिडर किया क्या इंक्रीमेंटल अप्रोच जिसकी बात यह यहां कर रहा है तो क्या करता है पहले एक ऑब्जेक्ट लिया फिर वो समझ आ गया फिर उसमें एक और ऑब्जेक्ट से सॉफ्ट में कहते हैं इंक्रीमेंटल टेस्टिंग करते हैं सेम अप्लाइज है। फिर वो समझ आया एक ऑब्जेक्ट और कंसीडर कर लिया लाइक like दिस तो उसी तरह यहाँ पर एलगोरिदम यह कैसे काम करता है इसकी फंक्शनैलिटी समझाता हूँ आइडिया सेम है पहले एक वर्टेक्स कंसिडर करो है ना पहले एक भी कंसिडर मत करो उसके बाद एक करो देखो रास्ते में कुछ सुधार है क्या फिर एक और कंसीडर करो देखो फर्दर कोई इंप्रूवमेंट है क्या और फिर धीरे धीरे तब तक कंसीडर जा, करते जाओ जब तक तो कोई पॉसिबल यू नो इंक्रीमेंट हो रहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अप्रोच कैसे काम करेगी देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाए सिर्फ टीम वर्टेक्स का आप बोलोगे सर इतनी क्या कंजूस टीम वर्टेक्स अभी जब सॉल्व होना शुरू होगा तो आपको लगेगा कि तीन वर्टेक्स का भी क्यूब बनाया उससे छोटा नहीं बन सकता था क्या तो क्यूब बहुत सारी मेट्रेसेस बन जाए करती हैं लाइक टू एन प्लस टू मेट्रेसेज आर देयर फॉर एन वर्ट्रेसेस तो बड़ा क्वेश्चन बनता है तो इसीलिए एग्जामिनर भी आमतौर पर न्यूमेरिकल पूछने से बचता है यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं क्या है हम यहाँ पर अगर आपको याद हो सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ में भी दो हम कैलकुलेशन करते थे ना एरे बना के लाइक वी हैव अ डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड वी हैव क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू क्या है हमें ये बताना कौन सा रास्ता है एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं हम दो मैट्रिक्स बनाते हैं और इस बार एरे क्यों नहीं बना रहे मैट्रिक्स क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक वर्टेक्स से नहीं पता लगाना मेरे को नहीं बताना ए से ए बी सी का शॉर्टेस्ट रास्ता है क्या मेरे को बताना ए से या बी से या सी से सबसे सबका क्या है तो अब यहाँ पर यहां देखिए नोटिस करिए हम सबसे पहले एक पेयर ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं इधर में डिस्टेंस लिखूंगा या इधर में नोट करूंगा बट नोटिस करिए लिखा है नॉट नॉट एंड तो इन द द द फर्स्ट पेयर ऑफ मैट्रिक्स व्हाट इज इज रूल रूल कि आप सिर्फ वो रास्ते कंसीडर कर सकते हो पाथ जो डायरेक्ट होंगे देयर कैन नॉट बी एनी इंटरमीडिएट वर्टेक्स कोई बीच में वर्टेक्स नहीं आ सकता अगर डायरेक्ट रीचेबल है तो कंसिडर करो अदरवाइज यू कैन मार्क इट एज इंफिनिटी कैसे होगा देखते हैं तो सबसे पहले कुछ काम आसान कर लेता हूं सो so, लेट मी क्योंकि कुछ बार-बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी नॉट वेरी गुड विद पावर पॉइंट अभी बनेगा कैसे यही बनाने मेरा हाल खराब था तो पहले कम से कम एक आप चीज मेरा अलाउ करो ए को ए बी से बी सी से सी इन सब को तो मैं जीरो मार्क कर दू ब फिर बार बार ये हमारे बीच में आके हमें प्रॉब्लम में नहीं लाएंगे लेटमी राइट जीरो सिमिलरली पेरेंट अभी ए से ए पे जाना है तो अब क्या यहाँ पे लिखो यू कैन राइट ए ओनली या फिर आप नील भी मार्क कर सकते हो लेटेड भी है ना तो यहाँ पर मैं ए बी सी लिख देता हूँ उसका मतलब बी से बी पे गए तो भाई बी पे B ही बी ही गए ये क्या बता रहे इंटरमीडिएट रास्ते में कौन मिला रास्ते में कोई नहीं मिला सर डायरेक्ट पहुंच गए तो ये थोड़ा सा काम मैंने कर दिया अब ध्यान से देखिएगा कैसे बढ़ना शुरू करता हूँ अगर आप देखिए क्या ए से बी का कोई रास्ता है डायरेक्ट कोई इंटरमीडिएट यूज नहीं करना ए से बी का एक डायरेक्ट रास्ता है विद अ फोर

बी से सी का दिस डायरेक्ट पाथ विथ टू और ये तो आई थिंक इतना ऑप्टिमल है ये फर्दर ऑप्टिमाइज हो भी नहीं पाएगा सो लेट मी राइट बी ओनली है ना नाउ सी से ए का कोई डायरेक्ट रास्ता है ना सर सी से इज ओनली वेरी गुड और ये लिख दिया मैंने सी एंड लास्ट वन सी से बी सी से बी अब देर यू सी रास्ता तो है वाया ए होते हुए बट अभी मैं कंसिडर कर सकता हूं कि अभी नहीं कर सकता मेरे को डायरेक्ट चुनना है तो सी से बी अभी कोई रास्ता नहीं है मी राइट इनफिनिटी फॉलो कर पा रहे हैं तो ये पहला पेयर ऑफ कैलकुलेट कर लिया जहां पर क्या लाउड है डायरेक्ट रीचेबल है तो बढ़िया अगर डायरेक्ट रीचेबल नहीं तो और कुछ कंसिडर नहीं कर सकते बात समझ आती है नाउ स्टेप नंबर टू पे आ जाइए अब क्या करेंगे यहां देखिए क्या लिखा हुआ है नाम डी एंड पाई ए इस बात का क्या मतलब है इस बार आप सिर्फ वर्टेक्स ए को एज अ इंटरमीडिएट वर्टेक्स यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके रास्ते में कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं है अगर है तो बढ़िया नहीं है कोई बात नहीं अब क्योंकि मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूं उस तरह के क्वेश्चन तो एक आइडिया आपको समझाता हूं अगर हम बोल रहे हैं कि ए को इंटरमीडिएट यूज करना है तो ए स्टार्टिंग और एंडिंग तो नहीं हो सकता तो अगर आप नोटिस करें पहले रो में ए स्टार्टिंग है और पहले कॉलम में ए एंडिंग है तो पहले रो और पहले कॉलम में तो कोई चेंज आएगा नहीं तो अगर थोड़ा जल्दी से लिखे मी जस्ट कॉपी देम सिमिलरली हि पहले रो और पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इंटरमीडिएट यूज करना तो दैट विल बी सिक्स प्लस इलेवन सेवनटीन माई गॉड फायदा नहीं नुकसान हो जाएगा तो कोई चेंज नहीं है दो चेंज पॉसिबल लेट मी राइट इज एज इट इज सी से बी अभी तक अनिचेबल था क्या वाया ए जाए तो कुछ मदद हो सकती है हाँ ये बात हुई ना तो दे यू सी इज देवन वैल्यू पहले इन थी अभी एन और याद रखिए इस बार पेरेंट में पे कौन आएगा फॉर अ फर्स्ट टाइम इस बार ए आएगा क्योंकि मैंने ए को एज ए इंटरमीडिएट यूज किया है आप शायद धीरे धीरे डीपी का मतलब आपको समझ आ रहा होगा बट इस बार अभी भी हमने सबको कंसिडर नहीं किया सिर्फ ए को किया अब बताइए अगले स्टेप में क्या करेंगे नाम भी आपको बता रहे होंगे इस बार बी को कंसीडर कर सकते हैं तो व्हाट यू कैन डू अगर बी कहीं इंटरमीडिएट वर्टेक्स यूज हो रहा है तो आप इस्तेमाल करें और देखें क्या उससे फर्दर कोई इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा अगेन अ शॉर्टकट क्योंकि मैं बी को इंटरमीडिएट यूज करूंगा तो वो सारे रोज और कॉलम जहां पे बी या तो स्टार्टिंग या तो एंडिंग है वहां कोई चेंज होगा नहीं सो so, बी वाला रो और कॉलम व्हाट यू कैन डू यू कैन कॉपी एज इट इज बी वाला रो एंड कॉलम यू कैन कॉपी एज इट इज कर लिया सर अब देखते हैं आगे A से C, सी से सी का करंट कॉस्ट है इलेवन ए से वाया बी कोई मदद हो सकती है फोर प्लस टू ए सिक्स बिल्कुल हो रही है तो A से सी का इसको बोलते हैं वो रिलैक्सेशन करना रिलैक्स कर दिया और वाया कैसे आया वाया बी आए मी राइट बी तो ऑलरेडी थ्री है सी टू ए अगर बीस बी से कोई रास्ता पॉसिबल भी नहीं है नो चेंज पॉसिबल शू राइट थ्री एंड सी ओनली एक चीज आप नोटिस करेंगे ये जो मैं डी बी और पाई बी मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ ये मैंने जीरो से नहीं किया मैंने ए का यूज किया इस बात का फिर वही मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि इस बार मैं डी को कंसिडर कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ए को मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ तो इस बार मैं डी और ए दोनों को कर रहा हूँ इट इज नॉट लाइक कि मैं अकेले बी को कर रहा हूँ

सी एंड ए डायरेक्टली दो ही पॉसिबल लोकेशन बची ए से बी का कॉस्ट फिलहाल फोर चल रहा है ए से बी इज फोर वाई आई फायदा हो सकता है रास्ता ही नहीं है कोई फायदा नहीं हो सकता तो राइट दिस एज फोर एंड ए नाउ बी से ए फिलहाल सिक्स चल रहा है बी से ए वाया सी कोई फायदा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है दे प्लस थ्री फाइव एंड इट इज बेटर देन सिक्स बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए सो so दे किस को यूज किया है सर सी को यूज किया है एंड द आंसर दीज लास्ट टू मेट्रसेज आर द आंसर यहां पर किसी भी नोट से किसी भी नोट तक पहुंचने का ऑप्टिकल डिस्टेंस लिखा और कैसे पहुंचना है फॉर एग्जाम्पल बताएं बी से ए कैसे पहुंचना है तो आप लिखें बी आप लिखें ए और देखिए वहां क्या एंट्री है बी से एंड पे एंट्री है सी तो यानी कि से वाया होते हुए पहुंचना चेक कर लीजिए बी से वाया वायासी होते हुए वाया ए पे पहुंचा जा सकता है विद अ कॉस्ट सो दैट इज ऑल अबाउट फ्लड वर्सल तो नाउ यू अंडरस्टैंड अगर मैं पांच दस वर्टेक्स ले लेता कितने सारे मैट्रिक्स बनते कितने बड़े बड़े मैट्रिक्स बनते हाल खराब होता बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड द आइडिया Well तो 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 शॉर्टसात मिल गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई एम नॉट गोइंग इन टू द कोड आई डोट थिंक इट इज रिलेवेंट बट प्लीज अंडरस्टैंड अगेन इट इज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब तो बिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं काय को फ्लड वर्सल यूज करना

बिकॉज uh, कई बार ऐसा हो सकता है कि यू you नो know, कुछ लोग बोलते हैं ग्रीडी से सॉल्व करो क्या करो प्रॉब्लम की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी तो आइडिया क्लियर है फिर एक और बात अगेन समटाइम से कि भाई ऑप्टीमेलिटी बता दो ट्रू और फॉल्स मतलब आंसर क्या है वैलिड है इनवैलिड है तो अगेन यही से सोल्व कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी आप डायरेक्ट सोल्व करना ही सीख जाएंगे डीपी तो एक तरफ प्रॉब्लम समझे क्या है प्रॉब्लम है दैट यू हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ लू

पॉसिबल सबसेट हो सकता है क्या ऐसा कोई पॉसिबल सबसेट हो सकता है क्या जिसका सम एक्स वाई जेड कोई भी गिवन वैल्यू हो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में है 14. हाँ, फिर वही बात है यार एक्चुअली इतने आसान क्वेश्चन है कि बच्चा डायरेक्ट कर लेगा इज इट तो एग्जामिनर भी सोचते हुए सोचता है कि क्या पूछूं बोलना पड़ेगा कि इससे सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप दिखाओ फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ डायरेक्ट फोर्टीन सम आ सकता है क्या ट्राई करो तो टू प्लस थ्री करेंगे फाइव आएगा सेवन और एट करेंगे फिफ्टीन हो जाएगा एट एंड टेन करेंगे क्या चाहिए हमको फोर्टीन चाहिए यस एंड एंड दिस 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 अभी तो लग रहा है शायद नहीं हो पाएगा ट्राई करके देख लेते हैं यस yes, वैसे लग रहा है कि नहीं होगा अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं तो डीपी का अप्रोच अब आप समझ गए ये दो चीज आप समझे चाहे नैपसैक था या उसके बाद फ्लड वॉर्सलता था एकदम तो सॉल्यूशन तक पहुंचते नहीं तो आप बोल रहे हो फोर्टीन होगा कि नहीं सर फोर्टीन तक पहुंचने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है मेरे पास मैं तो जीरो से चालू करूंगा तो आई गो जीरो हर पॉसिबल सम क्या क्या पॉसिबल है क्या क्या पॉसिबल नहीं है डीपी शॉर्टकट तो मारता नहीं ग्लीबी ग्रीडी ग्रीड, सॉरी डीपी कह रहा हूँ ग्रीडी कह रहा हूँ डीपी डीपी यानी कि डायरेमिक प्रोग्रामिंग लोकल ऑप्टिमल को ग्लोबल ऑप्टिमल तो मानता नहीं वो तो तरीके से ढंग से सॉल्व करता है इज़न्ट इट तो मैं जीरो से लेके 14 तक सारे पॉसिबल सम जनरेट करके दिखाऊंगा अगेन जैसा हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्या नैपसैक में सारे वेट्स को एकदम कंसीडर कर लिया था हर ऑब्जेक्ट को नहीं तो एक-एक करके देखूंगा हर ऑब्जेक्ट के ऐड करने से कौन-कौन सा सम जनरेट होगा कौन-कौन सा नहीं होगा पॉसिबिलिटी क्या है एक और अच्छी बात नोटिस करने वाली ये है फाइनली आप पिक डिसीजन प्रॉब्लम आंसर कर रहे हैं सो बेसिकली दिस इज नॉट अ ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम पे ऐसा नहीं बहुत सारे आंसर हैं उसमें से एक मिनिमम या मैक्सिमम वाला पिक करना है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है यू हैव टू आंसर इन यस और नो तो बस आपको ये बताओ इसका कोई पॉसिबल सबसेट से 14 सम जनरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो उनको बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम फेर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला स्टेटमेंट है जीरो जीरो जनरेट हो सकता है नहीं तो ये अगेन एक ट्रिवियल प्रॉब्लम है और यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स में आंसर करूंगा तो लेट मी राइट ट्रू ट्रू बेसिकली से मैं बोलना है चाहता हूँ कि यार ट्रू तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं एक तरीके से फाइव भी है कोई भी ऑब्जेक्ट में नई भी लू एलिमेंट फाइव को भी काइंड kind ऑफ of मैं जीरो ट्रीट कर सकता हूँ तो जीरो सम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा मैं कहीं पर भी जीरो लिखूंगा ना उसके सब नीचे मैं जीरो लिख सकता हूँ कहने का मतलब अगर अकेला टू कोई काम कर सकता है तो फिर थ्री सेवन एट और टेन तो मिलके कर ही सकते हैं अभी आगे आगे और चलेंगे और समझ आएगा जैसे यहाँ देखिए हमें सम जनरेट करना है वन हम मेरे पास सबसे छोटा एलिमेंट ही टू है तो सर वन तो जनरेट नहीं कर पाएंगे और आप चाहो तो आगे भी देख सकते हो क्या अकेला टू नहीं कर पाएगा टू थ्री मिलके कर लेगा नहीं कर पाएगा सर वैल्यू बड़ा हो रहा है मेरे को वन चाहिए क्या टू थ्री सेवन मिलके कर लेंगे जी नहीं अलाउ मी टू राइट फॉल्स देयर अभी मैं फॉर्मूला भी नहीं सिखा रहा मैं पहले डायरेक्ट टेबल भरना सिखा रहा हूँ फॉर्मूला आपको खुद में खुद समझ आ जाएगा इन बिटवीन नाउ मिलेगा हाँ मिल जाएगा लेट मी राइट बहुत बेसिक बात है so, अब एक बात मुझे बताओ अगर एक सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है टू जिससे मैं टू जनरेट कर पा रहा हूँ क्या टू और थ्री मिलके भी कर पाएंगे सर जब टू कर लिया तो बस कर लिया टू और थ्री लिख लीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली कर तो पाएंगे ऐसा बोल सकता हूँ सेट के केस में अगर कोई सेट ये सम जनरेट कर पा रहा है तो उसके सारे सुपर सेट भी वो सम जनरेट कर पाएंगे क्योंकि एलिमेंट ऐड होने से कोई प्रॉब्लम तो ऐड होनी नहीं रही है तो व्हाट वी कैन से ऑलवेज कि अगर कहीं पे ट्रू है तो उसके उस पूरे कॉलम में आई कैन राइट टू ट्रू करने की जरूरत नहीं अच्छा आगे बताइए क्या two से three कर लेंगे? Two से three कैसे करेंगे? अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आगे आगे सर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए भी आपको आगे वेट करने की जरूरत नहीं इफ यू वॉन्ट वॉट यू कैन डू यू कैन पुट फॉल्स राइट अवे जितनी जल्दी टेबल भरे उतना अच्छा है अब यहां बताइए लुक एट अब देखिए कितनी मजे की बात क्या

है ना एक बात नोटिस करिए कि अगेन फिर वही टू थ्री से हो पा रहा तो सेवन एट टेन से भी हो पाएगा जी हाँ हो पाएगा उस पूरे कॉलम के अंदर मैं ट्रू मार्क कर सकता हूँ अच्छा इस चीज को ऐसे भी सब सब प्रॉब्लम्स कॉल करता है ना मेरी प्रॉब्लम थी नोटिस करिएगा टू और थ्री को यूज करके क्या जनरेट करना सम थ्री जनरेट करना अगर मैंने थ्री यूज कर लिया तो बताओ मेरी नई प्रॉब्लम क्या बची अब मेरे पास एक एलिमेंट बचा टू और मेरा नया सम क्या बचा थ्री तो मैंने यूज कर लिया ना तो मेरा नया टारगेट बचा जीरो मैं पहले से जीरो भर के मैं पहले से ट्रू भर के बैठा हूं हाँ तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम ने इस सब प्रॉब्लम को कॉल किया क्योंकि ये ट्रू था तो मैंने यहां भी डायरेक्ट ट्रू लिख लिया हमें मैं फॉर्मूला का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूँ बाकी डायरेक्ट तो समझ आ ही रहा है आगे बढ़ते हैं क्या थ्री से फोर जनरेट हो सकता है टू और थ्री से मिलकर फोर सोचने वाली बात है थ्री आप यूज भी करेंगे तो फोर uh, में से थ्री क्या कितना बचा वन बट टू से वन जनरेट नहीं हो पाएगा सर लेट मी राइट अ फॉल्स क्या टू और थ्री से मिल के फाइव जनरेट हो जाएगा टू और थ्री से मिलके फाइव ये बिल्कुल जनरेट हो जाएगा तो देर यू सी यहाँ पर आप ट्रू मार्क कर सकते हैं हा के ना जनरेट हो जाएगा फिर वही देखिए देखिए अगर थ्री आपने यूज किया तो फाइव में से तीन टारगेट बचा टू और टू से टू जनरेट हो सकता है यस यू राइट ट्रू हियर और कहीं पर भी ट्रू है तो बाकी सब जगह ट्रू सकते हैं अच्छा अगेन आप आगे देख सकते हैं अगर टू थ्री मिलके फोर नहीं जनरेट कर पा रहे तो सेवन एट टेन इसमें कुछ मदद करेंगे आपकी आई थिंक कोई मदद नहीं करेंगे मुझे पता नहीं मैं इसे पूरा फिल करूं या नहीं करूं आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि नहीं एक दो कॉलम और फिल कर देता हूं हूँ सिक्स टारगेट कर लेते हैं नाउ लुक एट दिस क्या थ्री और टू मिलके के सिक्स अचीव कर पाएंगे नो आई डोंट थिंक सो ओ सॉरी नो बोल रहा हूँ ना सो लेट मी राइट अ फॉल्स बिकॉज टू और मिलके भी फाइव हो रहा है अच्छा क्या टू थ्री और सेवन मिलके अभी सेवन ज्यादा बड़ा हो गया उससे भी नहीं होगा ये तो पूरा फॉल्स ही होने वाला है यस yes, टू और थ्री मिलके क्या सेवन जनरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते बट क्या सेवन सेवन जनरेट कर सकता है ये बिल्कुल कर सकता है अब मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ देखिए हमारी प्रॉब्लम थी टू थ्री और सेवन मिलकर सेवन जनरेट कर पाएंगे कि नहीं मैं अगर 7 यूज कर लूंगा, तो मेरे पास क्या बचा टू थ्री मिलकर जीरो, जीरो जनरेट कर सकते हैं है, यहाँ पे ट्रू है तो आयसर टू ट्रू ट्रू तो अब एक बात समझिए जैसे ही हम किसी एलिमेंट को यूज करते हैं हमने सेवन को यूज किया ना तो हम सेवन कॉलम्स पीछे आते हैं नोटेड डाउन सेवन कॉलम पीछे आते हैं हैं एक रो ऊपर जाते क्योंकि वो एलिमेंट तो तो सॉल्व तो कर सकते हो अगर इतनी बात समझ आती है मैं कोशिश करूं इस बात को रिकर्सिवली लिखने की ध्यान दीजिएगा अब मैं एक टू डायमेंशनल कॉलम टू डायमेंशनल एरे है और यहां पर मान लीजिए आई और जे की बात कर रहा हूं आई कॉमा जे में क्या लिखना है पहले तो क्या कह रहा है अगर आई माइनस वन कॉमा जे और है ना बीच में देखिए तो अगर यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू लिख दो आई थिंक बात तो आपने समझ ही ली क्योंकि अगर आपके ऊपर ट्रू है इसका मतलब आपका सबसेट ही वो सम जनरेट कर चुका है एडिशनल एलिमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कहीं भी ट्रू है तो उसके सारे नीचे ट्रू लिखा जा सकता है और है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई अगर ऊपर ट्रू नहीं है तो क्या करना है लुक एट दिस तब i 1 तो एलिमेंट आपने यूज किया ऊपर आ जाइए और उसके बाद जो भी एलिमेंट था मान लीजिए ai था तो कितने कॉलम पीछे जाना है अभी मैंने बताया आपको j ai करिए इतने कॉलम पीछे जाइए देखिए वहां पे ट्रू लिखा है क्या अगर वहां पे ट्रू लिखा है तो फॉल्स और ट्रू का और करेंगे तो भी ट्रू मिलेगा देन यू कैन राइट ट्रू अदरवाइज यू कैन राइट फॉल्स सो dp का यूज करके दैट इज द रिकर्सिव सॉल्यूशन

अभी बैक ट्रैकिंग भी एक तरह का अप्रोच है या इसको ऐसे भी बोलना ठीक होगा अगर कोई अप्रोच समझ नहीं आ रही आपको डिवाइड एंड कॉन समझ नहीं आ रहा आपको डीपी नहीं समझ आ रही आपको ग्रीडी नहीं समझ आ रहा देन यू कैन गो फॉर बैक ट्रैक सो बैक ट्रैक इज बेसिकली ट्राइंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जहां पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिले ट्राई करो बट नॉट ब्लाइंडली तो मस्ट जबी अजबी से सम बाउंडिंग फंक्शन आप कुछ कंडीशन चेक करते रहेंगे अगर आपको लग रहा है कंडीशन वॉयलेट हो रही है तो अपनी गलती मान लो वहीं से बैक ट्रैक करो किसी और पॉसिबल सॉल्यूशन पे तो मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करूंगा लेकिन हाँ अगर कहीं पे बेसिक गलती हो रही है तो मैं ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ने वाला वहां से मैं बैक बैक ट्रैक करूंगा दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइक सेल्समैन है या एन क्विन प्रॉब्लम है इवन हेमल्टोनियन साइकिल है आगे देखेंगे वेयर बैक ट्रैकिंग कैन बी अप्लाइड एंड स्टिल अ वेरी गुड रिजल्ट हम वहां से निकाल पाते हैं तो फर्स्ट एल गो वर्ड वर्ड बाई वर्ड बैक ट्रैकिंग इज अ प्रोग्रामिंग मैथड यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिकर्सिवली by trying to build a solution incrementally one piece at a time removing those solution that fails to satisfy the constant or the bounding function of a problem at any point of time to bahut sari cheez padh li lekin i think baat aapko samajh aayi hogi one by one we try every possible solution अगर कहीं पर भी कोई solution fail होता है तो उसको further investigate करने की जरूरत नहीं वहीं से backtrack ट्रैक करो अपनी गलती मानो आगे बढ़ो yes? बैक ट्रेकिंग यूज ब्रूट फोर्स अप्रोच वट डू यू मीन ब्रूट फोर्स कंप्यूटर साइंस में शब्द कई बार इस्तेमाल होता है तो ब्रूट खासकर क्रिप्टोग्राफी एंड ऑल में कि हम कोई यू नो एलगोर है, है क्रिप्टोग्राफिक कर रहा है उसको डीकोड करने के लिए क्रैक करने के लिए वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो होता है ट्रैवलिंग सूट केस होता है वहाँ पे एक यू नो लॉक होता है तीन नंबर का हर नंबर का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दैट गोज फ्रॉम जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन अभी इसको ओपन करने का क्या तरीका है तो अगर आप नंबर भूल गए तो एक ब्रूट फोर्स मेथड है स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंफॉर्मेशन नहीं तो ट्राई करो अ स्टेट स्पेस ट्री ये जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड स्टेट स्पेस ट्री फॉलोइंग डेफर सर्च ये जो ट्री हम बनाते हैं डी एफ एस फैशन में बनाते हैं वो भी अभी आपको देखोगे जब ट्राई करेंगे तो

कि हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ये इमेजिन कर लीजिए एक छोटा सा एरे है तीन एलिमेंट है हमें सॉर्ट करना है और हम कोई ह्यूरिस्टिक हम कोई मैथमेटिकल आइडिया नहीं लगाना चाह रहे हम तो बिल्कुल तुक्के मारना चाह रहे हैं कैसे करेंगे ये काम इमेजिन करिए एक केस हो सकता है मैंने रैंडमली कोई भी एलिमेंट पिक किया लेट मी से मैंने सब मैंने कुछ ट्री पहले से बना के रखे हैं आने वाले भी कुछ टॉपिक्स में ताकि कम टाइम लू आपका वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यस yes, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया थ्री अब आप सोचिए थ्री पहला एलिमेंट है उसके बाद एलिमेंट कौन कौन हो सकता है तो थ्री के बाद दो पॉसिबिलिटी है थ्री के बाद वन या थ्री के बाद टू रख सकता हूं यस yes? फिर आगे देखिए जब थ्री के बाद वन आ चुका अभी टोटल एलिमेंट ही तीन है तो आखिरी ऑप्शन बच जाकर वन के बाद तो टू आएगा यहाँ पर टू के बाद वन आएगा सिमिलरली अगर मैं पहला एलिमेंट टू लूँ तो अगले एलिमेंट की कितनी चॉइस होंगी आई हैव टू चॉइस आई दर वन और थ्री वन लिया तो आखिरी चॉइस थ्री है कोई चॉइस नहीं है और थ्री लिया तो आखिरी एलिमेंट वन है अगेन आई डोंट हैव अ चॉइस अगर पहला एलिमेंट वन लू तो अगले एलिमेंट के आई हैव लिए थ्री या तो टू तो अब अगर थ्री लूंगा तो आखिरी एलिमेंट के लिए कोई चॉइस चॉइस नहीं है आई 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 हैव 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 टू और अगर लिया तो डोंट बेसिकली अभी वैसे बहुत बेसिक बात भी है टोटल सिक्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं फैक्टोरियल थ्री अब आप यहाँ पे जाके देख लो ये पूरा स्टेट स्टेट स्पेस ट्री सारी पॉसिबल स्टेट्स हमने बना ली अब हमें देखना था सॉर्टेड ये 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 भी ये भी ये सब सॉर्टेड नहीं है सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सॉर्टेड है ये हमारा मिल गया आंसर ये थोड़ी बेवकूफी की बात है बट अगर कोई लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करें है ना देन दैट इज कॉल्ड द बेसिकली बैक ट्रैकिंग और ब्रूट फोर्स मेथड हालांकि दिस इज नॉट बैक ट्रैकिंग क्योंकि बैक ट्रैकिंग में अगर कहीं गड़बड़ वहीं से बैक ट्रैक कर जाते हैं तो अब इसी ट्री को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ इमेजिन करिए पहला एलिमेंट लिया थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं है अब थ्री के बाद जैसी वन रखेंगे हमें समझेगा आगे क्या चेक कर रहे दिस इज नॉट सॉर्टेड थ्री के बाद तो वन हो नहीं सकता यही से बैक ट्रैक करो अब वन नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है टू रख के देख लेते हैं थ्री के बाद जैसे ही टू नहीं थ्री के बाद टू रखा तो सॉर्टेड कैसे हुआ यहीं से बैक ट्रैक करो थ्री बोलेगा मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं मैं तो दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन चला चुका हूं तो हमें समझ आएगा ओके okay, इसका मतलब थ्री कैन नॉट बी द फर्स्ट एलिमेंट गो फर्दर बैक इस बार टू से ट्राई करते हैं आर यू गेटिंग इट तो इसने थोड़ा स्पेस आपका बचा लिया क्योंकि आप कंडीशन लगातार साथ साथ चेक कर रहे हैं यहां देखिए अभी टू पे ट्राई करिए टू के बाद वन टू के बाद वन नहीं वैलिड नहीं है बैक ट्रैक करिए के बाद थ्री कर सकते हैं हाँ टू के बाद थ्री कर सकते हैं इसमें आगे जाएंगे बट एक ही एलिमेंट बचा अब हाँ, प्रॉब्लम आ जाएगा से से बड़ा बट वन, थ्री से बड़ा बट नहीं ये भी सॉर्टेड नहीं है गो बैक अब टू से पूछेंगे कोई और केस टू बोलेगा भैया दो चॉइस थी वन और थ्री दोनों एग्जॉस्ट कर चुका हूँ गो फर्दर बैक अब इस हमें समझेगा कि यार इसका मतलब पहला एलिमेंट तो वन ही होगा वन पे ट्राई करें वन के बाद थ्री रख सकते हैं दैट इज ओके बट थ्री के बाद टू रखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा तो अब फिर से बैक ट्रैक करेंगे तो समझेंगे वन के बाद टू रखिए और फाइनली वन के बाद थ्री रखेंगे तो हाँ यहाँ समझ आएगा कि यस ये सॉल्यूशन हमारा वैलिड भी है और परफेक्ट तरह से काम कर भी रहा है सो नाउ आई होप यू गेट द आइडिया तो बैक ट्रैकिंग इज नॉट द ब्लाइंड ब्रूट फोर्स मेथड इट इज अ स्मार्ट ब्रूट फोर्स मैथड जो वहीं बैक बैकट्रैक कर जाता है जहां पर हमारी कंडीशन गड़बड़ हो रही है यस आई होप यू गेट द आइडिया अब इसको अगर अच्छे से समझना है तो दो तीन क्लासिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा एंड आई स्टार्ट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सो ये प्रॉब्लम इट्स क्लासिकल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस कोई नई बात तो है नहीं मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बात याद दिला देता हूं सो वी हैव अ ग्राफ A connected graph, right? and it is a weighted graph. Weighted, it could be directed and directed based on the definition. But weighted graph, a problem. basically traveling salesman is is inspired from uh, Hamiltonian graph. So is the problem is, you start from a vertex, and by traversing every vertex of the graph exactly once, you end up on the same vertex. Right? अगर मैं वेट की बात भूल जाऊँ सारे वर्टेक्स को कवर करना सारे एज कवर करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता बट यूल्स एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन यू एंड अपन द सेम वर्टेक्स बट अब अगर इसमें हम एफिशिएंसी भी लगा दें क्या कि विद एवरी एज अ वेट एसोसिएटेड और अब सिर्फ कवर नहीं करना एक वर्टेक्स से चालू करिए सारे वर्टेक्स कवर करिए जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे एंड भी करना है विद अ कंडीशन दैट कि खर्चा कम से कम होना चाहिए सो यू मस्ट कंसीडर दोज एजेस जिनका वेट मिनिमम है दैट इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम Obviously ये प्रॉब्लम अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सो इट इज क्लासिफाइड एज अ NP hard हार्ड प्रॉब्लम आगे जाके हम समझेंगे फिलहाल ये मान लीजिए एनपी हार्ड इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस बहुत मुश्किल होता है यू you नो know, इनको सॉल्व करना जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दिन क्रीज exponentially, n की पावर n के रेट से बढ़ते हैं दैट मतलब फॉर अ लार्जर वैल्यू दू आर क्वाइट इम्पॉसिबल टू सॉल्व या ऐसा बोल देते हैं हम सी में ये नहीं बोलते इम्पॉसिबल है बट द टाइम इज सो लार्ज कि हमें समझ आता है कि इसको सॉल्व करने को मतलब नहीं मैं आपसे बोले दस हजार करोड़ साल में सॉल्व होगा समथिंग लाइक दिस वो वाली बात है यस yes, तो ये एक प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम पे हम लगाते हैं अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी तो ट्रेवलिंग सेल्समैन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया नाउ हमने ग्रीडी भी पढ़ लिया बैक ट्रैकिंग हमें सीखना है और एक और डीपी तो ये ट्रेवलिंग सेल्स मैन से में तीन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे पूछ रहे किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पूछ रहे विल गो वन बाय वन लुक एट दिस ये एक ग्राफ मैंने कंसिडर कर लिया आई बी सी डी एंड दीज आर वैल्यूज और ये एज का डायरेक्शन दोनों तरफ बता रहा है कि से से ए से बी बी से दोनों का दोनों तरफ एक्सेसिबल है बट

बेसिकली हम तो केस बना रहे हैं ये डिस्टेंस हो सकता है टाइम हो सकता है मनी हो सकता है पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में किस एनवायरमेंट में हम इस आइडिया को यूज करेंगे सो वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल आप चाहो तो सेम भी ले सकते हो फिलहाल हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस कुड भी डिफरेंट इट कुड समी सेम जैसे ए से सी का और सी से ए का सेम है फिफ्टीन बट ए बी और बी ए का अलग अलग है नाउ प्रॉब्लम सेम है हमें ट्रेवलिंग सेल्समैन को सॉल्व करना है मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट लगाना है तब एक अप्रोच क्या हो सकती है अगर ग्रीडीली सोचे बहुत समय हो गया वैसे भी ग्रीडी से कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो ग्रीडी क्या करेगा सर ग्रीडी तो लोकल ऑप्टिमा को ऑप्टिमल मान के आगे बढ़ता है तो आप मुझे बताइए अगर ग्रीडी दिमाग लगाएगा लेट मी से एज द स्टार्टिंग वर्टेक्स बताओ ए से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं सर ए से बी का कॉस्ट है टेन ए से सी का कॉस्ट है फिफ्टीन और ए से डी का कॉस्ट है ट्वेंटी बींग ग्रीडी ऑब्वियसली आई चूज बी और गिडी बैकटेक नहीं करता जो हो गया वो हो गया तो ए से गए बी ये लीजिए विद कॉस्ट अब आ जाइए बी पे है ना और फिर से मुझे बताइए ए से तो हमने स्टार्ट किया ही है तो ए पे तो वापस जाएंगे नहीं बी से कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी होगी बी से तो बी से सी या डी किसी पे भी जा सकते हैं बी से सी का कॉस्ट बताएं सर बी से सी का कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव आई एम सॉरी बी से सी का कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव और बी से डी का कॉस्ट है टेन अब ये भाई साहब तो ग्रिडी महाराज है तो ये 100% डी पे जाएंगे कॉस्ट 10 लेके ये गए बी से डी इन अ कॉस्ट 10 अब डी के बाद ऑप्शन बचता नहीं है क्योंकि ये पे तो जा नहीं सकता सब कवर करना है तो 100% डी से सी और सी से ए ही जाना होगा डी से सी का कॉस्ट है सर 20 सो देयर राइट 20 और सी से ए का कॉस्ट सी से ए का कॉस्ट है 15 देयर आई राइट 15 तो टोटल तो कॉस्टिंग कितना आया

है ना ये पूरा सॉल्यूशन मैंने पहले से बना लिया सो दैट टाइम हमारा कम लगे नाउ लुक एट दिस अभी तो मैं आई आई एम इन द फेज ऑफ रिकॉर्डिंग डोंट नो बट मुझे लग रहा है छह घंटे तो शायद ऑलरेडी हो गए होंगे तो मैं ऐसे बारह पंद्रह घंटे नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ तो नाउ लुक एट दिस सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है अगेन हमारा बैक ट्रैकिंग मैथड या ब्रूट फोर्स मैथड यहाँ पे बैक ट्रैक तो क्या करे पॉइंट ऑफ डिस्टेंस निकालने का है तो अगर ए स्टार्टिंग वर्टेक्स है पहले पूरा स्टेट नहीं समझते हैं अगर ए स्टार्टिंग वर्टेक्स है ए के बाद बताऊ मैं कहा जा सकता हूँ तो बी पे जा सकता हूँ इमेजिन करिए ऑप्शन है बना रहा हूँ अगर मैं पहले सी पे गया फिर कोई चॉइस नहीं है फिर तो डी पे जाना लास्ट वर्टेक्स ए ही होगा अगर मैं पहले डी पे गया फिर भी कोई चॉइस नहीं है उसके बाद मेरे को सी पे जाना है लास्ट वर्टेक्स ए है बट अगर मैं ए से बी पे जाऊं ही ना ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूट रहा है तो हो सकता है मैं पहले सी पे जाऊं और इसी तरह यू सी जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये पूरा मैंने बना के रख लिया यस yes. अब एक स्पेसिफिक रास्ता मैं आपसे चाहता हूँ जरा इसको इन्वेस्टिगेट करिए ये क्या रास्ता निकाला है सर ये रास्ता है ए से सी सी से डी डी से बी बी से ए से सी सी से डी डी से बी बी से रास्ता तो ठीक ठाक लग रहा है तो जरा बताएं ए से सी का कॉस क्या है सर ए से सी इज वन फाइव फिफ्टीन देन सी से डी सी से डी इज ओनली फाइव फेयर बी इज ओनली टेन एंड देन बी से ए बी से ए इज ओनली फाइव सो दिस इज फिफ्टीन एंड फिफ्टीन थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव देर यू सी ग्रिडी को तो यही बीट कर दिया हमने हालांकि ऑब्वियसली किसी में रास्ता कॉस्ट ज्यादा आएगी किसी में कम आएगी बट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये सोचना ग्रीडी ऑप्टिमल आंसर करे जरूरी नहीं है यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी मैनेज टू गेट थर्टी फाइव बट कॉस्टिंग क्या है सर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स इट्सिकमिटेशन ना तो एन एलिमेंट्स को सीरियली अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं फैक्टोरियल अगर साइकिल में अरेंज करना है तो क्योंकि पहला और आखिरी एलिमेंट कॉमन हो जाता है देन एक्चुअली इट बिकम्स फैक्टोरियल फैक्टोरियल सो यू सी इन द लॉन्गर इज एज एज गुड टू पावर बस ये समझाना चाह रहा हूं कहीं ये प्रॉब्लम आपने हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड वर्ड एक्स पे कॉल कर दी ना कंप्यूटर का गेम बच जाएगा सर तो सॉल्व तो हो रहा है बट बड़ा कॉम्प्लेक्स है आप कह रहे हो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करे और तब ऑप्टिमल रास्ता चूज करें इट्स कॉम्प्लेक्स क्या डी पी यहाँ पे हमारी कोई मदद कर सकता है अब आप सोचोगे ये क्या लिख के लाए संचित जैन लिखना जरूरी था सर वरना रन टाइम में आधा घंटा लग जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आई टेक एन और अगेन रखने की जरूरत नहीं है अप्रोच समझने की जरूरत है अप्रोच आप समझ लिए तो समझ लो मामला हमारा सेट हो गया तो मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट दिस ग्राफ एंड यू लुक एट दिस मेट्रिक्स तो छोटा सा चार वर्टेक्स का ग्राफ बना लिया अगेन जो फिलोसफी लास्ट क्वेश्चन में तो वो यहाँ भी है कहीं कहीं पे आप देखेंगे इट अलग -अलग नॉट दो तीन बातें याद करते हैं अगर आप अपने पास से कुछ नहीं सीखे तो जीवन भर छोटे काम करते रहेंगे डीपी हमेशा छोटे छोटे सोल्यूशन जो करता है ना उनको याद करके रख लेता है ताकि फ्यूचर में

कि पहला वर्टेक्स हमारा वन है यहां से शुरू करेंगे अब आगे टू पे जाना है थ्री पे जाना है फोर पे जाना है वो हमें नहीं पता वो हमारे रिश्तेदार तो है नहीं और डीपी भी कहता है, सर पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे डिटेल में जाके क्या डीपी भी ग्रीडी की तरह गलत आंसर दे सकता है नहीं ये तो पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वर्ड बाय वर्ड एंड इट ऑलवेज गारंटी टू जनरेट ऑप्टीमल सोल्यूशन इज इंट इट सो वट इट कैन डू चार तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो वन से डायरेक्ट टू पे जाए या तो वन से थ्री पे जाए लुक एट दिस या तो वन से फोर पे जाए ठीक बात है ना अब अगर वन से टू पे आप चले गए तो आगे का क्या कॉल है तो मैं दोबारा ट्रेवलिंग सेल्समैन कॉल कर सकता हूं कि आगे का कंफ्यूजन होगा कि टू के बाद पे जाएं या फोर पे जाए जाए या सिमिलरली अगर हम वन से थ्री पे चले गए तो क्या कॉल होगा कि थ्री के बाद टू पे जाए या फोर पे जाए अभी नहीं पता और सिमिलरली ऑप्टिमल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं भी प्रॉब्लम का सिमिलरली अगर हम वन से फोर पे गए तो केस बनेगा कि पहले टू पे जाए या थ्री पे जाए तो सारी पॉसिबिलिटी समझ ली अब किसी एक केस को पकड़ के आगे बढ़ लेते हैं इमेजिन करिए कि वन से टू पे जाने का तो फैसला हो गया था अब टू से थ्री पे जाना है कि फोर पे हमें नहीं पता सर ट्राई करके देखेंगे तो अगर मैं इस रास्ते को देखिए अगर पहले टू से थ्री पे गया तो थ्री के बाद कोई ऑप्शन बचेगा नहीं फोर पे ही जाना है और अगर मैं टू से फोर पे चला गया तो भी कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा तो फोर से थ्री पे जाना पड़ेगा अच्छा अगर आप थ्री से फोर पे भी चले गए फोर के बाद कहाँ जाना है कोई एलिमेंट बचा नहीं बेसिकली क्योंकि ट्रेवलिंग सेल्समैन है क्योंकि हेमल्टोनियन है तो जहां से चालू किया था वहीं जाना है तो कोई बचा नहीं तो मानो फोर से वन पे जाना है अब लुक एट दिस फोर से वन पे जाने का कॉस्ट ग्राफ से पूछ लो फोर से वन पे जाने का कॉस्ट है थ्री या थ्री लिख लिया 3 से फोर पे जाने का कॉस्ट वैसे मैंने पहले से लिख के रखा है एट यहाँ लिखा ये दोनों मिलके हुआ इलेवन इलेवन प्लस टू मिलके हुआ थर्टीन ये एक चॉइस हमने इन्वेस्टिगेट कर ली ठीक इसी तरह जब आप ये दूसरी पूरी चॉइस इन्वेस्टिगेट करेंगे देखेंगे कि अगर टू के बजाय थ्री पे जाने से टू के बजाय फोर पे गए होते तो क्या होता और बैक ट्रैक करके कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा नाइन और थर्टीन और नाइन में जब कंपेयर करेंगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके शायद नाइन बेटर चॉइस है आर यू गेटिंग इट तो डीपी ऊपर बैठ के अंदाजा नहीं लगा रहा है। वो तो एक एक रास्ता इन्वेस्टिगेट कर रहा और कह रहा है देखो जरा चेक करो कौन सा चॉइस बेटर है, है ना अब 9 और थर्टीन में बेटर है तो मैं मान रहा हूँ तो तो निकला, निकला बट जबरदस्ती है क्या वन से थ्री पे भी तो जा सकते थे और ये पूरा ट्री अब देखिए इसलिए टाइम कम लगेगा बट यू कैन डू यू कैन पॉज दिस वीडियो में बिल्कुल अलग हो जाता हूँ यू कैन पॉज दिस वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट बाई में बैठ जाए बात अगर इस पूरे रास्ते को इन्वेस्टिगेट करें और छोटा छोटा चॉइस लेते चले अब इधर से मिला थर्टीन इधर से मिला मैं 6 पिक करूंगा मिनिमम ओ माई गॉड वो ये जो काम फिफ्टीन में कर रहा था यहाँ पे वो काम सेवन में हो रहा है सो दैट इज अ बेटर चॉइस इधर आ जाओ यहां भी जब बॉटम ऑफ फैशन में सॉल्व करते आओगे तो सेवन में होगा तो एक बात तो पक्की है फॉर दिस ग्राफ मिनिमम आंसर इज सेवन ऑप्टीमैलिटीडलीस इज नॉट गार से ज्यादा रास्ते भी हो सकते हैं हो सकते हैं बताऊ क्या क्या हो सकता है जरा चेक करेंगे यहाँ सिक्स वाला रास्ता कहाँ से आया आई थिंक इधर से आया और इसके बाद तो कोई चॉइस था ही नहीं तो इसका मतलब वन से गए देखते चलिएगा वन से गए थ्री पे थ्री से गए टू पे टू से गए फोर पे एंड देन बैक टू वन ये मैंने नीचे लिख के रख लिया वन से गए थ्री पे थ्री से गए two पे two से गए पे बैक टू यहाँ देखिए ये आप सेवन बोल रहे कैसे आया सेवन आपका इधर आया चार और आई थिंक इस तरफ से आया ना चार तो वन से गए फोर पे फोर से गए टू पे टू से गए थ्री पे एंड थ्री से बैक टू वन वन से फोर फोर से टू टू से थ्री बैक टू वन एंड यू सी दो इसका मतलब दो ऑप्टिमल पाथ है बट दोनों का कॉस्टिंग है

जैसी एस फाइव होता है यू हैव ऑलरेडी वन ऑप्शन वन बेसिकली आपको वापस आना है या यहाँ पर देख सकते हैं यस yes. I comma वन वन मैं मान के चल रहा हूँ वो जो स्टार्टिंग वर्ड है सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिकर्सिव सॉल्यूशन आप दो बार पढ़ेंगे और अगर पूरी कहानी समझ आई है तो आई होप ये भी समझ आई होगी यस yes, इसको जब डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं सो वी गेट दिस इज द आंसर फैक्टोरियल like, like हमें तो कम है, है, नहीं? है ना सर तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम डीपी कर सकता है अब ऐसा नहीं है कि आपको पॉलीनोमल टाइम मिल गया अब यू नो लड्डू पेड़े खा रहे नाचरे गा रहे इट इज स्टिल बट एटलीस्ट का पावर एन एंड प्रूव की ट्रेवलिंग सेल्समैन को आप डी पी से कर सकते हैं सो दट इज ऑल अबाउट सो ग्राफ कलरिंग इज अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस नॉट वेरी डिफिकल्टन इन जनरल बिकॉज अगेन वही बात हमें नहीं सॉल्व करना ग्राफ यू नो फॉर अ ग्राफ विच हैजन थाउजेंड वर्टिसम प्रॉब्लम एंड क्या किसी भी दो vertex का same color नहीं होना चाहिए तो सर ये क्या बात है सपोज द ग्राफ कंटेन हंड्रेड वर्टस सो लेट मी यूज हंड्रेड डिफरेंट कलर्स नो द प्रॉब्लम जस्ट कंप्लीट है बहादुरी की बात क्या होगी आप ज्यादा से ज्यादा कलर यूज करना चाहेंगे कम से कम कम से कम सो नाउ द क्वेश्चन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द क्वेश्चन इज यू मस्ट एसोसिएट कलर विद एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ सो दैट नो टू एडजस्टन वर्टिक्स है सेम कलर बट ट्राई टू यूज मिनिमम पॉसिबल कलर कम से कम कलर यूज करना है बट आई थिंक नो टू वर्ट नो टू एडजस्टेंट वर्टिक सेम कलर सो वी से दिस इज एस क्रोमैटिक नंबर इसको क्या बोलते हैं क्रोमैटिक नंबर सो फॉर दिस ग्राफ क्रोमैटिक नंबर बिकम्स टू

सी इन मोबाइल नेटवर्क मैप कलरिंग एंड सी कभी कभी ना जब हम मैथ्स पढ़ते हुए समझ आता आइडिया कि किस तरह से कहाँ इस्तेमाल होगा बट इन लॉन्गर रन यू नेवर नो और ये तो आज की एप्लीकेशन हो सकता है दस साल सौ साल के बाद तो और भी कई जगह इस को हम यूज कर रहे हो क्रोमैटिक नंबर आई एक्सप्लेन एनपीसी है एनपी हार्ड है अगेन आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है बट अगेन लेटमी छोटे ग्राफ में स्टडी कर रहे हैं इसलिए देख के अंदाजा हो जाता है सेम प्रॉब्लम इन फाइव हंड्रेड वर्ड ग्राफ और लास्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए मान लेते हैं कि यह मुश्किल प्रॉब्लम है एंड हाउ टू सॉल्व इट आउट ना अगेन लेटमीटमी ट्राई द बैक ट्रेकिंग मेथड सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच हो सकती है बिकॉजिमेलिटी वाला पॉइंट तो है नहीं ऐसा नहीं कि कम से कम मतलब ऑप्टिमैलिटी है कम से कम कलर वाली बट आइडिया ये कि कितने डिफिक डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहां पर अगेन मैं दो अप्रोच आपको दिखाता हूँ लुक एट दिस ग्राफ चार वर्टेक्स लिया सिंपल सा साइकिल एक आइडिया क्या हो सकता है कि मैं देख ही नहीं रहा लाइक like सिंपल पूरा स्टेट स्पेस ग्राफ ये ट्री में बना लेना चाहता हूँ जिस में ऑब्जर्व करना चाहता हूँ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं लुक एट दिस पहले टू को, को, को भी मैं रेड कर रहा हूँ एंड देन रेड मतलब बेसिकली हर वर्टेक्स के ऊपर मैं तीन डिफरेंट कलर सारा का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन में बनाते जाता हूँ बनाते जाता हूँ यस yes, लेकिन जैसा हम ऑलरेडी सीख रहे हैं कि आप बैक ट्रैकिंग का जो अप्रोच है वो ब्लाइंडली काम करता है क्या नहीं बैक ट्रैकिंग कहता है अगर V1 पे रेड रख रहे हैं तो डोंट इन्वेस्टिगेट V2 पे रेड रखने से क्या हो गया क्योंकि जो हमारा बाउंड फंक्शन है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कांस्टेंट ऑलरेडी फेल हो गया नो टू कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैव द सेम कलर तो आगे जाके इन्वेस्टिगेट मत करिए इस रास्ते को गो दिस पाथ कि अभी वर्टेक्स टू पे ग्रीन रखना पड़ेगा यस yes, तो अगर मैं ऐसा करूं तो दे यू सी जैस में ट्राई कर रहा था तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी ट्राई करते हैं V1 पे हमने रेड रखा V2 पे रेड रखते ही प्रॉब्लम फेल हो गई वापस आए V2 पे ग्रीन रखा अब उसके बाद V3 पे फर्दर रेड रखेंगे रेड रेड रखेंगे, I think ये परफेक्ट काम करेगा, कम कम से कम, हमेशा से हमेशा शुरू करिए रेड रेड ग्रीन ब्लू ताकि तब कम से कम में काम हो सके देन V4 पे रेड रखेंगे फर्दर फेल होगा फिर बैक ट्रैक करेंगे V4 पे ग्रीन रखेंगे बताइए रास्ता काम कर रहा है क्या सो दिस इज लाइक रेड कलर असोसिएट कर दिया है एंड दू सी नो टू वर्टेक्स है सेम कलर क्या मैं ये बोल रहा हूँ यही एक सोल्यूशन है नहीं यहाँ से थोड़ा बैक ट्रेक कर लेता हूँ एंड यू टेल मी रेड है अच्छा इस पर तो कोई मतलब बनता नहीं बिकॉज और कलर क्यों यूज करूंगा और बैक ट्रेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पर रेड के बजाय ग्रीन कलर यूज कर सकता हूँ नहीं, वो नहीं कर सकता हो जाएगा। so, let me further और एक उल्टा केस हो सकता है रेड एंड ग्रीन ग्रीन पे एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है तो मैं एक नया कलर तो क्यों इस्तेमाल करूंगा बट पीछे चला जाता हूँ मैं आपसे ऐसे लेता हूँ अगर वी वन पे ग्रीन करे तो, तो आप अंदाजा लगा सकते एक बार ग्रीन करो फिर यू कैन यूज द रेड वन फिर यू कैन यूज द ग्रीन वन अगेन यू कैन यूज द रेड वन वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड आई थिंक ये भी परफेक्ट काम करेगा सो ग्राफ कलरिंग इन दिस केस इज सिंपल केस पूरा स्टेट स्पेस ग्राफ बनाइए ट्री बनाइए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रैक करते जाइए अगर कहीं पर भी ऐसा है कि दो एडजस्टन वर्टेक्स का सेम कलर है आगे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत तो नहीं वहीं से बैक ट्रैक करिए एंड एंड प्रोसीड फॉरवर्ड अगेन ये बात तो है ऐसे इसको सॉल्व करने की जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ इतना अकलमंदी दिखाने की जरूरत नहीं कोई भी आप ग्राफ लो अगर सवाल सिर्फ ये है कि क्रोमेटिक नंबर बताओ सर यू कैन टेल इट डायरेक्टली थर्टी सेकेंड वन मिनट लगेगा कोई भी ग्राफ स्टडी करके आप बता सकते हैं कि मिनिमम आमतौर पर तीन चार पांच कलर लगते हैं इससे ज्यादा नहीं लगते हैं तो ओवरऑल बोर्ड you know, होता है एट क्रॉस एट जिसमें सिक्सटी फोर सेल्स होते हैं उस पर स्टडी करना और मजेदार है बट अगेन हमें कोई बहुत बड़ा सेट स्टडी नहीं करना हमें तो प्रॉब्लम समझनी है तो प्रॉब्लम क्या है एक फोर क्रॉस फोर सिस्टम पे समझते हैं दैट व्हाट डू वी हैव और क्या चीज ऑप्शनल नहीं है It's like this, कि हर रो में आपको एक क्वीन रखना है इन एवरी रो यू द कॉलम की कौन से कॉलम में रखना है है ना बट द कंडीशन इज जैसे बोर्ड में तो है ना क्वीन रानी जिसे हम भाषा में हम बोल देते हैं कि वो यू नो इट कैन हिट वर्टिकली इट कैन हिट हॉरिजोनली

कोई भी रानी एक दूसरे के ना तो डायगनल अरेंजमेंट में होना चाहिए ना तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होना चाहिए ना तो वर्टिकल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू लाइक दिस क्वीन वन हियर एंड क्वीन टू हियर चलेगा क्या नहीं दे विल अटैक इच अदर क्वीन वन हियर क्वीन टू हियर चलेगा क्या नो स्टिल डायगनल में दे कैन अटैक इच अदर क्वन वन हि क्वी टू हियर चलेगा क्या हाँ ये फिलहाल मैनेजेबल है बिकॉज ना ये सेम रोम है ना ये सेम कॉलम में है और ना ये सेम डेनल में इसको मैनेज की मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये वैलिड सॉल्यूशन अभी थ्री और फोर को भी रखना पड़ेगा बट दैट इज आउट वेल वर्क यस अब प्रॉब्लम की डेफिनेशन आप समझ गए अगेन वट वी आर ट्राइंग टू डू हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कैसे अगेन बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ यू नो बैक ट्रैकिंग तो अगेन एक छोटा सा ग्राफ मैंने ट्री बना के रखा है और जहां भी गड़बड़ होगा वहीं से बैक ट्रैक करेंगे है ना तो एक पॉसिबिलिटी देखिए सबसे पहले क्वीन नंबर यानी कि मैं यहाँ पे एक्स वन लिख रहा हूं मैंने क्वीन वन को फर्स्ट वाले कॉलम में रख दिया ये कॉलम नंबर है अब क्या करेंगे ऑब्वियसली वन को तो इन्वेस्टिगेट मत कराइए बिकॉज उसमें तो फेल ही होगा लेट्स ट्राई वन थिंग कि क्वीन नंबर टू को यहाँ रखते हैं बट ऑलरेडी समझ आ रहा है दिल अटैक ईच अदर तो देखिए क्योंकि दिमाग लगा रहा है कंडीशन चेक कर रहा है यहीं से बैक ट्रैक किया आगे देखने की जरूरत नहीं है और बोला काम करते हैं कॉलम नंबर थ्री में रख लेते क्वीन टू को ये फिर भी लॉजिकल लग रहा है अब कॉलम नंबर थ्री में रखेंगे तो मुझे बताइए क्वीन नंबर थ्री को कहाँ रखें क्या क्वीन नंबर थ्री को कॉलम नंबर टू में रख सकते हैं नहीं रख सकते क्यों क्वीन टू अटैक कर रही है नहीं रख सकते कॉलम नंबर थ्री में तो क्या ही रखेंगे कॉलम नंबर फोर में रख सकते हैं नहीं रख सकते अगेन क्वीन टू अटैक कर रही है तो थ्री के पास कोई जगह बची नहीं बची तो हम वापस जाएंगे ऊपर और हम समझेंगे कि यार क्वीन थ्री की बात अलग है लगता है क्वीन फोर क्वीन टू की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट किए जा चुके हैं तो फिर क्वीन टू को समझाते कि एक काम करो नाउ लेट्स ट्राई सम अदर सेल लेट्स ट्राई फोर्थ सेल तो मैं इसको इधर से क्लियर करता हूँ अलग अलग बल्कि मैं वो छोड़ दीजिए ट्री मतलब आप देखते रहिएगा मैं आपको यहीं पे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूँ तो काम हो रहा है कैन आई पुट क्वीन थ्री हियर इधर तो, तो मानो रख के देखा बैक ट्रैक किया इधर रख सकता हूँ इधर शायद रख सकता हूँ ध्यान से देखिए ना कोई कॉलम कॉमन है ना कोई रो कॉमन है और डायगनल भी थैंकफुली अभी नहीं चल रहे नो no प्रॉब्लम आगे बढ़िए बस इतना सा प्रॉब्लम बचाए सॉल्व हो गया मानो क्वीन फोर इधर भी नहीं रख सकता इधर भी नहीं रख सकता इधर भी नहीं रख सकता क्यू इन क्यु, थ्री विल अटैक इधर भी नहीं रख सकता तो लग रहा था कि सॉल्व हो गया बट जब फोर को जाके चेक करेंगे तो समझ आएगा कि आफ्टर एग्जॉस्टिवली ट्राइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगता है क्वीन वन को ही बैक ट्रैक करना पड़ेगा कोई और डिफरेंट चॉइस इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी तो नाउ लेट्स ट्राई दिस और यही बैक ट्रैकिंग है ट्री आपकी मदद क्या करता है ट्री मदद करता है दिखाने के लिए कि यार ऐसा ना हो कि किसी चॉइस को आप बार-बार इन्वेस्टिगेट कर ऑलरेडी सॉल्व तो फर्स्ट कॉलम इधर रख सकता हूं नो no. इधर, no. इधर, no. इधर जरूर रख सकता दैट यू सी ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल ना डायगनल कहीं कोई अटैक नहीं हो रहा लग तो रहा है मामला सेट हो रहा है सिमिलरली क्विन थ्री का अब obviously मेरा पहला चॉइस होगा द फर्स्ट कॉलम एंड डज इट कॉमन तो ये भी काम कर गया queen 4, इधर नहीं रख सकता इधर नहीं रख सकता नहीं? Put queen, queen 4 here. Yes, yes. तो यहाँ पर मेरे को लगता है पहला पॉसिबल वैलिड सॉल्यूशन हमें मिल गया है ना तो ये भी एक रास्ता है ना बहुत सारे रास्ते बैक ट्रैक किए होंगे बट क्वीन नंबर वन इज टू एंड देन नेक्स्ट क्वीन मी से एक्स टू वो हमने किधर रखा फोर में रखा देन एक्स थ्री हमने किधर रखा वन में रखा एंड फाइनली एक्स फोर हमने किधर रखा थ्री में रखा And then we get a valid solution. क्या सिर्फ यही सॉल्यूशन वैलिड है अभी देखिए एक अंदाजा तो सिमेट्री पे लगाया जा सकता है कि अगर ये ऐसे वैलिड हो रहा है अगर मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लूँ इसको बिना हटाए तो एक ये भी हो सकता है क्वीन वन इधर रखो क्विन टू इधर रखो

जब हमने ब्लू वाला निकाला क्या निकाला पहला क्वीन कॉलम नंबर टू सेकंड क्वीन कॉलम नंबर फोर थर्ड क्वीन कॉलम नंबर वन एंड द फोर्थ क्वीन इज कॉलम नंबर नाउ दैट इज अ वैलिड सॉल्यूशन जो एन क्विंस प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और क्वींस का आपस में कोई कॉलिजन नहीं हो रहा सो दैट इज ऑल विद एन क्वींस प्रॉब्लम इसमें और ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है और छोटा सा प्रॉब्लम था इनकेस एग्जाम में आता है दो नंबर का आएगा फोड़ दीजिएगा नाउ बट so तो मैं फिर भी रिपीट करता हूँ एक वर्टेक्स हमारे पास है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ हमारे पास है यहाँ पे मैं वेट की भी बात नहीं कर रहा द पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स एंड बायरिंग

तो जो साइकिल बनेगा दैट इज नोन एज हेमिल्टोनियन साइकिल और जिस ग्राफ में हेमिल्टोनियन साइकिल होगा दैट ग्राफ विल बी नोन एज हेमिल्टोनियन ग्राफ इन जनरल देखने में आसान लग रहा होगा बट इन द longer run दैट इज आल्सो अ एनपीसी प्रॉब्लम अभी फिलहाल आसान भाषा में समझ लो मुश्किल अगले चैप्टर में समझेंगे एनपीसी क्या होता है यस सो दिस इज द आईडिया बिहाइंड इट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस दो तीन केस ट्राई कर लीजिए ग्राफ का स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो धीरे धीरे आप समझेंगे बाहर चक्कर मार के वापस आ जाओ दिस इज हेमल्टोनियन इधर आप समझोगे अभी कहीं से भी स्टार्ट करोगे ना क्योंकि हर वर्टेक्स को एक बार कवर करना है अभी वापस जाऊंगा तो ये छूटेगा और कोई पॉसिबल रास्ता मुझे नहीं समझ आ रहा यू वट यू कैन डू यू कैन पॉज द वीडियो एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना बट दिस इज नॉट हेमल्टोनियन नाउ देर यू सी एन आर्टिकुलेशन पॉइंट आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है जहां पे यू you नो know,

इधर से जाएंगे ऐसा वापस आएंगे तो बी तो पे करना लाइक yeah, like like, कोई गलत रास्ता चूज कर लिया क्या मैंने हाँ ये गलत चूज कर लिया ना जहा से चालू हुआ उसकी वापिस करो तो

ए बी सी D ई e, तो आप ट्राई करिए ए से पहले बी पे जाएंगे ए के बाद देन बी के बाद हम सी पे जाएंगे सी के बाद डी पे जाएंगे अब खैर इस पे क्या ट्राई करें ये तो कंप्लीट ग्राफ है हर पॉसिबल केस में आंसर आ जाएगा इस पे ट्राई कर लेते हैं लुक एट दिस बैक ट्रैकिंग कैसे करता है ए से बी पे जाएंगे बी से सी पे जाएंगे सी से डी पे जाएंगे डी से ई e पे जाएंगे ई e से एफ पे जाएंगे ई e से एफ e पे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा बैक ट्रैक करते हैं e से किधर जा सकते हैं डी से किधर जा सकते थे आ, तो डी से अगर ई e पे ना जाते तो डी से एफ पे जा सकते थे उसके आगे जाके भी कुछ करना पाओगे आ, D से उधर नहीं जाते तो सी पे सी पे तो ऑलरेडी ट्रेवल्स करके आ रहे हैं जो रास्ता ट्रेवल्स कर चुके हैं तो फिर सी पे जाके बैक ट्रैक करेंगे लाइक दिस तो फिर वही पूरा स्टेट स्पेस ग्राफ बनाइए ट्री इतना बना दीजिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हाँ आपको बैक ट्रैकिंग समझ आती है देन यू गेट दिस आइडिया यस सो एक मैंने और अंडरस्टैंडिंग लिखी है डिफरेंस फाइव मार्क्स डिफरेंस मैंने एक क्वेश्चन देखा किसी कॉलेज में ब्रांच एंड बाउंड पे पूछा हुआ है तो जस्ट एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ यू कैन गो थ्रू दिस पॉइंट्स कोई पूछले डिफरेंस तो पेल के आना आइडिया सिर्फ ये अगर बेसिक बात करूं जब हम ये पूरा ग्राफ बनाते हैं ना लुक एट दिस मान लो ये हमने ग्राफ बनाया है ना तो यहां पर ये ग्राफ बेसिकली ट्री जो हम बनाते हैं हम बनाते हैं डेफ फर्स लाइक दिस 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 एग्जॉस्ट कर लिया फिर वी गो बैक ट्रैक दिस दिस एग्जॉस्ट कर लिया वी गो बैक ट्रैक उंडल बाई लेवल चलते हैं और यह भी है एक तरह का uh, है एक तरह का बैक ट्रैकेंस ऑफ की मैं डेप्ट करके मैं ब्रेथफर्स अप्रोज से आगे बढ़ता हूँ दीज आर दाइव डिफरेंसिस यू कैन ट्राई देम है ना नाउ और नेक्स्ट चैप्टर इज एडवास डेटा स्ट्रक्चर तो यहां पर हम बात करेंगे रेड ब्लैक ट्रीज बी ट्री में आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ नाउ बिफोर जम्पिंग ऑन डू द आइडिया पहले समझना पड़ेगा रेड ब्लैक ट्री आखिर है क्या तो देर आर समेटा स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री है बायनोमियल हिप है फिवोनिक डिटेल में पढ़ेंगे बट अगेन ऐसा ना हो कि आप यू नो रेड मतलब बस इंसर्शन डिलीशन कैसे करते हो आपको समझ आया पूरा गेम क्या वो नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा समय लेते हुए बैकग्राउंड समझाने के लिए देखो रेड ब्लग ट्री जो है ना वो बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री फैमिली का एक मेंबर है एडवांस मेंबर है क्या इसका एडवांसमेंट है वो समझेंगे पहले समझते हैं बाइनरी सर्च ट्री याद है आपको किसी भी नोट पे आप देखेंगे तो किसी भी नोट से जो इट्स अ बाइनरी ट्री अब्वियसली छोटा वैल्यू जो है वो हमेशा आपको मिलेगा लेफ्ट में और बड़ा वैल्यू आपको हमेशा मिलेगा राइट right में है ना और जैसा मैं बैकग्राउंड में लिखता हूँ

वी कि हमको क्या सर्च टाइम मिलेगा लॉग बेस टू एंड बट देर आर प्रॉब्लम एंड आर द लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड ट्रीज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ दैट इज अ राइट स्क्यूड ट्री जहां पर ये इट्स अ बाइनरी सर्च ट्री कोई प्रॉब्लम नहीं बी जो है वो ए से बड़ा है सी डी से बड़ा है डी या आप नंबर लिख लो लुक एट दिस वन टू थ्री फोर तो क्या ये वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है हाँ सर है तो बड़ा वैल्यू राइट right में जा रहा है बट इसका प्रॉब्लम क्या है सर्च तो क्या ये आपको देता था? जी नहीं, यहां पर यह यहां उल्टा लिख दिया like एस तो अगर मैं ऐसे देखता हूं अगेन इट एंड ऑन स्ट्रेट लाइन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो चली जाती है ऑर्डर ऑफ एन तो बाइनरी बाइनरी सर्च का पैटर्न तो काम करते हैं डिवाइड एंड कॉन् पे तो काम करते हैं लेकिन फिर वही बात डिवाइड एंड कॉन का मजा है कि लगभग लगभग आधे एलिमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम में है और लगभग आधे एलिमेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉब्लम अगर आप ऐसे इन इनअप्रोप्रियट तरह से डिवाइड करेंगे तो जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा तो क्या किया गया देन विद टाइम एक नया एंट्री मार्केट में हुआ नोन एज एवीएल ट्री जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं वी अगेन टू तक हिस्टोरिकल रखिएगा ट्री भी बोलने लगे है ना तो इसका पूरा इंसर्सन डिलीशन हैंडल कर चुका है डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बट अगेन आइडिया क्या है किसी भी नोट के केस में जो उसका लेफ्ट सब ट्री है लेफ्ट सब ट्री

विद टाइम वॉट वी अंडरस्टैंड कि यार हमने ना शायद थोड़ा ज्यादा कर दिया ज्यादा कर दिया मतलब ये ना बैलेंसिंग फैक्टर सिर्फ तीन वैल्यू अलाउ करता है इज लाइक एंड एंड यानी कि सिंगल लेवल डिसबैलेंस अलाउ करता है जिसकी वजह से होता ये है टाइम तो आपको मिलता है लॉग बेस टू इन बट एट द टाइम ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन हमें बार बार रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है नंबर ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं तो वी अंडरस्टूड कि हमें ऑप्टिमल वैल्यू तो मिली लेकिन इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है स्पेशली उस तरह के सिनेरियोज में अगर हिस्टोरिकल डेटा है बार बार इंसर्शन डिलीशन नहीं करना तो बढ़िया काम करेगा सर्च में बाइनरी ट्री बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन वो एरियाज जहाँ पे यू नो डेटा डायनमिक है बार बार चेंज हो रहा है इंसर्शन डिलीशन हो रहे हैं तो ट्री बड़ा यू you नो know, बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से उसको डील कर रहा था और बहुत ज्यादा रोटेशन करता है जिसकी वजह से रन टाइम पे कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो जा रही थी

रेड ब्लैक ट्री आगे लिखा होगा मैंने है ना बट पहले अगेन पॉइंट समझ लीजिए वट इज द डिफरेंस बिटवीन देम सो मैं एक बार दोबारा से कंपेयर करके बताऊँ एवियल ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जिसकी वजह से जो रोटेशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिलेटिवली हमारी ज्यादा है ऑन द कॉन्ट्रेरी जो रेड ब्लड ट्री है वो काफी है ज्यादा डिफरेंस अलाउ करते हैं और रिलेटिवली फ्यू रोटेशन लगते हैं तो थोड़े लिबरल है जिसकी वजह से नंबर ऑफ रोटेशन भी कम हो जाता है तो अगेन यू सी दैट इज एन एडवांटेज तो अगेन यूज केस की बात करें फिर समझिए हम ऐसा नहीं बोल रहे ट्री यूज नहीं करना कहाँ यूज करना है जहां पे इंसर्शन डिलीशन रिलेटिवली कम हो और ज्यादातर केस में हम चीजों को याद रखते हो वहां एवियल ट्री यूज करेंगे और जहां पे इंसर्शन डिलीशन ज्यादा हो है ना और रिलेटिवली सर्च हमें कम करना हो वहां पर हम यूज करेंगे रेड ब्लैक ट्री है ना तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसके बाद अगेन एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस की इंडेक्सिंग करनी है है ना तो डेटाबेस में रन टाइम पे ऑब्वियसली इंसर्शन डिलीशंस जो हैं वो कम होते हैं बिकॉज ज्यादातर केस में वी हैव हाँ रीड ओनली ऑपरेशंस, वहां पे गो फॉर एवियल ट्री बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरीज है है ना वहां पे सी प्लस प्लस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आम तौर पे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होते हैं हाउ डू वी इंप्लीमेंट देम वी इंप्लीमेंट देम विद द हेल्प ऑफ अ रेड ब्लैक ट्री तो एक सिनेरियो एक एप्लीकेशन एक आइडिया हमें समझ आ गया नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू गेट इन टू द भाई रेड ब्लैक ट्री है क्या इनका क्या डेफिनेशन है और किस तरह से काम करते हैं तो चलिए आई गो वन बाय वन पॉइंट तो पहले तो एक बात समझनी है कि जो रेड ब्लैक ट्री है क्या ये बी एस टी के मेंबर है हाँ तो अगर आप कलर छोड़ दीजिएगा आप कंटेंट देखें तो अगेन किसी भी नोट का जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसकी वैल्यू उस नोट की वैल्यू से छोटी होगी कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो जो राइट सब ट्री होगा वहां पर वैल्यू बड़ी होगी अगेन ये भी एवीएल की तरह सेल्फ बैलेंसिंग है

एट फिफ्टीन लाइक दिस बट हम क्या कर रहे हैं जितने भी नल पॉइंटर हैं उनको काइंड kind ऑफ of हम एम टी नोड या ब्लैक नोड ट्रीट करते हैं तो उस तरह से देखेंगे तो ऑल ऑफ देम आर ब्लैक ओनली तो ठीक है वी कैन कंसिडर दिस देन रेड रोड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कभी भी यहाँ पे दो रेड नोट एक के एक दूसरे के एडजस्टेड नहीं हो सकते मतलब यू कैन नॉट हैव अ रेड नोट जिसका चिल्ड्रन रेड हो या जिसका पेरेंट रेड हो तो फॉर एग्जांपल यू सी अगर टू रेड है तो उसका पेरेंट और इसका चिल्ड्रन दोनों ब्लैक होंगे क्या दो ब्लैक एडजस्टेंड हो सकते हैं यू सी हाँ इलेवन फोर्टीन दो ब्लैक एडजस्टेंड हो सकते हैं बट दो रेड आपस में कभी एडजस्टेड नहीं हो सकते वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह पर हम कई बार रोटेशन मेंटेन करते हैं Yes. So, जैसा मैं बोल रहा हूँ ब्लैक हाइट कंसिस्टेंसीट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हम क्या बोलते हैं एवरी प्राथ फ्रॉम किसी भी नोट से आप चेक करोगे फ्रॉम एवनी नोट अगर आप वहां से लीव तक जाते हो ना तो जितने भी पॉसिबल अलग अलग रास्ते हैं लीव पे जाने के वहां पे जो नंबर ऑफ ब्लैक उनका काउंट हमेशा सेम होगा फॉर एग्जाम्पल वाई डोंट आई स्टार्ट विद रूट ओनली अगर मैं रूट को भी काउंट कर लेता हूँ एक ब्लैक दो ब्लैक इनको भी छोड़ दीजिए है ना जो मेन नोट है उनके लेते हैं एक ब्लैक दो ब्लैक अगेन दो ब्लैक एक ब्लैक दो ब्लैक दो ब्लैक लाइक दिस तो किसी भी नोट से जब आप लीफ तक जाएंगे तो जो नंबर ऑफ ब्लैक नोट है वो हमेशा आपको सेम मिलेंगे दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कभी कभी इसको लोग ब्लैक हाइट करके भी बोलते हैं तो नॉट ओनली द हाइट बट आपका ब्लैक हाइट क्या है नाउ द प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट द ट्री रिमेन बैलेंस अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट बात है लॉन्ग रन में हम देखते हैं कि यार इसमें रोटेशन कम हो रहे हैं तो इसमें लेवल ऑफ जो बैलेंसिंग होगा वो एवियल से तो कम होगा

और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसमें मैक्सिमम डिफरेंस दो का हो सकता है मतलब डबल का हो सकता है फॉर एग्जाम्पल से ये अगर हाइट टेन पे है ये हाइट ट्वेंटी पे हो सकता है ये हाइट पे नहीं नहीं हो सकता इस लेवल का डिसबैलेंस अलाउ करेंगे तो प्रैक्टिकली वी डोंट चेक इट एट एवरी पॉइंट बट जो भी हम रेड बी ऑब्जर्व करेंगे ना ये प्रॉपर्टी आप चेक करके देख लेना ये हमेशा होल्ड करेगा यस नाउ मैं एक दो सैम्पल आपके सामने रखता हूँ ये थोड़ा सा इस तरह से बनाने की कोशिश की है ना एंड देन यू कैन अच्छा ये आई एम सॉरी ये ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है तो ऐसे समझिएगा तब सवाल ये है सर की क्या ये वैलड रेड ब्लैक ट्री है लुक एट दिस दिस इज नॉट अ वैलिड रेड ब्लैक ट्री बिकॉज यहाँ पर बी एस टी तो है बट ये जो नोड है इसका कलर काइंड ऑफ अनस्पेसिफाइड है तो आई दर इट मस्ट बी रेड और इट मस्ट बी ब्लैक कुछ वॉयलेशन मैंने बनाने की कोशिश की अगेन क्या ये एक वैलिड रेड ब्लैक ट्री है दिस इज इज अगेन नॉट अ वैलिड रेड रेड ब्लैक ट्री कलर्स तो ठीक बट द रूट और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी uh, क्या बोलता है कि रूट जो है वो हमेशा ब्लैक होगा उसमें कभी कोई यू you नो know, हम वॉयेशन uh, नहीं कंसिडर करेंगे आगे बढ़िए लुक एट दिस दिस एंड दिस अगेन दिस इज वन आइडिया दिस इज अदर आइडिया So, so, सिम्बोलिकली मतलब, kind of, दोन लीफ और बनानी चाहिए थी वो रेड है है ना तो ये एक वॉयेशन हो गया यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन एंड वट इज अ प्रॉब्लम दू सी टू एडजस्ट एंड रेड नोट तो वट आई वॉन्ट टू चेक कि यार हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली ना कम से कम हालांकि ऑब्वियसली कॉलेज में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ट्री बना हुआ है बताओ वैलिड रेड ब्लैक ट्री है कि नहीं बट ड्यूरिंग द इंसर्शन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस हमें बार बार चेक करना पड़ेगा सारी प्रॉपर्टीज तो कम से कम प्रॉपर्टीज हमें इतनी बफर्ड अप हो कि अगर कोई भी केस बना हुआ है तो हम देख के बता सके कि यार ये वैलिड रेड ब्लैक ट्री है कि नहीं है नाउ गोइंग विद द विदिया वट इज दिस यू कैन पॉज द वीडियो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट बाकी नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो यहाँ पर क्या है सर ये प्रॉपर्टीज है इंसर्शन कैसे हैंडल होता है दिस दिस इज इज द द एल्गोडो कोड अब ऑब्वियसली पढ़ के तो समझ आएगा नहीं सर तो वन बाय वन रन करके देखते हैं तो कुछ केसेस कम से कम तीन अलग अलग क्वेश्चन में ट्राई करूंगा बिकॉज इंसर्शन इन रेड ब्लैक ट्री इज इंपॉर्टेंट डिलीशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट एग्जाम में या तो आपसे Of that time, basic पूछ लेगा, वो बता सकते हो बट से ठीक ठाक वाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो मैं बहुत आराम से चलता हूँ डोंट एक्सपेक्ट की एक बार में सबको समझ आएगा और डोंट एक्सपेक्ट सिर्फ देखने से हो जाएगा खुद से एक बार बना के देखेंगे सोल्यूशन में आपको दिखाते चलूंगा तो कहानी मैच करेगी ना आई गो वन बाई वन सर या देखिए आधा इंसर्शन आप एवीएल से सीख जाएंगे बी एस जाएंगे सीख जाएंगे तो वही है कलर का थोड़ा सा गेम है आगे आगे समझेंगे तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइजेबल गो टू दैट डेटा स्ट्रक्चर सिंगल शॉट वीडियो और वहां पे काम करके आओ आप पहले है ना तब आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट समझ आएगा ना आई गो वन बाय वन पहला नोट इंसर्ट करना है Which is like one. We, man, पहले से थोड़ा सा बना के रख लिया सो so दैट बहुत टाइम ना लगे सिंगल शॉर्ट यू नो लॉन्गेस्ट वीडियो ना हो जाए सो दे रूट इज ऑलवेज ब्लैक नो प्रमेर no अगला वैल्यू क्या है सर अगला वैल्यू टू अब टू वन से बड़ा है कि छोटा है टू वन से बड़ा है तो आगे जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम द यू नो रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक जो भी नया नोड इंसर्ट होगा अब याद रखिएगा इस बात को जो भी नया नोड इंसर्ट होगा वो हमेशा ब्लैक होगा वो हमेशा क्या होगा ब्लैक होगा और oh, सॉरी वो हमेशा रेड होगा एम सॉरी वो हमेशा रेड होगा रेड होगा रेड होगा तो ये नया नोड इंसर्ट हुआ ये हो गया रेड और अभी आप देखेंगे तो कोई वॉयलेशन नहीं है एक और चीज ऐसा मत सोचिएगा कि लीफ रेड है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना इमेजिन करके चलो ना दिस इज वन दिस इज टू ये नल नल पॉइंट या ब्लैक में बना के चल रहा हूँ इमेजिन दैट सो दिस इज टोटली वैलिड दो रेड है 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 नहीं परफेक्ट है, काम कर रहा है. आगे बढ़िए थर्ड वन अब थ्री वन से बड़ा है टू से बड़ा है तो ये आ गया थ्री एंड यू सी पे हम इंसर्ट करेंगे और जैसे इंसर्ट किया लुक एट दिस एक रेड नोट आ गया है ना और जैसे रेड नोट आया अब आप ध्यान से देखिए क्या रेड रेड पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप में आ गए हाँ तो अब क्या करते हैं जब भी नया नोट इंसर्ट करते हैं हम देखते हैं कि हमारा पेरेंट कौन है अब हम तो हमेशा रेडी होंगे हमें पता है अगर हमारा पेरेंट ब्लैक है जैसे यहाँ पे था हमारा पेरेंट ब्लैक था कुछ करने की जरूरत है क्या सर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एंड देर यू सी लुक एट दिस इफ द दैरेंट ऑफ ए न्यू नोट इज रेडनी से ऊपर देखते हैं इफ अ ये तो पहले दोनों भी पढ़ लो क्या कह रहा है रूट नोड का कलर हमेशा ब्लैक होगा हाँ जी वो बात अभी समझ आ गई रूट नोड के बाद जो भी नया नोड इंसर्ट करेंगे उसका कलर हमेशा रेड होगा हाँ जी ये भी समझ आ गया अब जब भी नया नोड इंसर्ट करेंगे अगर उसका पैरेंट ब्लैक है तो कुछ करने की जरूरत है कुछ भी करने की जरूरत नहीं दैट विल बी डन जैसे कि इस केस में हुआ बट यहां पर जैसे हमने नया नोड इंसर्ट किया हमने चेक किया और हमारा जो पैरेंट था पैरेंट ऑफ द न्यू नोड इज रेड और ये खतरे की घंटी है पैरेंट रेड हो गया अब क्या करना है अब यहां बड़े मजेदार चीज है अब हम देखते हैं अंकल अंकल का मतलब क्या ध्यान से देखिए ये मैं हूं न्यू नोड ये मेरे पेरेंट हैं पेरेंट का अंकल कौन होता है यानी कि हमारा अंकल यानी कि पेरेंट का सिबलिंग का सिबलिंग होगा वन का दूसरी तरफ का चाइल्ड वो यहां पर है कि नहीं वो नहीं है तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है सर या तो हमारा जो अंकल है अंकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चाचा मान लो हमारे जो चाचा जी हैं या तो वो नहीं होंगे या तो वो रेड होंगे या तो वो ब्लैक होंगे जैसे इस पर्टिकुलर केस में चाचा है कि चाचा नहीं है इस केस में चाचा है ही नहीं अंकल है ही नहीं देखिए दोबारा तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं क्या क्या या तो अब यहाँ पे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं केस वन में अगर अंकल रेड है तो क्या करना है केस टू में अगर अंकल ब्लैक है या नल है तो क्या करना है यस yes, तो अभी मैं उस केस में नहीं जा रहा बट लेट बी वेरी क्लियर अगर अंकल आपके रेड है तो उस केस में हमें रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ रिकलरिंग से काम हो जाता है कैसे होगा वो आगे भी बहुत सारे केस आएंगे हम देख लेंगे तो रिकलर री कलर रिकलर करना पड़ता है बट अगर अंकल ब्लैक या नल है तो क्या करना पड़ता है पहले अप्रोप्रिएट रोटेशन लगाना पड़ता है फिर रिकलरिंग करनी पड़ती है तो यहाँ पर देखिए अब इस केस में हम न्यूली नोड है ये हमारा पेरेंटू और हमारा थ्री का जो अंकल है वो नल है तो यहाँ पे दोनों काम करना पड़ेगा रोटेशन भी लगेगा और यू नो रिकलरिंग भी होगा अब रोटेशन कैसे होगा यहाँ पर एवियल मतलब वैसे तो मैं बोल सकता हूँ विजडम पे भी हो जाएगा बहुत सिंपल बात है कॉमन सेंस समझ आ रहा है ट्री राइट हैंड साइड पे झुक गया है इसको बैलेंस करना है तो लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा अदरवाइज एवियल ट्री याद है तो दिस इज राइट राइट इम्बैलेंस राइट राइट इम्बैलेंस कैन बी हैंडल्ड बाय अ सिंगल लेफ्ट रोटेशन एक बार लेफ्ट में रोटेट करेंगे तो बैलेंस होगा ना एज यू रोटेटेड जैसे ही रोटेट किया टू ऊपर आ गया वन इधर आ गया थ्री इधर आ गया अब यहाँ देखिएगा क्या थ्री का कलर चेंज हुआ नहीं थ्री की एक्चुअली पोजिशन सेम है वो हमेशा ट्री के राइट पे ही था बट टू और वन ने काइंड kind ऑफ of अपने रोल एक्सचेंज कर लिए हैं जहां पे अब टू रूट में आ गया और नीचे आ गया तो अब ये दोनों क्या करेंगे अपने कलर भी एक्सचेंज कर लेंगे द रूट बिकम्स ब्लैक एंड वन बिकम्स रेड और वो कॉमन सेंस बात भी थी इसमें सोचने की इतनी जरूरत भी नहीं है क्यों रूट हमेशा कौन होगा सर रूट तो हमेशा ब्लैक होता है इज इट सो दैट इज अच्छा रूट से दोनों तरफ नंबर ऑफ ब्लैक नोट बराबर होने चाहिए तो अगर इधर नहीं तो इधर भी नहीं है तो दैट मज बी रेड सो उज इज डन यस अगेन कंफ्यूजन है पीछे डिवाइड करो फिर आगे बढ़ो एक और बात हर एक रोटेशन में सारी बात समझने की कोशिश नहीं करनी ऐसे ऐसे तीन कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो आई होप विद टाइम विल गेट द नाउ अगला नोट है फोर नाउ टू से बड़ा है थ्री से बड़ा है देयर कम्स द फोर जो नया नोट आता है नोटिस करिए उसका कलर हमेशा रेड होता है हाँ जी होता है अब आप मुझे बताए क्या हमारा पेरेंट रेड है हाँ रेड है अगर ब्लैक होता तो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी बट अब क्योंकि हमारा पेरेंट रेड है तो अंकल चेक करेंगे नाउ यू गो हम हम हमारे पेरेंट हमारे दादाजी उनका दूसरे बेटे हमारे चाचा उनका कलर रेड है अंकल जब रेड होते हैं तो क्या रोटेशन भी करना होता है कि सिर्फ रिकलरिंग करना होता है इन दैट केस ओनली रोटेशन इज यू नो इज इज ओके लिख भी रहा है क्या करना है कलर द पेरेंट रेड एंड अंकल टू ब्लैक एंड देन रिकलर द ग्रैंड पेरेंट टू रेड गो वन बाई वन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कलर द अंकल टू ब्लैक तो अभी अंकल कौन थे अंकल ब्लैक थे तो यहाँ पर अंकल रेड थे तो अंकल क्या हो गया सर अंकल ब्लैक हो गए है ना और हमारा जो पेरेंट था बेसिकली आप ऐसे मानकर चलो अगर रेड है ये दोनों का कलर चेंज होगा तो फिलहाल ये दोनों रेड से क्या बन जाएंगे ब्लैक अच्छा फिलहाल जो हमारे दादाजी है ना जो ग्रैंड पेरेंट है वो दरअसल रूट है इस वजह से वो बच गया उसमें चेंज नहीं होगा वरना आगे जब आप देखोगे ये आगे तक जाता है यानी कि इसका भी कलर चेंज होता है बट फिलहाल क्योंकि टू जो है वो हमारा रूट है तो उसमें चेंज नहीं किया तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दू हमने इंसर्ट किया हमारा पेरेंट रेड था हमने अंकल का कलर चेक किया रेड अगर ऐसा होगा तो क्या करना पेरेंट और अंकल दोनों का कलर चेंज करना है ये वैसे आगे भी जाता तो दोनों के दोनों रेड से ब्लैक हो गए ये आगे भी जाता बट क्योंकि वो रूट है ग्रैंड पैरेंट तो वो बच गया फिलहाल दैट विल बी और आप देख सकते हो क्या सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है जी हाँ कोई भी रेड नोट एडजस्टेड नहीं है रूट से इधर भी एक इधर भी एक परफेक्ट काम कर रहा ब्लैक हाइट भी मेनटेन है आगे बढ़िए नेक्स्ट इज फाइव नाउ लुक एट दिस इंसर्ट फाइव आ गया चलिए फाइव कहाँ आएगा इंसर्शन बी एस से करना है तो फाइव टू से बड़ा है थ्री से बड़ा है फोर से बड़ा है देर यू सी फाइव ही फाइव आया आप देखिए अभी तो हर बार ऐसा ही हो रहा है कि हमारा पेरेंट रेड है पेरेंट रेड है अगर पेरेंट ब्लैक होता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी बट पैरेंट रेड है तो सर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कैसे मैनेज करेंगे फिर नोटिस करिए अंकल की जाँच करिए अंकल है कि नहीं है अंकल नहीं है और अंकल अगर नहीं होते या अंकल ब्लैक होते तो आपको पता है दोनों काम करना पड़ता है रोटेशन भी होगा एंड यू नो रिकलरिंग भी होगा रोटेशन में फिर वही बोलता हूँ कॉमन सेंस आइडिया यार दे यू सी दिस इज लाइक अ राइट राइट इम्बैलेंस और राइट राइट इम्बैलेंस को सिंगल लेफ्ट रोटेशन से हैंडल किया जा सकता है तो पहले कलर मत देखिएगा यू जस्ट सी जब सिंगल रोटेट करेंगे तो थ्री नीचे आएगा फोर इधर आ जाएगा फाइव इधर आ जाएगा और मैं आपको चलो बोलो तो अलग से करके दिखाता हूँ थ्री फोर फाइव पे जब आप लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे root, में कोई चेंज नहीं हुआ पहले भी हम कर चुके जब भी रोटेशन होगा ये अपने कलर एक्सचेंज कर लेंगे तो थ्री ब्लैक से रेड हो गया और फोर जो है वो रेड से ब्लैक हो गया एंड बाकी पूरा ट्री रिमेन एज इट इज अगेन आप नोटिस करें क्या रेड ब्लैक ट्री की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है सर रूट इज ब्लैक है अब धीरे धीरे अगर आप चल रहे हैं मेरे साथ तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगी हाँ मोटा मोटा एक बार बात लॉन्ग रन में सीखता हूं ना जब आप स्टार्ट करते हैं यू गो बाय सर रूल क्या है लेट्स गो बैक इन टू द रूल लेट्स गो बैक इन द रूल कैसे पढ़ने लॉन्गर रन में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यार ये चीजें कॉमन सेंस पे सॉल्व हो जाती हैं दो चार केस में आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा देन यू गेट द बार बार हम कोई कंप्यूटर थोड़ी एल्गोरिथम थोड़ी है जो कोड रन कर रहा है मैं तो देख के समझ आता है इंसान के बच्चे आगे बढ़िए नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू से बड़ा है फोर से बड़ा है फाइव से बड़ा है देयर कम्स द दिक्स क्या सिक्स रेड है नया नोड है हमारा पेरेंट कौन है रेड है हमारा पेरेंट रेड है देखिए वो कैसा आएगा हमारे चाचा हमारे अंकल भी रेड है इस केस में क्या रोटेशन चाहिए कि कलरिंग चेंज करने से काम चल जाएगा सर रोटेशन नहीं चाहिए कलरिंग चेंज करने से काम चलेगा क्या समझा था पहले हमने दोनों का कलर चेंज होता है तो हम भी ब्लैक बने हमारे पिता अंकल और फादर पेरेंट दोनों ब्लैक बने देन पिछली बार ये बच गया था पिछली बार ये बच गया था इधर क्यों बचा था क्योंकि वो रूट था इस बार क्या फोर रूट है जी नहीं इस बार फोर रूट नहीं है तो फोर का भी कलर चेंज होगा दैट विल बिकम रेड एंड यू सी ऐसा ही हुआ है क्या सो यस न्यू नोड इज रेड ये दोनों चेंज हो गए दे बिकम्स बिकम्स ब्लैक दैट रेड एंड बाकी पूरा ट्री रिमेन एज इट इज और अब आप मुझे बताइए क्या 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 कहीं पर भी ब्लैक हाइट इम्बैलेंस तो नहीं हुआ ब्लैक हाइट वन ब्लैक हाइट वन ब्लैक हाइट वन नो टू रेड नोट आर एडजस्ट परफेक्ट काम कर रहे हैं यस yes. फिर आगे बढ़े सर अगला वैल्यू है सेवन 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 सबसे बड़ा बड़ा फोर से बड़ा 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 से, बड़ा, से बड़ा से 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 आया ना अभी देखिए क्या करना है तो सेवन आते फिर वही हमारा पेरेंट कौन है हमारा पेरेंट रेड है हमारा रेड है हमारे अंकल रेड है ब्लैक है या मिसिंग है नहीं है नल है अगर ब्लैक या नल होता है तो रोटेशन करते तो याद होने लगा होगा आपको रोटेशन करते हैं कैसे फिर वो कॉमन सेंस पे करते हैं सर सो दिस इज राइट एंड राइट अ सिंगल लेवल रेड लेफ्ट रोटेशन इज विच इज टू बी डन अब रोटेट करेंगे सेवन विल होल्ड इट्स ग्राउंड उस पर कोई चेंज नहीं है इन दोनों के कलर हम जानते हैं चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे तो ये बनेगा मतलब अभी तो रेड रेडी है बट ये ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा ब्लैक और फाइव आ जाएगा नीचे तो ये दिस इज इज अच्छा ये नया इंसर्ट किया मुझे लगा हाउ ये दोनों कैसे हो गए एक सेकेंड फाइव एंड सिक्स ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे वही मैं कह रहा हूं ये ब्लैक था ना

जी हाँ हमारे अंकल हैं और रेड है थैंक गॉड रोटेशन नहीं चाहिए सी लेवल लेवल बाय पहले इन दोनों, को इन दोनों का कलर चेंज करो इन दोनों का कलर ब्लैक हो गया यस सर ना पेरेंट उनके पेरेंट चलता जाएगा अभी उनका पेरेंट कौन है ब्लैक है उनके पेरेंट ब्लैक है तो उनके पेरेंट भी रेड हो गया एंड ऑब्वियसली रेड रेड यहाँ पर काम कर सकता है क्या तो रेड रेड फिर यहाँ देखिए गड़बड़ है रेड रेड काम नहीं कर सकता तो दिस गो फर्दर अपवर्ड एंड नाउ दैट विल ऑल्सो बिकम ब्लैक एंड नाउ नाउ इट इज फाइन है ना नाउ इट इज फाइन अब ये परफेक्ट तरह से काम करेगा तो ये भी गलत लिखा हुआ है ये ब्लैक होना चाहिए अब ये परफेक्ट तरह से काम करेगा एंड लास्ट थिंग इज रोटेशन अगेन लास्ट में आया है नाइन तो एक सिंगल रोटेशन लगेगा एट इधर आ जाएगा और कलर हम डिसाइड कर लें सो दिस इज ब्लैक दिस इज ब्लैक और बाकी नीचे से जब हमने घुमाया है तो ये दोनों तो रेड आएंगे ये ब्लैक रोल में आएगा सिक्स रेड था रेड ही रहेगा एंड ये भी देखिए गलत लिखा हुआ है फाइव हमारा ब्लैक है सो दिस इज ब्लैक एंड फोर इज ऑल्सो ब्लैक एंड दिस इज ऑल्सो ब्लैक लाइक दिस है ना तो इस तरह से पूरा ट्री हम मैनेज कर सकते हैं वैसे मुझे लग रहा था दो तीन क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी बट आई थिंक वी हैव टेकन सफिशियंट टाइम है ना सारे केसेस हमने बड़े डिटेल में अच्छे से डिस्कस किए तो नाउ व्हाट इज एडवाइजेबल दैट यू गो थ्रू दिस केस अगेन यू टेक अ स्क्रीनशॉट सारे वैल्यूज है स्टेप बाय स्टेप कलर कैसे चेंज हो रहा है हालांकि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं इसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो सकता है तो इसको एक बार टेस्ट करिएगा अगर आपका कुछ और आ रहा होगा तो भी सही है ये लेकिन परफेक्ट है ये एक एग्जाम्पल मैं खुद से बना के लाया हूँ तो यू कैन सी वन बाय वन ये सीक्वेंस इंसर्ट हुआ तो पहले टेन हुआ देन यहाँ पे एटीन हुआ देन यहाँ पे फाइव हुआ यहाँ पे फोर हुआ यहाँ पे फिफ्टीन हुआ एंड देन वी हैव एंड है ट्वेंटी फाइव

टेन से बड़ा है एटीन से छोटा है हमारा है, again advantage है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो so, 17. 17, 17, 17. So, 17 आप इधर देखेंगे तो अब आपको समझेगा. 10 से छोटा है एंड देर इज रेड हमारा पेरेंट रेड है जी हाँ रिकलरिंग करना, करना पड़ेगा हमारा पेरेंट रेड है मैनेज करना पड़ेगा हमारा अंकल मिसिंग है रोटेशन करना पड़ेगा एंड दे ज लेफ्ट एंड राइट टाइप ऑफ इम्बेलेंस इसको अलग से दिखाऊन एंड सेवनटीन वो एवल में पड़ते है। तो पहले एक बार इसमें होता है, फिर एक बार right तो लेफ्ट होगा तो एटीन फिफ्टी एंड सेवनटीन हो जाएगा एंड देखी सॉरी क्या किया मैंने ये सेवनटीन है ये फिफ्टीन है फर्दर रोटेट होगा तो सेवनटीन ऊपर आएगा देयर कम्स एटीन एंड देर कम्स वन फाइव फिफ्टीन और ये पूरा पैच आपको इधर नजर आ रहा होगा द कलर विल चेंज अकॉर्डिंगली है ना तो दोनों रेड 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 है आ, तो ये होल्ड करेगा ब्लैक अपने साथ होल्ड करेगा नेक्स्ट वर्ड इज ट्वेंटी राइट मेरा पेरेंट यहाँ पर पहले मेरा पेरेंट रेड रहे होंगे ना दोनों यहाँ से बना तो मैंने सोल्यूशन करके लिखा है तो ट्वेंटी फाइव रेड है मेरा पेरेंट ब्लैक है रेड है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे ब्लैक उसके ऊपर जाएंगे कलर चेंज होगा तो ये भाई साहब कौन हो जाएंगे रेड एंड आई थिंक रिमेनिंग एवरीथिंग मेंटेन सो देयर यू सी 25 के बाद कौन आया 60 आया इधर ही देखें 60 60 60 अच्छा 16 विल गो इंडेक्स स्ट्रीम राइट तो अगेन यहां रोटेशन लगा होगा एंड देयर यू सी ये प्रॉपर्ली मैनेज हो गया और ऊपर तक आ, हमने इसे मैनेज किया होगा देन वी हैव 1 1 1 एक्सट्रीम 1 इधर आ जाएगा इधर आएगा तो अगेन रोटेशन इट इज अगेन मैनेज एंड लास्ट वन 90 सबसे, बड़ा, सबसे बड़ा, right, ब्लैक हुए, हुए, हुए अच्छा ये एक केस इंटरेस्टिंग है ये इंटरेस्टिंग कैसे बताते तो, देखो इसमें क्या हुआ हमने यहां पे इंसर्ट किया एक नया नोड विच इज लाइक नाइनटी अब ये दोनों कौन हुए ब्लैक हुए है ना अब ब्लैक हुए तो ऊपर फर्दर चेंज होगा ये दोनों कौन हो गए रेड हो गए नाउ वेन इज अ काइंड ऑफ अ रेड रेड क्लैश इस केस में क्या करना पड़ेगा यू ट्रीट लाइक ट्वेंटी फाइव इज द न्यूली इंसर्टेड नोट एंड इंबैलेंस उस केस में क्या करेंगे यू गो अप एंड अंकल नाउ द अंकल इज बी राइट राइट रोटेट करना पड़ेगा एंड नाउ दिसन इज गोइंग टू बिकम द रूट तो पूरे ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ये सब लोग देर ग्राउंड सो ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक एंड रेड और ये रेड होल्ड करेगा

तो अगेन इन रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना डिलीशन क्योंकि मैंने बहुत रेयरली यहाँ पे क्वेश्चन देखे बट कभी कभार क्वेश्चन आए और आमतौर पर मैंने देखा यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन आया दस वैल्यू इंसर्ट करा बाद में साथ में बोल दिया दो वैल्यू डिलीट भी कर दो समथिंग लाइक दिस तो इफ

और एक बार आप पूरा पढ़ के देख सकते हो बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस से समझ आएगा जैसे पुराने वाले रूल भी समझ आएगा ऐसे देखोगे पहले तो मिलेगा क्या ही गड़बड़ है और डबल ब्लैक और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है स्टिल मैं बोल रहा हूँ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है विजडम है इंसर्शन से एव एल ट्री डिलीशन बी एस टी डिलीशन हमें करना आता है तो काफी ज्यादा आसानी होगी पूरा ट्री मैनेज करने में और बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है छोटा वैल्यू लेफ्ट में रहेगा बड़ा वैल्यू राइट right में रहेगा रेड रेड कभी नहीं हो सकते और किसी भी नोट से लेफ्ट और राइट हाइट ट्री बराबर रहती है उससे जब पूरी चीज ऑब्जर्व करते हैं तो बात समझ आती है चलिए शुरू करते हैं सो so ये एक बना बना स्वस्थ सुंदर टिकाऊ रेड ब्लैक ट्री हमारे पास है दीज आर द नोट्स विच इज टू बी डिलीटेड इज इट अ वैलिड रेड ब्लैक ट्री दो ब्लैक दो ब्लैक

थर्टीन से छोटा है देखो यहीं पे मिल गया एट अब बी में इन जनरल एरियल में भी जिस नोड को डिलीट करना है अगर वो लीफ नो नोड हो तो डिलीट करना बहुत आसान है ना आप कुछ करोगे ना मैं कुछ करूंगा आराम से डिलीट कर देंगे प्रॉब्लम कि जो नोट डिलीट करना वो इंटरनल नोट है उसके बच्चे हैं अब अगर उसकी फैमिली है तो आप उसको ऐसे तो बाहर नहीं कर सकते बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो उसको अपना वारस चुनना पड़ेगा और यहाँ पर लॉजिक क्या है आइदर यू गो फॉर इन ऑर्डर और इन ऑर्डर सक्सेसर क्योंकि टी में याद करिए मुझे

और लीव नोट डिलीट करना तो बहुत ही आसान है उसमें कोई टेंशन नहीं है तो ये लीजिए मैंने फाइव डिलीट कर दिया अगेन मैं आपसे पूछता तो हूँ तो भी बैलेंसिंग का इशू नहीं है तो दिस इज अगेन वन दिस इज वन एंड आई थिंक नो रोटेशन इज रिक्वायर्ड अभी भी परफेक्ट काम कर रहा है फिर आगे बढ़ते हैं <coughs> फिर आगे बढ़ते हैं देन यू गो फॉर टू थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री अभी राइट से कट करने लगा जानबूझ के ऐसा प्रॉब्लम ना हो राइट से कट किया राइट से कट किया फिर रेड वाला डिलीट हुआ तो आफ्टर ट्वेंटी थ्री ये ये कट हो गया ये हमें मिल गया नेक्स्ट इज नाइनटीन अब यहाँ देखिए मजा आएगा इम्बैलेंस इम्बेलेंस कैसे हुआ सर बिकॉज आप देखेंगे कि जो नोड है है ना उसका जो लेफ्ट हाइट है यहाँ पे इधर वो वन है इधर वो जीरो है फॉर नोड सिक्सटीन देख सकते हैं इसके लेफ्ट में एक ब्लैक है लेकिन राइट right में ब्लैक नहीं है तो गड़बड़ है अब इस गड़बड़ को देखिए कैसे मैनेज करेंगे ऑब्वियसली हमें रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा और रीबैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हैं तो अगेन यू सी यहाँ पर प्रॉब्लम है 16 को रीबैलेंसिंग नहीं, रीकलरिंग बाकी कोई इशू ब्लैक आ जाएगा ऊपर रेड आ जाएगा नीचे और अब ये फिर से देखिए एकदम परफेक्टली काम करने लगेगा लेफ्ट में भी वन राइट right में भी वन इसके लेफ्ट में भी जीरो सिक्सटीन के राइट right में भी जीरो नेक्स्ट वैल्यू इज ट्वेल्व सॉरी आप नोटिस करें लार्जेस्ट वैल्यू क्या उसको कोई इन ऑर्डर दैट कि, आप, 15 को कि नहीं, अब आप ही को आके इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी 15 कम्स बट अगेन बिकॉज ये रेड गोज है ब्लैक 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 आई थिंक अभी कोई इश्यू नहीं होगा अगेन नेक्स्ट वैल्यू टू बी डिलीटेड इज ट्वेल्व है ना ना ट्वेल्व इज दिस वैल्यू इसका कोई इन ऑर्डर सक्सेस थर्टी नहीं ऑब्वियसली वो तो डिलीट करेंगे नहीं सो यू डिलीट ट्वेल्व द मोमेंट यू डिलीट ट्वेल्व अगेन देखिए ये इम्बेलेंसिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका कलर आपको रेड करना पड़ेगा इसमें पूरा अच्छे से लिखा नहीं बिकॉज वरना वो फिर इम्बेलेंस हो जाएगा so red, so 15, 15 so again, case case, तो दिस कलर इज रेड और फाइनली डिलीट करेंगे तो इन द लास्ट यूल हैव ओनली फिफ्टीन और फिफ्टीन भी डिलीट होगा यू हैव नल सो अगेन इफ यू गो केस बाय केस मैं बोलता हूँ इतने सारे पॉसिबिलिटी केस बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी कन्फ्यूजिंग आप हमेशा ध्यान रखिए जो आपको एडवांटेज होगा वो लेफ्ट और राइट right का हाइट है ब्लैक हाइट उसके थ्रू देख के डायरेक्ट कॉमन सेंस में मैनेज हो सकता है व्हाट इज टू बी डन जो भी डिलीट होना है उसका इन ऑर्डर प्रिडीसेसर आएगा अगर वो भी इंटरनल नोड है तो वो उससे बोलो वो अपना प्रिडिसेसर सर्च करे लाइक like दिस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा बट डिलीट तो करना पड़ेगा दिस इज द आइडिया आई एल से स्किप दिस लुक एट दिस एग्जाम्पल तो ये एक पूरा एग्जाम्पल एक बार जल्दी से देख ले आई थिंक इट विल वर्क तो ये बी एस टी कह रहा हूँ सॉरी रेड ब्लैक ट्री बना हुआ है एंड वी विल डिलीट सर्टेन नोट्स इन सीक्वेंस सो और ये यहाँ पे आई थिंक सारे जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स है दे विल होल्ड मजा आएगा आपको फर्स्ट वैल्यू टू बी डिलीटेड इज फिफ्टी फाइव सर फिफ्टी से बड़ा है सिक्सटी फाइव से छोटा है सो आई डू दैट और मैं फिफ्टी फाइव को डिलीट कर देता हूँ अब मुझे बताइए जैसे ही हम फिफ्टी फाइव को डिलीट करेंगे है ना प्रॉब्लम हो जाएगा कैसे प्रॉब्लम होगा तो यू कैन सी कि इस नोट से यहां तक तो ठीक है बट यहां से देखोगे तो मेरे पास ब्लैक का लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नोट नहीं है और इधर लोड बहुत ज्यादा है एंड वैसे भी यू कैन सी कि लोड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जा रहा है

और ये ब्लैक नोट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर लेके आ रहा था ब्लैक था ब्लैक तो है तो इधर भी एक ब्लैक मैनेज हो गया आगे बढ़िए नेक्स्ट बी डिलीटेड इज थ्री जीरो क्या थर्टी का इन ऑर्डर सक्सेसर है हा है ना थर्टी फाइव है बट सी दिस इज आल्सो ब्लैक बट कोई बात नहीं मी पिक थर्टी फाइव आप थर्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर भेज देता हूँ और ये ऊपर आ गया अब यहां देखेंगे आप जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या कोई डिसबैलेंसिंग होगा अभी यहाँ पर सिंगल ब्लैक है आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो सिंगल ब्लैक इसके लेफ्ट में कोई नहीं राइट right में कोई नहीं परफेक्ट काम करेगा और ये जो ब्लैक था ये जरूर जो हमारा ब्लैक है इसको हम चेंज करके रेड कर देंगे बाकी आई थिंक ऑन द राइट हैंड साइड द एंटायर ट्री विल रिमेन सेम Uh, इधर एक ब्लैक एंड दिस जस्ट सेकंड सेवेंटी यस यहां शायद मैंने इसको ये ये गड़बड़ बनाया दिस इज रेड सेवेंटी वाला रेड था ना तो ये रेड रहेगा यहाँ रहे पे यस yes. नाउ आगे बढ़ते हैं अगला वैल्यू जो डिलीट होना वो नाइनटी है नाइनटी 50 से बड़ा है 70 से बड़ा है 80 से बड़ा है, 90. और जो डिलीट हो रहा है वो रेड कलर का है तो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कोई हाइट डिसबैलेंस नहीं होगा तो आई थिंक नथिंग हैपन्स आगे बढ़िए है, ना कोई रिकलरिंग ना कोई रोटेशन नेक्स्ट इज एटी फिफ्टी से बड़ा है सेवेंटी से बड़ा दे और यहाँ प्रॉब्लम होगा अब देखिए प्रॉब्लम देख के समझ भी आ रहा है नाउ दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट डिसबैलेंसिंग इसको बैलेंस करना पड़ेगा सिक्सटी एट ऊपर आएगा और तीनों में सबसे छोटा 65 इधर जाएगा एंड सेवेंटी पहले एक बार लेफ्ट रोटेशन फिर एक बार राइट right रोटेशन तो सिक्सटी देखिए वही नजर आ रहा है एंड अकॉर्डिंगली रेड था दिन दोनों को ब्लैक कर देंगे ताकि ब्लैक हाइट हमारी मैनेज हो जाए नेक्स्ट टू बी डिलीटेड इज आई थिंक लास्ट क्या डिलीट किया हमने नेक्स्ट टू बी डिलीटेड इज इज द रूट नोड कौन है 50 का सक्सेसर 50 का इन ऑर्डर सक्सेसर है 65 तो so 65 विल कम अप टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑबवियसली यहां पर डिसबैलेंसिंग हो जाएगा तो इनका भी कलर स्वैप कर देता दैट बिकम्स ब्लैक एंड दैट बिकम्स रेड एंड आई थिंक अगेन इट इज परफेक्टली मैनेज और अब तो ट्री इतना छोटा हो गया कि मैनेजमेंट बहुत आसान है नेक्स्ट व्हाट इज टू बी डिलीटेड इज 35 आई थिंक 30 5 तो 35 इज so हियर और ऑबवियसली आ जाएगा इसका सक्सेसर तो है नहीं प्रोड्यूसर आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए होल्ड गुड नेक्स्ट टू बी डिलीटेड इज वन दिस इज फिफ्टीन और यहां करेंगे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे झुक गया लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम सिंगल रोटेशन इज रिक्वायर्ड सो ब्लैक ब्लैक एंड रोटेशन करेंगे दिस इज ब्लैक दिस इज रेड आई थिंक इसको दोनों को रेड कर दीजिए बिकॉज यहाँ रोटेशन करेंगे तो बेटर काम करेगा रेड इज सेवेंटी हमारा ब्लैक था यस सो दैट इज हाउट इज टू बी डन सो आई थिंक रेड ब्लैक ट्री मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ दिस इंटायर आइडिया ऑफ डिलीशन बट आई डों थिंक इतने डेप में जाने के बताया इवन डिलीशन भी आप चाहो तो काइंड ऑफ स्किप कर सकते हो क्या एग्जाम बहुत पास है तो ये सो दिस इज ऑल विद रेड ब्लैक ट्री एंड नाउ वी आर वेरी मच रेडी फॉर द आइडिया ऑफ बायनोमियल ट्रीज फॉलोड बाई द प्रॉपर्टीज फॉलोड बाई बायल ही डिलीशन सब कुछ करेंगे बाइनोमियल पे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ट्री के बारे में तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट समझते हैं क्या है क्यों मार्केट में आए क्या ज़रूरत थी इनके बिना हमारा काम क्यों नहीं चल रहा था अंडरस्टैंड ऑल गो वन डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज तो पहले ट्री समझेंगे समझ आएगा सो बाइनोमियल ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वर डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एक्सप्लोरेशन फॉर एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोरिटी क्यूज ऑपरेशन तो ऐसा बहुत सारे एल्गोर है बेलमनफोर्ड है ड्रा है जहां पे प्रायोरिटी क्यूज की हमें जरूरत पड़ती है और प्रायोरिटी क्यू का हीप से पहले इंप्लीमेंट करने का तरीका सिर्फ हीप ही था जो कि इतना एफिशियंट नहीं था तो जितने भी ग्राफ बेस्ड एलगोरिदम है उनको एफिशिएंटली कैसे एग्जीक्यूट करें कैसे यू नो एक्चुअल कंप्यूटर के अंदर रन करें उसके लिए हमें कोई ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर चाहिए था दैट इज द रीजन कि हमने बायनोमल ट्रीज और बायनोमल हीप बनाए सेम पर्सन जिन्होंनेट किया तो हिप्स की जितनी वेराइटी है सिंपल बायनरीप या बायनोमियल हिप ऑल ऑफ देम वर Introduced by J.W. J William. Later it was further developed and popularized by Gene Woolley

जब हम बायनोमियल ट्री टू पे जाएंगे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि रूट नोड के दो चिल्ड्रन होंगे एक्चुअली ध्यान से देखेंगे तो दिस इज बाइनोमियल ट्री बी वन अनदर बाइनोमियल ट्री बी वन और एक बाइनोमियल ट्री दूसरे बाइनोमियल ट्री का हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट नॉट चाइल्ड होगा लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड होगा और ये दोनों मिलकर एक साथ विल बिहेव एज बाइनोमियल ट्री बी टू ऑफ ऑर्डर बी टू सिमिलरली आप ध्यान से देखिए देन वॉट इज बी थ्री तो आप नोटिस करिए दिस इज ऑल्सो बी टू दिस इज ऑल्सो बी टू और एक बीटू दूसरे बी टू का एक्सट्रीम लेल्सो बी थ्री एंड वन बी थ्री इज द एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अदर बी थ्री ओवरऑल इट विल बिहेव बी फोर तो अगर इस स्ट्रक्चर को समझे जैसे यहाँ है अगर कोई भी बाइनोमियल

consist of two binomial trees of k minus 1 there you see k minus 1 k minus 1 linked together with one of the leftmost child of the root of other dusre ka sabse left child banta hai and then overall it behaves as a binary tree of order k so i think itni baat samajh aati hai kuch properties pakadte hain है? जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी समझेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी विल हैव I'll go one by one. वन बाइनोमियल ट्री अभी एनालाइज करने वाली बात है ऑफ ऑर्डर हैज का पावर के नोट अब इस बात का मतलब क्या एक बार चेक करके देख है तो, तो, तो यानी कि के का वैल्यू हुआ फोर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट इज एग्जैक्टली टू रेज टू पार फोर विच इज नथिंग बट सिक्सटीन ये बात ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है द हाइट ऑफ अमियल ट्री बीके इज बीके इज अगेन के जहां पर जीरो से इंडेक्स तक जाता है तो दूसरी जीरो हाइट होगा वो भी फोर होगा द रूट इज एट जीरो ऑब्वियसली तो अगर कोई आपसे पूछे कि बायनोमियल ट्री है बीके बताओ उसका हाइट कितना है तो एवरी बायनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के विल है ये भी क्लैरिटी आएगी वेयर द रूट इज कंसिडर टू बी एट जीरो नंबर ऑफ नोट एट दल ट्री ऑफ ऑर्डर के इज गिवन बायोमियलिशियंट लुक एट दिस विच इज लाइक के सी आई तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है इसका हाइट क्या है जीरो वन टू थ्री फोर यस तो ना यू सी सी के आई के सी आई तो के तो हमारा ऑर्डर है फोर सी जीरो फोर सी वन फोर सी टू फोर सी थ्री फोर सी फोर मैं एक बार दोबारा याद दिला दू एनसीआर हालांकि आपको याद होगा It is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So, if I, for example, idhar 4C2 calculate, karta so this is 4 factorial divided by uh, 4C2, eh, na? 2 factorial and 4 minus 2 factorial. So, this is 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So, this is 4 into 3 into 2 into 1 and this is 2 into 2. So, this is like 6. And there you see. तो सी एक लेवल पे पहले वन नोड है फिर फोर है फिर सिक्स है फिर दोबारा कम होना शुरू होगा अगेन फोर एंड वन तो ये भी समझ आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए सारी प्रॉपर्टी बड़ी मजेदार है नेक्स्ट क्या है द रूट ऑफ अ बाइनोमेट्री के विल ऑलवेज देखिए रूट का डिग्री क्या है डिग्री माने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्डर वन टू थ्री फोर किसी भी नोड का आप यू कैन चेक डिग्री फोर नहीं होगा सर उससे कम ही होगा तो रूट का डिग्री हमेशा मैक्सिमम होगा और कितना होगा जो ऑर्डर है ट्री का बी के तो यहाँ पर के की वैल्यू फोर है तो फोर हो गया ये भी बात सिंपल है द रूट नोड ऑफ अ बाइनोमिट्री ऑफ ऑर्डर के हैज ऑफ डिग्री के एंड इट्स चिल्ड्रन आर के दैट इज ओके द चिल्ड्रन आर द रूट नोड ऑफ द बाइनोमिट्री ऑफ ऑर्डर नाउ लुक एट दिस ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये तो बायनोमिल्री हो गया ओवरऑल जिसका ऑर्डर यू नो बी फोर है हमारे केस में कह रहा अगर लेफ्ट टू राइट को ऑब्जर्व करेंगे तो उनका ऑर्डर देखिएगा क्या ये अपने आप में एक ट्री है इज ऑफ ऑर्डर है तो क्या ये अपने आप में एक ट्री है विच इज ऑफ ऑर्डर बी टू एंड देन ऑर्डर बी वन एंड देन ऑर्डर बी जीरो आप इस तरह भी देख सकते हैं क्या क्या हुआ एक तरीका तो ये है दिस इज अ अयनोमिल बी के वेयर दिस इज बी के माइनस वन एंड दिस इज बी के माइनस वन और दोनों मिल के बीके बना रहे हैं एक तरीका ये भी है बीके माइनस वन बीके माइनस टू बी के माइनस थ्री ब्ला अबुल बी के जीरो अबुल बी जीरो सब कुछ मिलके भी भी बीके बना रहे हैं तो बहुत सारे तरीके इसको ऑब्जर्व करने के और पहली बार में देख के लगता है नहीं है कि इतने स्मार्ट स्ट्रक्चर है बट अलग अलग तरह से जब देखते हैं समझते ऑब्जर्व करते हैं देन वी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड की इनका क्या इंपॉर्टेंस है यस तो आई होप बिफोर वी गो टू बाइनोमियल हीप्स है ना बाइनोमियल ट्री तक का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्लियर हो गया आई प्रोसीड फर्दर अब बात बाइनोमियल हीप की पहले मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ <coughs> नीचे मत देखिएगा अभी ऊपर वाला डायग्राम देखिए सो बेसिकली बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्रीज अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कौन है सर दिस इज बी जीरो अभी दो मिनट पहले हमने ऑब्जर्व किया है ये भाई साहब कौन है This is B1 नहीं है यहाँ पे दिस इज बी टू ये कौन है दिस इज बी थ्री तो बहुत सारे बाइनोमियल ट्री का कलेक्शन क्या कहलाता है आपके जो इंडिविजुअल ट्री है दे मस्ट फॉलो आइदर मिन हीप और मैक्सिप प्रॉपर्टी यहाँ पर नोटिस करिए ये तो अकेला टेन ही है तो ऑब्वियसलीफाई यहां पर आप देखो इस ट्री के अंदर इंडिविजुअली एक ट्री का दूसरी ट्री से कोई लेना देना नहीं बट इस ट्री के अंदर इंडिविजुअली क्या हमेशा और चिल्ड्रन में पेरेंट छोटा है क्या हाँ मिन ही प्रॉपर्टी यहाँ देखो कहीं पर भी आप नोटिस करो पेरेंट हमेशा छोटा होगा चिल्ड्रन हमेशा बड़ा होगा सो यस इट द प्रॉपर्टी एक और बात अभी मैं पढ़ दूंगा वन बाय वन या चलो आई गो इन टू द ऑर्डर पहला क्या है बाइनोमियल ही कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज ठीक है इट कीप्स डेटा सॉर्टेड एंड डिलीशन

बट दे विल ऑलवेज बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना दट इज वाई वी कॉल्ड एम ऑर्डर और हर कोई अपने आप में मिन हीप वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो एक अलग बात है ठीक है ईच बाइनोमिल ट्री इन अ बायनोमिलप हैज डिफरेंट ऑर्डर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या बी टू बी टू दो बार आ सकते हैं नहीं आ सकते जितने भी इंडिविजुअल बाइनोमियल ट्री होंगे इस बाइनोमियल हुई में हर किसी का ऑर्डर अलग होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बाद में आप समझेंगे हमें अनेबल करती है कि हम इन स्ट्रक्चर्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लास्ट वन अच्छा ये आपको समझाता हूं देखो इसको ऐसे समझो अब इसके अंदर कितने ट्री है कैसे पता लगाए कितने नोट्स है ओवरऑल इसके अंदर एक है इसके अंदर हमने ऑलरेडी समझा ना इट इज टू दैट इज टू रेस टू पार्ट टू कैन आई से इट ऑफ जीरो सो दिस टू टोटल कितना हुआ? Five five 13, 13 है इसको आप अब ऐसे ऑब्जर्व करो ना सोचो इट्स लाइक राइटिंग ए नंबर इन बाइनरी थर्टीन को बाइनरी में लिखोगे कैसे लिखोगे इट इज एट प्लस फोर

टू रेस टू पावर थ्री एंड टू रेस्ट टू पावर फोर तो वी नो एलिमेंट का कोई बनेगा, उसमें एक बी टू होगा एक बी फोर होगा बताइए बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या यही प्रॉपर्टी है ना यहाँ पर थर्टीन नोड हैंडल करने का और कोई तरीका ही नहीं है दैट इज हाउ यू राइट थर्टीन बाइनरी और इसमें से हर कोई इंडिविजुअल ट्री जो है वो टू की पावर होल्ड करता है तो मैं कहीं पे सेवन नोड नहीं रख सकता सर टेन नहीं रख सकता किसी बाइनोमिल किसी इंडिविजुअल बाइनोमियल ट्री में तो ओवरऑल हीप में मुझे जितने एलिमेंट रखने पड़ेंगे वो सब इंडिविजुअली टू की पावर का सम होना चाहिए तो बाइनरी वैल्यू से आप इस बात को होल्ड कर सकते हो वही बात यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी हीप में ओवरऑल एन एलिमेंट है तो एटमोस्ट लॉग इन लॉग बेस टू प्लस वन बाइनोमिल ट्री होंगे जैसे हमारे केस में कितने थर्टीन अब थर्टीन का लॉग बेस टू निकालोगे अब द लोअर बाउंड मैक्सिमम फोर थ्री लग सकते हैं और हमें फोर नहीं लगे हमारा काम तो थ्री में ही हो गया यस yes. इसका अगर एग्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखें आप लिंकलिस वाला तो एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर लेते देखिए यहां पर सेम टेन वाला नोड है ये वन वाला टू वाला प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन दिखाया है जिसमें एक स्ट्रक्चर अगर समझे सबसे पहले होता है पेरेंट तो टेन वन और सिक्स दिखाया गया ना देखो उनका पेरेंट अगर आप ट्वेंटी फाइव को देखोगे ये अपने पेरेंट को कर रहा है आप एट फोर और ट्वेंटी नाइन को देखोगे ये अपने पेरेंट को पॉइंट कर रहा है तो पहला जो कंटेंट है वो पेरेंट का है सेकेंड कंटेंट इज द की जिसका जो जो वैल्यू है देन थर्ड कंटेंट इज द डिग्री किसका डिग्री जैसे यहाँ पे डिग्री दो है दो चिल्ड्रन है इसका डिग्री थ्री है थ्री चिल्ड्रन है इसका डिग्री कोई चिल्ड्रन नहीं है तो जीरो है लाइक दिस देन जो आखिरी रो है उसमें दो कंपोनेंट है पहला इस चाइल्ड अब आप सोचेंगे मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर तो एक है सिर्फ लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड आपका कोई चाइल्ड नहीं है आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ट्वेल्व है यू सी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड एट है तो सिक्स का सॉरी uh, सिक्स का यह yeah, सिक्स का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड देखो चाइल्ड में एट को पॉइंट कर रहा है Uh, 12 को uh, 14 को और 29 को पॉइंट नहीं कर रहा एंड देन यू हैव द सिबलिंग यानी कि यू नो सेम पैरेंट का जो दूसरा मेरा भाई है तो so, मेरा सिबलिंग कौन है 12 का सिबलिंग है 25 25 का कोई सिबलिंग नहीं ऑन द राइट हैंड साइड सो देयर यू हैव नल 14 का 8 का 14 होगा 14 का 29 होगा 8 का देयर यू सी 14 14 का 29 29 का कोई नहीं ध्यान दीजिएगा

ज द यूनियन ऑपरेशन और यूनियन ऑपरेशन आपको समझाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर इतने efficient क्यों, है, क्यों ये परफेक्ट तरह से काम करते हैं पहले नोटिस करिए ए और बी कॉल एच वन एंड एच टू मुझे बताइए क्या ये दोनों अपने आप में बिल्कुल वैलिड बाइनोमियल हिप्स है क्या डेर यू सी

सो लेट मी राइट एंड देन इसमें एक और बात किसको पहले किसको बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो आप चाहे तो एटीन पहले भी लिख सकते हैं बट ऑब्वियसली लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही नाउ ऑर्डर वन वाले दो लोग हैं तो दोनों अलग अलग आ गए वेरी गुड एंड देन यू सी ऑर्डर टू वाला सिर्फ एक है तो ये पहले आएगा और ऑर्डर सिक्स थ्री वाला सिर्फ एक है सबसे बाद में आएगा ये चीज ध्यान रखिएगा क्या ऑर्डर थ्री ऑर्डर टू से पहले आ सकता है नहीं दो लोगों का ऑर्डर सेम है तो पहले बाद में कोई यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हमने बना लिया यस yes, अभी ये ऑर्डर्ड तो है ध्यान से देखिएगा बट ये बाइनोमियल हीप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्यों क्योंकि बाइनोमियल हीप में वी कैन नॉट हैव टू बाइनोमियल ट्रीज ऑफ सेम ऑर्डर नहीं हो सकता यहां पर इनका ऑर्डर सेम है यहां पर इनका ऑर्डर सेम है तो कैसे करें अब ध्यान से देखिएगा लेट मी कंसीडर दिस एज एक्स इज अ डिटेल एल्गोरिथम विल गो इन टू दिस बाद में ऑब्वियसली पहले पूरा मेथड समझ लेता है

दो कंजीक्यूटिव ये भी अपने आप में ट्री ये भी ट्री है दोनों ट्री का ऑर्डर सेम है तीसरे ट्री का ऑर्डर डिफरेंट है ऐसे कि में क्या क्या करते हैं यू मर्ज मर्ज देम और merge करेंगे तो क्या होगा बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है सर छोटा और मिन हीप है तो ट्वेल्वीन विल बिकम द द रूट एंड विल बिकम दिल्ड्रन देर सी। नहीं रख सकते था ना दोनों दोनों क्यों कर रहे हैं हम ये भी समझो एफिशियंट करना है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो ट्रीज हो यहाँ पे जिनका ऑर्डर सेम हो तो हमने दोनों को मर्ज कर दिया अभी ये 12 अपने आप में एक ट्री बन गया जिसका है। अब एक नया Now, तीन ऑर्डर वन मिल गए इस तरह के सिचुएशन में क्या करते हैं दोबारा मर्ज करेंगे नहीं इस केस में सिंपली गो वन स्टेप फॉरवर्ड तो अभी कुछ नहीं करना है वन स्टेप फॉरवर्ड का मतलब अब ये भाई साहब x बनेंगे ये बनेंगे Of of so प्रीवियस छोड़ दिए ना ये तीनों सेम थे ना यस नॉट दिस इज द मोमेंट ऑफ कंसिडरेशन इसको देखिए नॉट दिस इज एक्स एंड दिस इज नेक्स्ट ऑफ ये तीनों सेम थे ना हाँ दिस इज एक्स एंड दिस इज नेक्स्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज एस ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स x next of x and sibling of next of x एक स्टेप आगे आ गए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेगा फिर वही पहले वाला कंडीशन. तो ये मैं दोबारा बता दूं. जब पहले दो सेम तीसरा डिफरेंट तो मर्ज करते हैं जब तीनों सेम हो तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़े अब क्या है सर दिस इज ऑर्डर वन दिस इज ऑर्डर वन दिस इज ऑर्डर टू अगेन दिस टू आर इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल दू सी फिर क्या करना पड़ेगा सिचुएशन आपको पता है सर मर्ज करते हैं अब बताइए मर्ज कैसे करेंगे दोनों में छोटा कौन है थ्री छोटा है तो वो रूट बनेगा क्योंकि मिन ही पहना, मिन आ, binomial, ए, मिन ही ना बाइनोमियल बाइनोमियल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे इंडिविजुअल ट्री भी तो एंड विल बिकम द रूट एंड दिस एंटायर बी वन विल बिकम द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और अब ये बी वन नहीं रहेगा सर बी टू बन जाएगा वाह पैटर्न समझ आ रहा है यस yes, तो यहां तक की कहानी बिल्कुल ऑब्जर्व हो गई इससे आगे आ चुके

दिस ट्री विल रिमेन सेम दूसी और ये पूरा का पूरा जो है ये थ्री वाले का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा अब आगे आप देखेंगे दिस इज बी वन तीनों डिफरेंट हो गए क्या दिस इज वन एंड आई थिंक दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तीनों डिफरेंट है दैट विल बी ऑल और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सो so, दे कैसे किया दो अलग अलग हीप थे पहले दोनों को एक साथ लिखा एक सिंगल लिस्ट बनाया एंड देन ऑर्डर में किया फिर क्योंकि बहुत सारे ट्रीज थे जो सेम ऑर्डर के थे और बाइनोमिल हीप में वो अलाउड नहीं है तो हमने ये प्रॉपर्टी मैनेज की तीन केस है दो केस है बेसिकली एक केस है कि पहले दोनों इक्वल लेट मी से लाइक दिस पहले दोनों इक्वल दूसरा नॉट इक्वल तो मर्ज करते हैं और अगर तीनों इक्वल हो तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं आई होप दिस इज सॉर्टेड नाउ यस बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग अगर आप दो को मर्ज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब हम स्टेप बाय स्टेप इंसर्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं so this. This tree. Tree भी अंदर बनते जाएंगे, बट हम तो इंसर्ट कर रहे हैं one one, पहला वैल्यू है फोर तो लेट मी टेक सिंगल नोट कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट वैल्यू इज सिक्स जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ दोनों क्वार्टर सेम है किसको लेफ्ट में किसको राइट में, में रखना कोई फर्क नहीं पड़ता तो अलाउमी मैं पहली वैल्यू स्टार्टिंग से शुरू कर लेता हूँ पहले आया सिक्स अब उसके आगे हो गया फोर और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये बाइनोमियल हीप नहीं है इसके अंदर दो ट्री हैं दोनों क्वार्टर सेम है से, बताओ छोटा कौन है फोर है तो बताओ क्या होगा सर फोर ऊपर रह जाएगा और सिक्स बन जाएगा इसका चाइल्ड चाएग। सिंगल चाइल्ड है तो लेफ्ट या राइट बोलने की जरूरत नहीं नाउ दिस इज ओके ये ओके okay क्यों नहीं था क्योंकि दोनों क्वार्टर सेम था अभी अकेला बचा है आगे बोलो कौन आएगा सर आगे आएगा थ्री

यहां भी होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो बी वन गए दोनों क्वार्टर से मैं मर्ज होगा रूट कौन बनेगा थ्री रूट बनेगा क्योंकि वो मिनिमम है तो अब बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा थ्री एंड दिस इलेवन ये इसका चिल्ड्रन होगा और ये पूरा का पूरा जो बी वन है ये इसका चाइल्ड बन जाएगा विद फोर एंड सिक्स एंड नाउ यू हैव अगल बी टू आई थिंक धीरे धीरे पूरी प्रोसेस भी आपको समझ आ रही होगी नाउ यूर हंड्रेड परसेंट श्योर काम कैसे होता है अगला बताइए नाइन अलाउ करो मैं यहीं पे नाइन लिख दू बहुत सारा काम होगा नई एंट्री आ गई सही नाइन देन डू वी हैव इज अलाउ करो यहीं पे लिख ये का एक है एंट्री आ गया क्योंकि और काइंड ऑफ सेम हो गए हैं तो यहाँ दोबारा से बना देता हूँ तो ऑब्वियसली ये मर्ज करेंगे नाइन इसका चिल्ड्रन बनेगा एंड यू हैव इधर तो कोई चेंज हुआ नहीं सो दिस इज इलेवन ओनली एंड दिस इज फोर एंड दिस इज सिक्स यहाँ तक कोई चेंज है अगेन आई थिंक दिस नो चेंज नॉट दिस इज लाइक बी वन एंड दिस इज लाइक बी टू है ना आगे बढ़िए फोर्टीन एक और एंट्री लगा दोन तो, अगेन कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है बी नॉट बी वन बी टू बढ़िया सुंदर काम कर रहा है नो प्रॉब्लम एट ऑल नेक्स्ट वो यू है जैसे ही टेन आया प्रॉब्लम हो गया फोर्टीन और टेन में मर्ज होगा तो रूट कौन बनेगा टेन रूट बनेगा फोर्टीन इसका चिल्ड्रन बनेगा अब इन दोनों का ऑर्डर से मैं फर्दर मर्जिंग होगी क्या होगा बताइए अगेन यू सी फाइव क्योंकि छोटा है वो रूट बनेगा तो टेन और फोर्टीन पूरा का पूरा इधर नजर आ जाएगा और मुझे लग रहा है फर्दर इसमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपने आप में बी टू है सो नाउ दिस थ्री इलेवन एंड दिस इज फोर ना हाँ दिस इज फोर एंड सिक्स और ये पूरा का पूरा पैटर्न लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा सो दिस इज फाइव and 9 and this is 10 and sir this is 14. I hope मेरे को लग नहीं रहा आगे करने की जरूरत है because now you get the idea कि किस तरह से insert कर रहा है तो एक एक value insert करते जाना and now you understand कि merging हमने क्यों की थी क्योंकि merging से इनका पूरा relative order हमें समझ आ जाता है so that is how it works तो so binomial trees along with binomial heaps

अब एक प्रॉपर्टी है डिलीशन अगेन डिलीशन डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते पहले मिन हीप एक्स मिन वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए तो किसी क्योंकि हीप का पूरा पॉइंट क्या है अगर हीप सॉर्ट आपको याद हो स्टार्टिंग में पढ़ा था हीप में से कभी कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता हमेशा रूट डिलीट होता है है ना तो रूट डिलीट कैसे करते हैं वो आपको सिखाता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू अब यहां देखिए इस हीप का मिनिमम वैल्यू निकालना है। यही हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले हा जी अब मिनिमम वैल्यू कौन है तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सब अपने आप में मिन हीप्स मिन ट्री है बाइनोमियल ट्रीज है जो सब मिनिमम नेचर के मिन हीपी हैं तो इन सब का मिनिमम इसके रूट में है इसका मिनिमम 37 इसका मिनिमम 10 और इसका मिनिमम 1 इन तीनों का मिनिमम 1 हाँ के ना तो हमने क्या किया हमने उस वन को निकाल लिया अब ध्यान से समझिए होगा क्या अगर वन को आप सडनली हटा लेंगे देन वट विल हैपन वन विल फ्लाई अवे और आप याद रखिए ये अगर एक बाइनोमियल हीप था ऑफ ऑर्डर एंड तो ये सब अपने आप में हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी ये बी थ्री है ये बी टू है ये बी वन है ये बी जीरो है अभी तक तो बी फोर ने सबको जोड़ के रखा था मेरे को तो मिनिमम चाहिए मैंने मेन लिस्ट से हटाया अलग कर दिया अब ये अपने आप में सब अलग अलग हो गया तो वट आई डू मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं एंड आई कंसिडर दैम एज ए न्यू नॉट बाइनरी ट्री नॉट बाइनोमियल ट्री बट बाइनोमियल हीप देखिए रिवर्स ऑर्डर क्यों कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले रूट लिस्ट में देखा मिनिमम कौन है उसे अलग कर लिया स्टेप नंबर टू उसे जब अलग किया तो उसका जो भी ऑर्डर है उसकी उसको जाने की वजह से बहुत सारे नए ट्रीज बन जाएंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में लीजिए दोबारा से वंस यू डू दैट दोनों को मर्ज करना आपको पहले से आता है दोबारा मर्ज कर लीजिए कोई प्रॉब्लम है क्या तो मुझे बताइए दोनों में सबसे छोटा कौन ट्वेंटी फाइव पहले आ गया यहाँ देखिए दोनों का ऑर्डर वन है क्या इनकी मर्जिंग करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी सर तो दे, दे, यू सी देव छोटा है वो वो बन गया रूट थर्टी सेवन फोर्टी वन इसका बन गया लेफ्ट चाइल्ड अब यहां देखिए लुक एट दिस क्या सिक्सटीन और टेन ये दोनों बी टू बी टू है हाँ जी बी टू बी टू है तो क्या करना पड़ेगा ये रूट बनेगा ये इसका चाइल्ड बनेगा तो यहाँ देखिए ये रूट बना और ये 16 इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन गया और ये दोनों मिलने के बाद ये b2 था ये b2 था ये दोनों मिलकर b3 बने होंगे b3 एक और है और इसका रूट क्या था 10 तो वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया द मतलब दो स्टेप एक बार में दिखा दिए पहले इंडिविजुअली मर्ज हुए थे ये स्ट्रक्चर बना था बट क्योंकि अब इसका और इसका दोनों क्वार्टर सेम था तो इनको मर्ज करना पड़ा तो B3 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 B2 B2 मिलके B3, B3 दोनों B3 मिलके बने एंड दिए दोनों ये क्या बन गया B4 एंड दैट इज हाउ यू डू द डिलीशन तो डिलीशन कैसे करते हैं मतलब मैं रैंडम डिलीशन की बात करनी कर रहा बेसिकली मिनिमम कैसे निकालते हैं प्रायोरिटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना पहले समझाए तो मिनिमम निकाल लीजिए रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करिए दो हीप दोबारा से बन जाएंगे उनको दोबारा से यूनियन करिए जो हमने पहले करना सीख लिया दिस आल्सो ऑपरेशन कॉल्ड डिक्रीज

वन और सेवन अभी भी प्रिजर्व नहीं है सेवन बड़ा है सेवन नीचे वन ऊपर वन और थ्री अभी प्रिजर्व नहीं है वन ऊपर थ्री नीचे एंड अगेन यू सी किसी वैल्यू को अगर डिक्रीज करते हैं मिन हीपिफाई मैक्सिपिफाई करके यू कैन गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू यस आखिरी बात डिलीट कैसे करते हैं अब किसी भी वैल्यू का यहाँ डिलीट डायरेक्टली नहीं कर सकते है ना हमें रूट में से डिलीट करना था मिनिमम को डिलीट करना था तो व्हाट वी डू पूरी प्रोसेस पहले वाली है बस एक स्टेप समझा देता हूँ फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्वेंटी फाइव को डिलीट करना है

एंड सेवन एंड ट्वेल्व ये पोजिशन हो गई अब क्या मैं माइनस इनफिनिटी को डिलीट कर सकता हूँ हाँ डिलीट कर सकता हूँ और वही पुरानी प्रोसेस दो ही बना लीजिए एक बना 15, इधर इलेवन और, और इधर सिक्स एंड टेन एंड दिस इज लाइक फोर्टीन एंड नाइनटीन ये बिल्कुल एक अलग आइडिया हो गया और अब माइनस इन्फिनिटी बना के आपने इसे डिलीट कर दिया ये चला गया रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करिए तो ये फोर एंड देन नाइन एंड थर्टीन एंड देन ये कौन है थ्री सेवन ट्वेंटी ट्वेल्व थ्री थ्री सेवन एंड दिस इज ट्वेल्व एंड दिस इज ट्वेंटी ये अलग है दोनों को उठा के मर्ज कर दो मर्ज करना यूनियन करना तो हमने पहले से सीखा है सो दैट इज हाउ यू डू डिलीशन तो करना डिलीशन था पर डायरेक्टली नहीं कर सकते थे तो पहले हमने

मुझे पता नहीं कितना टाइम हो सात आठ घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं मे बी दिस सिंगल शॉट गो अ लिटिल बिट लॉन्गर बट एल इन जनरल भी तो इंपॉर्टेंट है ना बात सिर्फ सेमेस्टर की नहीं है यस सो दिस इज डन एंड नाउ आई थिंक वी आर वेरी मच रेडी फॉर फिबोना की हीप इनकी स्टोरी समझते हैं तो पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं हमेशा की तरह सो दीज आर द टू पर्सन मिशेल एंड रॉबर्ट डेवलप फिबोना की याद करिए हमने बात स्टार्ट की थी बाइनरी सर्च ट्री से नहीं 1958 है ना और डेवलप होते, होते 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 हैं 1984 पर आ चुके। अभी आप मैकेनिकल पढ़ोगे सिविल पढ़ोगे फिजिक्स पढ़ोगे पढ़ोगे होना था वो हो चुका है यहाँ पर ऐसा नहीं है ये yes, तो काम रिसेंट हो रहा है धीरे धीरे आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टेन ट्वेंटी थर्टी और भी चेंजेस हो रहे हैं नाउ एंड पब्लिश ए साइंटिफिक जनरल तो कब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया पब्लिश किया इन नाइनटीन एटी सेवन तो हीप आफ्टर नंबर एंड इन रनिंग ना उसके अंदर बाइनोमिलिटी का पूरा पैटर्न हमने समझा थोड़े से स्ट्रिक्ट है, है ना क्योंकि तो आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट बाइनरी ट्री होना चाहिए ट्री होना चाहिए अंदर ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर होना चाहिए दो ट्री का ऑर्डर सेम नहीं हो सकता बहुत सारी चीजें बड़ी फिक्स थी आप ये मान के चलो अगर उसी अप्रोच को बहुत लेजी कर दिया जाए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड फिबना की तो गेटिंग बेसिक एसेंस ऑफ इट अब वो कैसे करेंगे हर ऑपरेशन की डेफिनेशन कैसे चेंज होगी वो मैं बताऊंगा बट बत बेसिक आइडिया क्या है कि हमने चीजों को सिम्प्लीफाई किया आसान किया उससे फायदा क्या होगा पहली बात यहां पर हम वर्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करते यहाँ पर हम अमोर्टाइज <coughs> टाइम की बात करते हैं जिसको आमतौर पर आप बोल सकते हैं एवरेज टाइम तो मैं एक दो चार वैल्यू पर जज नहीं करूंगा बिकॉज वैसे भी जो वर्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बहुत अच्छा एस्टिमेशन वो देता नहीं है कभी कभी प्रैक्टिकलिटी से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं जो स्टार्टिंग में हमने क्विक शॉर्ट में देखा कि वर्स केस में लगता है इट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बट इन जनरल वो हीप शॉट और मर्स शॉर्ट को बहुत आराम से हरा रहा होता है और हम प्रैक्टिकली यूज भी क्विक शॉर्ट ही कर रहे होते इसलिए उसका नाम है क्विक शॉर्ट

हर ऑपरेशन के बाद सब कुछ एकदम परफेक्ट करते हैं फिर उन्हीं की कि पहले थोड़ी गंदगी होने देते हैं जब लगता है कि भी काफी गंदगी हो गई है, उसके बाद उसकी सफाई करते हैं एक बार तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉस्टिंग है वो ऑर्डर इट वॉज इंट्रोड्यूस इन फोर्टी फोर एनहेंस दी ऑपरेशन ऑफ लाइक यू नो रहा हूँ ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम को एफिशिएंट बनाने की लड़ाई है तो फिवोनी की हिप ने कोशिश की कि हम जो बायनोमियल हिप्स करो और काफी हद तक कर दिया अभी जब आप एल्गोरिदम पढ़ते हो, पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ द ग्राफ आर इम्प्लीमेंटेडी क्यू हम बनाते हैं so, the, the जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एकदम नहीं बाद में धीरे धीरे करेंगे एंड एफिशियंट डिक्रीज ऑपरेशन विद ऑर्डर ऑफ वन एमोटाइज टाइम एंड ऑर्डर ऑफ लॉग इन फॉर डिलीशन अभी तो खैर वो टाइम तो हम देख लेंगे बट द पॉइंट इज

एचमिन kind of जो की रूट टू दैल्यू इन दिस है पर पहली चीज आप नोटिस करिए इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या ये परफेक्ट बाइनोमियल ट्रीज है ऐसा नहीं है तो इस बार अगर दो का ऑर्डर सेम भी है तो भी मैं अलाउ कर रहा हूं

इट्स लाइक अ डबली सर्कुलर लिंक किसी भी नोट से आप लेफ्ट और राइट right दोनों तरफ जा सकते हो यहाँ पर बात करो सिबलिंग की और सर्कुलर है तो 24 के लेफ्ट में 23 और सर्कुलर है तो 23 के uh, 23 के लेफ्ट में बोलूंगा ना 23 के लेफ्ट में 24 है अगेन यू सी हर लेवल पे सर्कुलर है पेरेंट टू चिल्ड्रन चिल्ड्रन टू पेरेंट दोनों तरफ आप एक्सेस कर सकते हो स तो ये सारे एडवांटेज हैं। अगेन ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को एक्सेस करोगे आप एक चिल्ड्रन तक पहुंचोगे और आगे आप चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर नेटवर्क आप ट्रेवर्स कर सकते हो बाकी स्ट्रक्चर की तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डेवलप होती है जब वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कुछ नोट्स होते हैं मार्क नोट्स तो देर आर टाइक रेड ब्लैक ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है रेड और ब्लैक कलर का बट जैसा आप थोड़ा सा कलर डिफरेंस देख रहे होंगे एटीन थर्टी नाइन

सिंस दिस नोट इज एडिड टू इट्स करेंट पेरेंट तो अगर होने के बाद कोई child lost होता है, तो हम इस नोट को क्या करते हैं मार्क कर देते हैं तो आगे जाके हम देखेंगे अगर बाद में इसका पेरेंट चेंज हो जाता है तो फिर हम इसको दोबारा मार्क कर देते हैं लॉजिक क्या है <coughs> जब जब से आप अपने पेरेंट के साथ अटैच है अगर उसके बाद आपका कोई चिल्ड्रन डिलीट होता है तो मैं आपको मार्क करूंगा अगर अब आपका पेरेंट चेंज हो रहा है तो इस पेरेंट को तो नहीं पता कि इसका चिल्ड्रन लॉस्ट हो चुका है तो इसके लिए अन की तरह बिहेव करेगा लाइक like दिस आगे हम देख लेंगे इसको और अच्छे से कंसोलिडेशन तो जैसे मैंने बताया इंसर्शन में यूनियन में हम कोई कंसोलिडेशन नहीं करते थोड़ा उसको बिखरने देता है थोड़ा खराब होने देता है जब लगता है भाई बहुत गड़बड़ हो रही है तब उठा के एक बार कंसोलिडेट करते हैं एक्सट्रीम इन टाइप ऑफ ऑपरेशन में सो दिस इज द बेसिक आइडिया अब इसका एडवांटेज क्या होगा ये देखिए इंसर्ट डिक्रीज यूनियन इन में तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम मिल रहा है जहां पे हम एन लॉग एन तक सेटल करते हैं एप्लीकेशन उन्हें नंबर ऑफ इंसर्शन डिक्रीज की ऑपरेशन वॉस्टली आउट नंबर द नंबर ऑफ एक्सट्रैक्ट मीन तो आमतौर पर अगर इंसर्शन या डिक्रीज की ज्यादा करना हो देन यू गो फॉर बिकॉज उसमें तो ऑर्डर ऑफ वन य मजा ही आ रहा है और डिलीट और अगर मिन कम है तो लॉग है और वो करना भी तो भी क्या ही फर्क, फर्क पड़ रहा है क्योंकि वहां भी हम कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं लॉग इन ले रहे हैं इस पर काम करते हैं तो आप अच्छे समझोगे ना आई गो वन वन बाय देखिए पहला ऑपरेशन अटेम कर रहे हैं को अच्छे से समझने के लिए दैट इज इंसर्शन तो लुक एट दिस ये मेरे पास एक फिबोनिकी हीप है ऑब्वियसली मैं सारे पॉइंटर मार्क नहीं कर रहा यू नो हाउ दे आर कनेक्टेड तो यहाँ पर फाइव है सेवन है थ्री एट फोर एंड टेन क्या ये वैलिड फिबोनिकी हीप है हाँ जी है क्योंकि ये सब इंडिविजुअल हीप्स हैं मिन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है अब सवाल है कि एक नया वैल्यू सेट करना है टू कैसे करें बस इसको जो रूट लिस्ट वाला है इसमें उठा के इसको ऐड कर दो वो तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट अपडेट हो गई होगी और एक बार चेक कर लो क्या जो पहले मिन था अच्छा ये अगर मैंने थ्री लिखा है तो फिर ये इधर गलत मार्क कर दिया है ना फिर पहले हीप का मीन ये था फिर बने की हीप का अभी क्योंकि टू थ्री से भी छोटा है तो उसको मैं उठा के अपडेट कर दूंगा बाकी और कोई भी चेंज नहीं है दैट इज द रीजन कि हम बोल रहे हैं इसका कॉस्टिंग क्या है ऑर्डर ऑफ वन तो दे यू कैन सी एक नया नोड क्रिएट करिए जो हमारी रूट लिस्ट है डायरेक्टली उसमें एड कर दीजिए देन मिनिमम एक बार चेक कर लीजिए जो पहले से मिनिमम है वो भी सबसे कंपेयर नहीं करना जो पहले से मिनिमम उससे कंपेयर कर लो अगर आप उससे छोटे तो आप नहीं मिनिमम है वरना तो जो पहले मिनिमम था वही मिनिमम रहेगा एंड अगेन दैट इज अ रीजन की जो अमोरटाइज कॉस्ट है इसकी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ वन तो इंसर्शन इज लाइक वेरी इजी कुछ भी नहीं करना नेक्स्ट यू अंडरस्टैंड इज डिक्रीज की <coughs> तो डिक्रीज की भी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ वन कॉस्टिंग रखता है बहुत आसान है कैसे अलकोटन एग्जांपल सो देयर यू सी देवन टू एंड दिस इज फोर एंड थ्री एंड एट दिसम सॉरी एंड इज न हम नाइन को डिक्रीज कर रहे हैं one में. अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो मिन ही पी फाई मैक्सिपी वाई वाला प्रॉपर्टी क्योंकि फिर ऊपर जाएगा तो कॉस्टिंग आएगा कंपेयर करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखिए जैसे ही ये वैल्यू हमने चेक करी कम करी चेक करेंगे क्या सेवन और वन मिन ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे है. क्योंकि कायदे से सेवन नीचे होना चाहिए वन छोटा है तो वो रूट में होना चाहिए अगर सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसको यही छोड़ देते बात खत्म अब क्योंकि नहीं कर रहे तो हम इनमें आपस में स्वैप नहीं करेंगे सर नॉट नॉट दैट विल बी डन हम इस 1 को यहां से हटाएंगे एंड लुक एट दिस रूट लिस्ट में एड कर देंगे बोलो कितना आसान बात है <coughs> क्यों कर रहे हैं लॉन्ग रन में आप एनालाइज करोगे क्योंकि अगर ये बहुत नीचे होता तो फिर वो ऊपर तक जाता लॉग एन खर्चा होता कॉन्स्टेंट टाइम उठा के इधर रूट में एड कर दिया रूट लिस्ट में एड कर दिया अब फिर वही बात जरा मार्किंग की बात देख लेते हैं इफ द पेरेंट नोड वॉज अनमार्क्ड मार्क्ड इट अगर आपका पेरेंट अनमार्क था तो उसे मार्क करिए क्या सेवन अभी अनमार्क था जी हाँ तो मैंने ये डबल सेवन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ

Seven three three min so, up, और और में है, है, तो तो अब ये लीजिए उठा के इसको कर देख रहे हैं जब तक possible हो रहा है, जितना पॉसिबल हो रहा है हम जो खर्चा है सर वो खर्चा यहाँ पर कम कर रहे हैं ताकि चीजों को आसानी से और एफिशियंटली मैनेज किया जा सके अभी तक जितने ऑपरेशन किए सब ऑर्डर ऑफ वन है अब फाइनली एक मेन ऑपरेशन करते हैं जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं ना कि हीप हीप हमारा लेजी लेजी है 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 ना फिर बने की हीप लेजी है। और कभी कभी जब जरूरत पड़ती तो कंसोलिडेट करता है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा कब जब हम मिन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अगेन दीज आर द पॉइंट्स एक बार जब साथ साथ अप्रोच आप देखते रहोगे आपको पूरी बात समझ आएगी तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं करना क्या है रिमूव द मिनिमम नोड तो जो भी नोड मिनिमम है

तो फिलहाल हमने इसको पॉइंट कर दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया अब कंसोलिडेट करना है no अब वो पुराने वाली की। कि एक वैलिड बाइनोमियल हीप में जिस तरह हर यू नो बाइनोमियल ट्री का ऑर्डर डिफरेंट होगा डिस्टिंक्ट होगा ठीक उसी तरह अब यहां भी हम वो प्रॉपर्टी इंश्योर करेंगे क्योंकि आप देख रहे बहुत गंदगी मच चुकी है तो क्या करें

सेवेंटीन वाला ट्री है ये अपने आप में ट्री है हीप है ना इसका का बढ़ूंगा मैंने इधर कर दिया। ताकि मुझे पता लगता रहे कौन कौन सी डिग्री मैं कवर कर चुका हूँ नाउ यू अ सर्कुलर स्ट्रक्चर तो ट्वेंटी फोर के बाद घूम क्या ट्वेंटी थ्री पे ट्वेंटी थ्री का कोई चिल्ड्रन नहीं तो ये जीरो वाला इधर आ गया अभी तक जीरो वन और टू मिल चुके हैं अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो सेवन आएगा अभी जीरो जीरो तो ये भी कहेगा मेरे को भी जीरो वाले में एंटर करना है जीरो वाले तो एक हो सकता है अब मौका है इन दोनों को मर्ज करने का और मर्ज कैसे करेंगे तो अगेन जो छोटा है वो रूट बनेगा तो यू सी सेवन एंड ट्वेंटी थ्री फॉलो कर पा रहे हैं, बट जैसे ये सेवन एंड ट्वेंटी थ्री बनेगा फिर देखिए अब ये फिर से वन वाले में जाने की कोशिश करेगा बट वहां तो ऑलरेडी है यानी कि फिर मर्ज होगा अब बोलो सेवन ट्वेंटी थ्री और सेवनटीन और थर्टी में कौन रूट बनेगा रूट इधर नीचे और अब ये ट्राई करेगा किधर जानेगा हो माई oh गॉड अब ये टू वाले पर जाने की कोशिश करेगा बट टू वाला भी ऑलरेडी है तो अब बताइए इन दोनों में कौन छोटा है अगेन सेवन छोटा वो रूट बनेगा तो दे यू सी, सेवन सेवनटीन थर्टी ट्वेंटी थ्री रूट बना और ये बाकी की जो पूरी कहानी है ये ट्री एज अ चिल्ड्रन बन के इधर आ गया अब इसका डिग्री थ्री है थ्री वाला तो भी कोई नहीं है तो ये अटैच हो गया एक और बात यहाँ पे बिकॉज हम बाइनोमियल ट्री नहीं बना रहे तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लेफ्ट या राइट एक्सट्रीम लेफ्ट में चाइल्ड बनाए आप राइट में बना सकते कोई दिक्कत नहीं है <coughs> प्रोसेस विल कंटिन्यू अब इसके बाद ये तो थ्री का हो गया दिस इज वन वन का हो गया देन दिस इज एटीन एटीन हो गया अभी तक कोई क्लैश नहीं हुआ तो एटीन के बाद आएगा 52 टू uh, यहां तक हम सेम चले आई नंबर में जाएंगे 18 वाला भी हो गया यस देन कम्स 52 52 और 21 में सर रिलेट कराना पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं 52 और 21 में ऑब्वियसली 52 विल बिकम दिस और इन दोनों में फिर क्लैश होगा तो ये 18 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा यहां आपको समझ आना देखिए तो 18 एंड वो इधर नजर आ गए और ट्वेंटी वन फिफ्टी टू इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया एंड नाउ आई थिंक जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व कर ली गई है ध्यान से देखिए जो मार्क थे मार्क नहीं उसमें कोई चेंज नहीं किया कंसोलिडेशन में मार्किंग का कोई लेना देना नहीं है बट अभी प्रॉपर्टी फाइनली प्रिजर्व है सो दिस इज ए ट्री नॉट नॉट बाइनोमियल ट्री बट दिस इज ए ट्री ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर टू एंड ऑर्डर थ्री फॉलो कर पा रहे हैं फेयर इनफ नाउ अगेन uh, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है उसका फिर से मिनिमम फाइंड कर लीजिए तो अब अब ये जो कंसोलिडेशन के बाद नया मिनिमम कौन है नॉवनिकम न्यू मिनिमम कॉम्पलेक्सिटी लॉन्ग रन में आप चला के देखोगे तो क्योंकि बस हम मर्जी कर रहे हैं और सीधे चिल्ड्रन पे लेके जाते हैं वर्स केस में लॉग इन टाइम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमारा जो बोल रहा है प्रैक्टिकल टाइम अमोरसटाइज टाइम और एवरेज टाइम है ना उसकी बात कर रहे हैं नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज वॉट डिलीट ऑपरेशन तो डिलीट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको से हटानी है तो ऐसा नहीं जैसे आमतौर पर हीप में हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करने के लिए अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। हम बोलते हैं स्पेसिफिक पोजिशन नहीं हमेशा मिन ऑफ द हीप ही होगा बट यहां पर इन <coughs> वैल्यू को डिलीट करना अलाउ करते करते कैसे देखिए स्टेप नंबर वन

मी से 46 वैल्यू है उसको डिक्रीज करके हमको क्या करना है 15 करना है तो देर इज 46 और 46 को जैसे ही हम डिक्रीज करके 15 करेंगे तो हम अगेन जैसे हमने पहले सीख लिया ना कंपैरिजन एक्सट्रैक्ट मिन वाली बात तो 24 और 15 में क्या मिन ही पीफाई वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है नहीं तो क्या ये ऊपर जाएगा नहीं ऊपर नहीं जाएगा इसको कट करिए और रूट लिस्ट में एड कर लीजिए एक और बात क्योंकि पेरेंट अभी अनमार्क्ड है तो दे यू सी हमने उसको उठा के क्या कर दिया मार्क कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे कहानी कंप्लीट हो गई स्टेप नंबर टू में एक और अटेम्प्ट करते हैं ताकि सारे पॉसिबल केस समझ सके। 35 को भी मिन करके कर रहे हैं फाइव ना थर्टी फाइव को जैसे ही मिन करके हमने फाइव किया नाउ यू अंडरस्टैंड अगेन क्या यहाँ भी मिन ही वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नहीं बट मजे की बात है जो पेरेंट है वो ऑलरेडी मार्क्ड है तो उस केस में फाइव को तो हम हटा के ऊपर रख ही रखेंगे बट अगर पेरेंट मार्क्ट इज नोनिंग कट उसको भी 26 को भी को उठा के रूट में रखेंगे तो यहाँ देखिए ट्वेंटी मार्क् नोट है उसको भी हटाएंगे और रूट में रखेंगे यहाँ देखिए ट्वेंटी फोर आ गया एंड अब जाके ये डिलीशन या हमारा जो डिक्रीज की था वो कंप्लीट हुआ अच्छा रही बात इस स्ट्रक्चर की क्या इसको दोबारा कंसोलिडेट करना आपको आता है वो आप कर सकते हैं तो फिर कहीं से भी चालू हो जाइए एंड देन जब कंसोलिडेट करेंगे तो जितने भी डिफरेंट ट्री हैं हर यूनिक डिस्टिंक्ट डिग्री वाला uh, जो ट्री है वो यहाँ पर बचेगा है ना तो दैट इज डेट एक बार ये पूरा कंक्लूजन देख लीजिए द बाइनरी हीप जहां से बात शुरू हुई नाइनटीन में 1962 और उसके बाद आ गया बायनोमियल हीप कुछ समय चलता रहा फिर 20 साल बाद उसको अपडेट किया फिर वो निकले पूरा कंक्लूजन है यस yes, इसमें हर एक के ऊपर हम बात कर चुके हैं तो यू मेक ए नॉट ऑफ दिस इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना हो एक बार क्रॉस चेक करिए यस एंड देन आई कंटिन्यू विद सम ऑफ द बेबी बेबी मिनी टॉपिक्स ट्राइज एंड ऑल फिर उस पे बात टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या अगर आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग करेंगे तब शायद इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है इवन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट क्योंकि मैंशन किया है सिलेबस में अलग से तो यू नेवर नो आ गया तो पांच नंबर में दो पेज भरने तो आना चाहिए तो लेट मी गिव एन डायग्राम सेम बना के आना टाईज ऑल्सो नोन एज अ प्रिफिक्स ट्री प्रिफिक्स प्रॉपर्टी पर पहले हम ऑब्जर्व कर चुके हैं हाफमैन कोडिंग में कुछ उस तरह की बातें देखेंगे बट यहाँ गेम एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है इट लाइक अ ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डायना करने के काम आएगा यूजअली फॉर रिट्रावल ऑफ की बाई प्रिफिक्स इट इज अ टाइप ऑफ सर्च की दर्च द ऑर्डर ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर लोकेटिंग स्पेसिफिक की फ्रॉम द सेट तो उसको ऐसे समझिए ये बहुत सारी स्ट्रिंग हमें स्टोर करनी है तो ये क्या दिमाग लगाते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन करता है देखता है क्या कोई स्ट्रिंग दूसरे का प्रिफिक्स है क्या और अगर है तो उसको सेपरेटली अलग से स्टोर नहीं करता ट्री फॉर्म में स्टोर करता है कंपाइलर में भी इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन हम करता है तो अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे नल से और आप कहीं पर भी जाके फॉर एग्जाम्पल रुक सकते जैसे यहां से देखिए ए डी ए डी आपको एक मिल गया Yes. यहाँ से दो रास्ते हैं तो एक रास्ता तो यहाँ पे आपके रुक गया तो ए बी आपको मिला एक हुआ ए बी ए और एक हुआ ए बी सी ए बी एंड ए बी सी अगेन यू कैन सी यहाँ से चलेंगे यहाँ से दो रास्ते जा रहे यहाँ रुक जाइए एक आपको क्या मिला ए बी एक क्या मिला ए बी डी और एक क्या मिला ए बी जी बी ए डी एंड बी ए जी तो अगर ये सारे स्ट्रिंग हम अलग से स्टोर करते तो इनको स्पेस ज्यादा लगता इनको सर्च करना भी मुश्किल होता है बिकॉज अब मेरे को पता है ए बी से स्टार्ट होने वाला कोई पैटर्न है इसी रास्ते में मेरे को आगे जाना है या बी से स्टार्ट होने वाला पैटर्न इसी रास्ते में जाना है तो बाइनरी सर्च का भी कुछ आइडिया यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सर्च भी आसान हो रहा है मेमोरी भी एफिशियंट हो रही है इस तरह का जो आइडिया है उसको हम बोलते हैं ट्राइस टी आर आई ई एस यस रिक्वायरमेंट क्या है अगेन एफिशियंट स्टोरेज ये तो मानते हो बिकॉज हर किसी को सेपरेटली स्टोर नहीं कर रहा नहीं करना पड़ रहा और जो प्रिफिक्स प्रॉपर्टी हुए है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सबके प्रिफिक्स को एक ही बार स्टोर कर रहे हैं जो कॉमन पार्ट है मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं कर रहे लुकअप लुकअप टाइम मस्ट सपोर्ट फास्ट टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज इन अ सेट अगेन है कि नहीं प्रिफिक्स मैच करके जल्दी से काम पता लगा सकते हैं इंसर्शन और डिलीशन भी मजेदार होगा बिकॉज आपको पूरा डिलीट नहीं करना है कंपोनेंट ही डिलीट करना होगा डेफिनेशन अगर डिफाइन करें तो टाई इज अ हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोट विद पॉइंटर्स टू दैट चिल्ड्रन अलॉन्ग विद एसोसिएटेड कैरेक्टर ईच नोट रिप्रेजेंट अमन प्रिफिक्स बाय सम की एंड ईच पार्ट डाउन दी रिप्रेजेंट द की अगेन जो सबसे लास्ट में वहां तक पहुंचते पहुंचते जो भी एग्जैक्ट आपका की है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो बाकी प्रॉपर्टीज एजेस रूट नोट नोट पार्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ एम जहां तक आपको जाना है वहीं तक यानी कि एन स्क्वायर या मल्टीपल टाइम ऑब्वियसली आपको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा है ना पे इस्तेमाल किया जाता है ऑटो कम्पलीट आप लिखते हैं दो तीन शब्द और आगे का प्रिडिक करने लगता है ये ये करता है है कि अच्छा इसके आगे पॉसिबिलिटी तो ऑटो कम्प्लीट है स्पेल चेक आई पी राउटिंग बहुत सारे एड्रेसेस का मैच होता है तो नेटवर्क आईडी मिल जाती है वहां यूज कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए डी एन ए है पैटर्न मैचिंग हो रहा है स्टार्टिंग का टेक्स गेम तो इस तरह के एरियाज में हम इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं गया इम्प्लीमेंटेशन में नहीं गया तो अगर तो यूनिवर्सिटी सा टॉपिक और है स्किप लिस्ट की कहानी ये समझिए इट इज लाइक दिस कि जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे है ना देर आर दिल्ली से मान लीजिए कानपुर जाना है तो हो सकता है बीच में मे बी हंड्रेड स्टेशन हो गाँव भी तो होंगे बड़े स्टेशन होंगे छोटे छोटे होंगे लाइक दिस हंड्रेड नहीं होंगे फिफ्टी होंगे थर्टी होंगे इस तरह से मान लीजिए अब कुछ ट्रेन होंगी लाइक तो, वो कहीं स्टॉप ही नहीं करती तो दिल्ली टू कानपुर समथिंग लाइक दिस यानी राजधानी बहुत लिमिटेड स्टॉप्स होते हैं कुछ होंगे सुपर फास्ट होंगी कुछ एक्सप्रेस होंगी कुछ पैसेंजर होंगी जो तो पैसेंजर में भी कुछ होते हैं फास्ट पैसेंजर स्लो पैसेंजर एक तो ट्रेन होगी जो हर जगह ही रुकते चलेगी कुछ इसी तरह का आइडिया है स्किप लिस्ट क्या कहता है लिस्ट माने लिंक लिस्ट क्या लिंक लिस्ट को थोड़ा एफिशिएंट थोड़ा फास्ट बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है इस मैकेनिज्म से लॉजिक समझिए तो मान लीजिए ये हमारा की है सिक्स नाइन सेवनटीन ट्वेंटी हमने स्टोर किया हुआ है एडवांटेज तभी जब सॉर्टेड हो बिकॉज अगर लिखा हो तो फिर स्किप करके क्या फायदा तो अगर मैं ये वाले पॉइंटर यूज करूं द मल्टीपल लेवल ऑफ पॉइंटर तो यू सी मैं हर स्टेशन पे रुकते रुकते रुकते, रुकते आगे जाऊंगा अब इसके ऊपर एक और पॉइंटर हमने मैनेज किया जो देखिए क्या कर रहा है एक छोड़ रहा है एक जम्प कर रहा है तो दे सी एक छोड़ रहा तो ये पैसेंजर है कि फास्ट पैसेंजर दिस इज फास्ट पैसेंजर सेम लिंक आप डबल स्पीड से ट्रेवल्स कर सकते हो यस yes, इसके ऊपर आप देखोगे तो उसका भी स्पीड लगभग लगभग उसके ऊपर आप देखोगे तो दे सी ये तो सुपर फास्ट है सीधे ट्वेंटी टू पे लेके जा रहा है तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है अगर मल्टीपल डेटा सेट सेम है बट अगर मल्टीपल लेवल्स बनाए जाए और उसके थ्रू डिफरेंट स्पीड एक्सेस किया जाए

अगर ऑर्डर्ड है मल्टीपल लेवल है रेंडमाइजेशन है तो उसको हाई लेवल पे आप सर्च कर पाएंगे आई थिंक ऑलरेडी वी नो दैट प्रॉपर्टीज क्या होंगी ऑब्वियसली सर्च करेंगे प्रॉब्लिस्टिक बैलेंसिंग अनलाइक ट्रीज के प्लेस डू नॉट रिक्वायर रीबैलेंसिंग ये बात तो ठीक है बार बार रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी

इन जनरल ओके नाउ वी आर रेडी फॉर द लास्ट चैप्टर जो कुछ बच्चे हुए सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं अब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो चलिए अभी बात करते हैं फास्ट फॉर यर ट्रांसफॉर्मेशन की तो यहाँ पर डोंट वरी ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत है वो तो यू नो मैथ्स का काम है मैं मेरा अप्रोच ये है कि एक बार टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग आपको दूँ क्या इसका इस्तेमाल है सबसे साधारण भाषा में और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं इसका यूज करने से क्या क्या एडवांटेज हमें मिलेंगे सैल गो वन बाय वन सबसे पहले व्हाट इज इट सो फास्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्म इज अ लुक इज अ क्विक वे फॉर अ कंप्यूटर टू चेंज हाउ दे लुक वाला है कि कैसे उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करें फास्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है वो गैदरिंग हमारे लिए आसान बनाता है लुक एट दिस इंस्टेड ऑफ सीम जस्ट एज एक्वेंस ओवर टाइम

वो बहुत यू नो टाइम टेकिंग हुआ करते थे ये टूल बॉक्स दैट कैन बी यूज फॉर मेनी थिंग्स लाइक मेकिंग म्यूजिक साउंड बेटर गेटिंग क्लियर पिक्चर फॉर द डॉक्टर टू सी इन साइड अ बॉडी और इवन फॉर फोन टू सेंड मैसेज विदाउट वायर द पॉइंट इज जैसे जहां भी प्रोसेसिंग है ना हमारी वीडियो एडिटिंग होती है यू नो वो बहुत सारे तरह के कलर करेक्शन है साउंड करेक्शन है तो एक एक नंबर कौन सा ऊपर कैसा जा रहा है कहाँ फिल्टर लगाने उस तरह के चेंजेस में कंप्यूटर को बड़ा मदद करता है अब इमेजिंग है ह्यूमन बॉडी के अंदर की कौन से ऑर्गन में क्या है है ना कोई फॉर एग्जांपल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू करना वो सारे जो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है वो फास्ट वेड ट्रांसफॉर्म से अच्छे से किया जा सकता है अब इसके कुछ टाइप्स है दे आर common kind of fast fourier transformation that works best uh, when the list of number has a total and that's the power of two, two key power of our so 2 raised to power 4 8 16 32 and so on ये वाली पावर में बेस्ट काम करता है करता क्या है तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन है, है, करना और चीजों को प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है so ask, ये पूछा जाएगा, एक डायग्राम कुछ इस तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप लिख के आ सके मैथमेटिकल आस्पेक्ट ऑफ इट येस नाउ नेक्स्ट आइडिया एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ से सीरियसली ये टॉपिक स्टार्ट हुआ ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तीनों एलगोरदेम जो हमारा नेव है उसके बाद एलगो वन बाय वन अभी सबकी बात नहीं करता है क्योंकि हर एक का अपना पैटर्न है तो स्ट्रिंग मैचिंग इज इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड यहाँ से आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम तो ऐसा नहीं कि लास्ट तक आगे तो बस हो गया पूरा कंप्लीट करके जाइएगा ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सके ना एलगो वन बाय वन स्ट्रिंग मैचिंग

चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग है इमेज प्रोसेसिंग है कहीं पर भी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ऑब्बियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है यस yes, अब जो स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम है वो टेक्स्ट के ऊपर हम लगाते हैं और बहुत सारे सारी तरह की एप्लीकेशन है जैसे डी एन ए है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है और बहुत सारे तरह के टास्क है जहाँ पे हमें स्ट्रिंग इवन टेक्स्ट एडिटर में भी कोई स्ट्रिंग आप फाइंड कर रहे हैं प्रिफिक्स लगाना है सफिक्स लगाना है अ नंबर ऑफ थिंग्स एक एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग हमारे पास है एंड देर में सबस्ट्रिंग ए बी आर ए फॉर एग्जाम्पल अब आपको बताना है कि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है तो कहाँ पे आ रही है तो देन यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल ए बी आर ए लुक एट दिस एंड और भी कहीं पे आ रही इन द लास्ट आल्सो इट इज देयर ए ए बी आर सो इट्स लाइक ऑल्सोर नंबर एंड एंड देन देन नंबर एट तो दो जगह ये पैटर्न हमारा आ रहा है समथिंग लाइक दिस तो ये तो खैर बेसिक बेसिक बात हो गई बाकी टीओ सी में हम डिटेल में इस चीज को समझते हैं स्टिल स्ट्रिंग क्या है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है ज अब स्ट्रिंग इसका कोई भी कंजीक्यूटिव पैटर्न जैसे एच ई को मैं सबस्ट्रिंग मान सकता ई एल एल को सबस्ट्रिंग मान सकता स्ट्रिंग एल एल ओ को सबस्ट्रिंग मान सकता हूँ लाइक दिस एक हो सकता है प्रॉपर सबस्ट्रिंग ये जो पूरी की मतलब एक ही बात है पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है जैसा होता है ना सेट इज अबसेट ऑफ इट बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट तो एच ई एल एल ओ इस पूरे को आप सबस्ट्रिंग भी कंसिडर कर सकते हो बट इफ यूर प्रॉपर सबस्ट्रिंग तब ये proper नहीं होगी जब की बात कर रहे हैं तो वीफिक्स एच कैन बीफिक्स एच ई कैन बीफिक्स एच ई एल एच ई एल एल ई एल ओ प्रिफिक्स हो गए जो एंडिंग में होगा तो यू कैन इमेजिन जीरो हो सकता है एल जीरो हो, हो सकता है तो दीज आर दीक्वेंस ऑफ एंड दीज आर प्रिफेक्स ऑफ सफेक्स है ना ये बात समझ आती है अब कौन कौन से एलगोरिदम यहाँ पर है आ, तीन एलगोरिदम है फर्स्ट वन इज द नेम एक बार बेसिक बात समझाता हूँ सेकेंड वन इज द रॉबिन काल्गोरिदम एंड द थर्ड वन इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं के और तो कैसे काम करता हो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बहुत मजेदार है तो एलगो वन बाय वन पहलेम पहले मैं एलगो के ऊपर ही चलता हूँ सिंपल है, the तो है यहाँ पर अगेन फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रिंग हमारे पास है और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि ये एक सब स्ट्रिंग है जो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है एंड वट वी हैन बाय वन वन बाय वन आपको सारा पैटर्न मैच करना होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर मैं दो वेरिएबल लू दिस इज आई एन दिस इज जे तो दे यू सी ए को डी से मैच करूंगा नहीं होगा जब भी मैच नहीं होगा आई हमेशा आगे बढ़ेगा नो मैच देन नो मैच देन नो मैच यस देर इज अ मैच सो आई जे देन दोनों आगे बढ़ेंगे डी एफ एंड देन ई ई एम सॉरी एंड देन एफ एफ यस देर इज अ मैच और ये डी ई एफ जो हमारा पैटर्न है ये पैटर्न हमारा रिटर्न हो जाएगा अब ऐसा देखने में आपको लगा कि ये तो बहुत सिंपल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कभी कभी एक्सट्रीम पोजिशन में फेल होता है कैसे मैं आपको समझाता हूँ लुक एट दिस अब जैसे यहां पे देखिए एंड मैच हुआ देन बी पर मैच हुआ सी पर मैच हुआ डी पे मैच हुआ एंड देन आगे मैच नहीं हुआ अब क्योंकि आगे मैच हुआ तो क्या होगा सोचिए जे भी आगे बढ़ चुका था बट जे तो ऑब्वियसली जे विल कम बैक टू ए क्योंकि अब उसको दोबारा स्टार्टिंग से मैच करना है बट आई जो बेचारा डी तक जा चुका था उसको वापस आना पड़ेगा फिर से बी से दोबारा चेकिंग करेंगे अब ऑब्वियसली आई एंड जे देन बी एंड बी यहाँ पर मैच नहीं होगा तो लुक एट दिस जे ऑलरेडी इधर आ चुका था आई ऑलरेडी इधर आ चुका था बट अब क्योंकि मैच नहीं हुआ देन यू हैव टू गो ऑल बैक तो अब आई को दोबारा ए पे आना पड़ेगा है ना जे दोबारा इधर आएगा यहां से हमने शुरू किया था देन अगेन जे यहाँ पहुंचेगा कहने का मतलब कि मैं इंडेक्स बाय इंडेक्स आगे बढ़ूंगा सर और अगर मैच नहीं हुआ तो आई कम बैक तो यहाँ से मैच नहीं हुआ तो फिर वापस वहां से मैच नहीं हुआ फिर वापस तो होगा ये कि भले ही आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बट यू हैव टू चेक ईच एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम मल्टीपल टाइम्स जिसकी वजह से जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है Goes so for a case, you can कि अगर यहाँ पर हमारी कॉस्टिंग ऑर्डर ऑफ एम और इसका अगर हमारा जो सॉरी एन तो जो टोटल कॉस्टिंग है कार्टिशियन प्रोडक्ट like हर बार इस पहले नंबर को हर किसी के पहले नंबर से मैच करना पड़ेगा फेल होता है तो फिर से आना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड यस yes, तो जो नेव या जो बेसिक एल्गोरिदम है दिस इज द एल्गोरिदम पार्ट ऑफ इट इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली मैं एल्गोरिदम में जाके स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा बट आई थिंक आईडिया आपको समझ आ गया सो नाउ द सिंपलेस्ट मेथड वे यू स्लाइड द पैटर्न ओवर द टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम एंड चेक फॉर अ जो सबसे कॉमन सेंस बात हो सकती है यस yes, uh, एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है बहुत सिंपल है समझना समझाना दोनों आसान है uh, कोई भी पैटर्न हो बड़ा छोटा किसी भी तरह का हर तरह से काम करेगा बट फैक्ट इज इट इज वेरी स्लो स्पेशली अगर हाफ पैटर्न मैच होंगे तो इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज मैच होने के बाद फिर से इसको वापस आना पड़ता है यस yes. तो क्या इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है जी हाँ हो सकता है एंड एल्गोरिथम कॉल्ड रेबेन कार्प एल्गोरिथम एंड यू आल्सो सी द टाइमलाइन सो दिस इज क्या इसका मैके आपको समझाता हूँ एंड इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो लेते हैं देखिए बजाय इसके की नंबर को बिट बाई बिट मैच करे ना और उसमें जब मिसमैच हो रहा है तो फिर से वापस आना पड़ रहा है तो ये क्या करता है ये एक मैकेनिज्म डेवलप करता है इसको बोलते हैं हैश कोड या हैशिंग हैशिंग वाला आइडिया हमने पहले भी समझा है तो किस तरह के नंबर यूज करें? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करें ए जी e, जितने भी अल्फाबेट्स है स्काई कोड्स है ना तो हम चाहे ये भी समझ सकते हैं ए इज आई थिंक लाइक स्मॉल इज लाइक सेन बीज नाइन या फॉर सेक ऑफ ऐसे फिलहाल मान लो मैं वन से भी मान सकता हूँ जस्ट टू टेल यू द अंडरस्टैंडिंग कैसे काम करता है तो सपोज ए के लिए एक नंबर है वन बी के लिए है टू सी के लिए है थ्री डी के लिए है फोर लाइक दिस विल डू एंड ना इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन बाय वन इस पैटर्न के हर कैरेक्टर से मैच करने के बजाय मैं क्या करूंगा मैं इसका कोड वैल्यू निकालूंगा तो ए क्या है ए वन है नोटिस करिए सर ए ए इज 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 एंड एंड बी आफ्टर दिस हैश मैप व्हाट आई गेट इज फोर तब मेरे को पता है कि मेरा जो पैटर्न है ना उसका कोड फोर है अब मैं इधर जाऊंगा और पूछूंगा पहला तीन है ना तो सपोज अगेन दिस इज एम दिस इज एन एन दिस इज एम मेरा लेंथ थ्री है मैं थ्री पे चेक करूंगा वन प्लस वन प्लस वन ये वैल्यू आ रहा है थ्री और मेरा आ रहा है फोर बताओ मैच है कि नहीं मैच नहीं है तो क्या मुझे इंटरनल पैटर्न जाके चेक करना पड़ रहा है नहीं मैं पहले हैश कोर्ट से काम कर रहा हूँ और अगर नहीं हो रहा तो मेरे लिए आसान है अगेन अगला थ्री करूंगा तो बेसिकली आपको क्या करना है एक एक नंबर इधर से कम करते जाओ इधर एक बढ़ाते जाओ ना अगेन दिस इज थ्री क्या थ्री से फोर मैच हो रहा है जी नहीं अगेन चेक करो वन प्लस वन प्लस वन इज इट अ मैच नो इट इज नॉट अ मैच सर देन फर्दर आगे बढ़ो और यहाँ पे आ गया नाउ इज इज इट अ अ मैच मैच टू यस दिस अब जब कोड मैच होगा तो ऐसा नहीं कि रुक जाना है मैच हो गया बिकॉज कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ए बी ए होता वन प्लस टू प्लस वन होता तब भी मैच हो जाता कोड ही तो है ना तो अब जाके आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो हाँ ए एंड बी बी मैच हो रहा है यस वी गेट द पैटर्न सो so, उस प्रोसेस को एफिशिएंट बना दिया जिसको नेव नहीं समझ पा रहा था पहले आप कोड को आइडेंटिफाई बिकॉज़ आप यही सोचिएगा अगर यहीं पे हम नेव करते तो क्या होता लुक एट दिस आई जे आई जे मिसमैच नाउ जे विल कम बैक आई विल कम बैक आई जे आई जे मिसमैच नाउ जे विल कम बैक आई विल कम बैक आई जे आई जे मिसमैच नाउ जे विल कम बैक आई विल कम बैक आई जे I जे I जे कितनी बार कम बैक करना पड़ता अगर ये काम हम नहीं से करते बट यहाँ पर ये हैश कोड की मदद से वो काम एफिशिएंट हो गया आसान हो गया बट क्या रॉबिन का पैलगोरदम हमेशा परफेक्ट काम करता है ऐसा नहीं है देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है पहले एक एग्जांपल और देखते हैं तो यहाँ देखिए इस बार पैटर्न लिया है बी सी एंड ई सो वट इज बी सर बी इज टू

थ्री प्लस फोर प्लस वन अगेन सो दिस इज अच अगेन आगे बढ़िएगा प्लस टू प्लस थ्री सिक्स एंड सिक्स अगेन दिस मैच एंड लास्ट वन इज लाइक ई बी सी बी सी दैच और मैच है तो अब पैटर्न चेक करेंगे हाँ अब यहाँ तक आते है, आते है, हमें लगने लगता है कि वाह रॉबिन का आप तो परफेक्ट काम कर रहा है और मान लो इसने तो पूरी पूरी प्रोसेस रिजोल्व कर ली और क्योंकि मुझे पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा तो लॉन्ग रन में देखते हैं इफ इट इज ऑफ लेंथ एम एंड इट इज ऑफ लेंथ एन तो इन द इवन इन इन जनरल वट कॉम्प्लेक्सिटी डू वी एक्सपेक्ट दिस इज एम प्लस एन माइनस वन और यू कैन से ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन इन जनरल बट देर कुड बी सम स्पेशल केसेस जहां पे ये प्रोसेस आपको धोखा दे सकती है कैसे एक ट्राई करते हैं Now look at the pattern. Pattern is D B A, and again D is 4, B is 2, and A is 1. And what is this hash code sir? 7. चलिए try करते हैं. So now you look at this. What is C? C is 3 na? So 3 plus 3 plus 1, 7. There is a match. But when you go inside और तो जब आप check करते हैं तो आपको समझेगा, no the pattern is not match. तो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई. आगे बढ़ते हैं. Let's take the next value. थ्री प्लस वन प्लस थ्री सी प्लस ए प्लस सी अगेन सेवन सेवन दैच बट अगेन आप अंदर जाओगे आइडेंटिफाई दो मैच कोई बात नहीं फिर धोखा हुआ फिर आगे बढ़िए लुक एट दिस ए सी सी अगेन सो सी वन थ्री थ्री सेवन सेवन अगेन दैच इन देश कोड अंदर जाएंगे फिर से धोखा होगा

फिर आगे बढ़िए इज टू ये मैच नहीं है फाइनली यहाँ पर जाके मैच होगा और पैटर्न भी मैच करेगा बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट रॉबिन काइंड ऑफ केसेस आपको इसका डिसएडवांटेज समझ आ रहा होगा कि यार ऑन द वर्स केस ना जिनको बोल स्पूरियस हिट्स होना कहने का मतलब कोड तो मैच कर रहा है बट अब अंदर जाके जब पैटर्न देखता हूँ तो सर पैटर्न मैच नहीं कर रहा एंड दैट इज अ प्रॉब्लम

मैच नहीं होगा अगर अच्छे से हैश फंशन चुना जाए तो इन जनरल है बट वहां पर गलत मैच हो जाए स्पोरियस हिट हो जाए इस बात के चांसेस ज्यादा है तो दैट प्रोसेस कैन बी अ लिटल बट मॉडिफाइड टू है कॉम्प्लेक्स है इस प्रॉब्लम से भी हम बच जाते हैं यस yes, ये कहानी कंप्लीट हो गई अब जो अगला एल्गोरिदम है एंड अगेन टाइमलाइन हालांकि थोड़ा सा पुराना है तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन की कौन सा बेटर है you know, यू इस्तेमाल करे बट ये थोड़ा सा पुराना है अगर लॉजिकली uh, देखें तो दीज आर द्री पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर इट और कैसे काम करता है इसके सोचने का तरीका क्या है एक एक करके समझाता हूँ बट बिफोर वी गेट एन टू इट यहाँ पर एक आइडिया है पाई टेबल का तो पाई टेबल हमें समझना पड़ेगा देन ओनली विल गेट एन टू द आइडिया और अगेन मैं स्टेप बाय स्टेप एलगोर नहीं रन कर रहा हूँ इफ यू वॉन्ट यू कैन मैंने शायद लिखा भी नहीं ना पैटर्न बाय पैटर्न यस तो आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग द एल्गोरिथम बिकॉज दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट आप उसे रेफर कर सकते हो बट न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ तो so सीधे कैंपी का पैटर्न समझाता हूँ लुक एट दिस ए बी ए बी पैटर्न है अभी स्ट्रिंग मैचिंग से कोई लेना देना नहीं अभी तो हम सिर्फ एक छोटा सा काम करना सीख रहे हैं कि, कि किसी भी स्ट्रिंग के लिए पाई टेबल कैसे बनाते हैं ये जो पूरा का पूरा है ये पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं पाई टेबल यस तो लुक एट दिस कैसे बनाते हैं सर सबसे पहले इनका इंडेक्स लिख लीजिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री लाइक दिस ए इज जीरो बी इज जीरो अभी जीरो क्यों लिख रहा आप समझोगे एंड नाउ दिस इज ए आपको क्या देखना है जब भी कोई नई चीज आती है वो पहले रिपीट हुआ है क्या क्या बी पहले रिपीट हुआ था नहीं ए पहले रिपीट हुआ नहीं तो पहली बार ही है तो राइट ए पहले रिपीट हुआ है हुआ है पे पे वन पे. ये ए के बाद बी भी, भी मैच कर रहा है पहले रिपीट हुआ है हां हुआ है टू पे नाउ दिस इज द पाई टेबल और दिस इज दाई लाइन ये बाद में हमें हेल्प करती है यहां ट्राई करें जीरो 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 एंड जीरो चारों ही नए हैं बट दे यू सी वन एंड देन इज अ मैच

ए बी ए बी डी ये है मैच करना है अब मैच कैसे करते हैं नोटिस करिएगा और क्यों करते हैं आपको समझ आ जाएगा मैं जरा पैटर्न लिख लू सेम पाई वाला सो दिस इज जीरो जीरो आई थिंक वन टू जीरो अब करना क्या है यहां पे मैंने एक वैल्यूज एक्स्ट्रा लगाया जीरो क्यों भी आपको समझ आएगा तो यहां मैं जे की वैल्यू मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल जीरो है और आई कहाँ से चालू होता है one. So, basically, मैच कैसे करते हैं हम जे पे नहीं मैच करते हम जे प्लस वन पे मैच करते हैं क्यों करते हैं भी समझेंगे जे को पीछे रख के चलते हैं सो so, मैं मैच कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा जे प्लस वन आई दे इज अ मैच जे भी आगे बढ़ा तो जे आ गया वन पे आई आ गया टू पे जे प्लस वन दे इज अ मैच जे प्लस वन विद आई दे इज अ मैच तो फिर आई भी आगे बढ़ा एंड लुक एट दिस जे भी आगे बढ़ा अगेन जे प्लस वन दे इज अ मैच सो फिर जे आगे बढ़ा एंड आई भी आगे बढ़ा अगेन यू सी आई विद जे प्लस वन येस अ मैच लग रहा है जैकपॉट हाथ लग गया यस yes, तो अगेन यू सी आई भी आगे बढ़ा एंड जे भी आगे बढ़ा एंड अगेन सी विद जे प्लस वन एंड दे यू सी इज नो मैच तो सी का डी से कोई मैच हो रहा है क्या सर मैच नहीं हो रहा अब यहाँ पे क्या करेंगे अगर नेम होता तो इससे कहता बेटा बी पे आ जाओ फिर से चालू करो जैसे बोलता जीरो पे फिर से आगे चलो बट यहां ऐसा नहीं करते आई विल होल्ड इट्स ग्राउंड आई यहीं पे रहेगा और जे क्या बोलेगा जे अब इस वैल्यू को देखेगा और जे को कहाँ पे जाना है टू पे जाना है क्योंकि यहाँ तक पहुंच चुके तो ए वाला पैटर्न तो रिपीटिंग है तो दे यू सी मैं कहाँ तक बैक ट्रैक करूंगा मैं बस टू तक जाऊंगा तो मजे की बात है आई नहीं जे बैक ट्रैक कर रहा और जे देखिए कहाँ तक गया जे गया टू तक और फिर से मैच करते हैं आई विद जे प्लस क्या ए सी मैच हो रहा है? नहीं सर इस बार भी मैच नहीं हो रहा कोई बात नहीं देन जे फिर देखेगा वैल्यू ओके दिस इज जीरो तो लगता है मेरे को स्टार्टिंग में ही जाना पड़ेगा सो जे नाउ विल गो ऑल द वे टू बैक दिस इज द आइडिया यस आई होप पूरा पैटर्न आप समझियो बिकॉज अब इसी तरह से आगे लेके चलना है चले आगे प्रॉब्लम है लास्ट का दो तीन मिनट फिर से रिवाइंड करिएगा आगे चलेगा बट सी आई विल होल्ड इट्स ग्राउंड फिर से देखिए नाउ

एंड अगेन यहाँ से देखिए मैचिंग शुरू हो रही है तो मैं फिर इधर आ जाता हूँ आई इधर है और जे इधर है ए एंड बी मैच बी पर भी मैच है ए पर भी मैच है बी पर भी मैच है तो नोटिस करिए आई इधर तक पहुंच जाएगा और जे इधर बैठा होगा और फिर आप चेक करेंगे जे प्लस वन पे इधर डी है और इधर ए है तो मैच नहीं है मैच नहीं है तो अगेन आई रेफर माई पाई टेबल तो मैं टू पे वापस जाऊंगा जे पे है ना और आई वहीं रहेगा

एंड ऑब्वियसली इन जनरल इट इज़ वन ऑफ द एफिशियंट एलगोग्राम यू कैन चेकआउट द सूडो कोड है ना हाउ द मैचर वर्क्स एंड हाउ द प्रिफिक्स वी कैल्कुलेट तो प्रिफिक्स कैलकुलेट का करने का फंक्शन यहाँ पर लिखा है यू कैन पॉज द वीडियो इन चेक एंड दैट इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट द मैचर जब आप एक बार पाई टेबल अपना कैलकुलेट कर लें सो दैट विल बी ऑल इन दिस मैचिंग वाला आइडिया एंड नाउ वी आर रेडी फॉर क्सिटी थ्योरी सो पी एन पी कम्प्लीटनेस एन पी सी एन पी हार्ड एलगो जगह जगह हम डिस्कस करते हैं बट इसका रियलिस्टिकली मतलब क्या है इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है तो वैसे इन डिटेल बट अब यहाँ पर बीच में आ रहा है तो एक छोटा सा बेसिक डिस्कशन इस पे भी करते चलते हैं तो चलिए अभी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेता है कॉम्पलेक्सिटी थ्योरी पे सो तो एल्गो वन बाय वन <laughs> कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इन जनरल वट आई आस्क इन दिस टॉपिक इज लाइक वॉट कंप्यूटर साइंस डील्स विध सो वी डू नॉट स्टडी हाउ टू डिजाइन अ कंप्यूटर एंड इन जनरल वी डू नॉट स्टडी हाउ टू रन अ कंप्यूटर सी बाई डिजाइनिंग लाइक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें खोल के उसको देखने की बात करें हमें कुछ समझ नहीं आना भाई बींगूटर इंजीनियर लोग सोचते हैं कंप्यूटर इंजीनियर लैपटॉप खराब हो गया देख ले भाई हमको भी कुछ नहीं पता हम तो कॉपी पेन पर डायग्राम बना रहे हैं हमें नहीं पता एंड के टारगेट इंप्लीमेंट कैसे होता है एज फार एज हार्डवेयर इज कंसर्न बेसिकली वी आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमें हार्डवेयर का कुछ भी नॉलेज नहीं है एंड एज फार एज यू नो एग्जीक्यूशन इज कंसर्न मेंटेनेंस इज कंसर्न ये तो पर्सनल इंटरेस्ट की बात है कभी कभी साइबर कैफे पे या जो यू नो कंप्यूटर शॉप पे भैया होते हैं वो उनसे बेटर चला रहे होते हैं इसको ऐसे करो ये ऐसे कर सकते यू नो लाइक दिस तो फिर पूरे बीटेक में हम सीखते हैं क्या सीखते हैं हाउ टू डील विद प्रॉब्लम सॉल्विंग तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एलगोरिदम जो पढ़ रहे थे वो क्या होता है ये सारी चीजें कैसे काम करती है ऑर्डर टू सॉल्व ए कंप्यूटर वो भी जो कंप्यूटर सॉल्व करे कंप्यूटर की मदद से किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है सी किसी इंसान को कोई बात सिखाना मुश्किल काम है और इंसान के पास तो बुद्धि है विजडम है विवेक है अगर कुछ उसे एकदम समझ भी नहीं आया तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है हर चीज एग्जैक्टली exactly समझानी है अनएम्बिगियस तरह से अगर एक बार भी थोड़ी सी बात इधर उधर तो मशीन विल गो हॉल्ट

जो मैं समझ नहीं आ रहा फ्यूचर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई से कि यार मैं क्लैप ताली बजाऊंगा गायब हो जाऊंगा जाऊंगा क्लैप ताली बजाऊंगा फिर से वापस आ बताओ सोलह है कि है तो प्रॉब्लम क्या है ना तो आप ऐसा कर सकते कि अभी ताली बजाओ और गायब हो जाओ बट क्या आप कॉपी पेन पे मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो कि ऐसा किया नहीं जा सकता आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाओगे आप फर्स्ट जाओगे बीच में तो मैं दरअसल एक दूसरा एग्जाम्पल पहले कोट करता हूँ सॉल्वेबिलिटी को समझाने का देन अनसॉल्वेबिलिटी अच्छे से समझ आएगी दैट इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम कॉल्ड कॉनेक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम जिसको मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। तो दीज आर फोर लैंड पार्ट्स बी इज अ लैंड पार्ट ये भी लैंड है ये भी लैंड है ये भी लैंड है एंड दिस इज अ रिवर है ना ये और इफ अ रिवर आई शुड यूज ब्लू कलर इंसटेड सो दिस इज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू आउट थ्रू द सिटी

एंड यू मस्ट एंड अपन द सेम सेम लैंड पार्ट फ्रॉम विच यू है चालू किया वहीं पहुंचना है तो बेसिकली अगर आप इसको देखें एंड कैन वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम ए एंडी एंड लेट मी रिप्रेजेंट ईच ब्रिज बाय एज तो दिटवीन ए डी एंड आई थिंक देर आर टू ब्रिजेस बिटवीन ए एंड बी एंड देर आर

किसी भी एक वर्टेक्स से चालू करना है और सारे exactly सॉल्व तो, किया मैं एक दो मिनट का डिस्कशन करता हूं आपसे यूलर कहता है सपोज इंटरनल नोड मतलब वो जिससे हमने शुरू या एंड नहीं किया अब अगर कोई इंटरनल है तो ऑब्वियसली आप वहां से शुरू तो कर नहीं रहे आप कहीं और से वहां पर आए होंगे और क्योंकि वो इंटरमीडिएट है I think intermediate is a better word, ना तो आप वहां एंड भी नहीं करोगे आप वहां से आगे जाओगे बट अगेन यहाँ क्योंकि एंडिंग ने वापस जाओगे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल नोड है उसका डिग्री हमेशा इवन होगा ऐसा हो ही नहीं सकता उसका डिग्री हो बिकॉज कहीं से आना लेकिन वापस जाना है फिर बोला एक काम करो स्टार्टिंग या एंडिंग वर्टेक्स सोच लेते हैं

Odd, odd, odd. सबका डिग्री ऑड है तो इसका मतलब इस कंडीशन के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती नहीं हो सकती बट अगेन दैट इज हाउ अर्नाल्ड यूलर हैव एक्सप्लेन द आइडिया उसने क्या बोला आई हैव मैथमेटिकली प्रूव्ड that with these condition the problem cannot be solved hence i solved the problem please understand this दिस मैंने साबित कर दिया मैथमेटिकली कि यह प्रॉब्लम इस कंडीशन से आंसर पर नहीं पहुंचा जा सकता इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया एंड लुक एट दिस आइडिया इसका मतलब अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्वेबल कहते हैं तो क्या इसका ये मतलब कि आंसर निकाल के ही आना है अब मैं आपसे बोल दूं कि एक काम करो टू और थ्री के बीच में इंटीजर ढूंढ के बताओ अभी टू और थ्री के बीच में इंटीजर है ही नहीं मैं कहता हूँ होगी बेच देती आ गया मजा ये क्या बात हुई

ना तो आप ये भी प्रूफ कर पा रहे कि सॉल्व नहीं हो सकता गायब होके वापस आना चलो सूरज के ऊपर जाकर क्रिकेट खेलते हैं आज खेल सकते हैं नहीं कल सौ करोड़ साल बाद मे बी यस वी डोंट नो पहले तो ये भी लगता था ना चांद पे क्रिकेट नहीं खेल सकते अब तो हम जा चुके हैं चांद पे आर यू गेटिंग इट तो फिलहाल जो अनसॉल्वेबल लग रहा है जरूरी नहीं फ्यूचर में अनसॉल्वेबल हो हाँ एक ना एक दिन हमें पता लगेगा आइदर वी कैन और वी कैन नॉट बट राइट नाउ अ कंफ्यूजन तो फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेशन कहा रखेंगे सॉल्वेबल के ये कौन सी प्रॉब्लम हुई ये वो प्रॉब्लम है जो या तो सॉल्व हो गई है या मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब भी सॉल्व हो गई है अब इनको दो पार्ट में फर्दर ब्रेक किया जाता है नोन एज डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स ये क्या कहानी है सी सी ये मैं वही लिख रहा हूं सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल की डेफिनेशन यू कैन नोट इट डाउन

आप ये तो बता रहे हो सॉल्व हो सकता है आप मुझे मोटा मोटा अंदाजा भी बता रहे हो कितने टाइम में सॉल्व हो सकता है बेसिकली है आपके पास सब्जेक्ट का नाम ही है ना डिजाइन एंड एनालिसिस एनालिसिस ऑफ तो किसका कर कर रहे रहे हो हो टाइम का यस प्रोसीजर का मतलब क्या है चाय बनाने का एल्गोरिदम नहीं होता प्रोसीजर होता है मैं आपसे बोलता हूँ हाउ टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताओ अब इसके लिए एल्गोरिदम लिख सकते हैं और बता सकते हैं कितने टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व होगी भाई आप इलेक्शन लड़े कैंपेनिंग करें पहले एमपी बने फिर बाकी एम को उसको पटाएं कि तुम मेरे को लीडर बना लो दल बिकम ए प्राइम मिनिस्टर अप्रोच बताई जा सकती है लेकिन आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली exactly कितने टाइम में सॉल्व होगा तो इसको यानी कि प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट है इतने सारे फैक्टर्स हैं यू क्वांट गारंटी टाइम उसको बोलते हैं प्रोसीजर और उस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल तो अनडिसाइडेबल क्या है प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा नहीं प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा कितने टाइम में सॉल्व होगा ये नहीं समझ आ रहा द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट तो प्रॉब्लम अगर उतना डिफिकल्ट हो जिसका टाइम एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम जिसका टाइम एस्टिमेशन किया जा सकता उसको बोलते हैं डिसाइडेबल उसको बोलते हैं एलगोरिदम जिसका टाइम नहीं प्रिडिक किया जा सकता उसको बोलते हैं प्रोसीजर आर यू गेटिंग इट अब अगेन हम किस पे काम करेंगे सर हम तो डिसाइडेबल पे काम करेंगे तो हम कहां तक आ गए मुझे बताइए हम उन प्रॉब्लम्स तक आ गए हैं जो कि सोल्वेबल है जो कि डिसाइडेबल है, है. Algorithm. अब हैल्गोरिदम की दो क्लास है एक बोलते हैं पॉलिनोमियल एक बोलते हैं नॉन पॉलिनोमियल व्हाट इज थ्योरेटिकली स्पीकिंग एन टू का पावर है एन क्यूब एन स्क्वायर एन का पावर फोर दिस पॉलिनोम ग्रोथ व्हाट इज नॉन पॉलिनोम कॉन्स्टेंट का पावर एन टू का पावर एन थ्री का पावर एन एन फैक्टोरियल एन का पावर भाषा में बोलू तो पी माने आसान, -P माने रिलेटिवली रिलेटिवली आसान एन पी मुश्किल है ना इतनी क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया आगे बढ़ता हूँ ना लुक एट दिस ग्राफ बल्कि इस ग्राफ को पहले मैं खुद से बना लेता हूँ इधर बताता हूँ लुक एट दिस अगर मैं आपसे ऐसे पूछू आसान भाषा में एक तुलना करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम पी है

जो प्रॉब्लम पी है वो एनपी के टाइम में सॉल्व हो सकता है हाँ हो सकता है तो कैन आई से पी इज सबसेट ऑफ एनपी पी पी इज अबसेट ऑफ एन पी बट जो प्रॉब्लम नॉन पॉलिनोमियल है क्या वो पॉलिनोम टाइम में सॉल्व हो सकती है आज नहीं पता फ्यूचर में मे बी हो जाए तो what वी डोंट नो वेदर NP is a subset ऑफ पी और वेदर एनपी इज नॉट अ सबसेट ऑफ पी If NP is a of P बिलियन डॉलर क्वेश्चन साइंस वेदर पी एंड पी के इक्वल है कि नहीं है किसने पता लगाने की कोशिश की इसको लुक एट दिसक है ना उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में जाने कैसे क्या होगा? गया लुक एट द सेम मैन इन 1968 एंड द सेम पर्सन इन 2008 और सब कुछ एनालिसिस करने के बाद कुक बोलते हैं कि मेरे को समझ आया कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया है ना तो अब इसमें काम कैसे करते आगे क्या काम किया इंस्टेड इंस्टेड कि uh, हम पी को कुछ लोगों को पहले ऐसा लगता था कि एनपी को पी बनाना बहुत आसान काम है जल्दी से बना लेंगे बट कोई कुछ कर नहीं पाया जो प्रॉब्लम पी थी वो आज भी एनपी है।, uh, है।, तो है, है तो वो पी में नहीं सॉल्व हो रहा तो उसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं लुक एट दिस ग्राफ ये तो पता ही है कि पी एन पी का यस अब एक और मैं ग्राफ बनाता हूं आधा ग्राफ जिसको बोलते हैं एनपी हार्ड ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन एनपी एनपी हार्ड हार्ड और पी और पी का जो इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड एनपी कंप्लीट अब इसका पूरा गेम समझिए ये।, ये है पूरी नॉन पॉलिनोम का क्लास और नॉन पॉलिनोम वो बेसिकली जिसके लिए अलगुरदम लिखा जा सकता है अब इसमें भी हमें पता है कुछ अलगुरुदम आसान है कुछ अलग्रोदम मुश्किल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसान है ट्रेवलिंग सेल्समैन मुश्किल है सो

अगर आप इससे मुश्किल होते हैं तो आप उस डोमेन में चले जाएंगे जहां प्रॉब्लम इतना मुश्किल है कि वो एलगोरिदम से प्रोसीजर में चला गया इवन नो टू सॉल्व इट वो इतना मुश्किल है अनसॉल्वेबल नहीं है बट यू नेवर नो कितना टाइम लगेगा डिसाइडेबल भी नहीं बचा सो और और आगे जाएंगे तो हो सकता है आपको अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम भी मिल जाए सी ये इस, इसको सिम्बॉलिकली ना इस सर्किल को कंप्लीट भी नहीं किया जाता बताने के लिए कि, कि कितना मुश्किल है कहीं तक भी जा सकते हो तो अब यहां समझिए एन पी हार्ड और एन का जो इंटरसेक्शन है वो एन की तरह बिहेव करता है इसका मतलब क्या है अगर एन के कॉन्टेक्स में देखेंगे तो एन पी क्लास के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है लाइक like दिस अगर एन हार्ड के कॉन्टेक्स में देखेंगे तो एन पी हार्ड की सबसे आसान प्रॉब्लम है तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एनपी हार्ड अ प्रॉब्लम इज सेट टू बी एनपी हार्ड इफ इट इज एटलीस्ट एज डिफिकल्ट एज अ एनपीसी प्रॉब्लम कम से कम एनपीसी ज्यादा मुश्किल होगा तो एनपी हार्ड होगा व्हाट इज एनपीसी इट इज द टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ क्लास एनपी व्हाट इज एनपी अ प्रॉब्लम इफ इट इज लेस डिफिकल्ट देन एनपीसी देन इट इज एनपी लाइक दिस ये एक पूरी हेरारिकी है और ये वो सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं लिख के लाया हूं ग्राफ कलरिंग थ्री सेट क्लिक क्लिकोनियनसेक वर्टेक्स सेट कवर पार्टीशन इंडिपेंडेंट सेल्समैन जॉब शेड्यूलिंग ऑलरेडी इन क्लास एनपीसी मजे की बात क्या है अगर आप में से कोई बहादुर बच्चा किसी भी एक एनपीसी को पकड़ के पी में ले आए तो बाकी को भी ले आएंगे क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं अब लोगों से पी तो बन नहीं रहा खाली बैठे हुए कुछ तो करेंगे कहते हैं सर हमने ना सेट कवर को वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया हमने थ्री सेट को ग्राफ कलरिंग में कवर कर दिया कन्वर्ट कर दिया हमने क्लिक को इंडिपेंडेंट सेट में इनको आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट फ्यूचर में अगर कोई भी पी बनेगा तो बाकी ऑटोमेटिकली पी बन जाएंगे एंड देन अगर आपने एनपीसी को पी बना दिया तो फिर ना कुछ एनपी ना कुछ भी फिर तो सब सेम हो जाएंगे ये एक पूरा आइडिया है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का अगेन दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई गो इन टू द मोर डेप्थ इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी इन टी ओसी है ना वहां पर इसका आइडिया बट आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गया होगा कि हाउ दिस कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी वर्क चलिए अभी दो छोटे छोटे पॉइंट्स और पेंडिंग उसको भी कम्पलीट करते हैं वन आइडिया इज कॉल्ड अप्रोक्सिमेशन एलगोर ना वट इज देट देखिये जैसे डीपी में भी हमने बात की पहले भी बात की टी में बात की ट्रेवलिंग सेल्समैन में कभी कभी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं. कि अगर आप उनको गारंटीड ऑप्टिमली सॉल्व करना चाहो कि नहीं टाइम कितना भी लगे कि करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम का मतलब ही खत्म हो जाए अब आप रास्ते में है इमेजिन करिए और आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं आप चाहते हैं गूगल मैप जल्दी आंसर करे तुरंत एक सेकंड के अंदर आपको नहीं समझ रहा लेफ्ट हैंड लेना है कि राइट लेना इंस्टेड कि गूगल मैप बोले भाई गाड़ी साइड में लगा लो दो घंटे पहले पूरा एलगोरिदम रन करूंगा तब बताऊंगा ऑप्टिमल पाथ भाई तू एक किलोमीटर दूर का बता दे बट बता दे आर यू गेटिंग इट सो Approximation algorithm is a type of algorithm used for solving optimization problem. The key characteristics of approximation algorithm are as purpose. जहां एग्जेक्ट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो उस केस में हम बोलते हैं एग्जेक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए परफॉर्मेंस थोड़ा लेके आओ क्लोज टू ऑप्टिमल आप आंसर करोगे तो चलेगा सो so, इट क्विकली फाइंड्स अ सॉल्यूशन दैट इज क्लोज टू द बेस्ट सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन गारंटी नहीं करता ऑप्टिमेलिटी की इट प्रोवाइड्स अ प्रूवेबल गारंटी ऑफ हाउ क्लोज द आउटपुट टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हम एक फैक्टर की बात करेंगे सपोज इफ वी से टू अप्रोक्सिमेट इट से दुगना हो सकता बट उससे ज़्यादा नहीं होगा तो ऐसा नहीं कितना भी खराब करेंगे बट द पॉइंट इज बहुत कम टाइम के अंदर कर देंगे तो यू you नो know, अगर मैं पोलिनिमल टाइम में ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के रखाऊँ तो कितना अच्छा है हालांकि गारंटी नहीं कर रहा कि हर बार ऑप्टीमल होगा काइंड ऑफ ग्रीडी आइडिया है यस yes, कॉम्प्लेक्सिटी तो आमतौर पे जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है अभी हमने बात की ना एनपी हार्ड एनपी सी क्लास वाली उनके ऊपर इसको लगाया जा सकता है इन दैट केस दे कैन बी सोल्व इन पॉलिनोमियल टाइम बट इसका लिमिट मानिएगा एनपी पी के बराबर हो गया बिकॉज ये एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहा है अप्रोक्सीमेटली करता है

यार हम उस लेवल पर हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा तो अंदाजा लगाएं बट थोड़ा सा कम टाइम के अंदर सॉल्व करके बताएं इसी का एक और वेरिएंट है आपके सिलेबस में एल्गोरिथम सी दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पता कभी पांच नंबर में कोई टॉपिक टच कर ले इसलिए डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज रेंडमाइज सो रेंडमाइज एल्कोर चॉइस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस टू सिंपलीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन कभी कभी हर बार एग्जैक्ट फाइंड करते हैं इट्स लाइक दिस

एंड मोन्टी कार्लो वट इज लॉस वेगस दिस इज अ टाइप इसके अंदर कैटेगरी में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं ये अप्रोच है सो दे ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट बट द अमाउंट ऑफ टाइम दे टेक टू कंप्लीट मे वेरी तो तो ये गारंटी कि रिजल्ट सही देंगे बट कितने समय में देंगे वो वेरी कर सकता है जो अप्रोच रिजल्ट. ये गलत भी दे सकते है बट ये गारंटी करते है पोलिनोम टाइम की टाइम हमेशा पोलिनोम ही होगा यस तो दीज आर आइडियाज एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी न्यूमेरिकल एनालिसिस डेटा स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड मेनी मोर एंड एडवांटेज कैन अवॉइड वर्स केस वही जहां पर भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है कॉम्प्लेक्सिटी क्लास ऊपर जा रहा है और आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व करने का फायदा भी है कि नहीं अगेन यू सी द एग्जाम्पल क्रिप्टोग्राफी अब ऐसा थोड़ी है, अगर कीम्बिनेशन तो आप क्रैक करोगे वहां पर इस तरह का आइडिया काम आता है ये एंड अगेन आई है फुल फ्लेस डिफरेंस बिटवीन लास वेगस एंड मोन्टी कार्डो सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज यूट नोट नोट दीज पॉइंट

Uh, मैं एकदम सारी चीजों का ध्यान रख रहा हूं कि इवन इफ यू गो थ्रू वीडियो सेमेस्टर एग्जाम तो भूल जाओ वो तो खत्म हो जाएगा इवन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर गेट नेट फॉर योर प्लेसमेंट्स दिस इज फॉर फॉर स्टार्टिंग दिस इज मोर देन सफिशियंट मैं नहीं बोल रहा है कंप्लीट है बट बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ जरूर दीजिए ऑलरेडी आप लोग दे रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं बट वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो कमेंट करके बताइएगा कौन सा वैसे हम पोल चलाते हैं जो पोल में आंसर आता है उसी को आगे लेके चलते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट भी प्लीज फॉलो करिएगा यस yes, इसी तरह साथ देते रहिए बिकॉज तो हमारा काम सर उसी से चलता है थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत